नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कैसे हैं आप सभी और आज जो है बिल्कुल इतिहास बनने वाला है आज हम हॉर्टिकल्चर की मैराथन क्लास अर्थात 500 क्वेश्चन जो है आज पढ़ेंगे लगातार आप सभी को जो है अभी से है खाना खा करके और पानी पी करके ही बैठना है क्योंकि जो है हम लोग आज पूरे शाम तक 500 सौ क्वेश्चन लगातार हल करेंगे तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आज हम हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बीच बीच में हम लोग मोटिवेशन की बात भी करेंगे बीच में हम लोग जो है राजस्थान के पुराने इतिहास की बात भी करेंगे कैसे वीर वीरांगनाओं ने जो है अपने इस मिट्टी के लिए जो है बलिदान दिया है उसकी भी बात करेंगे और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम की भी बीच में बात करेंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है और इस अवसर पर है जो मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ हार्दिक जो है आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आज हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए बीच बीच में मैं उनके ऊपर लिखी हुई कुछ रचनाएं हैं उनकी भी मैं बात करूंगा कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि आज सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत कुछ जो है आप ऑलराउंडर लस्ट में जो है बनकर के निकलोगे बहुत सारी बातें आप लोग जो जो है है आज सीख करके जाने वाले हो तो बिल्कुल हम जो है क्लास की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए देखिए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरम भगवान श्री कृष्ण को हम लोग याद कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं और वसुदेव के पुत्र और देवकी के परमानंद हैं उनको जो है हम सुमिरण करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं तो सभी विद्यार्थी जैसे बोल रहे हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से राजस्थान के सभी विद्यार्थी बिहार से मध्य प्रदेश से सभी विद्यार्थी जुड़े हैं मैं आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बिना किसी देरी के हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट से आपको दस सेकेंड का टाइम दूंगा फिर आगे बढ़ जाएंगे कहने का मतलब यह है कि कम से कम टाइम में हम अधिकतम प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल मीडियम से लेकर के के कठिनतम टाइप प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे तो पहला जो है प्रश्न है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता किसे कहते हैं अर्थात फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी किन्हीं कहा जाता है ये आपको बताना है फटाफट से आप कमेंट में बताएंगे कि किन्हें हम लोग फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी कहते हैं पहला ऑप्शन है एल एच बेली को जॉन लिंडले को डब्ल्यू बी को या फिर डी कैंडोल को ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो है आप इस वीडियो को शुरुआत में ही शेयर करेंगे तो आज हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है आज हम जोड़ने की कोशिश करेंगे सभी विद्यार्थी राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार या फिर और भारत के किसी भी हिस्से से जुड़े हैं उन सभी का जो है भारत एक संघ है आप लोगों ने सुना भारत सभी राज्यों का संघ है तो इस एक जो है हाँ भारत एक पूरा वट वृक्ष है जिसकी जो है जड़ें बिल्कुल एक समान है तो आप सभी विद्यार्थियों का जो है मैं स्वागत करता हूं इसका सही उत्तर बच्चे फोर्थ दे रहे हैं तो बिल्कुल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ अर्थात डी कैंडोल को हम लोग फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कहते हैं अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है मैंने आज हॉर्टिकल्चर को पहले जनरल हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन लिए हैं

चार तरह की गोभी होती है आगे मैं चारों के नाम भी आपको बताऊंगा अभी आपको एक बार पत्ता गोभी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है विद्यार्थी फटाफट से आंसर देने लगे हैं बहुत बढ़िया पवन शंकर सूर्या सुमित ललित अमृत सोनू पूजा ज्योति प्रियंका राणा अमित सभी का स्वागत है विद्यार्थियों सभी बच्चे जो है इसका सही उत्तर जैसा कि आपको पता है पत्ता गोभी को हम ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा कह देते हैं वेरी गुड अलग क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है अर्थात किसको गलत तरीके से जो है सुमेलित किया गया है ये आपको पहचानना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पोमोलॉजी अर्थात फलों की खेती का अध्ययन दूसरा ओलेरिकल्चर अर्थात सब्जियों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों या फिर अलंकृत पौधों की खेती का अध्ययन और वीटिकल्चर यानी कि अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है कि सही उत्तर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा पोमोलॉजी फलों की खेती का अध्ययन ओलरिकल्चर सब्जियों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर फूलों या फिर अलंकृत पौधों की खेती का अध्ययन और वीटिकल्चर अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन सही उत्तर आपको चयन करना है कि क्या होगा इसमें बिल्कुल ललित बच्चे फोर्थ आंसर कर रहे हैं सपना शुभम संतोष विकास सहदेव बहुत अच्छा विद्यार्थियों वेरी गुड सही उत्तर जो है बच्चे जैसा कि फोर आंसर कर रहे हैं और इसका सही उत्तर डेफिनेटली फोर ही होगा देखो क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्यों होगा Viticulture के अंदर हम लोग अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं अंगूर की खेती का अध्ययन ना कि अंगूर से शराब बनाने के का अध्ययन तो अंगूर की खेती जो हम करते हैं उसे विटिकल्चर कहते हैं अंगूर से शराब बनाने के अध्ययन को हम लोग वीरी कहते हैं ध्यान रखना वीरी culture. तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने जो है ऐसे गोलमाल करने वाले क्वेश्चन ज्यादा बनाए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगला जो है प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आपको वैज्ञानिक नाम बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इधर मैंने कुछ क्रॉप के नाम दे रखे हैं आगे मैंने वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं आपको पहचान करना है कि कौन सा सही नहीं है प्याज को हम लोग एलियम सेटागम कहते हैं टमाटर को लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम कहते हैं बैंगन यानी कि एग प्लांट को हम लोग सोलेनम मेलोजिना कहते हैं पिंडी को हम लोग मोस्कस एस्कुलेंटस कहते हैं इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होता है इसका सही उत्तर क्या होगा कौन सा असुमेलित है यानी कि गलत तरीके से सुमेलित किया गया है यानी सुमेलित नहीं है फटाफट पट से बच्चे लोग बताएंगे कि प्याज को हम लोग एलियम सेटाइबम कहते हैं सभी को पता है टमाटर को हम लोग एस्कुलेंटम कहते हैं बैंगन को हम लोग सोलेनम मेलोजेना कहते हैं भिंडी को एबल मोस्कस एस्कुलेंटम कहते हैं या एस्कुलेंटस कहते हैं ठीक है जैसा कि बच्चे शुभम कोमल कुलदीप प्रियंका रामेश्वर प्रियांशु जैसा कि उत्तर दे रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट आपका किस लिए हुआ ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है प्याज को हम एलियम सेपा कहते हैं प्याज को हम लोग एलियम सेपा कह देते हैं और एलियम सेटायोम जो है हम लोग लहसुन को कहते हैं इसलिए जो है जेट 2012 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था जहां पर विद्यार्थी लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे तो आगे से आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है कि आलू का उत्पत्ति स्थल कहां पे है आलू का ओरिजिन प्लेस आपको बताना है कि हड़सन की गाड़ी खाड़ी उत्तरी अमेरिका मेक्सिको उत्तरी अमेरिका पेरू दक्षिण अमेरिका या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र आलू का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है विद्यार्थियों आप लोगों को बताना है मोहित बबली पूजा बच्चा बोल रहा उत्तर प्रदेश के जौनपुर से प्रणाम सभी बच्चे उत्तर प्रदेश से या बिहार से सभी हैं। जम्मू कश्मीर में जय हिंद बता रहे हैं मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर से भी बच्चे देख रहे होंगे लेकिन अगर हैं तो बिल्कुल जो है उनका भी स्वागत है हड़सन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका मेक्सिको उत्तरी अमेरिका पेरू दक्षिण अमेरिका या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका सही उत्तर आपको रोशनी कोमल मुकेश संदीप राजेश बिल्कुल बहुत अच्छा जैसा कि बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि इसका सही उत्तर आपका होगा पेरू यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो है पेरू जो देश है उसके आसपास वाला क्षेत्र जो है इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न देखो सरल है परंतु परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पालक कौन से कुल का पौधा है पालक का कुल पिछली बार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और मैंने वही प्रश्न ज्यादातर लेने की कोशिश की है जो कॉमनली पूछे जाते हैं कुछ सरल प्रश्न भी है कुछ कठिन प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे चीनोपोडीएसी एनाकारसी या फिर अम्बेली फेरी ऑप्शन इस प्रकार से है चीनोपोडीएसी एना कार्डियन या फिर अम्बेली फेरी आपको सही उत्तर बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। पालक का पवन नारायण अमित मोहत मोहित पिंकी संदीप बिल्कुल तो सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं चीनो जो है पालक का कुल हो जाएगा एना आम का हो जाएगा कन सकरकंद का हो जाएगा और अम्बेली फेरी आपके बहुत सारी फसलों का कुल है अम्बेली फेरी को हम लोग जो है एफ भी कहते हैं और ये जो एफ आपके गाजर का या फिर जो धनिया वगैरह होता है इनका धनिया जीरा सौंफ इन सब का अम्बेली फेरी कुल होता है अगला प्रश्न आपका देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है कि आपको मिलान करना है मिलान कैसे करना है फसलें दे रखी रखिए फसलों की आपको गुणसूत्र संख्या दे रखी है उससे मिलान करना है प्रश्न मैंने इसलिए किया है जनरली इसको अवॉइड कर देते हैं कई बार प्रश्न पूछा जाता है भिंडी की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है यहाँ पे देखो भिंडी टमाटर बैंगन मिर्च प्याज और लहसुन गोभी वर्गीय सब्जियां और 18 16 24 और 130 आपको यहाँ पे मिलान करना है ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है बिल्कुल दिनेश दिनेश कह रहा है मेरा भी नाम लेना सबका नाम लेंगे आज पूरा दिन अपने पास है आज की मैराथन क्लास है 500 हंड्रेड क्वेश्चन हम लोग कम से कम करेंगे तो पांच सौ क्वेश्चन स्वागत है सीताराम पुष्पेंद्र पप्पू सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपको यहाँ पर मिलान करना है जैसा कि बच्चों के आंसर आने लगे कुछ थर्ड कुछ फर्स्ट दे रहे कुछ सी दे रहे आंसर कुछ थर्ड दे रहे देखो मैं बता देता हूँ सीकर की पावन धरती से प्रणाम शिखर वाले विद्यार्थियों का भी यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है यस तो इसका मैं आपको उत्तर बताता हूं बिंडी की गुणसूत्र संख्या होती है 130 तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको ढूंढना है डी तो डी यहां पे देखो तीन ऑप्शन के अंदर डी है तो फर्स्ट के अंदर डी हो जाएगा टमाटर बैंगन और मिर्च यानी कि जो सोलेने सी कुल की सब्जियां हैं उनमें जनरली जो है चौबीस गुणसूत्र संख्या तो दूसरे के अंदर हो जाएगा सी तो दूसरा आपके सी देखो दो ऑप्शन के अंदर दूसरा सी है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए अब दो ऑप्शन में से सही उत्तर आपको बताना है प्याज और लहसुन की गुणसूत्र संख्या सोलह होती है तो थर्ड के अंदर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और फिर गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर होती है अठारह तो लास्ट के अंदर ए हो जाएगा अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा तो तीसरा जो है इसका सही उत्तर है ऐसे प्रश्न में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है थोड़ा समझ लेना है अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो कमेंट में कोई बात नहीं है मैं आपको बता देता हूं इसमें कि भिंडी की 130 होती है टमाटर बैंगन मिर्च के गुणसूत्र संख्या चौबीस प्याज लहसुन की 16 और गोभी वर्गीय सब्जियों की होती है आपकी 18 बहुत अच्छा अब देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका फिर से आपको वैज्ञानिक नाम अगर आपको एग्रीकल्चर में आपने सब्जेक्ट चेंज कर रखा है और वैज्ञानिक नाम ही आपको नहीं पता है इसका मतलब कहीं न कहीं अपनी कमजोरी है अभी उसको सुधार लेना चाहिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा जो है आपका सही तरीके से सुमेलित किया हुआ नहीं है यानी कि तीन तो सही है एक गलत है सेब को हम लोग बोलते हैं मेलस डोमेस्टिका लीची को बोला जाता है लीची चाइनीजिस फालसा को बोलते हैं ग्रेविया सभी और करोंदे को बोलते हैं केरिसा पपाया आपको यहाँ पे जो है का पपाया आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है कि कौन सा जो है आपका गलत तरीके से मिलान किया हुआ है सेब को मेलस डोमेस्टिका कहा जाता है चीनी लीची को हम लोग लीची चाइनेंसिस बोलते हैं फालसा को हम लोग ग्रेविया बोलते हैं, और करोंदा को हम लोग केरिका पपाया बोलते हैं आप सभी को पता ही होगा तो फटाफट से मुझे आंसर बताएंगे रेणु हरिओम सुमन सुनीता बहुत अच्छा वेरी गुड जैसा कि बच्चे फोर आंसर कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को पता चल गया है कि हम लोग करोंदा को हम लोग करंडस कहते हैं तो इस प्रकार से केरिसा करंडस कहेंगे और और केरी का पपाया हम लोग कहेंगे पपीता को यानी कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर आप लोगों का फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला प्रश्न फिर से आपका गुणसूत्रों से लिया गया है आपको गुणसूत्रों में आपको सही उत्तर बताना है कि बेमेल को छांटना है कौन सा गलत तरीके से मिलान किया हुआ है बेर की जो गोला और इलायची किस्में होती है बेर की गोला और इलायची किस्मों की 96 सिक्स गुणसूत्र संख्या होती है पपीता नींबू वर्गीय फल बिलपत्र और अनार की 18 होती है अमरूद की गुणसूत्र संख्या 18 होती है और आम की गुणसूत्र संख्या 40 होती है इसमें से कौन सा गलत तरीके से मिलान किया हुआ है आपको यहाँ पे बताना है वेरी गुड रवि सिद्धार्थ हिमांशु प्रधान सभी बच्चे बहुत अच्छा है पापा की परी जोधपुर से बिल्कुल पापा की परी का जो बच्चा बता रहा था कि पापा का कबूतर पापा के कबूतर पापा का मगरमच्छ जो था सभी विद्यार्थियों का जो है पूरे का पूरा मैं कह रहा था कल रात को सभी जलीय जीवों का और थलीय जीवों का स्वागत मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है आज हम बहुत सारी बातें करेंगे अभी देखना स्लाइड के बीच बीच में मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की हुई है जो अब आपकी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी ठीक है तो इसका सही उत्तर बच्चे दे रहे हैं थर्ड आंसर दे रहे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आंसर कर रहे हैं थर्ड वेरी गुड प्रवीण गायत्री मुकेश निशा रोशन अल्फा आपका जो सही उत्तर देखो इसका क्या होगा बिल्कुल थर्ड इसका सही उत्तर होगा क्योंकि अमरूद की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है बाईस होती है ठीक है बाकी आपकी पपीता की नींबू वर्गीय फलों की बिलपत्र की अनार की अठारह होती है आम की चालीस होती है बेर की आपकी 48 होती है यानी कि बेर की ज्यादातर किस्में टेट्राप्लॉइड होती है परंतु गोला और इलायची किस्मों की 96 होती है क्योंकि ये क्या होती है आपकी अष्ट होती है दोनों बेर की किस्में जो है आपकी गोला और इलायची अष्ट होती है बिल्कुल ठीक आगे बढ़ जाते हैं तुरंत प्रभाव से देखो कितना सरल और कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पेड है देखो अगला कि फल व सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का क्रमशः स्थान कौन सा है सब्जी उत्पादन में व फल उत्पादन में यानी कि पहले आपको आंसर देना है फल उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का विश्व में फिर आपको देना सब्जी उत्पादन में कौन सा क्रमशः स्थान है प्रथम और द्वितीय द्वितीय और तृतीय द्वितीय और द्वितीय और द्वितीय और प्रथम आपको आंसर देना है कि फल एवं सब्जी उत्पादन में क्रमशः विश्व में भारत का स्थान कौन सा है ठीक है ऑल इन वन बच्चे बोल रहे हैं लाइक शेयर एंड कमेंट बिल्कुल आपको लाइक शेयर एंड कमेंट करना है बंटी रोशन बच्चे थर्ड आंसर करने लगे हैं जब फटाफट से ठीक है मुकेश शोभा सुनीता सहदेव वेरी गुड बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल थर्ड आंसर आपका सही है विश्व में फल उत्पादन में पहला नंबर चीन का है फल उत्पादन में और दूसरा जो है आपका भारत का है और विश्व में सब्जी उत्पादन में भी जो है पहला स्थान आपका चीन का है और दूसरा स्थान आपका भारत का है मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया होगा कि सब्जी उत्पादन के अंदर ऐसे हालात है, ये विश्व है और विश्व में से हम बात करें तो लगभग जो है फिफ्टी परसेंट के आसपास सब्जी अकेला चीन उत्पादित करता है अकेला चीन विश्व की पचास परसेंट सब्जियां उगाता है और सेकंड रैंक पे भारत है वो लगभग जो है आपके चौदह से लगभग पंद्रह प्रतिशत के आसपास सब्जियां भारत उगाता है इसका मतलब चीन बहुत आगे है विश्व के दो सौ देशों में से अकेला चीन जो है बिल्कुल आधी सब्जियों का उत्पादन कर रहा है फिर बची कु भारत कर रहा है फिर जो रेस्ट जितने भी देश बचे हैं वो बाकी सब्जी का उत्पादन कर रहा है ठीक है माखन चोर नंद किशोर बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल अभी हम फिर से श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं की हम बात करेंगे कुछ ऐसी बेहतरीन रचनाएं हैं उनकी हम लोग बीच बीच में बात करेंगे अगला प्रश्न देखो थोड़ी रामायण की बात कर लेते हैं यह मैंने हालांकि मैंने आंसर आपको बता दिया है लेकिन फिर भी देखो अगली एक लाइन है कि त्रषित वारी बिनु जो तनु त्यागा मुहे का सुधा तड़ांगा का बरखा जब कृषि सुखाने समय चूक के पुणिक पचताने ये जो पंक्तियां आप देख रहे हो ये किस ग्रंथ से ली गई है यहाँ पे देख ये जो लाइन देख रहे हो ना ये भारतीय कृषि की एक तरह से पूरी टेग लाइन है मतलब का बरखा जब कृषि सूखा ने यानी कि खेती बाड़ी सूख जाने के बाद अगर बारिश होती है तो वो किसी काम की नहीं है जैसा है कि वर्तमान में आप लोग देख रहे हो भारतीय मानसून राजस्थान में इस समय हालात ऐसे हैं कि अगर अभी बारिश नहीं आती है के दस दिन बाद में भी आती है तो फसलें लगभग जो है आपके खत्म हो जाएगी और फिर से जो है अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है राजस्थान में ज्यादातर इलाकों में ये हालात है आज की तारीख के बताऊं इस बार मानसून में गड़बड़ होने की वजह से अपने बारिश बहुत कम प्राप्त हुई है तो ये आपको बताना है कि किससे ये लिया गया है बच्चे मैक्सिमम आंसर कर रहे हैं फर्स्ट कुछ फोर्थ आंसर कर रहे हैं फर्स्ट आंसर दे रहे हैं बच्चे वेरी गुड तो ये बिल्कुल जो लाइन है ये रामचरित मानस से ली गई है जिसको जो है तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की थी रामचरित मानस वहां से ये लाइन है ये पूरी जो है ये चौपाइए हैं ये वहां से ली गई हैं और सीता माता का जो स्वयंवर होता है ये वहां वाली कहानी है ये मैं कभी प्रसंग सुनाऊंगा मैं कई बार क्लास के अंदर सुनाता हूं अगला जो है आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि अनार व खजूर का क्रमशः उत्पत्ति स्थल है अनार व खजूर का आपको क्रमशः उत्पत्ति स्थल बताना है पहला ऑप्शन है एशिया माइनर व इंडो वर्मा दूसरा है ईरान व इराक तीसरा है आपका इंडो मलाया, है आपका मेक्सिको और अफ्रीका है कि पहले अनार का उसके बाद में आपको खजूर का बताना है तो सही मुझे फटाफट से उत्तर बताएंगे सौरभ ललिता सुनील दीपांशु मनीषा कृष्णकांत वेरी गुड बच्चों तो सही उत्तर जैसा कि बच्चे सेकंड आंसर दे रहे बच्चे जो कुछ सेकंड आंसर दे रहे हैं ज्यादातर तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं फटाफट से हम आज टाइम बिल्कुल कम वेस्ट करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कम से कम टाइम में अधिकतम प्रश्न हम हल करें तो अनार का उत्पत्ति स्थल आपको पता ही है क्या होता है ईरान होता है और खजूर का उत्पत्ति स्थल यहाँ पे इराक होता है तो ईरान अनार और खजूर आपको जो है इराक करना है तो ये आपका सही उत्तर है जैसा कि मैक्सिमम विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं अगला मैंने आपको कहा था कि गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनका आपको यहाँ पे नाम का मिलान करना है कितना अच्छा क्वेश्चन है दो गोभी आपके जनरली सिलेबस वाले लिख देते हैं और बाकी दो गोभी का भी कई बार नाम पूछ लिया जाता है तो आपको यहाँ पे सही आंसर देना है कि ये जो गोभी है इनमें से इनके वैज्ञानिक नाम के सामने जो कौन सा सही मिलान हो रखा है तो फूल गोभी को हम लोग क्या कहते हैं दे रखा है पत्ता गोभी गांठ गोभी और ब्रोकली दे रखी है आगे नाम दे रखे हैं ब्रेसिका ओले ओलेरेसिया इटाली का ब्रेसिका ओलेरेसिया वेरायटी कैपिटाटा ब्रेसिकाइटी ओलेरेसिया वेराइटी बोटराइटिस अगर आपको विकल्प दिख रहे हैं तो मुझे आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे नहीं तो फटाफट से मैं आपको उत्तर बता दूंगा साफ नहीं दिख रहा है ये ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे थोड़े छोटे दिख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि फूल गोभी का जो है गोभी का नाम होता है ओलेरेसिया हो कि कहते है. दूसरे में आपका सी हो जाएगा दो ऑप्शन में सी दे रखा है गांठ गोभी को हम लोग ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगी लोइस बोलते हैं तो थर्ड के अंदर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा तो ये सही उत्तर है ब्रोकली को हम लोग ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका कह देते हैं तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए फूल गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोटराइटिस कहते हैं पत्ता गोभी को हम लोग ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा कहते हैं घाट गोभी को हम लोग ब्रेसिका ओलेरेसिया रेसिया गोंगिलोडस कहते हैं और ब्रोकली को हम लोग ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी आपका इटालिका कह देते हैं ठीक है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न ये अगला प्रश्न अपना मोटिवेशनल कोर्ट आ गया है बहुत अच्छी बात है अगला हम लोग मोटिवेशनल कोर्ट आप लेके पढ़ते हैं। आप सभी के लिए मैं पढ़ देता हूं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी लगे रहो बस रुकना मत आएगा तुम्हारा दौर कभी निश्चित रूप से आपको भागते रहना है जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं हो जाती है मैं फिर से पढ़ देता हूं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी लगे रहो बस रुकना मत आएगा तुम्हारा दौर कभी निश्चित रूप निश्चित रूप से विद्यार्थियों आज नहीं तो और कभी आएगा तुम्हारा दौर कभी निश्चित रूप से अभी हार्डवर्क करोगे तो बिल्कुल आपका दौर आएगा ही आएगा मैं ये गारंटी जो है आप लोगों को दे सकता हूं बच्चा बोल रहा है इनोलॉजी किसे कहते हैं जो जनरली हम लोग शराब बनाने का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इनोलॉजी कहते हैं अंगूर से शराब का अध्ययन को हम लोग विरीकल्चर कहते हैं मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छी बात है अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या है आगे कुल दे रखे हैं और उन कुल में आपको जो है सही नहीं है वो ऑप्शन का चयन करना है कि कौन सा गलत तरीके से मिलान किया गया है भिंडी को कुल कौन सा होता है मालवेसी होता है प्याज और लहसुन का कुल एपीएससी होता है गाजर का कुल एपीएससी होता है और गोभी वर्गीय सब्जियों का कुल क्रूसी या फिर ब्रेसी कैसी होता है इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे कि क्या होता है भिंडे का कुल मालवेसी होता है प्याज और लहसुन का कुल एपीएस होता है गाजर का कुल भी एपीएस होता है और गोभी और ये सब्जियों का कुल जो है क्रूसी या फिर ब्रेसी कैसी होता है फटाफट से आप लोग बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा जैसा कि बच्चे आंसर कर रहे हैं कि इसका थर्ड आंसर होगा कुछ ज्यादातर बच्चे सेकंड भी बता रहे हैं कुछ थर्ड भी बता रहे हैं यस सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड बच्चे बता रहे हैं क्योंकि इस इस बात से पता चल गया कि आंसर तो इन दोनों में ही होगा तो ये भी बड़ी बात है ये दोनों तो नहीं होंगे तो गाजर और लहसुन का जो कल कुल होता है वो आपका होता है वो आपका कुल होता होता है है ना कि आपका होता है। आपका एपीएससी अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा हो जाएगा तो प्याज और लहसुन को हम लोग एलिय कुल के अंदर रखते हैं वेरी गुड अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है देखो कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है इस नए पैटर्न के ऊपर बनाया हुआ प्रश्न है इसको मैं जूम कर रहा हूं आराम से दिखेगा अः निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है आपको सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है कनबोल का कुल होता है और एपोसाइनेसी जो है करोंदा का कुल होता है तो उप में से सही विकल्प का चयन करना है सही कौन से है ए सी और डी सही है ए बी सी डी चारों सही है और ए बी और सी सही है आपको सही उत्तर बताना है कन्वोलवुलेसी शकरकंद का होता है एनाकार्डियसी आम का होता है चिनोपोडियसी पालक का होता है और एपोसाइनेसी आपके करोंदा का कुल होता है तो सही यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा वो आप लोग बताएंगे क्या सभी सही हैं क्या केवल ए और डी सही हैं क्या आपके बी सी और डी सही हैं या फिर आपका जो है ए बी और सी सही हैं बच्चे ज्यादातर आंसर सी दे रहे हैं बिल्कुल मोहित अशोक सोनम अनीता अक्षय शुभम बनीता सोनम रागिनी प्रियंका मनोज कुलदीप सभी विद्यार्थी जैसा ये आंसर दे रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन यानी कि सभी के सभी यहाँ पे सही हैं और चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली है जो कि आप लोगों को याद होनी ही होनी चाहिए ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न आपका देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इथाइलिन अवशोषक यानी कि इथाइलिन एब्जोर्बर रसायन है निम्न में से कौन सा इथाइलिन अवशोषक रसायन बताना है पोटेशियम मेटाबाइ सोडियम बेंजोएट पोटेशियम पर और कैल्शियम कार्बाइड पोटेशियम पर मेटाबाइ सोडियम बेंजोएट पोटेशियम परमेग्नेट और कैल्शियम कार्बाइड आपको इथाइलिन अवशोषक रसायन बताना है जो इथाइलिन गैस का अवशोषण कर लेता है और फलों को जो है पकने से रोकता है तो ज्यादा दिन तक जो है फल अपने खराब नहीं होते हैं जितने जल्दी पकेंगे उतने ही जल्दी खराब हो जाएंगे तो बच्चे जो है आंसर देने लगे हैं थर्ड आंसर ललिता मोहित नारायण रीना वेरी गुड निशा चौधरी ममता लॉरेंस चौधरी बिल्कुल वेरी गुड शिवानी नारायण तो बिल्कुल जैसा कि बच्चे मैक्सिमम आंसर दे रहे पोटेशियम परमेगनेट यानी के इसका सही उत्तर होगा जनरली हम इसे काम में लेते हैं ऐसे फल जिनमें इथाइलिन बहुत ज्यादा जो है मात्रा में रिलीज होता है वो फल क्या जल्दी पक जाते हैं और फल जो जल्दी पकते हैं वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं इसलिए खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये इथाइलिन अवशोषक रसायन काम में लेते हैं जो इथाइलिन गैस को क्या कर देता है कम कर देता है अगला प्रश्न देखो बहुत बेहतरीन प्रश्न है एओ के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है एओ के एग्जाम में कि गोभी वर्गीय सब्जियां प्राकृतिक रूप से होती है गोभी वर्गीय सब्जियां प्राकृतिक रूप से होती हैं परपरागित यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड स्वपरागित प्राय प्राय परपरागित यानी कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड तो आपको बताना है कि गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं क्या होती हैं ये आप लोग बताएंगे फटाफट से तो इसका हम लोग सही उत्तर पता करेंगे देखो फटाफट से और फास्ट करेंगे बिल्कुल विद्यार्थी बोल रहे हैं तो इसको हम लोग बिल्कुल और फास्ट करने जा रहे हैं आप फटाफट पत आंसर कि सब्जियों के क्या हालात हैं क्या वो स्वराजित है क्या वो परपरागित है क्या वो प्राय स्वराजित है क्या वो प्राय परपरागित है इसका सही उत्तर विद्यार्थियों बिल्कुल गोलमाल हो रहा है मामला ऊपर नीचे जैसा कि आंसर बता रहे हैं राहुल प्रदीप दीपक इसका सही आंसर होगा पर परागित यानी कि सॉरी यानी कि हाँ बिल्कुल क्रॉस पॉलिनेटेड इसका सही उत्तर होगा आपका क्रॉस पॉलिनेटेड यानी कि पर परागित गोभी वर्गीय सब्जियों में पर परागण पाया जाता है बाकी आपका टमाटर है आलू है मटर है उसमें स्वपरागण पाया जाता है बाकी जो है आपका क्रॉस पोलिनेटेड भिंडी है आपका खीरा है इसके अलावा आपका जो है मिर्च है बैंगन है उनमें जो है प्राय पर गोभी वर्ग की सब्जियों में आपका पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन होता है ये प्रश्न आया हुआ अगला देखो सरल प्रश्न अब तो ये हर किसी को आता होगा ये प्रश्न देखो पपीता की डायोसियस किस्मों व खजूर में अधिकतम उपज प्राप्त करने हेतु नर व मादा अनुपात रखना चाहिए मैं रिपीट कर रहा हूं पपीता की डायोसियस यानी एक किस्मों और खजूर में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए नर और मादा अनुपात कितना रखना चाहिए एक अनुपात पंद्रह एक अनुपात दस एक अनुपात तैतीस और एक अनुपात छियासठ इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा नारायण लाल सौरभ प्रियंका सेकंड उत्तर देने लगे हैं बच्चे देखो कुछ फोर्थ भी आंसर दे रहे हैं बबली रोशन लाल नवीन रीना वेरी गुड तो आप सभी को ये काम करना है कि इसका सही उत्तर यहाँ पे नोट कर लेना है जो वो होगा आपका सेकंड तो सेकंड इसका यहाँ पे आंसर होगा एक अनुपात दस यानी कि दस मादा पौधों के साथ में आपको क्या है एक परसेंट के आसपास यानी कि एक परसेंट मतलब दस पौधे हैं तो आपको एक नर अर्थात सौ पौधे हैं तो आपको कितने रखने हैं दस अर्थात दस नर पौधे जिनको हम बोलते हैं पोलिनाइजर्स ये प्रश्न भी आया हुआ है जो नर परागकणों की सप्लाई करने वाले जो पौधे होते हैं उनको अपन बोलते हैं पोलिनाइजर्स तो पोलिनाइजर यानी परागक पौधे आपको रखने पड़ेंगे अगला प्रश्न देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है इसको बोलते हैं आपका डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन निषेचन के बिना आपका फलों का जो निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका अनिशेक जनन यानी पार्थेनोकार्पी उभय मिश्रण असंग जनन यानी एपोमिक्सिस और आपकी बहु भ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी तो आपको सही उत्तर यहां पर बताना है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे सेकंड आंसर देखो फटाफट से इसका उत्तर दे विक्रम यादव कृष्णा प्रिया शंकर रीना माही कृष्णकांत सौरभ सहदेव फर्स्ट आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है बच्चों इसका सही उत्तर बिल्कुल फर्स्ट होगा कि निषेचन या फिर परागण के बिना फल का जो विकास होता है उसे हम अनिषेक जनन या फिर पार्थेनोकार कह देते हैं तो फर्स्ट इसका आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न थोड़ा सा देखो छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको आपके लिए पढ़ूंगा और मैं ही यहाँ पे उत्तर दूंगा इधर तो फल दे रखे हैं उधर फलों के प्रकार दे रखे हैं तो यहाँ पे आम दे रखा है तो आम का फल प्रकार क्या होता है आम का फल प्रकार होता है ड्रुप या फिर अस्थिल आम का फल प्रकार ड्रुप या फिर अस्थिल होता है केले का फल प्रकार क्या होता है केले का फल का प्रकार आपका सरस या फिर बेरी होता है और आंवले का फल प्रकार क्या होता है आंवले का फल प्रकार आपका कैप्सूल या फिर आपका संपुट होता है और नींबू वर्गीय फलों का आपका क्या होता है हेस्पेरिडियम नींबू वर्गीय फलों का होता है हेस्पेरिडियम अर्थात आम का फल प्रकार अस्टिल या फिर ड्रुप होता है केले का फल प्रकार सरस या फिर बेरी होता है आंवले का फल प्रकार आपका कैप्सूल या फिर आपका जो है संपुट जिसे हम आजकल कह रहे हैं ये कई बार ऑप्शन में संपुट जो है मिल जाएगा नींबू वर्गीय फलों के फल प्रकार को हम लोग हेस्पेरिडियम कहते हैं हाँ ये कम दिख रहा था इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को उत्तर बता दिया अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न आपको आना चाहिए कि गांठ गोभी जिसे हम लोग नोलखोल कहते हैं का खाने योग्य भाग क्या होता है गांठ गोभी का खाने योग्य भाग आपको बताना है कर्ड होता है नोब यानी फूला हुआ तना होता है हेड होता है या फिर आपका रूपांतरित जड़ होती है गांठ गोभी जो मैंने अभी आपको बताया था ब्रेसीका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगी लोडस या फिर कोलोरापा ठीक है उसका सही उत्तर यानी कि उसका खाने योग्य भाग क्या होता है कर्ड होता है नोब होता है हेड होता है या फिर रूपांतरित जड़ होती है ठीक है तो आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से जैसे बच्चे बोल रहे हैं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को जो है पूरे रॉयल परिवार की तरफ से जन्माष्टमी यानी कि कई बार जीके अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये त्योहार वगैरह आते रहते हैं त्योहारों का प्रश्न भी पूछा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है तो आप ये ध्यान रख लेना आज भाद्रपद कृष्ण जो आपका भाद्रपद का महीना है तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है कृष्ण पद जो आपका पक्ष आता है तो कृष्ण पक्ष की आप, आज अष्टमी है जहां पर हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो इसमें सही उत्तर बच्चे दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड तो इसका सही उत्तर क्या होगा गांठ भी का नोब यानी कि फूला हुआ तना ठीक है तो आपको नोब ध्यान रखना है इसको अंग्रेजी में नोल खोल कहते हैं तो नोल खोल से आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हो तो नोल खोल का क्या होगा नोब होगा अगला प्रश्न है भिंडी जो होती है उसका फल प्रकार कौन सा होता है भिंडी का फल प्रकार क्या होता है पोम होता है सीजोकार्प होता है कैप्सूल होता है या फिर सिलिकुआ होता है भिंडी का फ्रूट टाइप आपको बताना है पोम या फिर आपका सीजोकार्प या फिर आपका कैप्सूल या फिर आपका सिलिकुआ क्या इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सक्षम मनीषा कोमल अनिल प्रदीप ज्योति चंद्रकांत मनीषा बहुत अच्छा वेरी गुड जो काम आपको अनिवार्य रूप से बीच बीच में करता रहना है हर पंद्रह बीस मिनट में आधे घंटे में पांच दस सेकंड का टाइम लगता है मैं देता रहूंगा आपको वीडियो को आप लोग सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोग वीडियो को स्टेटस लगाएंगे क्योंकि आज पूरे दिन अपनी क्लास चलती रहेगी आपको वीडियो को स्टेटस पे लगाना है इसके लिंक को और जो ग्रुप्स आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनमें भी आपको जो है इसको शेयर करना है और लाइक भी करना है ठीक है तो बच्चे थर्ड आंसर दे रहे हैं बिल्कुल इसका भिंडी का जो आपका फल प्रकार होता है वो होता है कैप्सूल अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न इसमें काफी सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी इसको मैं बहुत बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा इधर फसल दे रखी है आगे वहां पे फल प्रकार दे रखा है कि किसका फल प्रकार क्या होगा फसल सबसे पहला ऑप्शन आपका है गाजर धनिया जीरा और सौंफ का फल प्रकार क्या होता है आपका सीज़ोकार्प होता है इसमें से आपको क्या करना है जो गलत है उसको छांटना है बेमेल को आपको छांटना है कि कौन सा गलत तरीके से मैच किया हुआ है अगला है सरसों मूली और कॉल क्रॉप का सीलिकुआ होता है आपका यहाँ पे टमाटर बैंगन मिर्च और आलू का सरस या फिर बेरी होता है और कुकुर बिटेसी कुल क्या सब्जियों का आपको पता ही है कि पोम होता है इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें आप लोग एक साथ सीख जाएंगे इसमें गाजर धनिया जीरा और सौंप जो होता है उनका सीजोकार होता, होता है और टमाटर बैंगन मिर्च आलू का फल प्रकार सरस या फिर बेरी होता है और कुकर बिटेसी कुल की सब्जियां जो होती है उनका तो आप लोगों को पता ही है कि पॉम ही होता है ठीक है तो आरती गुलाब जामुन बिल्कुल बच्चों का सबका स्वागत है सूर्या मोनुद्दीन पप्पू पवन कुमावत वेरी गुड सहदेव दीपक रागिनी शर्मा वेरी गुड दिलीप चौधरी सभी बच्चों का स्वागत है बच्चे जैसा आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं जिन्होंने पहचान लिया है कि कुकुरबे से कुल की सब्जियों का फल प्रकार पेपो होता है ना कि पोम होता है पेपो होगा ना कि पोम होगा तो पोम किसका होगा पोम होगा आपके सेब का शपति का इनका फ्रूट टाइप क्या होता है आपका पोम होता है ठीक है बाकी कुकुर विटे कुल की सब्जियों का क्या होगा पेप होगा अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से विटामिन सी के स्रोतों का सही घटता हुआ क्रम है निम्न में से कौन सा विटामिन सी के स्रोतों का घटता हुआ क्रम है विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो घटते हुए क्रम में किसमें है सबसे ज्यादा बारबुडोस चेरी में होता है अमरूद में होता है आंवला में होता है आंवला में होता है अमरूद में होता है बारबडोस चेरी में होता है बारबडोस चेरी में होता है आंवला में होता है अमरूद में होता है नींबू में होता है आंवला में होता है बारबडोस चेरी में होता है अर्थात तो पहले जो तो लिखा हुआ उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा फिर आपको घटते हुए क्रम में बताना है रवि एग्रीकल्चर जाबिर हुसैन वेरी गुड जाबिर हुसैन आंसर दे रहा है जैसा कि फोर्थ आंसर दे रहे हो बच्चे कुछ थर्ड आंसर दे रहे हैं रागिनी मानसिंह पूजा धनराज आदित्य नारायण शुभम सुरेश मनीष अंकित जयपाल मनराज सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है बहुत बढ़िया जैसा कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया है। बहुत खुशी होती है जब आप इतनी संख्या में जो है हम लोग एक साथ जुड़ते हैं एक साथ हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं एक साथ चीजों को शेयर करते हैं है ना और एक दूसरे को जो है ऐसे ऐसे त्यौहार उत्सव वगैरह पे हम लोग शुभकामनाएं है देते हैं ये भी एक एक सांस्कृतिक जो है एक संस्कृति एक सभ्यता का जो है पॉजिटिव एक पॉजिटिव प्रतीक है तो यहाँ पे सही उत्तर बच्चे दे रहे हैं कि थर्ड होगा तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल थर्ड ही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबडोस चेरी में होता है उसके बाद में आंवला में होता है उसके बाद में अमरूद के अंदर पाया जाता है तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल थर्ड हो जाएगा अगला जो देखो अगला एक ही प्रश्न में काफी सारे प्रश्न आपके हल होंगे ये आपको पहले ढंग से पढ़ना है फिर इसका हम लोग उत्तर देंगे इधर हमने ये क्या मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इधर कुछ सूची फर्स्ट दे रखी है जिनमें हमने सब्जियों के नाम दे रखे हैं आगे हमने दे रखा है कि तीखापन होता है वो किसके कारण होता है ऐसे मिलान करना है आपको तो मिर्च के अंदर तीखापन किसके कारण होता है प्याज में लहसुन में मूली में आगे दे रखा है डाई एल आई डाई सल्फाइड कैप्सिसिन आइसोथायोसाइनेट और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे और चारों ऑप्शन में जो है आपको सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है मिलान करना है कि मिर्च, प्याज, लहसुन और जो आपकी मूली है इनमें तीखापन किस कारण से होता है तो जैसा प्रदीप सीमा मान फटाफट से हेमंत शर्मा पूनम मनु अंकित बागदा राकेश डीडीएस तो सभी बच्चे चिड़िया बिल्कुल सभी चिड़ियाओं का सभी परियों का सभी कबूतरों का सभी मगरमच्छों का सबका मैं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ हम जब गाँव में होते हैं ना छोटे तो हमने कितने उपनाम होते हैं कई तरह के ऐसे उपनाम होते हैं जिनको हम लोग बता भी नहीं सकते बताएं तो और हालत खराब हो जाए हम लोग जब बचपन में हमारे गाँव में सबके कोई ना कोई उपनाम लेते हैं ठीक है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासमेट जो होते हैं उन सबके अटपटे से उपनाम होते हैं और वो उपनाम इतने खतरनाक होते हैं कि हम पब्लिक प्लेस में उनको नहीं बता सकते ये आप सबको पता होगा जैसा कि बच्चों के फोर आंसर आ रहा है कुछ थर्ड का आ रहा है ज्यादातर जो है फोर आंसर कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ मिर्च जो होती है मिर्च के अंदर टीकापन कैप्सिन के कारण होता है तो फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा तो बी तीन ऑप्शन में दे रखा है प्याज के अंदर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड यानी दूसरे के अंदर आपके क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दो ऑप्शन पढ़ते ही आपका सही हो जाएगा फोर्थ

80 ग्राम 120 ग्राम दो ग्राम 200 ग्राम और आपका 400 ग्राम ऑप्शन आपके इस प्रकार से आ जाए तो आप कौन सा सही करोगे कि कितने फल और कितनी सब्जियां प्रतिदिन के हिसाब से खानी चाहिए नरेंद्र राव अफजल सुनीता निधि बच्चे जैसा कि थर्ड आंसर करने लगेंगे सर थर्ड होगा तो बिल्कुल मैं बिना किसी टाइम को खराब किए हुए यहाँ पे थर्ड को टिक लगा रहा हूँ क्योंकि थर्ड वास्तव में सही है एक वयस्क आदमी को एक ग्राम फल खाने चाहिए और लगभग दो ऑप्शन में नहीं हो तो दो या फिर तीन ग्राम जो है प्रतिदिन सब्जियां खानी चाहिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए गुड बहुत बढ़िया आगे देखो आगे जो अगला जो अपना बेहतरीन क्वेश्चन है कितना शानदार है माहौल बनाने वाला क्वेश्चन है देखो हर किसी को नहीं आएगा ये कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है चार ऑप्शन दे रखे हैं चार में से आपको बताना है कौन कौन से सही के होती है।, गाजर का लाल रंग के होता है और बैंगन और जामुन का बैंगनी रंग केटाचोल के कारण होता है सही उत्तर यहाँ पे बताना है A और बी सही है बी और सी सही है या फिर सी और डी सही है पपीता का पीला रंग क्यूरसिटिन के कारण अंगूर का खुशबू जो होती है मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण और बैंगन जामुन का बैंगनी रंग कैटचोल के कारण तो सही उत्तर इसका फटाफट से बताएंगे बच्चे सेकंड आंसर करने लगे हैं कि ए और डी सही है या फिर आपका ए और बी सही है बी सी और सी डी सही कौन सा होगा सीताराम आदित्य सोनू शंकर मनोज देव नरेश तनुज विष्णु पूजा बबली शांति मनोहर गिरिराज वेरी गुड बच्चे जैसे ही आंसर करने लगे हैं तीन आंसर कर रहे हैं कि थर्ड होगा तो थर्ड पे बिल्कुल आपका सही है, सही है किस प्रकार से है क्योंकि अंगूर की खुशबू जो है है मिथाइल के कारण होती और गाजर में लाल रंग एंथोसाइन के कारण होता है बाकी पपीता का पीला रंग जो है क्यूर से नहीं होता है पपीता का पीला रंग आपका केरिका जेंथिन के कारण होता है और बैंगन और जामुन का बैंगनी रंग भी आपका एंथोसाइन के कारण होता है अर्थात यहाँ पे सही उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अगला प्रश्न देखो अगला बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है देखो किस प्रकार से हैं? कि निम्न में से कौन से फल क्रमशः वसा व प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं क्रमशः बताना है कि वसा और प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाई जाती है अखरोट में या फिर बादाम में बादाम में या फिर काजू में अखरोट में या फिर काजू में बादाम में या फिर पिस्ता के अंदर आपको क्रमशः बताना है कि सबसे ज्यादा वसा और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है क्रमशः अखरोट या फिर बादाम, बादाम या फिर काजू अखरोट या फिर काजू बादाम या फिर पिस्ता सही उत्तर किसका कौन सा हो जाएगा यह आपको बताएंगे बच्चे एग्रीकल्चर विद पीयूष ज्योति पवन दुर्गेश संतोष राणा अंकित अफजल कुलदीप वेरी गुड बच्चे थर्ड आंसर करने लगे हैं मैक्सिमम के सर थर्ड होगा तो मैं यहाँ पर बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए हुए आपके आंसर के साथ में अपनी भी राय को मिला देता हूँ और अपनी राय को मिला करके हम लोग जो है इसका सही उत्तर बिल्कुल थर्ड कर देते हैं सबसे ज्यादा जो फेट होती है वो अखरोट में होती है और सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो काजू के अंदर होता है लोगों ने बादाम को यही बदनाम कर रखा है बादाम को बदनाम क्यों कर रखा है कि बादाम खाने से अकल आएगी अपने को ये लगता है कि सब कुछ बादाम में होता दिखे परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना हाँ हालांकि बादाम इन दोनों ही मामलों में दूसरे नंबर पर ठीक है सबसे ज्यादा फेट किसके अंदर होती है सबसे ज्यादा फेट की बात करें तो आपका अखरोट है उसके बाद में बादाम प्रोटीन सबसे ज्यादा काजू में उसके बाद में बादाम तो बादाम दोनों ही मामलों में दूसरे नंबर पर है विद्यार्थियों बहुत अच्छी बात है पूजा नरेंद्र नितेश सुमन टिंकू वेरी गुड बाबा रामदेव जी के जो भक्त हैं उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ सभी जो देवता है सभी देवताओं के सभी निश्चित रूप से बात यह है कि सबके इष्ट अलग अलग होते हैं तो विभिन्न जो हम तभी कहते हैं भारत बहुत विविधताओं वाला देश है पंथ निरपेक्ष देश है यहाँ पे यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा और कुछ विशेषताएं बहुत जल्दी अगला प्रश्न देख लेते हैं टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है एवरग्रीन क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन का मतलब जो जिसको एग्रीकल्चर नहीं भी आती तो भी दे दे सर, फला फला है ना उसको पूछेंगे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है तो बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं जैसा कि फर्स्ट फर्स्ट दे रहे हैं तो मैं टाइम खराब कर नहीं करूंगा बिल्कुल जो है टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची है जिसमें यह प्रश्न नहीं आया हो ऐसी कोई सरल से सरल बड़ी से बड़ी छोटी या बड़ी कोई भी परीक्षा ले लो ये प्रश्न एक बार तो उसमें आया हुआ है और अब वापस भी आ सकता है इसलिए आपको मजबूती के साथ रहना है अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न पहले आईसीआर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सब्जी आयोडीन का अच्छा स्रोत है किसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है मिर्च में भिंडी में पालक में और गाजर में मिर्च भिंडी पालक गाजर आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत बताना है ये प्रश्न पहले आईसीआर में आया हुआ है आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा कि आयोडीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है हम लोग जनरल हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं इसके बाद में हम ये सरल प्रश्न है अब हम जो है और कठिन प्रश्न भी इसमें लेंगे लेकिन धीरे धीरे जो है इसका स्तर बढ़ेगा अच्छे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे कठिन प्रश्न लेने का मतलब यह है कि फिर जब प्रश्न एक भी आपको आ ही नहीं रहा हो तो फिर मजा नहीं आता कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता है तो मैं जानबूझ के प्रश्नों का स्तर एक नंबर ऊंचा ले जाऊं क्या मतलब उसका जबकि परीक्षा में मीडियम टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं कुछ कठिन भी आएंगे जो मैं आपको मैंने कल शाम को भी अच्छे क्वेश्चन कराए थे इसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे मैराथन का मतलब आपको नई चीजें नहीं देना है मैराथन का मतलब ये है कि आपकी एक जो तैयारी हुई है उसका एक तरह से रिविजन भी हो जाए और आपको पता चले कि मैंने पढ़ा क्या है और परीक्षा में क्या आ रहा है आप लोगों ने क्या पढ़ा है उस बात का मेरे को तो नहीं पता मैंने अपने स्तर पर ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं इसलिए आपकी परीक्षा का वास्तविक जो है यहाँ पे एक तरह से परीक्षण होता है कि हाँ ठीक है मेरे को चीजें आ रही है ठीक है तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ जैसे कि बच्चे दे रहे हैं भिंडी आंसर होगा तो सर्वाधिक आयोडीन किसके अंदर पाया जाता है भिंडी के अंदर पाया जाता है अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है विटामिन से लिया गया एक प्रश्न है कि विटामिन दिए हुए हैं और आगे आपके रासायनिक नाम दिए हुए हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको गलत युग्म की पहचान करनी है कि कौन सा जो है गलत है विटामिन बी वन को हम लोग क्या कहते हैं विटामिन बी टू को कहते हैं विटामिन बी थ्री और विटामिन बी बारह विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन बी थ्री को पायरिडोक्सिन कहते हैं विटामिन बी बारह को साइनो कोबाल कहते हैं तो सही यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है आपका असुमेलित है बिल्कुल प्रदीप महेंद्र ईश्वर सौरभ केशव सोनू बाबा रामदेव का भक्त बिल्कुल बाबा रामदेव जी का भक्त जो है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ भाद्रपद महीने की द्वितीय जो आ रही है भादुड़े की दूज बोलते हैं उस दिन जो है बाबा रामदेव का मेला बरता है तो बाबा रामदेव का जो मेला बरता है थोड़े दिन में आज कृष्ण जन्माष्टमी है दो त्यौहार तो आपको आज याद करके और जाने हैं साथ में ठीक है तो फटाफट से इसका सही उत्तर जैसा कि बच्चे दे रहे हैं कुछ बी दे रहे हैं कुछ थर्ड आंसर दे रहे हैं जो थर्ड सेकंड यस तो यहां पे बिल्कुल उत्तर सही होगा इसका थर्ड हो जाएगा विटामिन बी थ्री को हम लोग पैरिडोक्सिन नहीं कहते हैं विटामिन बी थ्री को हम लोग नाइसिन या फिर नियासिन कहते हैं नाइसिन या फिर नियासिन कहते हैं जिसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है विटामिन बी थ्री की कमी से जो पेलेग्रा रोग होता है विटामिन बी सिक्स को हम जो है पैरिडोक्सिन कहते हैं अर्थात जो आपका सही उत्तर है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा थर्ड अगला अगला देखो अगला आपको जो है बिल्कुल कम दिखेगा तो मैं ही आपको यहाँ पे करके बता दूंगा एक एक नंबर का क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है कैसे है देखो इधर तो विटामिन दे रखे हैं इधर इनकी कमी से होने वाले रोग या फिर लक्षण दे रखे हैं तो ये मैं आपको रिपीट मैं खुद यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है विटामिन बी विटामिन बी थ्री दे रखा है तो विटामिन बी थ्री की कमी से मैंने अभी आपको बताया था कि पेलेग्रा नामक रोग होता है विटामिन बी थ्री पेलेग्रा इसके कमी से होने वाली बीमारी है दूसरा है विटामिन वन, वन को हम लोग कहते हैं और थाइमिन की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम लोग कहते हैं बेरी बेरी विटामिन बी वन को थाइमिन कहते हैं इसकी कमी से बेरी बेरी होता है लोग बेरी बेरी का मतलब बहरे होने से मान लेते हैं परंतु बेरीबेरी बेरी का मतलब बेरा होना नहीं है इसका मतलब जो आपके जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है है पाचन तंत्र है, वो कमजोर होता है उसे हम लोग कहते हैं बेरीबेरी बेरी। अगला आपका है विटामिन डी जिसे हम लोग कहते हैं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारियां हो जाती है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया अगला है आपका जो विटामिन ई e, विटामिन ई e, जिसे हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं इसकी कमी कमी से जो है प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है या फिर इसे बंध्यता हार्मोन भी कहा जाता है स्टेरिलिटी आ जाती है आदमी की या फिर जो इंसान होते हैं या फिर वो जो इनकी क्या होती है जो प्रजनन क्षमता होती है रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी होती है उसमें कहीं के फर्क पड़ता है बंध्यता रोधी हार्मोन भी इस विटामिन ई e को कहते हैं अभी हमने चार चीजें सीखी है क्या सीखी है विटामिन बी थ्री यानी नियासिन से पेलेग्रा बीमारी होती है विटामिन बी वन यानी था से बेरी बेरी नामक रोग होता है और विटामिन डी यानी कैल्सिफेरोल की कमी से रिकेट्स या फिर ओस्टियोमलेसिया नामक बीमारी होती है और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता यानी कि बद्यता हो जाती है अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न नई चीज है थोड़ा समझना इसको कि अमरूद और पपीता का लाल रंग किसके कारण होता है अमरूद और पपीता का लाल रंग बताना है आपको एंथोसाइनिन के कारण लाइकोपिन के कारण कैरोटीन के, के कारण और के कारण विकल्प आपके सामने चार हैं मतलब तो कौन सा हो जाएगा कि जो जो अमरूद लाल लाल रंग की आती है, उनका लाल रंग आती उनका और पपीता का पीला रंग, तो आप पता है, लाल रंग भी यहाँ पे बताना है किसके कारण होता है ठीक है संदीप अफजल राजू मां का लाडला बिल्कुल मा के लाडले जो बोल रहे हैं जो पापा की परी है माँ के लाडले बच्चे बोलते हैं पापा का कबूतर पापा का मगरमच्छ सभी जो तितली जो बच्चे बोल रहे हैं तितली जो चिड़िया है तो सभी का मैं सभी प्राणियों का सभी घुमंतु जीवों का यहाँ पे जो है स्वागत करता हूँ बिल्कुल इस पूरी विविधता के साथ में यहाँ पे मैं आपको सही उत्तर दे देता हूँ ये है आपका लाइकोपिन तो अमरूद और पपीता का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक मैं कहावत आप लोगों को सिखाऊंगा उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। एक कहावत पे ही हम चर्चा करेंगे इस कहावत ये देसी कहावत है अपने राजस्थान के अंदर प्रचलित और इस कहावत के अंदर जो है ज्ञान छिपा हुआ है ठीक है मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको आज मोटिवेशन के साथ में भगवान श्री कृष्ण की कुछ कविताएं हैं वो बीच में राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं वो उसके अलावा कुछ जो देसी मेवाड़ी मारवाड़ी या फिर जो राजस्थानी कहावतें हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे ये अगली कहावत दिखी हुई है कि इंसान को किन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तीन बात कही नहीं कि मैं कतरो खोट कतरी पूंजी आपनी और किन दीदो वोट वापस इसको एक बार मैं पढ़ रहा हूं सुविधा के लिए कि तीन बात केणी नहीं कि मैं कतरो खोट कतरी पूंजी आपनी और किने दीदो वोट अर्थात ये तीन बातें कहनी चाहिए कौन कौन सी नहीं कहनी चाहिए कि किमे कतरो खोट यानी किसी आदमी के अंदर कितना खोट है ये उसके मुंह पे अपने को कभी नहीं बोलना चाहिए अपने को किसी को कोई काड़ा है तो उसको नहीं बोलते तो तो काड़ो ऐसे थोड़ी बोलते हैं तू तो बहुत काड़ा है उसको मुंह में नहीं कहना है यानी कि कोई कमी है तो उस कमी को उसके मुंह पे आपको कभी नहीं कहना है ये आपको सीख के चलना है ये एक व्यवहारिक या फिर जो सामाजिक जीवन में सीखने वाली बात है एक कहावत इसके साथ में जुड़ी हुई और समझा रहा हूं मान लो कि कोई काढ़ा आदमी है उस काने को अपन मुंह के ऊपर अपन बोल देंगे तो तो काना है। तो है होगा तो वो काणा होगा फिर भी आप लोगों के एक थप्पड़ तो लगा ही तो काने को कहेंगे तो कहीं कहीं उसके बाद चुप जाती है इसलिए हमारे गुरुदेव थे वो कहा करते थे कि काणा ने काणों मत कीजिए कीजिए रूपालो सेण बच्चा धीरे धीरे पूछिए तारा किकर फूटा नैन अर्थात यूं है कि काणे को काणा मत कहना रूपाला धीरे धीरे पूछना तारा किकर फूटाने उसको धीरे से बोला है, तेरे तेरे क्या प्रॉब्लम होगी तेरे कैसे कैसे तेरी आंख फूटे प्यार से अर्थात पहला गुण हम क्या सीख रहे कि किसी मुख के ऊपर कोई कमी है तो भी उसको कहना नहीं है अंदर ही अंदर रखना दूसरा जो है कतरी पूंजी अपनी व्यक्ति के पास कितना धन है वो आपको पब्लिक में बताना नहीं चाहिए इससे कहीं न कहीं जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कई बार कई सारे आदमी होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं और पता चल जाता है यार कि ये तो आर्थिक स्थिति कमजोर है या फिर कोई ना कोई पूंजी बता देते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वैल्यू में फर्क पड़ता है तो कितनी आपके कितना बैंक बैलेंस है कितनी आपकी चीजें हैं वो जनरली बताना नहीं चाहिए और किन वोट किसको वोट देते हैं वो भी बात आपको नहीं बतानी चाहिए गोपनीय रखनी चाहिए गोपनीयता रखनी चाहिए नहीं तो हालत कई बार खराब हो सकती है कि ते, तेरे को तो मैंने वोट ही नहीं दिया अब कोई आदमी खड़ा हुआ और उसको हम बोल दे देंगे को मैंने वोट नहीं दिया मैंने तो फला पार्टी को वोट दिया है तो अपने जो है वो जिंदगी भर का उससे नाता टूट गया यूं मान लो कि इस फला आदमी ने तो वोट नहीं है वोट नहीं दिया मेरे को इसके कभी भी कोई काम पड़े तो ध्यान रखना है अपने को कि इसको जो इसका पूरा बदला लेना है अपने को इन बात कहनी नहीं कि मैं कतरो कतरी पूंजी अपने किन्न दो वोट तो ये तीन चीजें आप लोग यहाँ से आज सीख के जाएंगे और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से निम्नलिखित में से बिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए बिंडी जब काल में हो ग्रोथ बिंडी की जो है भिंडी का बढ़वार काल कैसा होना चाहिए लंबा गर्म और नम पहले चाहिए यह पहला आया हुआ क्वेश्चन है उसको सेम टू तो सेम में यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं लंबा गर्म और नम छोटा गर्म और सूखा छोटा ठंडा और नम लंबा ठंडा और सूखा ऐसा प्रश्न आने कोई भी एक बार घूम गुम प्रश्न पहले आया हुआ एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ हॉर्टिकल्चर जो है उसके अंदर ये पहली ही लाइन में क्लाइमेट में दिया हुआ है कि ऐसा जो है इसका प्रश्न होगा तो बच्चे आंसर देने लगे हैं फर्स्ट होगा तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भिंडी का जो बटवार काल होना चाहिए वो गर्म होना चाहिए प्लस नम होना चाहिए यानी कि जो ज्यादा गर्म है और जो नम है उस माहौल को हम लोग बोलते हैं उष्ण उष्ण जलवायु चाहिए जब वो बटवार काल हो और थोड़े लंबे पीरियड के लिए चाहिए लगभग एड से डेढ़ महीने तक जो आपका जब भिंडी का बटवार काल हो वो लंबा होना चाहिए गर्म होना चाहिए नम होना चाहिए ये शब्द आप लोग यहीं से याद कर लें अगला प्रश्न है मिलान करने वाला प्रश्न है आपको मिलान कराना है देखो कैसे इस प्रकार से मिलाएंगे कि मसालों का राजा किसे कहते हैं मसालों की रानी किसे कहते हैं और राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है और राष्ट्रीय फूल कौन सा है आगे देखा है फाइकस मैंग पाइपर नाइग्रम इलेटेरिया कार्डिमोम और निलंबो स्पीसी ठीक है अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अब जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मैं थोड़ी देर बाद में थोड़ी दस पंद्रह क्वेश्चन हम लोग और पढ़ेंगे उसके बाद में एक बहुत अच्छी कविता है जो आज कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर में आप सभी को समर्पित करूंगा उस कविता को आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत अच्छी रचना है बिल्कुल जो श्रृंगार रस से भरी पड़ी है वो मैं आपको बताऊंगा फटाफट से जो है ये इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या होगा बिल्कुल नरेश दुर्गेश एग्रीकल्चर बाय कमल सभी बच्चों का स्वागत में कर रहा हूं बच्चे बोल रहे प्रणाम सभी को प्रणाम थर्ड आंसर कर रहे हैं बच्चे कुछ फर्स्ट आंसर कर रहे हैं इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल राम रामलाल गोदारा एक के फोर्टी सेवन नाम है रामलाल गोदारा ए के फोर्टी सेवन तो मैं सेवन का भी मैं स्वागत कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेवन से बता दे कि एक निशाना लगा कौन से सही सही ऑप्शन के के ऊपर ऊपर तेरे तेरे पास है तो तो तू उत्तर का निशाना को पे तो पे लगाना मसालों का राजा हम लोग किसको कहते हैं मसालों का राजा हम लोग काली मिर्च को कहते हैं और काली मिर्च का नाम होता है पाइपर नाइग्रम तो फर्स्ट के अंदर कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा दो ऑप्शन के अंदर सेकंड है दो अपने वैसे ही गलत हो गए दो अपने सही है अब मसालों की रानी हम लोग क्या इसको इलायची को कहते हैं इलायची का क्या होता है इलेटेरिया कार्डिमोम तो इलेटेरिया कार्डिमोम दूसरे में सी होगा तो दूसरे के अंदर भी यहाँ पे सी दिया हुआ है राष्ट्र पेड़ हमारा बरगद है बरगद को हम लोग फाइकस बेंगे कहते हैं तो थर्ड के अंदर ए हो जाएगा और राष्ट्र फूल जो है आपका नीलम्बो न्यूसी फेरा या फिर नीलम्बो स्पीसी यानी कि कमल को बोलते हैं तो चौथे के अंदर डी हो जाएगा अर्थात इसका सही उत्तर जो हुआ वो यहाँ पे आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो गया ठीक तो है हो जन्मदिन जन्म जन्म होगा तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी है और आज जो तेरा भी जन्मदिन है तो बड़ा तेरा तू बड़ा सौभाग्यशाली है रे यू कहते हैं ना तू बड़ा पहले जो महिलाएं फिल्मों में आती होगी तो बड़ा भाग्यशाली है रे कि आज तेरा जन्मदिन है तो जिसका भी मोहित मनीषा जो बच्चे बता रहे हैं नाम में पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतने फास्ट कमेंट आ रहे हैं मनीष क्या नाम चल रहा है तेरा आ, मोहन मोहन जो बच्चा बता रहा है कि मेरा जन्मदिन है तो बड़ा तो सौभाग्यशाली है बच्चे कि तेरा आज जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का भी जन्मदिन है जो इस पूरे संसार के पालनहार हैं ऐसा कहा जाता है और हम लोग सब जो हैं यस हम सब जो हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं पूजा अर्चना बिल्कुल आज अपना मुहूर्त बहुत अच्छा हुआ है आज सारे रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और भगवान तो जो है भगवान मैं एक चुटकला सुनाऊंगा लेकिन बाद में सुनाऊंगा मुझे याद दिलाना ठीक है तो वीडियो को आप लोग साथ में शेयर करते रहना अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है अगला जो चुटकला है निम्न में से अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से पपीता का अन्य नाम क्या होता है पपीता का अन्य नाम आपको बताना ब्रेकफास्ट फ्रूट मलक्का ट्री बाथरूम फल या फिर ए और बी दोनों पपीता का अन्य नाम आपको बताना है कि क्या होगा कि ब्रेकफास्ट फ्रूट मलक्का ट्री बाथरूम फल या फिर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही उत्तर यहाँ पर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा तो बच्चे रामलाल आदित्य बबली नारायण बिल्कुल पायल पूनम सही उत्तर बताए बच्चे की क्या होगा बच्चे डी आंसर दे रहे हैं कि दोनों होगा तो मैं मैंने ये प्रश्न थोड़ा जो है आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे एड किया है बच्चे फोर्थ आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम कुछ फर्स्ट भी दे रहे हैं तो पपीता का जो अन्य नाम इसमें सही उत्तर होगा वो होगा ब्रेकफास्ट फ्रूट पपीता को ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं मलक का ट्री हम लोग जनरली आंवला को कह देते हैं और बाथरूम फल हम जो है आम को कह देते हैं तो ये मैंने इस कंफ्यूजन के लिए आपको ए और दो ये ऑप्शन इसीलिए डाला तो इसको मलक का ट्री नहीं कहकर के पपीता को हम लोग बोलते हैं मेलन ट्री पिता को बोला जाता है मेलन ट्री और ब्रेकफास्ट फ्रूट अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा वेरी गुड अगला जो अपने सामने प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि दीप्तिकालिता जो आपने सुना होगा दीप्तिकालिता जिसे हम लोग फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं का संबंध पौधे में पुष्पन से है दीप्तिकालिता की खोज किसने की प्रश्न में पढ़ रहा हूं कि दीप्तिकालिता यानी कि फोटोपीरियोडिज्म का संबंध पौधों में पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग से है दीप्ति की खोज किसने की है वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं देखो चार ऑप्शन में नल विंकर किड और वेस्ट और गार्नर एवं एलार्ड सही उत्तर देना है कि सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा कि जो दीप्ति यानी कि फोटोपीरियडिज्म जो है फोटोपीरियडिज्म की खोज किसने की उसका संबंध फ्लावरिंग के लिए है कि इतनी अवधि एक पौधे को फ्लावरिंग के लिए चाहिए तो वो वो जो कॉन्सेप्ट है वो किन वैज्ञानिक ने दिया बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं लोकेश मुकेश नवनीत वेरी गुड पूजा कृष्णा नरेंद्र सहदेव मनीषा कुलदीप शाबाश तो इसका सही उत्तर बच्चे मैक्सिमम फोर दे रहे हैं तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है आपका गार्नर एवं एलार्ड तो गार्नर एवं एलार्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगला प्रश्न देखो प्रवर्धन से है प्रवर्धन वाला चैप्टर अपना आ गया है और प्रवर्धन के बारे में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि प्रवर्धन अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किस विधि से बहुत आयत संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं यानी कि कौन सी विधि है जिसमें मास मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स मास मल्टीप्लीकेशन प्लांट को मतलब क्या है बहुत ज्यादा संख्या में हजारों लाखों की संख्या में पौधे हम तैयार कर सकते हैं कलिकायन यानी कि बडिंग द्वारा शाकीय कलम यानी हर्बेसियस कटिंग द्वारा उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर के द्वारा ग्राफ्टिंग के द्वारा यानी कि उपरोपण के द्वारा सही विकल्प बताना है कि मास प्लांट यानि बहुत में से जो है करते हैं, कलिकायन शाकीय कलम उत्तक संवर्धन या फिर आपका ग्राफ्टिंग पवन किंग पूजा शिशिर सुनील ऑल इन वन गजेंद्र जगदीश विनोद सौरभ आकाश विष्णु सुरजीत जाट वेरी गुड तो बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लेना ये पहले भी बहुत बार आया हुआ है तो सेम लैंग्वेज में यहां पर सेट किया हुआ है तो उत्तक संवर्धन जो है यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है हो जाएगा जैसा कि आप सभी मैक्सिमम सही उत्तर दे रहे हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया अगला प्रश्न देखो किस प्रकार से है अगला प्रश्न है आएगा प्रश्न सुपरवाइजर में इस प्रश्न के आने की प्रायिकता कितनी है तो प्रायिकता बिल्कुल जो है, 100 है, आ सकता है तो ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? है, है, कि है तो ग्लेडियोलस का प्रवर्धन घनकंद यानी कि कोरम के द्वारा प्रकंद यानी कि राइजोम के द्वारा सकरकंद यानी शल्क यानी कि बल्ब के, के द्वारा और एकंद यानी कि ट्यूबर के द्वारा ग्लेडियल जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट फूल है यह इरिडेसी कुल का है इसका कुल भी परीक्षा में पूछा जाता है इस ग्लेडस को हम लोग जो है लिली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी तलवार जैसी पत्तियां होती है ठीक है इसकी जो पुष्प क्रम होता है जो इसका उसको हम लोग स्पाइक कहते हैं तो सही उत्तर इसका बताएंगे आप लोग सोहनलाल प्रवीण मनराज भूपेंद्र मनीष पूनम राम आकाश जीवन प्रियंका वसुंधरा निधि कमलेश मुकेश मोहित प्रेम वेरी गुड तो इसका सही उत्तर यहां पे बच्चे जैसा कि फर्स्ट आंसर कर रहे हैं तो ग्लेडियोलस का जो प्रवर्धन होता है वो गनकंद यानी कि कोरम के द्वारा होता है गनकंद यानी कि कोरम के द्वारा जो है सही यहां पे आंसर है ये प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है अगला प्रश्न आपको पढ़ना है इस प्रकार से देखो कि कलम व एयर लेयरिंग में शीघ्र व सुगमता से जड़ फुटान हेतु तो किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है कितना सरल और कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि कलम और एयर लेयरिंग में यानी कि जो हम एयर लेयरिंग यानी जो गुटी हम लोग काम में लेते हैं कलम और एयर लेयरिंग में या फिर केवल लेयरिंग भी आ सकता है एयर लेयरिंग के जगह पे यहाँ पे केवल आपका लेयरिंग भी आ सकता है कमल व कलम व लेयरिंग में शीघ्र व सुगमता से जड़ फूटान हेतु तो किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है नेप्टलीन एसिटिक एसिड यानी एन ए ए इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि आई बी ए 24 डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड यानी कि 24 डी और आपका एथ्रेल यानी कि C2H4 सही उत्तर बताना है कि कलम और लेयरिंग में सुगमता और शीघ्र जड़ फुटान है तो किस हार्मोन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं बच्चे सेकेंड आ, आंसर देने लगे हैं मोहित मोनू पिंकी वेरी गुड तो बच्चे जो लॉरेंस चौधरी अर्थात ममता चौधरी वेरी गुड ममता चौधरी स्वागत है और प्रभुलाल सौरभ प्रवीण अशोक कृष्णा विनोद राकेश सतपाल कुलदीप ज्योति बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और जो सेकंड जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं वो आपका बिल्कुल करेक्ट है जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो कि आपके बाजार के अंदर रूटेक्स के नाम से मिलता है रूटेक्स के अलावा ये सेरोडेक्स के नाम से मिलता है तो रूटेक्स सेरोडेक्स वगैरह ये क्या है आई IBA के ट्रेड नेम है इसके अलावा रेपिड रूट क्विक रूट के नाम से भी ये बाजार में मिलता है तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है और अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर है तभी आपका सही होगा चार कथन दे रखे हैं उनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है मैं पढ़ रहा हूं पहले निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक प्रवर्धन के बारे में सही नहीं है निम्न में से कौन सा कथन लैंगिक प्रवर्धन के बारे में सही नहीं है मेरी बात को ढंग से सुनना पहला कथन आपका इस प्रकार है कि लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने पौधे के सदृश होते हैं ट्रू टू टाइप होते हैं जैसे मातृ पौधा है वैसा ही उसकी संतति होगी ये किसमें लैंगिक प्रवर्धन की क्या विशेषता है अगला देखो लैंगिक विधि से तैयार पौधे विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रति सहनशील होते हैं अगला प्रश्न लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे आकार में बड़े होते हैं और फल आने में अधिक समय लगता है चौथा कथन है लैंगिक प्रवर्धन संकर किस्म अथवा पौधों में नए गुण विकसित करने जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि हेतु उपयुक्त विधि है, है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो लैंगिक प्रवर्धन के बारे में सही नहीं है पहला कथन ये था क्या इसके अंदर पौधे जो तैयार होते हैं वो मात्र पौधे के समान सदृश होते हैं अर्थात टू टू टाइप होते हैं दूसरा ये है क्या लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे आपके विपरीत जलवायु परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं बढ़िया से तीसरा जो है लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे आकार में बड़े होते हैं और फल आने में भी समय लगता है चौथा कथन है लैंगिक प्रवर्धन शंकर किस्मे अथवा पौधे में, में नए गुण विकसित करने हेतु तो उपयुक्त है बच्चे थर्ड सेकंड आंसर दे रहे हैं फर्स्ट भी उत्तर दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको सही उत्तर यहाँ बताना चाहूंगा कि सही उत्तर जो है यहाँ पे बिल्कुल है, तो पहला जो है 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 बिल्कुल फर्स्ट तो पहला ये इसके अंदर गलत है बाकी तीनों जो है ये आपके सही है लैंगिक प्रवर्धन के बारे में क्योंकि लैंगिक प्रवर्धन से तैयार किए हुए पौधों की जो संततियां होती हैं उनमें विविधता आ जाती है वो अपने मात्र पौधे के समान नहीं रहते हैं अलैंगिक जो प्रवर्धन होता है उसके अंदर यह विशेषता सेठ खाती है यानी कि जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है उसकी यह विशेषता है जैसे कि हम लोग कटिंग में तैयार करते हैं जैसे लेयरिंग में तैयार करते हैं ग्राफ्टिंग में उत्तक संवर्धन में वो तैयार किए हुए पौधे अपने मातृ पौधे के समान ही होते हैं तो ये आपका फर्स्ट इसके अंदर सही हो जाएगा ऐसा प्रश्न आता है और वो किसके सही होता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो बाकी आपने कहीं कहीं से टुकड़ों टुकड़ों में अगर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने फैक्चुअल चीजें ज्यादा पढ़ी है तो ऐसे जो अच्छे मेरिट बनाने वाले प्रश्न होते हैं वो आपके गलत हो सकते हैं तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है आप लोगों को विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है कि आप लोग जो भी पढ़ें अच्छा पढ़ें और उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना आवश्यक है अन्यथा अच्छा पेपर आने पे हालतें खराब हो जाती है बिल्कुल उत्कर्ष अभी दुर्गेश निशा चौधरी अमन विद्यार्थी जो देव गु सुनील गोस्वामी शिवानी प्रकाश वीरू शोभा का स्वागत अगला देखो अगला आपका बिल्कुल परिभाषा टाइप का क्वेश्चन है कि पौधे की साखा को झुकाकर हल्की सी छाल उतारकर मिट्टी में दबाना ताकि शाखा पर जड़ फुटान हो सके व जड़ फुटान पश्चात मात्र पौधे से अलग कर नया पौधा तैयार करना कहलाता है मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन कि पौधे की कोई शाखा है उसको झुका करके हल्की सी जगह से छाल उतार मिट्टी में दबाना ताकि शाखा पर जड़ फुटान हो सके और जड़ फुटान पश्चात मात्र पौधे से अलग कर लेते हैं और वह कहलाता है कौन सी विधि है उपरोपण दाब विधि यानी कि लेयरिंग कलिकाइन यानी कि बडिंग कलम यानी कि कटिंग सही उत्तर बताना है कि ये किसके बारे में कहा गया है लेयरिंग है क्या ये बर्निंग है क्या यह ग्राफ्टिंग है क्या ये कटिंग है एक दो तीन चार ऑप्शन बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा डीसी पटेल भारती नरेंद्र बच्चे बी आंसर कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे जो है सेकंड आंसर कर रहे हैं और मैं बता देता हूं कि सेकंड जो आंसर कर रहे हो वो बिल्कुल आप लोग ठीक कर रहे हो इसके अंदर दाव विधि में क्या करते हैं पौधा है पौधे की कोई शाखा होती है उसको क्या हम लोग झुका देते हैं नीचे झुका करके हम लोग क्या करते हैं यहां से थोड़ी छाल उतार देते हैं मिट्टी में दबा दिया जड़ फुटान हो जाएगी उसके बाद में हम इस पौधे को काट करके अलग कर लेते हैं ये आपकी क्या है विद्यार्थियों आपकी लेयरिंग है आगे बढ़ जाए आगे बढ़ करके देखो बात करें क्वेश्चन अच्छा है कि इपिकोटाइल यानी कि स्टोन ग्राफ्टिंग का संबंध किस फल वृक्ष से है इपिकोटाइल जिसे हम लोग स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं का संबंध किस फल वृक्ष से है केले से है अनार से है पपीता से है या फिर इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है केला अनार पपीता और इनमें से कोई नहीं सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर बताना है कि इपिकोटाइल यानी कि स्टोन ग्राफ्टिंग का संबंध किस फल वृक्ष से है बच्चे उत्तर दे रहे हैं फोर्थ इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा कुछ बच्चे सेकंड फर्स्ट आंसर कर रहे हैं बच्चे सीधा लिख रहे हैं मैंगो तो सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा संदीप आकाश दिलकुश ममता वेरी गुड पूजा सुरेंद्र संतोष बिल्कुल जो बच्चे आंसर कर रहे हैं फोर्थ तो फोर्थ सही होगा इपिकोटाइल या फिर जो आपकी स्टोन ग्राफ्टिंग होती है वो आम के अंदर अपनाई जाती है और महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है वहां पे ये विधि आपकी फेमस है क्या सब ठीक है वेरी गुड अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ो और अगले प्रश्न में पौधे की व्यवसायिक विधियां दी हुई है इन व्यवसायिक विधियों को आपको इसमें मिलान करना है कि क्या यहाँ पे सही उत्तर होगा जो पो... इधर तो हमने फल वृक्ष दे रखे हैं और आगे जो है व्यवसायिक विधियां दे रखी है तो फल वृक्षों का जो है व्यवसायिक प्रवर्धन की विधियों के साथ में आपको मैच करना है आम केला अनार और बेर आम केला अनार और बेर और आगे दे रखा है छल्ला या फिर रिंग बडिंग ग्राफ्टिंग, कास्ट कलम और आपका ये आपका कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑप्शन तो की कही जाती है फर्स्ट तो के अंदर हो जाएगा आपका बी आंसर केले के अंदर व्यवसायिक प्रवर्धन होता है स्वर्ड सकर्स के द्वारा तो सेकंड के अंदर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा तो फर्स्ट के अंदर देखो बी है सेकंड के अंदर भी दोनों में डी दे रखा है अनार का प्रवर्धन कठोर कास्ट कलम से होता है और बेर का प्रवर्धन जो है आपका छल्ला रिंग कलिकाइन या फिर रिंग बडिंग से होता है तो इसका सही उत्तर पे कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा तो ये चारों जो प्रवर्धन की विधियां हैं ये चारों प्रवर्धन की विधियां आप लोगों को आनी चाहिए आम का प्रवर्धन विनियर ग्राफ्टिंग से और केले का प्रवर्धन सोट चक्कर से अनार का कठोर कास्ट कलम से और बेर का जो है आपका रिंग बडिंग से होता है पवन राकेश बनीता मनीष सोनू बेरवा कप्तान विनोद विश्नोई, अंजलि समझ में आ रही है बातें वेरी गुड हम लोग बहुत जल्दी जो है दो पांच क्वेश्चन और पढ़ेंगे फिर एक हम लोग फटाफट से एक कविता पढ़ेंगे जो कि बहुत बेहतरीन है मज़ा आ जाएगा आप लोगों को एक एक गीत है बहुत अच्छा सा और बहुत अच्छी रचना है बहुत शानदार एक नंबर अब इस प्रश्न को पढ़ो स्पेग्नम ग्रास का उपयोग प्रवर्धन की किस विधि में किया जाता है स्पेग्नम की किस विधि में करते हैं माउंट लेयरिंग के अंदर एयर लेयरिंग के अंदर इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में या फिर सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग में वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ऑप्शन की स्पेग्नम मोस ग्रास का उपयोग प्रवर्धन की किस विधि में किया जाता है माउंट लेयरिंग में एयर लेयरिंग में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में या फिर सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग में ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं समझ में आ रहा है मेरी बात विद्यार्थियों क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो पच्चीस सेकंड जैसा कि आंसर कर रहेगी मॉस मोस्ट का उपयोग सर एयर में किया जाता है बिल्कुल वेरी गुड इसका सही उत्तर आपका डेफिनेटली है एयरलेयरिंग आप लोग कृषि पर्यवेक्षक की ज्यादातर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक की सूचना मैंने आपको बताई थी आपके पदों की संख्या को बढ़ाकर आपके जो है टी टू थ्री एट नाइट यानी कि लगभग आपके जो है चौबीस सौ पदों की संख्या कर दी गई है जिनमें से दो सौ अड़सठ जो पोस्ट है वो टीएसपी के लिए रिजर्व है और बची हुई जो इक्कीस सौ इक्कीस जो पद है वो आपके नॉन टीएसपी के लिए रिजर्व है यानी कि नॉन टीएसपी एस रिजर्व का मतलब नॉन टीएसपी क्षेत्र के पद कितने हैं इक्कीस सौ इक्कीस है और ये ऐतिहासिक पद है इतने पद आपको और भविष्य के अंदर नहीं मिलेंगे और ना ही आपको पहले देखने को मिले हैं क्योंकि पोस्ट भी इतनी राजस्थान के अंदर कृषि पर्यवेक्षक बहुत ज्यादा पद नहीं है जितने पद हैं अब लगभग भरने वाले हैं ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या होगा बिल्कुल एयर लेयरिंग हो जाएगा स्पेगनमोस घास जो है हम लोग एयर लेयरिंग में प्रवर्धन में काम में लेते हैं अगला प्रश्न है थोड़ा नया है कि बॉटम हीट तेक्निक यानी बॉटम हीट टेक्निक का संबंध किस विधि से है प्रवर्धन के प्रश्न चल रहे हैं चार पांच प्रश्न और होंगे प्रवर्धन के फिर अगला टॉपिक देखेंगे कि जो बॉटम हीट टेक्निक है उसका उपयोग कलम में करते हैं बडिंग में करते हैं ग्राफ्टिंग में करते हैं या फिर आपका उत्तक संवर्धन में करते हैं तो बॉटम हीट टेक्निक का प्रयोग जो है हम लोग किस विधि में करते हैं ये आपको यहां पे बताना है बॉटम हीट टेक्निक ठीक है बच्चे बोल रहे टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं तो टिश्यू कल्चर में भी मैंने अच्छे से मैं बताता हूँ आप लोग जो मेरे से बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं या फिर मेरी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर जो कोर्स अवेलेबल है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझा रखा है आप लोग वहीं पे पढ़े या फिर ऑफलाइन आकर के आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो आज तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा और जो अपनी कोई क्लास होगी उसमें मैंने टिश्यू कल्चर के ऊपर आपको बिल्कुल बताऊंगा ठीक है जो यहाँ पे सही उत्तर बच्चे बता रहे हैं सेकेंड होगा बडिंग नहीं बॉटम हीट टेक्निक का प्रयोग किसमें करते हैं तो यहाँ पे बॉटम हीट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है कलम में जड़ फुटान के लिए यानी कि ठंड के मौसम में क्या होता है कलम जो होती है हम लोग जगह जगह कलम जो लगाते हैं उनमें जड़ फुटान आसानी से नहीं होता तो हम क्या करते हैं एक चैंबर बनाते हैं एक ट्रे टाइप बनाते हैं उसमें मिट्टी भरते हैं और उस मिट्टी के करंट लगाते हैं एक प्लस माइनस वाली इसके अंदर रोड रखते हैं वो रोड से क्या होता है ये तापमान मिट्टी का ज्यादा रह जाता थोड़ा बढ़ जाता है और इसके अंदर फिर कलम जो लगाई जाती है उस कलम के अंदर जो है जड़ फुटान आसानी से होता है ये बोटम हीट टेक्निक है यानी कि नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको गर्मी देते हैं ठीक है ये बोटम हीट टेक्निक है क्योंकि कलम में जड़ फुटान के लिए कम से कम तीस डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर चाहिए टेम्परेचर चाहिए प्लस माइनस दो यानी कि लगभग तीस डिग्री सेंटीग्रेड तो ठंड के मौसम में कम रहता है तापमान तो जो है वहां इसमें जड़ फुटाना आसानी से नहीं होता इसलिए बॉटम हीट टेक्निक में हम क्या करते हैं ये तापमान हम लोग बढ़ा देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा कलम हो जाएगा अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न बहुत सारे एग्जाम के अंदर पहले पूछा गया है कि एक पादप कोशिका या उत्तक से संपूर्ण पादप बनने की निहित क्षमता क्या कहलाती है एक पादप कोशिका या उत्तक से जो पूरा पादप बन जाता है वो बनने की जो निहित क्षमता होती है उसे हम क्या कहते क्या हैं टोटी परसेंट ट्रांसक्रिप्शन उत्तक संवर्धन या फिर, टोटी या फिर टोटी पोटेंसी. एक कोशिका जो होती है उसको हम लोग टिश्यू कल्चर में काम में लेते हैं या फिर जो उत्तक होता है उसको काम में लेते हैं फिर वो पूरे पौधे में बन जाता है ये जो निहित क्षमता होती है कोशिका या उत्तक में उसे हम लोग क्या कहते हैं टोटी परसेंट ट्रांसक्रिप्शन टिश्यू कल्चर या फिर आपका टोटी पोटेंसी इसका सही उत्तर बताना ये पहले भी दो तीन बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चे जैसा ही आंसर देने लगे फर्स्ट होगा सर फोर्थ होगा थर्ड होगा बच्चे नरेश गौतम उमेश मुकेश कुलदीप दिनेश पुरुषोत्तम राजू दिलीप अंकित सीमा सुरेंद्र वेरी गुड तो इसका सही उत्तर क्या होगा फोर्थ होगा इसको आप लोग कंठस्थ कर लेना ये बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता रहता है

मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को वापस कि कलिकायन एवं उपरोपण में मूल और जो शांकूर डाली होती है उनके बीच में जो जो संयोजन बनता है, जो यूनियन बनता है है यूनियन वो किससे बनता है फ्लोएम से बनता है जाइलम से बनता है, है कैम्बियम से बनता है या फिर कोर्टेक्स से बनता है इस प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कहीं पर नहीं मिलेगा फ्लोएम जाइलम कैम्बियम या फिर कोर्टेक्स यानी कि जो हम लोग कलम जो हम लोग कलिकायन करते हैं बर्डिंग या फिर जो ग्राफ्टिंग करते हैं वो आपस में जुड़ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि यूनियन बन रहा है तो वो यूनियन किस कारण से बनता है किसकी वजह से बनता है ये आपको बताना है प्रेम शंकर प्रदीप रिंकू फटाफट से रिमजिम प्रदीप सोनू चौधरी वेरी गुड तेनाराम सौरभ दिलवाले बिल्कुल उर्मिला हिमेश फटाफट से बच्चे जैसा कि थर्ड आंसर दे रहे हैं कि थर्ड दे रहे हैं थर्ड दे रहे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है थर्ड आंसर दे रहे हैं तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा कैम्बियम कैम्बियम तो cambium यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर है जो कैम्बियम परत होती है उसमें विभाजन से ही यूनियन बनता है अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या होगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से गुलाब के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि कौन सी है गुलाब के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि आपकी उत्तक संवर्धन है टी या फिर शील्ड बडिंग है वेज आपकी ग्राफ्टिंग है या फिर स्टूलिंग जिसे हम लोग दाब कहते हैं सही उत्तर आपको बताना है कि गुलाब के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि कौन सी है तो गुलाब के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि उत्तक संवर्धन है टिबिंग है वेज उपरोपण है या फिर स्टूलिंग जिसे हम लोग दाब कहते हैं तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा पूनम राकेश धर्मेंद्र ट्रिपल सी श्रद्धा पूजा संतूर वेरी गुड पवन

किसके द्वारा होता है लैंगिक विधि जो होती है उसमें प्रवर्धन किससे होता है पत्ती कलम से होता है, है करतोत्तक यानी कि एक्सप्लांट से होता है बीज के द्वारा होता है या फिर इनार्चिंग के द्वारा होता है हम लोग प्रवर्धन को या फिर जनन को दो भागों में बांटते हैं लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन तो लैंगिक प्रवर्धन की जो विधि होती है उसमें जो प्रवर्धन किससे होता है पत्ती कलम से होता है करतोत्तक यानी कि एक्सप्लांट से होता है बीज द्वारा होता है या फिर इनार्चिंग से होता है तो सही उत्तर बच्चे दे रहे हैं इसमें थर्ड आंसर होगा बिल्कुल जो है लैंगिक प्रवर्धन में जो प्रवर्धन होता है इनार्चिंग से नहीं होता है बच्चों वो आपका बीज के द्वारा ही होता है लैंगिक प्रवर्धन में प्रवर्धन का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स दो तरह का प्रवर्धन होता है लैंगिक प्रवर्धन का मतलब बीज के द्वारा पौधों का प्रसारण और अलैंगिक प्रवर्धन का मतलब है बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से जो प्रवर्धन होता है उसे हम लोग कहते हैं तो थर्ड आंसर जो दिया है विद्यार्थियों वो सभी का थर्ड आंसर क्या है बिल्कुल सही है अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न अपना ये निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से वृक्षों का व्यवसायिक प्रवर्धन बीज के द्वारा होता है व्यावसायिक प्रवर्धन किसका बीज के द्वारा होता है वो आपको बताना है पपीता और नींबू का अमरूद और संतरा का खजूर और केला का आंवला और अंगूर का निम्न में से कौन से फल वृक्षों का जो व्यवसायिक प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा होता है पपीता और नींबू अमरूद और संतरा खजूर और केला आंवला और अंगूर सही उत्तर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपको बताना है ठीक है जयपाल पूजा क्या हो जाएगा तो सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं जैसा कुछ बच्चे जैस। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फर्स्ट ही आंसर कर रहे हैं और बहुमत जहां पे जा रहा है इसका मतलब इस बार जरूर सरकार बनाओगे बहुमत का मतलब क्या होगा बहुमत का मतलब जो है विजेता बनोगे लोकतंत्र की ये पहचान है कि जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वो विजेता होगा तो फर्स्ट ऑप्शन अपने चार कैंडिडेट हैं चार में से फर्स्ट को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो पपीता और नींबू का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है सीड के थ्रू होता है अगला प्रश्न है कि स्टूलिंग या फिर माउंट लेरिंग पादप तकनीक का प्रयोग किस वृक्ष में किया जाता है स्टूलिंग या फिर माउंट लेरिंग पादप प्रवर्धन तकनीक का प्रयोग किस फलवृक्ष में करते हैं अमरूद में करते हैं सेब में में करते हैं? आम में करते हैं हैं आम या फिर बेर में करते हैं व्यवसायिक प्रवर्धन की बात हो रही है विद्यार्थियों व्यवसायिक प्रवर्धन का मतलब प्रोपेगेशन मेथड स्टूलिंग जिसे हम लोग माउंट लेयरिंग भी कहते हैं तो किस फलवृक्ष में करते हैं तो आंसर जो है बच्चों का फर्स्ट आ रहा है कुछ अपवाद स्वरूप थर्ड भी कर रहे हैं तो इस बार भी जो है फर्स्ट उत्तर है आप लोगों का तो फर्स्ट वालों को जो है बिल्कुल सही है तो फर्स्ट को मैं यहाँ पे सही टिक लगा रहा हूं ये आपका अमरुद जो है तो अमरुद का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है स्टूलिंग या फिर माउंट लेरिंग से होता है वेरी गुड ललिता सोनू पूजा वेरी गुड अगला प्रश्न देखो ये प्रवर्धन की व्यवसायिक विधियों से आपके प्रश्न आएगा ही आएगा तो यहाँ पे चार ऑप्शन है चार में से यहां फिर से आपको इस प्रकार का प्रश्न मिला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है चार यहाँ पे वृक्ष दे रखे हैं और चार पौधे दे रखे हैं चारों का आगे प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि दे रखी है आपको चयन करना है कि कौन से दो सही हैं? गुलाब का प्रवर्धन किससे होता है ब्रिज ग्राफ्टिंग से होता है आंवले का प्रवर्धन पेच बडिंग से होता है अंगूर का प्रवर्धन आपका उत्तक संवर्धन से होता है और संतरे का प्रवर्धन आपका टी या फिर शिल्ड बडिंग से होता है टी या फिर सिल्ड बडिंग से होता है तो आपको यहाँ पे सही उत्तर देना है कौन सा हो जाएगा कि कौन से दो आपके यहाँ पे सही सुमेलित हैं ए और बी ए और डी सही है बी और सी सही है बी और डी सही है या फिर ए और सी सही है सही उत्तर है। बच्चे जैसा कि आंसर देने लगे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों जयपुर से जो बच्चे कह रहे हैं जयपुर से प्रणाम जयपुर वालों का स्वागत है बिल्कुल बहुत अच्छा राधे राधे बच्चे राधे राधे बोल रहे हैं जय श्री कृष्णा और हैप्पी बर्थडे वालों को भी हम लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं पूरे हॉल इंस्टीट्यूट की वजह से आप सभी को मैं जन्मदिन की जो है बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं जिनका भी आज जन्मदिन है नरेश मोनिका खुशाल पवन इसमें सही उत्तर बताना है बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम जो है कुछ बीबी कर रहे हैं कुछ थर्ड दो इसमें सही है और दो यहां पे आपको गलत मिल जाएगा

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को अब तो ये याद हो गया होगा मैंने भी तीन चार बार करवाए कि विषाणु मुक्त यानी वायरस फ्री पौधे तैयार करने हेतु उत्तक संवर्धन में एक्स प्लांट यानी करतोतक के रूप में पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं अपने को वायरस फ्री प्लांट अगर अपने को तैयार करने हो तो वायरस फ्री पौधे तैयार करने हैं तो उत्तक संवर्धन विधि में करतोतक जैसे हम बोलते हैं एक्स प्लांट के रूप में पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं पराग कणों को लेते हैं शीर्ष विभाजित को लेते हैं राइजोम को लेते हैं या फिर सूखा हुआ तना या फिर जो आपका ड्राइड स्टेम होता है उसे हम लोग काम में लेते हैं बच्चे आपका सेकेंड आंसर करने लगे हैं कुछ थर्ड भी आंसर कर रहे हैं हम लोग रोग रहित या रोग मुक्त पौधे तैयार करना चाहते हैं समझ में आ रही है राकेश अंजलि शिवानी प्रियांशु हनुमान विकास सभी के बच्चों समझ में आ रही है तो जैसा कि बच्चे सेकंड आंसर कर रहे हैं तो शीर्ष विभाज्योतक जो होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है उससे उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि वो वायरस फ्री रहता है क्योंकि वो वायरस फ्री रहता है वायरस शीर्ष विभाज्योत्तक भाग को संक्रमित नहीं कर पाता इसलिए जनरली हम लोग उत्तक संवर्धन में जो रोग रहित पौधे तैयार करते हैं उसके लिए हम लोग शीर्ष विभाज्योत्तक का चयन करते हैं इस प्रश्न को आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना अगला प्रश्न जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर बता दिया था कि रूटेक्स और सेरोडेक्स किस हार्मोन के व्यापारिक नाम है रूटेक्स एवं सेरोडेक्स जो है किस हार्मोन के व्यापारिक नाम है एब्सेसिक एसिड टू फोर डी या फिर आई बी एब्सेसिक एसिड टू फोर डी या फिर आई यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड तो सही यहाँ पे क्या होगा जयेश दिनेश यहाँ पे सही बताना बिल्कुल सरल प्रश्न है आप सभी को ये प्रश्न आता है ये मुझे पता है ताबड़तोड़ गाथा नागौर से राम राम चौधरी का बिल्कुल नागौर से चौधरी साहब का बिल्कुल राम राम है नागौर से जय श्री कृष्णा और अभी मैं आपको एक दो प्रश्न बाद में अपना जो अगली जो कविता आने वाली है वो कविता में मैं आप सबको एक बार मस्त करता हूँ ठीक है तो फटाफट से इसका उत्तर दे रहे हैं बच्चे फोर्थ आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल फोर्थ सही है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है तो रूटेक्स और सेरोडेक्स जो आपका इंडोल ब्यूटायरिक एसिड ऑक्जिन होता है उसके व्यापारिक नाम है बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है कि पश्चिम और शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित आम के प्रवर्धन की इन सीटू विधि कौन सी है आपको बतानी है कि पश्चिमी या फिर शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित आम के प्रवर्धन की इन सीटू विधि कौन सी है आपको इन सीटू विधि बतानी है

लास्ट तक आप लोग बहुत सारी नई चीजें जो है आप लोग सीख करके जाएंगे लेकिन उस कविता से पहले मैं आपको काम बोलूंगा वो काम भी आपको करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ सही उत्तर बच्चे जैसा कि दे रहे हैं डी आंसर दे रहे हैं ज्यादातर तो इसका सही उत्तर विद्यार्थियों डी बिल्कुल भी नहीं होगा इसका सही उत्तर होगा सी जो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग होती है जो आम के अंदर काजू के अंदर प्रचलित है ये आम के अंदर सामान्यतः जो सूखे इलाके होते हैं उनके अंदर की जाने वाली

अगला देखो सरल प्रश्न है कि गुटी दाब का अन्य नाम क्या है गुटी दाब हम किसे कहते हैं लेयरिंग को कहते हैं, मार्कोटेज को कहते हैं चाइनीज लेयरिंग को कह रहे हैं या फिर ये सभी के सभी एक ही नाम है हम लोग गुटी दाब किसे कहते हैं अविनाश अर्चना मीना रो क्यों रहे हो मेरे समझ में ना रही है, है? का है रो रहे हो तुम लोग ऐसे थोड़ी रोते हैं बच्चों है एक आधा प्रश्न गलत और सही तो होता रहता है ऐसे थोड़ी रोना ठीक है वेरी गुड जो विवेक वीर तेजा कंप्यूटर का स्वागत बिल्कुल वीर तेजा गिरिराज अपने को बताना है कि जो गुटी दाब है इसके अन्य नाम क्या है एयर लेरिंग कहते हैं इसको मार्कोटेज कहते हैं चाइनीज लेरिंग कहते हैं या फिर सभी के सभी सही हो जाएंगे ठीक है ज्यादातर बच्चे आंसर कह रहे हैं कि सर सभी सही है कुछ फर्स्ट बोल रहे हैं तो मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए चौथे वाले मामले को सही कर देता हूँ कि ये चारों के चारों जो है आपके एयर लेरिंग के नाम ही है गुटीदाब एयर लेरिंग मार्कोटे, चाइनीज लेरी हम लोग इस एयर को ही कह देते हैं या फिर गुटीदाब ये सारे-सारे एक ही विधि के अलग-अलग नाम है। अब देखो अब मैं आप जो तो कविता आपकी आ चुकी है और इस कविता से पहले मेरा काम करोगे ये थोड़ी कविता है एक नंबर की कविता है जोरदार कविता है माहौल बनने वाली कविता है तो पहले जो मैं आपको इसकी भूमिका बताऊंगा दो मिनट के लिए दो मिनट तो अपने लगेंगे लेकिन अपना मूड फ्रेश हो जाएगा उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ठीक है हाँ बिल्कुल मोहन लाल मीणा यही काम करना है क्या तेरे को सूरवीरों की धरती नागौर से बिल्कुल प्रणाम है तो नागौर से बच्चों बिल्कुल प्रणाम और आप लोगों को मैं पांच सात सेकंड का टाइम दे रहा हूं उस टाइम में आपको क्या करना है वीडियो को शेयर करना है तभी जो है इस कविता का इस गीत का जो है आपको आनंद मिलेगा तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें और फिर मैं इसको आपको शुरू कर रहा हूं मैं इसके लिए दस सेकेंड का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं और तब तक मैं भी यहां पे पानी पी रहा हूं ठीक है वीडियो को शेयर करने की बोल रहा हूं डूंगरपुर से बच्चे बांसवाड़ा से सभी बच्चों का डूंगरपुर बांसवाड़ा हो चाहे आप राजस्थान के जयपुर से सर बोल रहे ठीक है रत्ना हाँ, नागौर आला भाई सभी विद्यार्थियों का सूरदास का पद है मास्टर साहब नहीं सूरदास का पद नहीं है मैं भी बताऊंगा किसका पद है बिल्कुल उत्कर्ष अभी बता रहा है बिल्कुल पद किसका है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों ने वीडियो शेयर कर लिया हो तो अब हम इसकी बात करेंगे ये जो रचना है ये आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर की है जगन्नाथ दास रत्नाकर की आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे इस कविता के माध्यम से तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये कविता है ये जो गीत है ये पूरा बहुत बड़ा इसको बोलते हैं उद्धव शतक इसका पूरा नाम है उद्धव शतक यानी कि पूरी की पूरी शो इसकी इसके शो तरह के छंद है ना शतक यानी इस तरह के सो उसमें जो है आपको छंद मिलेंगे बहुत बड़ी कविता है बहुत मीठी कविता है बहुत इसके सारे रस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे हास्य रस आपका व्यंग हर तरह की चीजें आपको मिलेंगी अब ये बात ऐसी है मैं फटाफट से भूमिका बना करके जो है आपको आगे शुरू कर देता हूँ फटाफट से मैं भूमिका बना करके इसको पढ़ के फिर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे कि ये बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण का एक दोस्त था जो कि दूत भी था तो उसको अपने ज्ञान के ऊपर बहुत घमंड था उसका नाम था उद्धव भगवान श्री कृष्ण का जब वो मथुरा में चले गए तो वहां उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था तो सारे कंस वगैरह ये उनको मारने के बाद की बात है तो उसको अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था यूं था कि मैं सामने वाले किसी भी पार्टी को सेट कर सकता हूँ उद्धव के दिमाग में ये था कि ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है और उसे ये पता हो गया कि मुझे इस दुनिया की सब चीजों का मुझे ज्ञान हो गया है

गोकुल के अंदर गोपियां हैं ग्वाले हैं जो गोपियां मेरे को बहुत याद करती रहती है और जब से मैं यहाँ मथुरा आ गया हूँ तो वहां पे जो है मेरे को हमेशा याद करती है मेरी याद के अंदर उनका किसी और काम में मन ही नहीं लगता तो उद्धव तुम जाओ और उन गोपियों को ये समझा के आ जाओ कि जो है अब वो मेरे को भूल जाए भगवान कृष्ण को क्या बोल रहे हैं कि वो अब कृष्ण को भूल जाए और अपने बाकी काम में लग जाए अब वो यहाँ पे नहीं आएंगे या फिर अब वो मथुरा दीश हो गए हैं तो ये काम करने के लिए उद्धव को भेजा और उद्धव ने कहा हो यह तो चुटकियों का काम उद्धव ने बोला हो ये तो, तो मेरा दाए हाथ का काम है मैं अभी अभी मामला सेट करके आता हूं तो उद्धव जब आते हैं तो उसमें यह उद्धव शतक है पूरा का पूरा जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है तो उद्धव उद्धव जब गोपियों से बात करते हैं गोपिकाओं को वो ज्ञान देने की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं वो उनको बोलते हैं तो गोपियां उनको बोलती हैं भाई उद्धव जब आए उद्धव बैठ करके उनको समझाते हैं ऐसी ऐसी बातें हैं ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो गोपियां क्या बोलते हैं पूरी पढ़ूंगा फिर आपको एक बार हल्का सा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन गोपियां उद्धव को बोलती है आये हो सिखावन के जोग मथुरा ते तो आये हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो उधो योग के वचन बतरा कहरत ना कर दया करी दरस दिन दुख दरी बेको तो पे अधिक टूक टू, टूक टूक है, टूक 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 अवे। मैं इसको पूरी कहानी वापस इस राग में पढ़ देता हूं कि आये हो सिखावन के जोग ते तो पे उदो उवी योग के वचन बतराओ ना कहरत ना कर दया करी दरस दिन दुख दरी बेको तो पे अधिक ना ये अगली जो लाइन है टूक टूक वैया मन मुकुर हमारो हाय चुकी चुकी हूं कठोर ने चलाओ ना एक मन मोहन तो बस के उजारो मोह ही यम अनेक मन मोहन बसाओ ना मैं इसके अर्थ बताऊंगा तो थोड़ा आपके समझ में आएंगे मैंने इसको मैं हमेशा इसको गाता नहीं हूं इसलिए ये थोड़ी राग मेरी सेट इसमें होती नहीं है इसका मतलब यह है कि उद्धव साहब आप जो ज्ञान सिखाने आए हो तो योग की बात करो वियोग की बात मत करो हमें जो है हम कृष्ण के प्रेम में इतने ऑलरेडी पड़े हुए हैं आप जो काम करके हो ना वो करके चले जाओ हमें ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो यहाँ पे लिखा है देखो कि एक मन मोहन तो बस के उजारी हुआ कि हमारे मन के दर्पण में एक जो कृष्ण बचा हुआ है उससे ही हमारे ये हालात हैं हमारे दिल को अगर आप तोड़ के जाओगे तो ये दर्पण है इसके हजार टुकड़े हो जाएंगे और एक कृष्ण ने हमारे हालात खराब कर रखे हैं तो ये हजार टुकड़े हो जाएंगे और तो उतने ही प्रतिबिंब उसके अंदर कृष्ण के बनेंगे तो हम कैसे सहन करेंगे इसलिए जो है कि उद्धव जी ज्यादा ज्ञान की बात मत करो एक कृष्ण जो हमारे मन में बसा हुआ है उसमें भी हमारी जो है हालात खराब हो गए हैं अभी अगर दिल हमारा टूटेगा तो ये जो कांच है एक तरह से शीशा है तो भगवान कृष्ण के उतने ही जो छवियां इसके अंदर बनेगी तो हम जो है कैसे रहेंगे तो उदो जी आप जो आए हो तो सब ठीक है लेकिन हमें ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो उदो जी योग सिखाने आए हो वियोग की बात मत करो आइए ये यहाँ पे कविता के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं इसके हर एक शब्द का अर्थ तो मुझे भी नहीं आता है देखो अगला जो एक और छंद है ये मैं फटाफट से सा आपके सामने बता रहा हूँ फिर अपन जो है अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे अब देखो इसमें यूं है अगला जब अब क्या है जैसे वो उद्धव जी आगे और उद्धव जी वहां आकर के गोकुल में बैठे हैं बीच में और जो चारों तरफ से गोपियां जो है आ, उनकी बातों को सुन रही है और जैसे पत्र लेके आए कि मैं पत्र पढ़ देता हूं तुम्हारा कि भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव जी आए हैं तो कैसा क्या माहौल है वो देखे पढ़ देते हैं तो उसको मैं फटाफट से देखो जितना मेरे को आता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भेजे मन माहुन भेजे भेजे मन भवन के उद्धव के आवन की सुदिव्रज गावन में पावन जबे लगी कहरत ना कर गुवाली ने की जोरी जोरी दोरी दोरी नंदपोरी आवन तबे लगी उज की उज की पद अंजनी के पंजनी पे पेकी पेकी पाती चाहिनी पेत पेकी पेकी पाती छाती छोहनी छबे लगी हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहने छबे लगी ज्यादा ऊंचा मैं गा नहीं पा रहा हूं। मेरे गले में जो है दिक्कत आ रही है। अब देखो इसमें यूं है इसका अर्थात क्या है कि भाई वो उद्धव बीच में बैठे हुए हैं और चारों तरफ जो है चारों तरफ से जो है गोपिकाएं यूं पैरों को ऊंचा कर करके देख रही है कि मेरे को कहाँ लिखा है मेरे को कहा लिखा है ये बताओ उस पत्र को अपने यहाँ लगाते हुए ये बोल रही उजे के, उजे की पद ये कंजनी के पंजनी मतलब पंजू के ऊपर ऊंची होकर के ये जो है वहां पर बताने की कोशिश ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नाम कहाँ पे लिखा है मेरा नाम कहाँ पे लिखा है तो ये पूरा छंद जो है ये मेरा मेरा आप सबके साथ मेरा भी ये टारगेट है कि इस पूरे उद्धव शतक को मैं पढ़ू इसको याद करूं ठीक है समझ में नहीं आया मैं समझ सकता हूं ये तो ये उद्धव शतक है आप लोग इसको गूगल करना और ये उद्धव जी का शतक आप गूगल पे जाना और उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है आप इसको देखना इसमें ये पूरा का पूरा उद्धव और गोपियों का जो संदेश है उनके बीच में आपसी जो वार्ता होती है क्या बातचीत होती है और लास्ट में उद्धव की ऐसी हालत हो जाती है तो वो जब आता है ना ऐसे जो ये कविता आती है उसके अंदर के भी पग पड़े यहाँ के तहा ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले लास्ट की लाइन ऐसे आती है उद्धव जब वहां से आया तो सारा ज्ञान उसका फेल हो गया कि उसको पता चला कि अनुराग प्रेम रस नाम की भी कोई चीज होती है जो ज्ञान के ऊपर वाली बात है तो भगवान श्री कृष्ण जो उसको सिखाना चाह रहे थे वो तो उसके लास्ट में वो सीखता है ऐसे ऐसी पूरी है यह रचना बहुत शानदार है बहुत एक नंबर की रचना है ठीक है तो ये आप लोग देखेंगे मेरे को आता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है अब जो मुझे आता है वास्तव में हॉर्टिकल्चर उसके मैं आप सबके सामने बात करूंगा अगला जो आपके सामने है वो इस प्रकार से है कि सर्वाधिक बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है इसके बारे में आप लोग कुछ भी पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा वो जो वो हिंदी साहित्य का काम है और हिंदी साहित्य जरूर जो है आ, मेरे इंटरेस्ट का विषय है लेकिन हर चीज मेरे को अभी आती नहीं तो यहाँ पे बहु, सर्वाधिक बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है यह आपको बतानी है उस चीज को भूल जाओ इस पर बात करो तो नींबू वर्गीय फल आम जामुन या फिर इनमें से कोई नहीं सर्वाधिक बहुभ्रूणता किसके अंदर पाई जाती है ये आप लोगों को बताना है ठीक है फटाफट से बताएंगे बच्चे कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है ठीक है बहुभ्रूणता आप लोगों ने पढ़ी होगी इसको हम पोली एम्ब्रयोनी कहते हैं तो पोली एम्ब्री का मतलब क्या हुआ कि एक बीज जब हम बोते हैं तो बहुत सारे पौधे उनमें से उग जाते हैं तो सर्वाधिक है? को बताना है ठीक है बाबा रामदेव के भक्त वगैरह बच्चे उत्कर्ष अभी वेरी गुड पूजा फर्स्ट बता रहे हैं तो बिल्कुल जो है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट यानी कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है यानी कि बहुभ्रूणता तो आपके आम में भी, भी पाई जाती है नींबू में भी पाई जाती है जामुन में भी पाई जाती है लेकिन सर्वाधिक की कभी बात करें तो सर्वाधिक बहुभ्रूणता आपके किस में पाई पाई जाती जाती है है फलों के अंदर अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न आपको निश्चित रूप से आना चाहिए देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है रूपांतरित जड़ का प्रकार और यहाँ पे जड़ वाली सब्जी दे रखी है ये तो रूपांतरित जड़े हैं दे रखा है रूपांतरित जड़ के लिए जो शब्द यूज़ पहचानना है ठीक है तो इसका सही उत्तर बताएं कि ट्यूबरस जो जड़ प्रकार होता है वो चुकंदर में होता है फ्यूजी फॉर्म जड़े होती है मूली की जड़ को बोलते हैं कोनिकल रूट हम गाजर की जड़ को बोलते हैं और नेपी फॉर्म जो होती है जड़ उसको हम लोग सलजम को बोलते हैं ये रूपांतरित जड़ों का प्रकार है और आगे आपको जड़ वाली सब्जी का उदाहरण है इसके साथ में सेट करना है कि ट्यूबरस रस का ट्यूबरस जो जड़ें होती हैं वो चुकंदर में होती हैं फ्यूजी फॉर्म मूली में होती है कोनिकल आपकी गाजर में होती है और नेपी जो है आपकी सलजम में होती है इसका सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं इसका सही लोग इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चे फोर आंसर दे रहे हैं कुछ फर्स्ट दे रहे हैं तो इसका सही जो बिल्कुल पंकज इसका सही उत्तर क्या होगा फर्स्ट हो जाएगा जो कि आपका क्या है सुमेलित नहीं है यानी कि ट्यूबरस जो जड़े होती है वो सकरकंद का उदाहरण जो है सकरकंद की जो जड़े होती है वो ट्यूबरस कहलाती है बाकी चुकंदर और जो सलजम है चुकंदर और सलजम जो है उनके क्या होता है नेपिफॉर्म होता है अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्यूबरस जड़े किसमें पाई जाती है सकरकंद में फ्यूजी फॉर्म आपकी मूली में और कोनिकल आपकी गाजर के अंदर और आपके सलजम के जड़ प्रकार को कहते हैं बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, देखो। अगला ये अंदर आया है कि खजूर का प्रवर्धन होता है खजूर का प्रवर्धन किससे होता है यह आपको ऑफ शूट पत्ती कलम उत्तक संवर्धन या ए और सी दोनों खजूर का प्रवर्धन किससे होता है ऑफ शूट से होता है कलम से होता है या फिर आपका उत्तक संवर्धन से होता है ए और सी आपको बताना है कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा तो खजूर का प्रवर्धन होता है इस प्रकार का कभी ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो क्या इसका सही होगा देखो पंकज मीणा सुभाष गोस्वामी गणेश योगी रोहित कुमार हर्ष शालू प्रियंका इसका बटा -बट बच्चों उत्तर कि इसका क्या उत्तर होगा बच्चे जैसा कि डी आंसर कर रहे हैं कुछ ए आंसर कर रहे हैं डी और एम ऐसे मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार का कभी भी आप प्रश्न देखो उस केस में क्या होगा आपका चौथा उत्तर होगा यानी कि ए और सी जो है ये दोनों आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे यानी कि ऑफ शूट से तो होता ही होता है परंतु उत्तक संवर्धन से भी जो है इसके आजकल खूब पौधे तैयार किया जाते हैं व्यवसायिक रूप से तो ए और सी ऐसे केस में क्या हो जाएगा दोनों सही हो जाएंगे ठीक है तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था क्वेश्चन वो मैंने आपको बताया फिर से आपके सामने एक प्रश्न है जिसमें प्रवर्धन व्यवसायिक विधियों की बात की गई है और आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है कि इधर चार दे आगे प्रवर्दन की व्यवसायिक विधि दे रखी है तो आपको बताना है क्या होगा ऑप्शन अंगूर का प्रवर्धन संतरा और माल्टा का प्रवर्धन बिलपत्र का प्रवर्धन और केले का प्रवर्धन किससे होता है आगे दे रखे पेज कलिकाइन कठोर कास्ट कलम राइजोम या फिर सकर्स या फिर टी या फिर होगा देखेंगे अंगूर का व्यवसायिक प्रवर्धन होता है कठोर कास्ट कलम से संतरा और माल्टा का प्रवर्धन जो होता है वो टी बडिंग से होता है बिलपत्र का प्रवर्धन आपका पेच बडिंग से होता है और केले का प्रवर्धन कभी आपको स्वर्ड सकर्स ऑप्शन में नहीं दो नहीं दिया हुआ इस केस में आपका राइजोबियम या फिर सकर्स भी सही उत्तर हो सकता है तो ये बात आपको बेस्टी की लाडली जो बता रही है देखो बच्चे आंसर देना है हाँ ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए कम दिखता है जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना वो कम दिख रहा है तो मैं उसको पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए बाकी जो है प्रश्न आप लोगों को प्रॉपर दिख रहे हैं क्योंकि खूब बड़े हुए लिखे हुए हैं कार्तिक चेतरा मीणा बी आंसर दे रहा है वेरी गुड तो ये मैंने आपको बता दिया कि अंगूर का कठोर कास्ट कलम से होता है संतरा और माल्टा का टी या फिर सीड बडिंग से होता है बील का आपका जो है पेच बडिंग से होता है और केले का आपका जो है राइजोम या फिर सकर से होता है ऑप्शन में नहीं हो तो आपके जो है आप लोग राइजोम भी कई बार ऑप्शन में सही माना जाता है अगले प्रश्न को पढ़ लेना और फिर देखो इसका सही उत्तर बताना निम्न में से पादप प्रजनन का कौन सा तरीका व्यवसायिक किस्मों में बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधकता स्थानांतरित करने के उपयोग में लाया जाता है मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि निम्न में से पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग का कौन सा तरीका व्यवसायिक किस्मों में बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधकता ट्रांसफर करने में उपयोग लिया जाता है यानी कि ब्रीडिंग की कौन सी विधि है जिसमें हम लोग जो है रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करते हैं वंशावली विधि यानी पेडिग्री मेथड बेक्रॉस विधि यानी बेक्रॉस मेथड बल्क विधि यानी बल्क मेथड और म्यूटेशन विधि यानी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी विधि में हम लोग डिजीज तो कृष्णकांत, नितिन सुरेंद्र राजवीर अंकित नितिन शुभम नरेंद्र ठीक है तो इसमें सही उत्तर आप लोग बताएंगे कौन सा होगा बच्चे सेकंड आंसर दे रहे हैं कुछ फोर्थ भी आंसर दे रहे हैं तो फटाफट से मुझे बताएं कि किसका सही होगा बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा तो गलत हो गया कोई बात नहीं सही गलत चलते रहते हैं सही होते रहते हैं गलत रहते हैं लेकिन गलतियां नहीं दोहरा ऐसा अपना प्रयास करना होता है ठीक है पेपर हमेशा ऐसे ही आता है ऐसा नहीं है कि आपको पेपर पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो ये बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा लेकिन जिसके ज्यादा सही होंगे ना उसका सिलेक्शन होगा तो बेक्रोस विधि जो है इसमें सही है बेक्रोस का मतलब ये होता है जो संतति होती है उसके उसका संक्रमण उसके माता पिता या फिर उसके पेरेंट्स से करवाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं और ऐसी विधि से हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट करते हैं डेवलप अगला प्रश्न देखो जो पुराने बगीचों में पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार यानी रिजोवनेशन हेतु तो कौन सी विधि अपनाई जाती है कोई बगीचा पुराना हो गया है अब उसका थोड़ा जीर्णोद्धार करना है उसको वापस युवा जवान बनाना है तो क्या उपयोग हम करते हैं इनार्चिंग स्टोन ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग या फिर आपका टॉप वर्किंग ऑप्शन आपके इस प्रकार से है, uh, है बगीचों का हम लोग जीर्णोद्धार करते हैं जिसे हम रिजुवनेशन कहते हैं कोई बगीचा है कोई पौधा पुराना हो गया है तो उसके सुधार के लिए हम लोग कौन सी विधि अपनाते हैं तो यहाँ पे जैसा कि बच्चे मनुष्य कुशाल सावित्री मनोज प्रदीप संदीप प्रिया जैसा कि फोर्थ आंसर दे रहे हैं बच्चे तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर होगा वो जो है आपके क्या होगा फोर्थ हो जाएगा यानी कि टॉप वर्किंग टॉप वर्किंग में कोई भी पौधा होता है उसको क्या करते हैं हम लोग जैसे कोई भी पौधा है इस पौधे को हम क्या करते हैं ऊपर ऊपर से इसकी छंगाई कर देते हैं पूरे की पूरे पौधे की हम लोग छंगाई कर देते हैं और जब पौधे में नई नई फूटान वापस होने लग जाती है तो उसके ऊपर गुणों वाले पौधे को हम लोग उच्च गुणों वाले में बदल सकते हैं जो पुराना बगीचा है उसको हम लोग नया वापस उसकी उत्पादकता को मेंटेन कर सकते हैं अगला प्रश्न देखो क्या है अगला प्रश्न थोड़ा आपको फिर से देखो इस तरह का है तो मैं जोम कर रहा हूं इसको आप लोगों को ये पहचानना है जो विभाजन यहाँ पे दे रखे हैं कि एक साइड में तो यहाँ पे दे रखा है कि रूपांतरित तने का कौन सा प्रकार है और एक तरफ आपके उदाहरण दे रखे हैं तो इनको आपको मिलान करना है सबसे पहले प्रकंद या फिर राइजोम फिर गणकंद या फिर कोर्म दे रखा है फिर शल्क कौन से हैं और फिर आकंद के उदाहरण कौन से हैं आगे रखा आलू और डहेलिया प्याज लहसुन और रजनीगंधा अदरक और हल्दी और आपका ग्लेडियोलस अरबी और केसर दे रखा है तो आपको क्या करना है इधर जो दे रखे हैं उनका आगे उदाहरण के साथ में आपको मिलान करना है तो मिलान क्या होगा मिलान में आपको बता देता हूं बिल्कुल दिलकुश क्यों पागल हो जाओगे बच्चे बोल रहे हम तो पागल हो जाएंगे ऐसे कैसे पागल हो जाओगे है तो एक किसी को भी एक को भी हम लोग पागल नहीं होने देंगे क्योंकि अपने पागल खाने की व्यवस्था नहीं है इधर ठीक है तो पागल किसी को नहीं होना ध्यान रख लेना ठीक है किसी को भी पागल होने की इजाजत नहीं है पागल क्यों हो जाएंगे देखो यहाँ पे मैं आपको सही उत्तर इसका बता देता हूं बच्चे आंसर दे रहे हैं अलग अलग ठीक है तो प्रकंद या फिर राइजोम किस किस के हम लोग तने को कहते हैं रूपांतरित तने को तो जो आपका अदरक और जो हल्दी है अदरक और हल्दी के जो किसका रूपांतरण है अदरक और जो हल्दी है अदरक और हल्दी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकंद और राइजोम का एग्जाम्पल घनकंद या फिर कौरम का क्या एग्जाम्पल है तो ग्लेडियोलस अरबी और जो केसर है ग्लेडियोलस अरबी और जो केसर है वो क्या है आपका घनकंद का उदाहरण है शल्क कंद या फिर बल्ब तो बल्ब किसको हम बोलते हैं प्याज का बल्ब होता है लहसुन का बल्ब होता है और रजनीगंधा का आपके बल्ब होता है आकंद या फिर ट्यूबर की बात करें तो आकंद और ट्यूबर आपके आलू और डहेलिया को हम लोग बोलते हैं आलू और आपका ट्यूबर जो इनको हम लोग ट्यूबर बोल देते हैं ठीक है तो ये क्या है रूपांतरित तने के प्रकार है सामान्य भूमिगत होते हैं अंडरग्राउंड है, है, है है, लाइक करना है और सब्सक्राइब इस यूट्यूब चैनल को नहीं किया है तो आपको करना है वीडियो को आपको जो है वीडियो को आप लोगों को क्या करना है शेयर करना है सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही साथ लाइक भी करना है ठीक है बच्चे बोल रहे हैं करौली से चेतना राम मीणा वेरी गुड अंकित पायल शशिपाल नरेंद्र सावित्री सुखदेव पूजा अंकित वेरी गुड तो आप लोगों को क्या करना है वीडियो को एक बार और शेयर करना है ताकि हम लोग और थोड़ी संख्या को जुटाना चाहते हैं बिल्कुल सभी बच्चे बहुत अच्छा मोहन लाल भारती गणेश वेरी गुड तो अगला प्रश्न फटाफट से हम लोग देख रहे हैं इस प्रश्न को आपको पढ़ करके गलत कथन का चयन करना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कथन आपका कौन सा सही नहीं है पहला है पुदीना जो होता है पुदीना का प्रवर्धन स्टोलन या फिर भूस्थारी से होता है दूसरा वानस्पतिक यानी कि अलैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने मात्र पौधे के समान होते हैं बिल्कुल ट्रू टू टाइप होते हैं अगला स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन ऊपरी भूस्थारी यानी रनर्स से होता है केले का व्यवसायिक प्रवर्धन आपका जलीय सकर्स यानी कि वाटर सकर्स द्वारा होता है आपको यहाँ पे सही उत्तर देना है कि क्या हो जाएगा बिल्कुल अनाज के कटोरे गंगानगर से स्वा... बोल रहा है बच्चा प्रणाम तो बिल्कुल बच्चों का स्वागत है बहुत अच्छी बात है आप धान के कटोरे वालों का सबका स्वागत है हैं बच्चे जो नागौर से बोल रहे हैं सिक्कर सिरोही झुंझुनू जयपुर वेरी गुड तो बच्चे यहाँ पे बता रहे फोर्थ होगा तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये चार दे रखे इसमें से असत्य आपको बताना है तो यहाँ पे लिखा है केले का प्रवर्धन आपका जलीय शक्कर से नहीं होकर से किससे होता है आपका स्वर्ड शक्कर से होता है स्वर्ड शक्कर से आपका प्रवर्धन होता है बाकी तीनों सही है स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन आपका ऊपरी भूस्थरी रनर से होता है और वानस्पतिक या फिर अलैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं ट्रू टू टाइप ये भी सही है और पुदीना में प्रवर्धन स्टोलन या फिर भूस्तारी से होता है तो चौथा आप लोगों का बिल्कुल विद्यार्थियों करेक्ट है अगला जो अपना प्रश्न है अगला प्रश्न है कि पौधे का पौधे का वह भाग पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन हेतु काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं आपका पूरा प्रवर्धन आज कंप्लीट हो जाएगा एक आधा प्रश्न और है प्रवर्धन से फिर अगले टॉपिक में देखेंगे कि पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के हेतु हे काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं करतोतक या फिर एक्स प्लांट कहते हैं कैलिप्ट्रा कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं या फिर स्लिप्स कहते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उत्तक संवर्धन जो है उत्तक संवर्धन में हम पौधे का कोई भी भाग जैसे ही चयन करेंगे उसका नाम बदल करके क्या हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे करतोत्तक कहेंगे कैलिप्ट्रा कहेंगे कॉर्टेक्स करेंगे या फिर स्प्लिस जो आपका जो स्लिप्स होता है वो कहेंगे बच्चे आंसर करने लगे हैं बच्चे बोल रहे हैं कि बारिश आ रही है बाहर बिल्कुल आज माहौल क्या है आज कृष्ण जन्माष्टमी है साथ ही साथ अपनी मैराथन क्लास है और आप और हम सब इतने लोग जो हैं मिल करके भगवान कृष्ण के गीत पढ़ रहे हैं उनकी वंदना कर रहे हैं तो बारिश तो आनी आनी है बारिश की क्या औकात है जब भगवान कृष्ण जो है भगवान कृष्ण बारिश ला भी सकते हैं तो बारिश रोक भी सकते हैं ये आपको पता ही है जो गोवर्धन पर्वत को जो है अपनी उंगली पर उठा करके ऐसे कितनी बारिशों को रोक भी सकते हैं बारिशों को ला भी सकते हैं तो हम सब जो है मिलकर से उनके प्रार्थना कर रहे हैं कि जो देश के किसानों के हालात बहुत खराब हैं, बारिश लाई है तो निश्चित रूप से बाहर बारिश चालू हो गई है बहुत अच्छी बात है प्रार्थना सुन ली गई है अपनी तो ज्यादातर बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं करतोत् या फिर एक्स प्लांट तो जो कोई भी पौधे का पार्ट जो होता है हम सेलेक्ट करते हैं किसके लिए उत्तक संवर्धन के लिए उसे हम क्या बोल रहे हैं उसे हम या फिर एक्सप्लांट बोलते हैं अगला देखो अगला प्रश्न है बहुत सिंपल और बहुत अच्छा प्रश्न है कि उपरोपण यानी कि ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपरी भाग व निचला भाग क्रमशः कहलाता है यानी कि ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं इस प्रकार से तो इस प्रकार से ये आपका नीचे वाला और ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है आपको ये बताना है कि उपरोपण यानी ग्राफ्टिंग में पौधों का ऊपरी भाग व निचला भाग क्रमशः कहलाते हैं शांकुर व मातृवृक्ष पहले आपको क्या बताना है ऊपरी भाग फिर निचला भाग बताना है अगला मातृवृक्ष और मूल व्रंत मूल व्रंथ और शांकुर शांकुर और मूल व्रंथ यहाँ पे आपको सही देखो कितने अच्छे ऑप्शन यहाँ पे सेट किए गए हैं ऑप्शन में जो है अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उपरोपण या ग्राफ्टिंग में ऊपरी भाग को और निचले भाग को हम क्रमश क्या कहते हैं ठीक है सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है चंचल माँ का लाडला बिल्कुल माँ के लाडलू का उपेंद्र राजपूत आ, वेरी गुड संजय पुरुषोत्तम राज सही यहां पे आंसर बताएंगे उपेंद्र क्या होगा सही उत्तर कुशाल हेमंत दुर्गेश पच्चे डी आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल डी उत्तर आपका सही है ऊपर वाले भाग को शांकूर कहते हैं ऊपर वाले भाग को ग्राफ्टिंग में शांकूर कहते हैं जिसे हम लोग अंग्रेजी के अंदर साइन कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग मूल व्रंथ कहते हैं और मूल व्रंथ का मतलब होता है आपका रूट स्टॉक मूल व्रंथ का मतलब होता है रूट स्टॉक तो ये यहाँ पे बिल्कुल फोर्थ जो है आपका आंसर अं सही हो जाएगा अगला जो प्रश्न है अगला मैं फटाफट पढ़ूंगा आप लोगों के लिए अगला प्रश्न अच्छे लेवल का है आया हुआ था इसलिए मैंने एड कर दिया बाकी इतना कठिन प्रश्न भी नहीं आएगा आपके सरल आएगा मीडियम टाइप का प्रश्न ये प्रश्न है कि उत्तक संवर्धन में जो कैलस बनता है वो क्या होता है कैलस क्या होता है तो पहला ऑप्शन है एक उत्तक जो भ्रूण से बनता है या फिर जो भ्रूण बनता है एक उत्तक जो बाद में भ्रूण बनाता है एक अगुलशील कार्बोहाइड्रेट है एक उत्तक जो भ्रूणाब यानी एम्ब्रॉइड में पनपता है

एक उत्तक जो भ्रूणा में पनपता है या फिर असंगठित सक्रियता से विभाजित होने वाला समूह जिसे उत्तक संवर्धन में अनुरक्षित यानी रखा जाता है है तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। बच्चे चौथा आंसर दे रहे हैं थर्ड दे रहे हैं कुछ सेकंड आंसर दे रहे हैं बच्चे फर्स्ट दे रहे हैं फोर्थ आंसर दे रहे हैं थर्ड वेरी गुड तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं बताते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूं अपना आज का लक्ष्य है कि कम से कम टाइम में अधिकतम प्रश्न करना तो इसका सही उत्तर है चौथा फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर तो फोर्थ आंसर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत यानी स्टेरिलाइज करने तो निम्न में से कौन सा रसायन काम में लिया जाता है नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत करने हेतु निम्न में से कौन सा रसायन काम में लिया जाता है केवोलिन पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्मेलिन या फिर फॉर्मेल या फिर पेक्लोब्यूट्राजोल यानी कि आपका कल्टार सही उत्तर इसका क्या होगा ये आप लोग बता देंगे अभी कि क्या सही उत्तर होगा नर्सरी जो भूमि होती है उसमें हम रोग बीमारियां या फिर उसके अंदर जो भी पहले कवक वगैरह जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव जितने भी हैं उनको हम लोग खत्म करना चाहते हैं कि हम जो भी नए पौधे लगाएंगे उस समय जो है इसकी उस समय जो ये नुकसान नहीं पोधे रोग बीमारियां नहीं फैलाएं उसके लिए हम उसको स्टेरिलाइज निर्जमीकृत करते हैं उसके लिए क्या रसायन ले रहे हैं सीताराम संतोष प्रेम मीणा कृष्णा विष्णु मनीष जैसा कि बच्चे फटाफट से आंसर दे रहे हैं थर्ड आंसर मेजोरिटी है तो थर्ड आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी गुड अगला प्रश्न देखो ये सेम क्वेश्चन है अगला भी तो अगला वापस देख लेते हैं अपने बहुत सारे क्वेश्चन है आज प्रश्नों की कोई कमी नहीं है आज प्रश्नों की कुछ भी कमी नहीं है बहुत क्वेश्चन है पांच पास क्वेश्चन में दशानुकूलन यानी कि हार्डनिंग से क्या तात्पर्य है हार्डनिंग शब्द परीक्षा में पूछा जाता है उसका क्या अर्थ है पहला है पुष्प के मादा भागों को हटाना अगला है पौधे यानी सेप्लिंग को पर्यावरण के अनुकूल डालने की क्रिया अगला है नर्सरी में पौधों को एनपीके तरल खाद देना अगला है नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत करना दशानुकूलन हार्डनिंग से क्या तात्पर्य है हम लोग हार्डनिंग किसे कहेंगे तो इसमें ऑप्शन है आपके पुष्प के मादा अंगों को हटाना पौधों यानी कि जो सेप्लिंग्स को पर्यावरण के अनुकूल डालने की क्रिया नर्सरी के पौधों में को एनपी के तरल खाद देने की क्रिया या फिर नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत करना तो बच्चे ने दिया तीन चार बांध नहीं ये गलत बात देखो बेटे ये गलत बात है ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए बच्चा उत्तर दे दे ऐसे रहा है कि दो तीन चार ऐसे उत्तर दे रहा दो तीन चार ऐसे थोड़े होता है दो तीन चार ऐसे थोड़े है? हैं फिर तेरी रैंक भी ऐसे आएगी तो फिर तेरी रैंक में ऐसे हजारों में आएगी तो फिर सही थोड़ी रहेगा फिर मान लेगी तेरी रैंक आई है सुपरवाइजर में ऐसे आ जाएगी तो चार पांच छह सात फिर तेरी रैंक ऐसे आ जाएगी तो फिर सिलेक्शन ही नहीं होगा तू जैसे ऑप्शन में गोले भर रहा है ना वैसे तेरी रैंक भी ऐसे ही आएगी फिर ठीक है तो उत्तर केवल एक देना है बच्चे बी आंसर दे रहे हैं मेजोरिटी और कुछ फर्स्ट भी दे रहे हैं कि तो कुछ थर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे बहुमत सेकंड का है तो बिल्कुल जो नर्सरी में छोटे छोटे पौधे हैं उनको हम लोग डायरेक्ट खेत में नहीं लगाते हैं उससे पहले हम लोग थोड़े दिनों के लिए सिंचाई रोक देते हैं उससे पौधे क्या है विपरीत परिस्थितियां सहन करने की उनमें क्षमता बढ़ जाती है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं हार्डनिंग कह देते हैं तो ध्यान रखना हार्डनिंग यानी छोटे जो नर्सरी की जो सेपलिंग्स होती है छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हम लोग पर्यावरण के अनुकूल डालने की क्रिया अगला जो है नर्सरी की जो क्यारी बनाते हैं हम नर्सरी में क्यारी का सामान्य आकार लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होना चाहिए या फिर क्या होता है सामान्यतः कॉमनली हम लोग जो नर्सरी में छोटे छोटे क्यारिया बनाते हैं उनका आकार क्या है तीन इंटू एक मीटर या फिर आपका छह इंटू तीन मीटर दस इंटू एक मीटर दो इंटू तीन मीटर नर्सरी में क्यारी हम जो बनाते हैं उस क्यारी का क्या शेप हम लोग रहते हैं कविता गौरव राजेश कुमार सेतान, चुपदार क्या लिखा है मुकेश नीलिमा बुद्धि प्रकाश वेरी गुड राजेश कुमार गौरी सिंह बच्चे सेकंड आंसर दे रहे हैं कि इसका क्या सही उत्तर इसका हो जाएगा वो आपको बताना है ठीक है पवन गौरव राणा राजेश सचिन सैनी तो इसका सही उत्तर विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो जैसा कि आप लोगों के आंसर आने लगे हैं तीन इंटू एक मीटर यानी कि जो आपकी नर्सरी की क्यारी होगी वो क्या होगी आपकी तीन मीटर तो लंबी होगी औसतन एक मीटर चौड़ी होती है फिर आगे वापस क्यारी बन जाती है वो क्यारी का सेम आकार रहता है तो ये बीच में जगह है यहाँ बैठ करके कोई भी जो आदमी है इधर का भी काम कर सकता है इधर का भी काम कर सकता है यहां से वापस इधर का तो एक मीटर तो तो क्रियाएं हम लोग करते हैं उनमें जो है तकलीफ पड़ती है अगला प्रश्न अगले प्रश्न को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ो और फिर इसको हल करना है कि राजस्थान में पौधों को गिराने वाला रोग यानी आर्द्र गलन जिसे डैम्पिंग ऑफ को रोकने के लिए मृदा शौर्यकरण यानी सोइल सोलराइजेशन कित कौन से महीने में किया जाता है रिपीट कर रहा हूं राजस्थान में पौधों को गिराने वाला रोग जिसे हम डंपिंग ऑफ या फिर आर्द्र गलन कहते हैं उसको रोकने के लिए मृदा शौर्यकरण यानी सोर या फिर सोलर स्टेरिलाइजेशन जो है कौन से महीने में करते हैं नवंबर दिसंबर में मई जून में जुलाई अगस्त के अंदर और फरवरी मार्च के अंदर ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा ठीक है पृथ्वी पृथ्वी प्रियंका सोनू संजय पवन बच्चों के आंसर आने लगे हैं दिलीप प्रजापत मिस्टर मुकेश प्रीति दीपक कविता बाबा रामदेव का भक्त बिल्कुल बाबा रामदेव का भक्त जो है इस बार सही बिल्कुल आपका आंसर है मई जून मई मैं जून महीने में धूप बहुत अच्छी रहती है और धूप महीने में हमें जो है सोइल जो है सोलराइजेशन हम लोग करते हैं सोइल सोलराइजेशन या फिर जो मृदा शौरीकरण करते हैं ताकि मृदा के अंदर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव अपने नष्ट हो जाए तो इसलिए जो है मई जून महीना इसके लिए बेस्ट रहता है अगला प्रश्न देखो कि प्रोट्रे क्या है हम लोग पढ़ते हैं नर्सरी के अंदर प्रोट्रे का जिक्र आता है तो प्रोट्रे क्या होती है नर्सरी में सिंचाई करने के लिए नाली जो बनाते हैं उसको कहते हैं दवाई छिड़कने की मशीन होती है नर्सरी में पौधे तैयार करने हैं तो ट्रे होती है या फिर कम समय में अधिक पौधे बोने की मशीन ये प्रोट्रे का संबंध आपको बताना है कि प्रोट्रे क्या होती है तो प्रोट्रे आपकी नर्सरी में सिंचाई करने की नाली है दवाई छिड़कने की मशीन है नर्सरी में पौधे तैयार करने हैं तो ट्रे है या फिर कम समय में अधिक पौधे बोने की मशीन है सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चे बी के ऊपर ज्यादा बच्चे आंसर दे रहे हैं बच्चे थर्ड भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल प्रदीप कोमल बिश्नोई अंजलि प्र, प्रवीण वेरी गुड तो इसका सही उत्तर विद्यार्थियों जैसा कि थर्ड उत्तर सभी का आ रहा है तो थर्ड उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा जो आपकी यहाँ पे प्रो ट्रे होती है वो इस तरह की छोटी सी प्लास्टिक की ट्रे आती है उसमें इस तरह के छेद आते हैं उसमें हम लोग कोकोपिट परलाइट वर्मिकुलाइट भर देते हैं तीन अनुपात एक अनुपात एक में ठीक है तीन अनुपात में कोकोपिट एक में एक में एक परलाइट फिर उस मिश्रण को देते हैं ताकि जो इसके अंदर मिट्टी की जनरली जरूरत नहीं होती है ठीक है तो ये छोटे छोटे पौधे हम लोग नर्सरी में तैयार करते हैं उसके लिए ये ट्रिक है अगला देखो प्रश्न कितना अच्छा है इस प्रश्न को पढ़ेंगे आर्द्र गलन यानी कि डंपिंग ऑफ नर्सरी में होने वाला प्रमुख रोग है इसका रोग कारक कवक है आद्र गलन नर्सरी में होने वाला प्रमुख रोग है इसका मुख्य रोग कारक कौन सा होता है फाइटोथोरा पालमी वोरा पीथियम अफेनी कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी या फिर शूडो पेरेनोस्पोरा स्पीसीस जो डंपिंग ऑफ बीमारी में कह रहा था आप लोगों को तो डंपिंग ऑफ जो बीमारी हो रही थी वो किससे हो रही थी मोनिका चौधरी वेरी गुड बिल्कुल एन मीणा रामस्वरूप प्रियंका सोनू सहदेव निर्मला इसका आपको बताना है कि जो आद्र गलन जो डैम्पिंग ऑफ है उसका मुख्य रोग कारक कौन सा है तो मुख्य रोग कारक आपको बताना है पेथियम अफेनी आपका या फिर मुख्य रूप से बताना है सचिन सोनू बिल्कुल वेरी गुड नरेश सही उत्तर जो है आपका ज्यादातर सेकंड कुछ फर्स्ट कुछ सेकंड कुछ फर्स्ट बता रहे हैं तो सही उत्तर आपका क्या होगा सेकंड होगा पेथियम अफेनी डरमेटम तो पेथियम अफेनी डरमेटम जो है इसके लिए जिम्मेदार कवक है डैम्पिंग ऑफ बीमारी के लिए अगला जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार से है अगला प्रश्न है कि सामान्यतः सामान्यतः सब्जियों की सब्जियों की एक हेक्टर बुआई हेतु तो नर्सरी का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर पर्याप्त रहता है परंतु प्याज अपवाद स्वरूप प्याज को इतना क्षेत्रफल चाहिए प्रश्न देखो कि सामान्यतया सब्जियों की एक हेक्टर बुआई के लिए 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया चाहिए परंतु तो प्याज अपवाद स्वरूप है प्याज को कितना एरिया चाहिए आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: 100 मीटर स्क्वायर 300 मीटर स्क्वायर 500 मीटर स्क्वायर या फिर 1000 मीटर स्क्वायर सही उत्तर आपको बताना है कमेंट में अब सही उत्तर आप बताएंगे तुरंत अब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल मैं जरूरत पड़ेगी बिल्कुल ब्रेक दे दूंगा आपको एक दो मिनट का कोई टेंशन नहीं है थोड़े आगे और बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं इसका सही ठीक है तो इसका फटाफट से आंसर देंगे बच्चे क्या इसका सही उत्तर होगा तो बच्चे जैसा है कि थर्ड आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो प्याज अपवाद स्वरूप प्याज को क्या थोड़ा एरिया ज्यादा चाहिए प्याज के बीज भी छोटे होते हैं और प्याज के नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टर भी ज्यादा लगते हैं इसलिए अपने क्या है प्याज का एरिया 500 मीटर स्क्वायर अपने को एक हेक्टर में बुवाई के लिए चाहिए ठीक है बढ़िया अगला देखो अगला कितना देखो शानदार क्वेश्चन है कि नर्सरी के लिए स्थान के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है नर्सरी में नर्सरी के लिए स्थान के के चुनाव संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है पहला है नर्सरी क्षेत्र सेम यानी जलाक्रांति की समस्या से मुक्त होना चाहिए दूसरा नर्सरी भूमि बहुत अधिक उर्वर होनी चाहिए तीसरा नर्सरी में आंशिक छाया की व्यवस्था हो चौथा नर्सरी मृदा लवणीय अथवा क्षारिय होनी चाहिए नर्सरी जो भूमि है बिल्कुल लॉक कर रहा हूं मैं क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं उन क्वेश्चन को मैं लॉक कर दूंगा तो बिल्कुल लॉक करूंगा ठीक है तो यहाँ पे सही उत्तर देना है कि जो नर्सरी भूमि होती है उसके संबंध में सही नहीं है तो बच्चे इसमें जो आंसर करने लगे हैं कि थर्ड आंसर फोर्थ आंसर तो मेजोरिटी जो बच्चों की आ रही कि कैसी नहीं होनी चाहिए नर्सरी की मृदा तो नर्सरी जो है नर्सरी में क्या क्या जो है नर्सरी के संबंध में आपको इसमें बताना था कि सही कथन नहीं है तो जैसा कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है इशारा कर रहे हैं कि सर इसके अंदर फोर्थ होगा कि नर्सरी की मदा जो है लवणीय मददीय नहीं होनी चाहिए उदासीन होनी चाहिए बाकी नर्सरी में जलाक्रांति की समस्या भी नहीं होनी चाहिए नर्सरी भूमि की उर्वर होनी चाहिए थोड़ी बहुत छाया की व्यवस्था भी होनी चाहिए परंतु चौथा जो है आपका यहाँ पे सही कथन नहीं है अगला प्रश्न है कि नर्सरी से हमेशा कितने प्रतिशत पौधे अधिक खरीदने चाहिए नर्सरी से हम लोग पौधे खरीद रहे हैं कितने प्रतिशत पौधे अधिक खरीदने चाहिए पंद्रह प्रतिशत तीस प्रतिशत पचास प्रतिशत या फिर पैंसठ प्रतिशत नर्सरी से कितने पौधे हम लोग ज्यादा खरीद के चले तो अपने आगे दिक्कत नहीं आती है तो यहाँ पे पंद्रह प्रतिशत तीस प्रतिशत पचास प्रतिशत या फिर पैंसठ प्रतिशत बिल्कुल आपको बताना है की लाडली बता रहे हैं बच्चे गौरव है पवित्र मनीष सारे क्वेश्चन करवाएंगे घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल जब तक जान है तब तक हम लोग काम करते रहेंगे आज बहुत लंबा जो है हमें सफर तय करना है और आप लोगों को भी मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग बीच में फिर से हम कोई नई चीज लेकर के आने वाले हैं एक दो क्वेश्चन बाद में फिर अपना अगला पड़ाव आने वाला है जो एक तरह से ब्रेक भी हो जाता है हम कोई सब्जेक्ट से हट करके थोड़ी बात करेंगे अभी हो सकता है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से कोई बातें अपने बीच में आए तो राजेंद्र बिल्कुल बच्चे जैसा ही आंसर फर्स्ट कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा पंद्रह प्रतिशत तो पंद्रह प्रतिशत पौधे हमेशा हमें, हमें नर्सरी से ज्यादा परचेज करने चाहिए ताकि रास्ते में कई बार टूट उठ जाते हैं जड़ें भी कई बार टूट जाती है खेत में बुआई के बाद में भी कई बार पौधे जो है मर जाते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन रहता है पौधे उपलब्ध रहते हैं तो हम जो है गैप फिलिंग भी कर सकते हैं नहीं तो पौधे मर जाते हैं वो जगह अपने हमेशा के लिए खाली रह जाती है तो इसीलिए जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है आप लोग उत्तर देंगे फटाफट -पट से इसका सही उत्तर फर्स्ट दिया बहुत अच्छा अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न अभी मैंने बताया था वही प्रश्न वापस आया है देखो इसको समझ के चलना कि नर्सरी में प्रोट्रे हेतु मिश्रण तैयार करते हैं उसमें कोकोपिट वर्मीकुलाइट की किस अनुपात में उनका उपयोग करते हैं अभी मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों कि नर्सरी में प्रोट्रे हेतु जो मिश्रण तैयार करते हैं उसमें कोकोपिट परलाइट और वर्मिकुलाइट किस अनुपात में तो तीन अनुपात दो अनुपात तीन दो अनुपात तीन अनुपात एक तीन अनुपात एक अनुपात एक चार अनुपात दो अनुपात एक ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है बढ़िया तो जैसा कि बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को याद रहा होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा आपका बिल्कुल थर्ड होगा यहाँ पे जो नर हम लोग प्रोट्रे अभी बता रहे थे उसमें हम लोग ये मिश्रण बनाते हैं उसमें कोकोपिट तीन अनुपात में परलाइट एक अनुपात में और आपका वर्मिकुलाइट आपका एक अनुपात में बच्चे बोल रहे हैं हमारा स्वागत नहीं करोगे क्यों नहीं करेंगे या चुलबुल पांडे हो गया तो हम क्यों नहीं करेंगे सबका स्वागत करेंगे ठीक है हम सभी चुलबुल पांडे वगैरह जितने भी हैं सब बाहुबलियों का स्वागत करेंगे ठीक है तो सभी विद्यार्थियों धौलपुर बच्चे बोल रहे हैं धौलपुर से प्रणाम धौलपुर वालों का सभी को प्रणाम करता हूं विद्यार्थियों और चेतना राम वेरी गुड बच्चों अगला प्रश्न देखो इस प्रकार से अभी जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन है लेकिन अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा माध्यम अभ्रककारी यानी माइकेशियस प्रक्रिया में उदासीन यानी कि न्यूट्रल अच्छी धनायन विनिमय क्षमता यानी कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी और मैग्नीशियम और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है लेट रिपीट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सा माध्यम यानी अस प्रतिक्रिया में उदासीन यानी कि न्यूट्रल अच्छी धनायन विनिमय क्षमता और मैग्नीशियम एवं पोटेशियम का स्रोत है लकड़ी का बुरादा यानी कि डस्ट और परलाइट तालाब की गाद यानी पीट और आपका वर्मिकुलाइट सही बताना है कि सही उत्तर आपका इसमें से क्या होगा सही उत्तर जो है इसमें से क्या होगा फटाफट से आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ठीक है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना एस सी का जो, ECF, जो आपका असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट का जो पद होता है जैसा कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं दिनेश अनुराग नरेंद्र अनीता तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि सही उत्तर इसका क्या होगा सभी का जोधपुर वालों का भी मैं स्वागत करता हूँ सभी धनराज का बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे फोर्थ कर रहे हैं कुछ फर्स्ट आंसर कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पे जो है वर्मिकुलाइट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फोर्थ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका भी स्वागत है तो मेरा स्वागत कर रहे हो तो जो है आप सभी का मैं थैंक यू बोल देता हूँ क्योंकि स्वागत जब करते हैं तो हमें जो है यस थैंक यू सो मच और आप सभी का भी मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट में अगला प्रश्न है अभी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ गार्डन के परीक्षा में आया था और उससे पहले भी आया हुआ है कि यानी पौध को पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया पौध प्रतिरोपण कहलाती है यह आपकी परिभाषा क्लियर होगी कि जो पौध होती है छोटी उनको नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया को पौध प्रतिरोपण यानी कि ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं और पपीता के पौधों को प्रतिरोपित करने की उपयुक्त तो उम्र कितनी है पपीता के पौधों को खेत में हम लोग कब लगाते हैं डेढ़ से दो माह चार माह छह माह और आठ माह ये ऑप्शन आपको इस प्रकार से भी मिल सकते हैं 45 से साठ दिन या आपको यूं भी मिल सकते हैं चार माह दे रहे तो सौ से एक सौ बीस दिन ऐसे भी आपको ऑप्शन आपको मिल सकते हैं ना 130 से 140 दिन 150 दिन ऐसे कुछ भी मिल सकते हैं तो इसका आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ठीक है अंशुमान अंकित सुमन बिल्कुल महेंद्र अंतिमा हेमंत राजवीर चारण वेरी गुड सभी बच्चों का ये सैनी जो बच्चा बोला राजवीर वेरी गुड सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं और लगातार आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी प्रशंसा लायक है लगातार इतने कमेंट करना अपने आप में एक उपलब्धता है तो इसके लिए मैं आप सभी को जो है बधाई देता हूं आप सभी को थैंक यू जो कहता हूं ठीक है तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट बच्चे बोल रहे फर्स्ट होगा यस फर्स्ट होगा ऑप्शन में पैंतालीस से साठ दिन भी आ सकता है तो वो भी आपको जो है करेक्ट करना है ठीक है अगला जो है अगला जो है आपका कि राजस्थान में कागजी नींबू यानी एसिड लाइम के पौधरोपण हेतु पंक्ति और पौधे यानी कि R इंटू पी की संस्तुत दूरी कितनी है आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान में कागजी नींबू यानी एसिड लाइम के रोपण हेतु आपकी पंक्ति व पौधे की संस्तुत दूरी आठ इंटू आठ मीटर चार इंटू चार मीटर छ इंटू छ मीटर दस इंटू दस मीटर दस इंटू दस मीटर तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है यस yes. बच्चे थर्ड आंसर करने लगे हैं ज्यादातर बच्चे थर्ड कुछ फर्स्ट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है सही उत्तर इसका क्या होगा थर्ड होगा तो जो नींबू होता है कागजी नींबू इसको हम लोग जो है तीन इंच छह इंटू छ मीटर की दूरी पर ही लगाते हैं यह प्रश्न पहले भी आया हुआ है समझ में आगे बात वेरी गुड अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न कितना बेहतरीन क्वेश्चन है सारे आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे ये रिपीट पहले आया हुआ क्वेश्चन है रिपीटेबल क्वेश्चन है ठीक है तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा यहाँ पे इधर फल वृक्ष दे रखे है आगे आगे आपकी पौधरोपण दूरी दे रखी है आर इंटू पी आप लोगों को बताना है ठीक है पहला दे रखा है आम्रपाली किस्म आम की जो होती है उसको कितनी दूरी पे लगाते हैं पूसा नन्हा जो पपीता की किस्म है उसको कितने दूरी पे लगाते हैं केले को कितनी दूरी पे लगाते हैं और अनार को कितनी दूरी पे लगाते हैं पांच इंटू पांच मीटर आपका एक पॉइंट पच्चीस इंटू एक पॉइंट पच्चीस और ढाई इंटू ढाई मीटर यहां पे आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा एक नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है इससे चार क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे सीमा शर्मा लो बोल दिया अब नाम सबका नाम बोल दूँगा मैं सीमा शर्मा प्रिया शर्मा शिवराज भास्कर महेंद्र चौधरी दियाराम शोभा अंकित नरेंद्र निर्मला बिश्नोई हेमंत ठीक है समझ में आ रही है मेरी बातें ये ये बोर्ड पे लिखी हुई नहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसका थर्ड भी आंसर कर रहे हैं बड़ा क्वेश्चन है कुछ फर्स्ट भी कर रहे हैं कुछ सेकंड भी कर रहे हैं सेकंड की मेजोरिटी majority... तो मैं आपको बताता हूं इसका सही उत्तर क्या होगा आम की आम्रपाली किस्म को हम लगाते हैं मीटर पे तो इसका क्या हो जाएगा मीटर मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फोर्थ तो फर्स्ट का फोर्थ होगा तो फर्स्ट के दोनों के अंदर फोर्थ फोर्थ दे रखा है पूछा नन्हा पपीता की किस्म को एक पॉइंट पच्चीस इंटू एक पॉइंट पच्चीस मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो जो आपके देख रहे हो दोनों के अंदर बी ऑप्शन है तो यहां ये दोनों ऑप्शन अभी तक सही चल रहे हैं केले को हम लोग कितने लगाते हैं तो केले को हम पढ़ते हैं दो इंटू दो मीटर ऑप्शन में नहीं हो तो दो मीटर के पास कौन सा एक इंटू एक पॉइंट आठ इंटू एक पॉइंट पांच मीटर तो इस तीन के अंदर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा तो तीन के अंदर ये सी हो गया और अनार को हम लोग पांच इंटू पांच मीटर की दूरी लगाते हैं अर्थात आपका सही उत्तर हुआ वो क्या हुआ आपका सेकेंड राइट आंसर जो हो गया सेकेंड हो गया ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना ये हर एक परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है हाँ, अगला प्रश्न ये लो ये अगला प्रश्न है कि सट भुजाकार विधि में यानी जो हेक्सागोनल सिस्टम में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक फलवृक्ष लगाए जा सकते हैं सरलतम क्वेश्चन है कि सट भुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगा सकते हैं वो आपको बताना है कि कितने हैं पच्चीस प्रतिशत पंद्रह प्रतिशत पचास प्रतिशत और पचासी प्रतिशत ठीक है ये सरल प्रश्न है जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं कि भाई पंद्रह प्रतिशत तो बिल्कुल आपका ठीक है पंद्रह प्रतिशत जो है इसका सही उत्तर होगा सरल प्रश्न है पहले बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है तो पंद्रह प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बारे में मैंने कुछ कथन लिखे हैं यहाँ पे वो कथन में आपको जोर जोर से पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को कान खोल के सुनना है और सही सुन लो तो इसका सही उत्तर भी देना बगीचा यानी ओरचार्ड लगाने हेतु स्थान का चुनाव बगीचा लगाने के लिए स्थान का चुनाव करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन असत्य है तो बताना है आपको बगीचे के पास में ईंटों का भट्टा होना चाहिए अगला जो है भूमि का डलान एक से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए सिंचाई और जल निकास हेतु उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए परिवहन और बाजार की व्यवस्था हो और मजदूरों की उपलब्धता होनी चाहिए बगीचा लगाने के लिए जो स्थान का चुनाव करते हैं उसके लिए आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है पहला है ईंट का बट्टा पास में होना चाहिए ठीक है भूमि का डलान एक से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए सिंचाई व जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए परिवहन और बाजन की व्यवस्था हो और मजदूरों की उपलब्धता हो ऐसे केस में क्या असत्य है इसमें से यह आपको चुनना है तो विद्यार्थी बता रहे हैं ललिता जीवन राम प्रदीप शिवराज स्टूडेंट सेकंड आंसर कर रहे हैं फर्स्ट भी आंसर कर रहे हैं ज्यादातर बहुमत किसका है बहुमत जो है ए जो है उसको बहुमत मिल रहा है थर्ड भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल विद्यार्थियों बहुत अच्छी बात है वेरी गुड तो सही उत्तर आपका क्या है फोर फर्स्ट है कि बगीचों के पास में जो है ईटू का बट्टा नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये आपका असत्य कथन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट आपका सही होगा बगीचे के पास में ईंट का भट्टा होने से जहरीले गैसें निकलती है उससे पौधों के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं तो ये आपके नहीं होने चाहिए बाकी विशेषताएं जो है सही है फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है अगला देखो अगला प्रश्न देखो किस तरह से बनाया हुआ है कि छोटे पौधों जैसे केला पपीता अंगूर फालसा आदि हेतु गड्ढे का आकार लंबाई चौड़ाई और गहराई रखते हैं यानी कि छोटे जो पौधे होते हैं छोटे पौधे जैसे कौन कौन से केला पपीता फालसा ना, के है ना आदि के हेतु गड्ढे का आकार जो लंबाई हम रखते हैं चौड़ाई वगैरह रखते हैं गहराई रखते हैं वो कितने रखते हैं दो इंटू दो इंटू दो मीटर डेढ़ इंटू डेढ़ इंटू डेढ़ मीटर एक इंटू एक इंटू एक मीटर जीरो पॉइंट पांच इंटू जीरो पॉइंट इंटू जीरो पॉइंट मीटर तो सही आपको बताना है कि सही आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चे बोल रहे हैं क्लास कब तक चलेगी क्लास मैराथन क्लास है जब तक जान है जब तक बोल पा रहे हैं तब तक चलेगी जब हालतें ज्यादा सही नहीं रहेगी तब हम बंद कर देंगे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफी लंबा आज खींचने वाले हैं काफी अच्छा आप लोगों का जो प्रेम है वो बना रहेगा आप लोगों को यूं लगेगा कि सर हमारे लिए अच्छा चल रहा है हमें बेनिफिट हो रहा है और मेरा ये प्रयास रहेगा लास्ट तक जो है मैं आपको एक से एक अच्छी चीज बताता रहूं और बीच बीच में हम लोग चुटकले शायरी वगैरह या फिर जो मोटिवेशन से संबंधित बातें हैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम की बातें हैं अभी देखो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कुछ जो कुछ कहावते हैं राजस्थानी देसी वो भी बताता रहूंगा कुल मिला के जो है अच्छी चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी इस तरह के किसी भी मंच पर नहीं मिलेगी ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ बच्चे फोर्थ आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है इसका सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा इंटू जीरो पचहत्तर चाहिए आकार और जो बड़े होते हैं उनको हमें uh, एक इंटू एक इंटू एक, एक मीटर के लोग तैयार करते हैं ठीक है अगला प्रश्न आपके जो है इस प्रकार से है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु अनुमोदित रेखांकन की विधि कौन सी है पहाड़ी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु अनुमोदित रेखांकन की विधि आपको बतानी है कंटूर या फिर समोच्च विधि सठ पंचभुजाकार यानी कि पूरक विधि वर्गाकार विधि मिडो और चार जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहां पर डलान जहां पर ढलान जो है बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे बोल रहे हैं सर जी बूंदी हिंडोली में बारिश बहुत तेज हो चुकी है बहुत बढ़िया बारिश यहाँ भी बताया जा रहा है कि बार बारिश आ रही है तो बारिश आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बारिश का स्वागत करो बारिश बड़े दिनों बाद आ रही है किसानों के हालात बहुत खराब हैं तो बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है बच्चे फर्स्ट आंसर कर रहे हैं तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे डलान ज्यादा होते हैं वहां पे सीडी नुमा खेती हम लोग करते हैं सी नुमा खेती से हम लोग पौधे उगाते हैं जैसे कंटूर या फिर समझ विधि हम लोग कह देते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर था अगला प्रश्न ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया होगा अगर तो यानी कि रोधक विंड ब्रेक जो होते हैं हमेशा बगीचे के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं निम्न में से कौन सी विशेषता इन वायुरोधी वृक्षों के संबंध में सही नहीं है मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि बगीचा वायुरोधक जो वृक्ष होते हैं वो बगीचे के हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर लगाए जाते हैं और इन पौधों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है पहला है ये तेज बड़वार वाले होने चाहिए यानी कि फटाफट इनमें बड़वार होने चाहिए हो जाए ऐसे होने चाहिए सूखे के प्रति सहनशील हो आसान रोपण हो जाए और लंबी दीर्घ आयु के हो इजी टू प्लांट और लॉन्ग लिव्ड होने चाहिए चौथा है आपका बचाव के समय पत्तियां जाड़ देने वाले होने चाहिए वायुरोधक वृक्षों के बारे में वायुरोधक वृक्षों के बारे में जो है आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है तेज वाले होने चाहिए सूखे सहनशील होने चाहिए आसानी से रोपण हो जाए दीर्घायु के होने चाहिए और बचाव के समय पत्तियां जाड़ दे ऐसे होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे बच्चे फर्स्ट आंसर कर रहे हैं बच्चे फोर्थ भी आंसर कर रहे हैं तो सही उत्तर देखो हनुमान अंकित गिरिराज तिकम दिव्या मौसम बिल्कुल राजेंद्र सुरेश गौरव मनीष गोपी चौधरी राहुल शिवानी अर्जुन सहदेव स्वरूप यहाँ पे सही उत्तर बिल्कुल आपका क्या है चौथा ही होगा जो हम खेत के चारों तरफ जो हम लोग पौधे लगाते हैं वो आसानी से रोपण वाले होने चाहिए फटाफट से बड़े हो जाएं ऐसे होने चाहिए ठीक है सूखा कम पानी उनको चाहिए ऐसे होने चाहिए पत्तियां झाड़ दे ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे ही पता चल रहा है कि ठंड ठंडी ठंडी हवाएं चल रही उस समय अपनी पत्तियां झाड़ दे तो अपने किस काम के समझ रहे हो तो इसलिए पत्तियां नहीं जाड़नी चाहिए तो चौथा इसके अंदर क्या है असत्य है बाकी तीनों इसके संबंध में सही है अगला प्रश्न जो मैंने कल रात को आप लोगों को समझा के बताया था कि पौधों को या फिर पौधों की पंचभुजाकार विधि से लगाने पर पौधों को पंचभुजाकार विधि से लगाने पर वर्गाकार विधि की तुलना में कितने गुना अधिक पौधे लगते हैं डेढ़ गुना ढाई गुना तीन गुना या फिर चार गुना डेढ़ुना ढाई गुना तीन गुना चार गुना विधि से लगाने पर हम लोग पौधे लगाते हैं तो वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे ज्यादा लगते हैं यह आप लोगों को बताना है तो यहां पे क्या इंजीनियर राजेंद्र मंटी लोकेश मीणा बिल्कुल बाढ़ के हालात बने हुए हैं कहाँ पे बने हुए हैं जोधपुर यस फटाफट -पड़ से बच्चे बताएं फर्स्ट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे हैं तो इसका सही उत्तर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा प्रथम हो जाएगा कि कितने गुना अधिक पौधे हैं लगभग डेढ़ लगभग दो गुना पौधे अधिक लगते हैं परंतु दो गुना ऑप्शन में नहीं हो तो आपको डेढ़ गुना करना है ढाई गुना नहीं करना है ध्यान रख लेना इस यही बताने के लिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ एड किया था यह प्रश्न पहले भी परीक्षा के अंदर आ चुका है अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या है निम्न में से निम्न में से कौन सी विधि शहर के समीप महंगी जमीनों पर पौधे लगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है आया हुआ प्रश्न इंपोर्टेंट लगा लेना के समीप जो महंगी होती है वहां पर फलदार पौधे लगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है वर्गाकार विधि त्रिभुजाकार विधि सठ विधि या फिर पूरक यानी कि पंच जो शहरी क्षेत्र के पास में जमीने महंगी होती है वहां पे आप लोगों को बताना है कि क्या जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा ठीक है बंटी लक्ष्य पवन राजेंद्र बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं मैग्जिम वेरी गुड तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं आपको क्या होगा राहुल हेमंत महेंद्र रश्मि तो ठीक है बच्चे वेरी गुड सुरेंद्र चेनाराम तो बिल्कुल क्या छठ बुजाकार है जिसमें हम लोग सघन बाग जो शहर के आसपास की जो ज़मीनें होती है वो सामान्यतः क्या होती है महंगी होती है और महंगी जमीनों पे हम लोग क्या करते हैं पौधों को पास पास में लगाते हैं सघन रोपण करते हैं ताकि उस जमीन का ऑप्टिमम यूज हम लोग कर पाए और कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाए ठीक है अगला देखो अगला क्या होगा अगला आप लोगों के सामने मोटिवेशन है मोटिवेशन है मोटिवेशन के पहले आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो ये आपका मोटिवेशन है ठीक है मैं आपको पानी पी रहा हूं तब आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप लोग जो है लाइक करने के लिए कहेंगे अपने दोस्तों को तो इसको शेयर करेंगे स्टेटस लगाएंगे फिर बाद में मैं आपको राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात बताऊंगा वॉइस कट कटका रही है ही नहीं रहा हूं मैं तो बोलूंगा तब आएगी वॉइस तो वॉइस तो मैं बोलूंगा तब आएगी अब मैं बोलना चालू कर रहा हूं आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा नहीं तो आप कर लो फिर मैं जो मोटिवेशन लिखा हुआ बोर्ड पे उसका मैं ऐतिहासिक महत्व बताते हुए आप लोगों को बताऊंगा क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्लास को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्लास को अभी दो ढाई घंटे ही हुए हैं अभी अभी शुरू हुई है क्लास और अभी बहुत चलेगी जितने 500 क्वेश्चन अपने पास है तो आप लोग फुल पढ़ेंगे ठीक है समझ में आ रही है मेरी आवाज सभी को आ रही होगी तो चलिए ये मैं आपको बताता हूं ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन है विजय सिंह पथिक की ये लाइन है आपकी विजय सिंह पथिक आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा विजय सिंह पथिक जी महात्मा जी कहते थे इनको विजय सिंह पथिक उन्होंने उनकी पहले लाइन पढ़ देता हूँ फिर आपको ऐतिहासिक महत्व तो बताता हूँ आपके सिलेबस से जुड़ी हुई बात है लगभग ठीक है तो यहाँ पे ये है कि हरियाली हरियाली सुखद सुखद मुहूर्त को जान लो स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो ऐसा कहते ही जो है आपने मतलब विजय सिंह पथिक साहब ने क्रांति की शुरुआत की किसान क्रांति की शुरुआत की समझ रहे हो <laughs> समझ रहे हो अब ये तो समझ में आएगा मोनिका चौधरी मोनिका चौधरी है मोटिवेशन के पीछे कहानी है मैं आपको मोटिवेशन में हर कहीं से कॉपी पेस्ट करके ला दू तो फिर तो गोड़े गधे में कोई भाव पता ही नहीं कोई अंतर नहीं रहेगा सही नहीं है इसलिए मोटिवेशन में ऐसी जगह से उठा करके लाता हूँ जो अच्छा हो मतलब जिसका कोई कोई मतलब हो मैं कहीं से कोई लाइने कॉपी करके यहाँ डाल दू तो कोई मतलब नहीं है समझ रहा हूँ मेरी बात को तो ये स्वामी ये आपके विजय सिंह पथिक साहब जो आपके राजस्थान में या फिर पूरे भारत में जो किसान आंदोलन के जनक थे इसमें इन्होंने एक लाइन बोली कब बोली 1917 की बात है और बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा विद्यार्थियों बात है अठारह की बात है आपकी अठारह की बात है बात आपकी अठारह सो की है एक परगना है आपका विजय सिंह एक जगह का नाम है जिसको बोलते हैं ऊपर माल जिसको बोला जाता है ऊपर माल ये ऊपर माल जो जागीर थी ये उपरमाल जागीर जो थी यस ये ऊपर माल जागीर बात आपकी कब की है बात आपके पंद्रह की है पंद्रह क्या है खानवा का युद्ध है और व्यक्ति का नाम क्या है अशोक परमार व्यक्ति का नाम है आपका अशोक परमार नाम है अशोक परमार कौन है अशोक परमार भरतपुर के रहने वाले थे भरतपुर के रहने वाले थे कहाँ के भरतपुर के तो भरतपुर से महाराणा सांगा की हेल्प के लिए महाराणा सांगा की युद्ध में हेल्प के लिए कौन सा युद्ध खानवा का युद्ध खानवा का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में जो है ये अशोक परमार साहब ने राणा सांगा की खानवा के युद्ध में मदद की और इस युद्ध के अंदर जो है इस युद्ध में महाराणा सांगा ने खुश होकर के ऊपर जो है किसको दे दी अशोक परमार साहब को दे दी तो प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना किसने की थी या ये क्या है मामला तो इसका संबंध अशोक परमार साहब से तो अशोक परमार साहब यहाँ पे क्या है धाकर जनजाति पे धाकर जो जनजाति के धाकड़ जो जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या है ज्यादा रहते थे अब यहाँ पे यहाँ पे क्या था ये ये मेवाड़ के अंदर में आता था तो मेवाड़ के राजा उस समय को फतेह सिंह थे और उससे पहले जगे -जगे, चोटी -चोटी जो जगह जगह छोटी छोटी जो होती है ना वहां पे क्या होता है चोटी -चोटी जो होती हैं वहां पे छोटे छोटे राजा रहते हैं छोटे छोटे राव रहते हैं तो वहां पे पहले राव कृष्ण सिंह थे बाद में राव पृथ्वी सिंह थे तो यहाँ पे क्या हुआ किसानों पे बहुत सारी तरह की लगान तरह की लगाने वसूल की जाती थी बेगार प्रथा जो वहां पे चलती थी हर एक तरह के चमरी कर लगा दिया बाद में तलवार बंदाई का कर लगा दिया इस तरह से क्या बहुत सारे कर जो है खराब हो गई तो उस समय फिर किसान आंदोलन की वहां पर शुरुआत हुई वहां पे साधु सीताराम दास है साधु सीताराम राम, राम नारायण चौधरी है माणिकीलाल वर्मा जो है वहां पे कर्मचारी थे उस टाइम पे तो ये पूरा मामला जो सेट हुआ तो धीरे 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 माहौल बना उस समय क्या है लगभग 1916 की बात है तो 1916 के अंदर क्या हुआ जो विजय विजय सिंह सिंह रूप से क्या चित्तौड़ के अंदर आए थे चित्तौड़ में क्यों आए थे एक यहाँ पे विद्या प्रचारिणी सभा जो थी विद्या प्रचारिणी सभा तो विद्या प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना हरिभा किंकर ने की थी इसका जुलूस निकल रहा था इसके जुलूस के अंदर विजय सिंह पथिक को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और उपर माल से कौन आए हुए थे साधु सीताराम दास वगैरह यहाँ पे आए हुए थे कहां पे चित्तौड़ के अंदर तो चित्तौड़ में 1916 में साधु सीताराम दास राम नारायण चौधरी इन लोगों की मुलाकात किससे हुई विजय सिंह पथिक से हुई तो विजय सिंह पथिक से जो है इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की आप पधारिए और हमारे जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी कमान आप अपने हाथ में लीजिए ठीक है तो फिर विजय सिंह भी ऐसे मौके की तलाश में थे तो उन्होंने बिल्कुल जो है ये काम किया और 1917 के अंदर ऊपर माल उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हुए ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते, करते हुए इस किसान आंदोलन की शुरुआत की और खुद भूमिगत थे और इस लाइन से उन्होंने शुरुआत की कि हरियाली अमावस सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो उस समय माहौल ऐसा बना था माहौल किसके खिलाफ बन रहा था एक तो यहाँ जो मेवाड़ के महाराणा थे वो तो दूर की बात है लेकिन जो स्थानीय इनके जो जागीरदार होते थे जैसे पहले राव कृष्ण सिंह बाद में राव पृथ्वी सिंह ऐसे जो हुए तो वो क्या करते थे बहुत ज्यादा इनसे जो है कर वसूल करते थे अलग अलग थे तो उनके खिलाफ जो है ये लोग काम करते थे तो उस समय बहुत सारे गीत गाए जाते थे जैसे आप लोगों का एक गीत जो फेमस था कौन सा माणिकेलाल वर्मा ने जो पंचेड़ा गीत लिखा था उस समय पंचेड़ा गीत भी वहां पे जो है गाया जाता था इसके अलावा जो है एक एक वहां पे एक लेखक थे उस समय इनका नाम था प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार उनका एक गीत बड़ा चलता था जो मेवाड़ के राणा को बोलते थे मेवाड़ के राणा अंग्रेजों की सेवा मत करो अपने देश के किसानों के हालात बहुत खराब हो रहे हैं तो वो भजन चलता था मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे रूस जार को पतो ने लाग्य सुन राणा फतमाल रे राणा फतेह सिंह थे तो उनको ये इस तरह के गीत ऐसा माहौल था ठीक है अब हम इसको छोड़ते हुए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ये एक तरह से क्या था ये मोटिवेशन था ये एक जानकारी की बात थी तो माणिक्य लाल वर्मा कई बार ये रचनाएं पूछ लेते हैं अब इसमें से अगर आप लोगों ने मेरी कहानी को ढंग से सुना है तो आप लोगों के इससे संबंधित कई बार प्रश्न भी आ सकते हैं हालांकि मैं जी पढ़ा नहीं रहा हूं एक बात बता रहा हूं आपको प्रश्न आता है कि विद्या प्रचारिणी सभा की किस स्थापना किसने की तो ऐसे आता है केकर वगैरह आपको आता है उपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई 1917 में हुई ये प्रश्न है अपना आप में समझ रहे हो मेरी बात कि ये जो के जो के बिजोलिया जो यहाँ पे ये जो जागीर थी इसकी स्थापना किसने की की अशोक परमार ने उस टाइम पे की थी ठीक है या फिर आपके कई तरह किसान आंदोलन के जनक ऐसे प्रश्न भी जो है आप लोगों के आते रहते हैं इसके अलावा भी और जैसे पंचिड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा ये भी आपके प्रश्न आते रहते हैं तो प्रश्न तो कई बार बन भी जाते हैं अगला देखो प्रश्न अपना वापस हॉर्टिकल्चर की तरफ आते हुए कल्चर में आते हुए हम लोग बात करेंगे अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अगला प्रश्न वो इस प्रकार से किस पद्धति में अधिकतम फल वृक्ष रोपण किया जा सकता है अगला जो प्रश्न है कि किस पद्धति में अधिकतम जो है फल वृक्षों का रोपण किया जा सकता है आपको सही उत्तर बताना है सट पद्धति आयताकार पद्धति वर्गाकार पद्धति और त्रिभुजाकार पद्धति समझ में आ रही है मेरी बात मैं जो मैं जो जो आपको बता रहा हूं, वो समझ में आ रही है बाकी तो सब अपना अतिरिक्त मामला है वो पढ़ा नहीं रहा हूं वो तो एक मोटिवेशन टाइप का है समझ रहे हो वो एक मोटिवेशन टाइप में हम लोग बात कर रहे हैं एक जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं बाकी हॉर्टिकल्चर आप लोगों के प्रश्नों में मजा आना चाहिए आपको ठीक है तो फर्स्ट बच्चे बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसमें लगेंगे पौधे तो सबसे ज्यादा अपने किसमें लगेंगे सट भुजाकार पद्धति में लगेंगे तो पहला जो है आपके बिल्कुल ठीक है तो रवि प्रवीण हेमंत बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो आप लोग और अब जो है हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये मैं थोड़ा आपको करके बताऊंगा इसको थोड़ा आप लोग समझ लेना कि एक किसान आंवले का बगीचा सात इंटू मीटर पंक्ति और पौधे की दूरी के हिसाब से लगाना चाहता है तो पंचभुजाकार विधि में एक हेक्टर में कुल कितने पौधे लगेंगे एक हेक्टर की बात हो रही है विधि आपकी पंचभुजाकार रखी है तो पंचभुजाकार विधि में आपको पौधों की संख्या बतानी है तो यहाँ पे दो पौधे लगेंगे तीन पौधे लगेंगे 502 लगेंगे या फिर आपके 204 पौधे लगेंगे इसका सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा पंचभुजाकार विधि है विधि आपकी पंच विधि है दूरी आपकी सात इंटू सात मीटर दे रखी है ठीक है समझ रहे हो ललिता रविंद्र पूजा मीनू वेरी गुड रूपम तो इस प्रकार से ये देखो इसका सही उत्तर क्या होगा यहां का सही उत्तर मैं आपको हल करके बताता हूं पंचभुजाकार विधि में जब भी आपको प्रश्न पूछे तो पंचभुजाकार हम किसको बोलते हैं पंचभुजाकार का मतलब क्या हुआ कि बीच में एक पूरक पौधा अपना लगता है ठीक है तो ये मान लो कि कोई भी आपका खेत है ये खेत आपका क्या है 100 मीटर चौड़ाई है इसकी और 100 मीटर आपकी क्या है लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो इसका मतलब क्या सौ मीटर चौड़ा सौ मीटर लंबा आपका खेत है मतलब ये एक हेक्टर आपका एरिया हो गया दस मीटर स्क्वायर दस हजार मीटर स्क्वायर का आपके यहाँ पे एरिया हो गया पंचभुजाकार विधि में पौधों की संख्या हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं पंचभुजाकार विधि में सबसे पहला अपने को क्या करना होता है मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी होती है मुख्य पौधे और उसके अलावा फिर दूसरा केस होता है आपके जो अंदर बीच में जो लगते हैं उनको हम पूरक पौधे कहते हैं तो पूरक पौधों की संख्या भी अपने को क्या करनी होती है वो भी ज्ञात करनी होती है इन दोनों को जोड़ करके हम क्या करते हैं

लगा रखी दूरी आपके सात इंटू सात मीटर है और एक हेक्टर दे रखा है एक हेक्टर का मतलब क्या हुआ पे दस हजार, तो एक दस हजार और दूरी कितनी दे रखी है मीटर ठीक है अर्थात क्या हुआ पचास। तो आपको क्या करना है दस हजार में गुणपचास का भाग लगाना है दस हजार में जब आप दस हजार के अंदर जब आप पचास का भाग लगाते हो तो आपके कितना आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ 98 यहां पे आ गया। और हम लोग पे तो यहां पे 204 पौधे आएंगे 204 पौधे कौन से आए 204 पौधे आपके मुख्य पौधे आए तो अगर आपको वर्गाकार विधि पूछी होती तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता आपका 204 पौधे हो जाते हैं लेकिन पंचभुजाकार पूछी हुई है अभी आपको पूरक पौधे और ज्ञात करने हैं पूरक पौधे ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लंबाई में लंबाई में पंक्तियां कितनी लगेगी माइनस एक इंटू चौड़ाई जो होती है उसके अंदर कितनी पौधिया पंक्तियां लगेगी माइनस एक मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं जो बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लंबाई में कितनी पंक्तियां लगेगी माइनस एक इंटू जो आपकी चौड़ाई में कितनी पंक्तियां लगेगी माइनस एक ये इसका क्या है फॉर्मूला है पूरक पौधे ज्ञात करने का अब लंबाई में कितनी पंक्तियां लगेगी तो लंबाई कितनी है सो मीटर है तो सौ मीटर में हम क्या करेंगे आपने दूरी कितनी दे रखी है सात दूरी दे रखी है तो सात का भाग हम लोग सौ में लगाएंगे तो सात का भाग सौ में लगाएंगे तो कितना अपना उत्तर आ जाएगा तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा चौदह आ जाएगा लगभग तो चौदह माइनस एक इंटू चौड़ाई भी कितनी है सौ मीटर है तो इसमें भी हम लोग फिर से सात का भाग लगाएंगे तो चौदह माइनस एक इंटू चौदह माइनस एक ये आपका आ जाएगा अः पूरक पौधों की संख्या तो चौदह माइनस एक यानी तेरह इंटू तेरा आपका आ जाएगा बराबर वन सिक्सटी नाइन ठीक है तो वन सिक्सटी नाइन को हम क्या करेंगे मुख्य पौधों में जोड़ेंगे तो वन सिक्सटी नाइन हमने यहां पे जोड़ दिए तो यहां पे सही उत्तर क्या आएगा नौ और चार तेरह हो जाएंगे और छह और एक सात हो जाएंगे और ती, तीन सौ तिहत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा तो तीन सौ तिहत्तर यहां पे दे रखा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके दो अब जो मैं मेरे को जो चीज समझ में आई कि ये आप लोगों के सबके ये समझ में नहीं आया होगा ये जो पंचभुजाकार है ये मैंने फटाफट करवाया है ये समझ में नहीं आया होगा जब मैं पढ़ाता हूं तब तो मैं दस इंटू दस से लेकर के नौ इंटू नौ आठ इंटू आठ सात इंटू सात छह इंटू छ सभी के ऊपर बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं और अगले दिन जो है अगले दिन जो है मैं क्या करता हूं अगले दिन मैं बच्चों की वापस कॉपी चेक करता हूं कि आप घर पे करके लाना तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो रहा है बी हो रहा है तो इसकी और कभी सेपरेट क्लास में मैं धीरे धीरे समझा दूंगा आज मैराथन है तो आज हम जो है ज्यादा जो है चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हुआ सेकंड हो गया अगला देखो ये ये प्रश्न मैंने कल शाम को भी करवाया था कि मिडो और चार्ड मिडो और चार्ड में अमरूद के लिए पंक्ति व पौधों की दूरी रखते हैं मिडो और चार्ड में अमरूद के लिए पंक्ति व पौधे की कितनी दूरी रखते हैं तीन इंटू मीटर दो इंटू एक मीटर पांच इंटू दो मीटर सही उत्तर आप लोगों को बताना है है <laughs> सही आप लोगों को बताना है। वो मैं मैंने फास्ट करवाया है थोड़ा वो फास्ट करवाया है मैंने वो उसमें क्या जब तक आप ऑफलाइन में नहीं आए हो ना तब दिक्कत आती है उसमें क्या बच्चों का रेस्पॉन्स भी जी मैं हल करवा देता हूँ एक एक चीज ठीक है आज मेरा था ना इस क्वेश्चन को मैं पंच बजा कार वाले को कम से कम आधे एक घंटा चाहिए उसके लिए पंचपूजाकार विधि को समझाने के लिए एक आधे पौन घंटे की क्लास पूरी चाहिए मेरे को तो वो अभी अभी अपन नहीं करेंगे नहीं तो प्रश्न अपने रह जाएंगे ठीक है मेडो और अमरूद का फेमस है तो बच्चे आंसर दे रहे हैं इसमें है और की दूरी हैं? तो दो इंटू एक मीटर तीन इंटू दो मीटर पांच इंटू दो मीटर ढाई दाएं इंटू ढाई मीटर दाएंट। मेजोरिटी बच्चों की क्या कह रही है मेजोरिटी कह रही है कि दो सही होगा कुछ फर्स्ट भी आंसर जो यहाँ पर बता रहे हैं तो सही उत्तर क्या होगा इसका मेजो और चार्ट के अंदर अमरूद के पौधों को दो इंटू एक मीटर की दूरी पर लगाया जाता है ये प्रश्न पहले भी बहुत बार पूछा गया है एक हेक्टर में लगभग पांच हजार पौधे लगते हैं एक हेक्टर में लगभग पांच हजार प्लांट इसके लग जाते हैं ठीक है वेरी गुड आगे बात करें इसका दो आंसर हो जाएगा तो दो दे रहे हैं बच्चे बिल्कुल ठीक दे रहे हैं इसका मतलब फिर आपका सरल सरल प्रश्न देखो यहां पर सरल प्रश्न क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु सबसे सरल उत्तम और प्रचलित विधि कौन सी है मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु सबसे सरल उत्तम और प्रचलित विधि आपको बताना है कि कौन सी है वर्गाकार विधि त्रिभुजाकार विधि कंटूर विधि या फिर सटभुजाकार विधि सही उत्तर कौन सा होगा ये आप लोग बताएंगे कि मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु सबसे सरल उत्तम विधि कौन सी है वर्गाकार त्रिभुजाकार कंटूर या फिर आपके सठ भुजाकार जो समतल इलाके होते हैं वहां पे तो जैसा कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल विकी चौधरी रूपम मयंक ईश्वर गुजर वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है टिकम बुद्धि प्रकाश लोकेश मीणा महेश सुरेश गोपाल वेरी गुड बच्चों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका वर्गाकार विधि तो जो आपके आ, आ, मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां पर ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन नहीं पाई जाती वहां सबसे बढ़िया विधि आपकी कौन सी होती है तो वहां पे आपकी जो सबसे बढ़िया विधि होती है वो वर्गाकार या फिर स्क्वायर सिस्टम होती है वर्गाकार अगर ऑप्शन में नहीं हो उस केस में आप लोग करेंगे आयताकार विधि ठीक है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कि पौधरोपण की कौन सी विधि में पौधरोपण की कौन सी विधि में कर्षण क्रियाएं काट छाट संदाई और अन्य उद्यानिकी क्रियाएं करना आसान रहता है यानी कि कौन सी पौधरोपण की ऐसी विधि है जिसके अंदर प्रॉपर स्पेस मिलता है अंदर कोई भी क्रिया करनी है काट छाट करना है संदाई करनी है और कोई उद्यानिकी क्रिया है तो उसके लिए क्या आसानी रहती है पंचभुजाकार विधि में सठभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि में और आपकी त्रिभुजाकार विधि में कौन सी ऐसी विधि है जो बिल्कुल स्पेस प्रॉपर मिलता है ज्यादा वहां पर जगह मिल जाती है तो क्रियाएं जो है ये आसानी से कर सकते हैं कटाई छटाई या और कोई कल्चरल प्रैक्टिस करनी हो तो कौन सी विधि होगी इस केस में पंचभुजाकार सठभुजाकार वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार तो इस केस में सौरभ जैसे कि आंसर दे रहे हैं बच्चे शिशिर सौरभ, मनोज दिलीप प्रेम चौधरी तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा वर्गाकार विधि में पौधे बराबर दूरी पे लगते हैं अच्छी दूरी पे लगते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं इसमें आप लोगों को प्रॉपर स्पेस मिल जाता है है और हम लोग जो है अच्छे से क्या कर सकते हैं इसमें की क्रियाएं कर सकते हैं अगला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इस बार सिंपल चीज पूछी आपको वर्गाकार विधि पूछी हुई कि कोई किसान छ इंटू छ मीटर की दूरी के हिसाब से पौधरोपण करना चाहता है तो वर्गाकार विधि से एक हेक्टर में कितने पौधे लगेंगे 204 277, 400 और 625. इस बार आप आपको क्या पूछा गया है इस बार आप लोगों को पूछा गया है कि एक किसान है एक किसान जो है आपका एक हेक्टर में 6 इंटू छ मीटर की दूरी के हिसाब से पौध रोपण करना चाहता है वर्गाकार विधि से एक हेक्टर में कितने पौधे लगेंगे 204 लगेंगे 277 लगेंगे आपके 400 लगेंगे या फिर आपके छे लगेंगे बच्चे जैसा कि दो आंसर दे रहे दे रहे रहे हैं, हैं सी उत्तर फटा फटाफट, तो दस हजार बटेवा क्या दूरी छह इंटू छ है क्या है। छत्तीस तो हम जब छत्तीस का भाग लगाते हैं किसमें दस हजार के अंदर तो सही उत्तर आपका क्या आता है दो सौ सतर तो वर्गाकार विधि में तो दिक्कत है नहीं दिक्कत आपकी पंचभुजाकार विधि में है तो मैं आप लोगों को एक प्रश्न ओल हल करवा दूंगा थोड़ी देर बाद पंचभुजाकार विधि वाला अगला है अगला प्रश्न कि फल और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है फल सब्जियों को पाले से बचाने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है सिंचाई करना धुआं करना जीरो पॉइंट एक प्रतिशत सल्फुर अम्ल का छिड़काव करना या फिर आपका उपयुक्त सभी सही कौन सा होगा यह आपको आंसर बताना है कि सिंचाई करना धुआं करना जीरो पॉइंट एक प्रतिशत सल्फुरिक अम्ल का छिड़काव या फिर आप लोगों को उपयुक्त सभी समझ में आ रही है बातें वेरी गुड लोकेश रक्षिता दिलीप वंदना मनीषा रवि अंकिता समझ में आ रहा है बच्चों बहुत बढ़िया जैसा कि बच्चे फोर आंसर कर रहे हैं तो पाले से बचने के जब उपायों की बात करते हैं तो ये सारे के सारे उपाय जो हैं ये हम लोग क्या करते हैं ये पाले से बचाने के उपाय हैं ये कर सकते हैं फल सब्जियों का अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि किस महीने में पाले का प्रकोप सर्वाधिक रहता है किस महीने में पाले का सर्वाधिक प्रकोप रहता है ये आप लोगों को बताना है अक्टूबर महीना जनवरी महीना मार्च महीना और अगस्त महीना अक्टूबर जनवरी मार्च और अगस्त आपको सही यहाँ पे उत्तर बताना है कि कौन सा होगा पाले का प्रकोप सर्वाधिक किस महीने में रहता है बच्चों आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल यासिद यासिद राणा मनीष सोनू फटाफट से बच्चे बताएंगे कि सेकंड बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चों कि जो है आपका जनवरी महीना है तो जनवरी महीने में क्या रहता है कि पाले का प्रकोप क्या सर्वाधिक रहता है बिल्कुल ठीक तो जनवरी महीना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा जैसा कि आप लोग मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं ठीक है ये प्रश्न मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया और अभी आप और दिमाग लगाना है इसमें कि पौधों की शीतलहर एवं गर्म हवाओं यानी कि लू से बचाने के लिए वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं वो किस दिशा में लगाते हैं अभी मैंने आपको दो मिनट पहले बताया था कि पौधों की शीत लहर व गर्म हवाओं से बचाने के लिए वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाते हैं उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में या फिर आपका उत्तर पश्चिम दिशा में सही आंसर आप लोगों को देना है विद्यार्थियों कि जो शीत लहर में या फिर शीत लहर चलती है ठंड के मौसम में गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं लू चलती है से बचाने के लिए वायुरोधी वृक्ष हम किस दिशा में लगाते हैं आपको बताना है बच्चे फर्स्ट सेकंड सेकंड आंसर कर रहे हैं फोर्थ भी कर रहे हैं पवन गीता जितेंद्र लोकेश वेरी गुड नरेंद्र बहुत अच्छा है वेरी गुड सीताराम चेनाराम मीणा विनोद तो बच्चे फोर्थ आंसर कर रहे हैं यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा कोई भी बगीचा है उसकी उत्तर पश्चिम दिशा ये हुई ये उत्तर और पश्चिम दिशा इस दिशा से क्या लू वगैरह जो है और लहर इसी दिशा से चलती है तो उत्तर पश्चिम दिशा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अब आपका ट्रिपल स्टार लगाने वाला प्रश्न आगे इस प्रकार से आया है कि कौन सा रंध्र बंद करने वाला स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन है कौन सा रंध्र यानी स्टोमेटा को बंद करने वाला वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन रसायन कौन सा है साइकोसेल, फिनाइल या फिर आपका जो है मोबिलिट जो आपका शुष्क खेती के अंदर जो पत्तियों के रंध्र को बंद करने के लिए ताकि पानी का नुकसान कम हो तो कम पानी रहता है शुष्क क्षेत्रों में तो वहां पे हम लोग वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन काम में लेते हैं बदनौर से बच्चा बोल रहा है भिलवाड़ा तो बदनौर वालों का भी स्वागत कर रहा हूं मैं सभी विद्यार्थी इसका सही उत्तर केवलिन फिर मोबिलिफ सही उत्तर आपको लॉरेंस चौधरी बिल्कुल लॉरेंस चौधरी ममता ईश्वर सहदेव श्याम राज कृष्णकांत बढ़िया से मयंक अनिल गिरिराज सभी बच्चे थर्ड आंसर इसमें दे रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे फर्स्ट भी दे रहे हैं परंतु तो इसमें ध्यान रख लेना ये फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट हो गया एट्राजीन हो गया आपका ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एबसेसिक एसिड वगैरह हो गया ये सब के सब क्या है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट्स है केवोलिन की बात करें तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप का है परावर्तित प्रकार का ये परावर्तित प्रकार का है बाकी ये आपका सही उत्तर क्या होगा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट ठीक है अगला जो प्रश्न है यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस प्रश्न को आप पढ़ोगे सारे वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे दोनों सूची को आपस में मिलान करना है पहली सूची क्या दे रखी है इधर इधर दे रखी है वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन के दे रखे आगे दे रखे उदाहरण दे रखे इधर कौन सा प्रकार है आगे एग्जाम्पल इनको मिलान करना रंध्र बंद करना वाले कौन से पत्ती पे आवरण बनाने वाले कौन से हैं परावर्तित प्रकार से कौन से हैं कौन से हैं और वृद्धि अवरोधक कौन से साइकोसेल या फिर क्लोर मैक्वाज यहाँ पे मैं आपका सीधा उत्तर देना चाहूंगा आप लोग क्लियर कर लेना उस स्थिति को बच्चे आंसर थर्ड कर रहे हैं जैसे बच्चे सेकंड आंसर दे रहे सोनम सोनम ये बिल्कुल निर्मला राज मेघवाल वेरी गुड राज एग्रीकल्चर विद जबीर हुसैन वेरी गुड अमन जहांगीर बिल्कुल राय सिंह मयंक दिलीप पूनम वर्मा विशाल मीणा वेरी गुड तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं देखो कि कौन सा होगा तो रंध्र बंद करने वाले कौन से हैं तो रंध्र बंद करने वाले मैंने अभी आपको बताया था पीएमए यानी कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट एट्राजीन कार्बन डाइऑक्साइड और एब्सिसिक एसिड पत्ती पर आवरण बनाने वाले कौन से हैं तो थर्ड नंबर के हैं हेक्साडेकानोल और आपका सिलिकन फर्स्ट में कौन सा था फर्स्ट में फर्स्ट था और सेकंड के अंदर कौन सा है सेकंड के अंदर आपका थर्ड है फिर परावर्तित प्रकार का मैंने आपको बताया था केवोलिन पांच परसेंट तो केवोलिन पांच परसेंट हो गया वृद्धि अवरोधक जो ग्रोथ को रोकता है वो आपका क्लोरमेक्वाट या फिर साइकोसेल तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा यहां से एक आपका एग्रोनॉमी में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्रोनोनोनोमी में आपके जो ड्राई फार्मिंग वाला टॉपिक है शुष्क खेती वाला तो वहां में आपके जो है एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा इसको घाट बांध लेना आप लोग ठीक है अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार से है अगला प्रश्न देखेंगे जो हम पलवार जो होती है या फिर मल्चिंग जो होती है तो मल्चिंग से क्या लाभ है मल्चिंग से आपको लाभ बनाना है हम जो खेतों के अंदर मल्चिंग करते हैं उस मल्चिंग के लाभ क्या है नमी संरक्षण यानी कि मॉइस्चर कंजर्वेशन इसके अलावा मृदा तापमान नियंत्रण यानी कि जो सॉइल टेम्परेचर कंट्रोल होता है या फिर आपका विड कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण या फिर उपयुक्त सभी सही उत्तर कौन सा होगा आप लोगों ने मल्चिंग देखी होगी मल्चिंग देसी मल्चिंग भी होती है और आपकी पॉलिथीन की मल्चिंग भी होती है तो सही उत्तर आपका बताना है कि मल्चिंग के कितने सारे फायदे हैं या फिर इनमें से कोई एक विशेष फायदा है ठीक है ऑप्शन मैंने आपको बता दिए आंसर बच्चों के आने लगे हैं बिल्कुल प्रियंका ज्योति हर्ष वेरी गुड शीर्ष पाल रिंकू शिवानी पंकज अंकित सोनू कुलदीप वेरी गुड तो विद्यार्थियों बात ऐसी है कि उत्तर इसका चार है तो उत्तर यहाँ पे इसका चार का मतलब ये सारे के सारे जो फायदे हैं जब आप खेत के ऊपर मल्चिंग लगाते हो मिट्टी के ऊपर तो उससे नमी नमी मतलब पानी की बचत होती है जो सॉइल का टेम्परेचर होता है वो भी कंट्रोल रहता है यानी कि आपके जो है सर्दी के मौसम में जनरली क्या होता है तापमान कम हो जाता है लेकिन मल्चिंग से क्या होता है तापमान मेंटेन रहता है खरपतवार भी नहीं उगते तो बहुत सारे मल्चिंग के फायदे हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो इस प्रकार से है इसमें आपको कुछ कथन दे रखे थे दे, दे रखे हैं उनमें से आपको क्या करना है गलत कथन का आपको चयन करना है निम्न में से पाले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पाले के संबंध में आपको यहाँ पे गलत कथन को चुनना है पहला कथन कौन सा है दिसंबर जनवरी माह में पाला अधिक पड़ता है दूसरा तापमान कम होने से पौधे की कोशिकाएं फट जाती हैं। तीसरा गंधक के अम्ल का एक परसेंट गोल के छिड़काव से पौधों को पाले से बचाया जा सकता है धुआं करना वह टाटिया बांधना भी पाले से बचाव का प्रभावी तरीका हो सकता है विकल्प आपको बताना है बच्चों हाँ बहुत अच्छी बात है बच्चे आंसर कर रहे हैं कैसा थर्ड आंसर करने लगे थर्ड होंगे बच्चे सेकंड भी आंसर कर रहे हैं तो गौरव चुन्नी ललिता पिंकु पवनेश सहदेव वेरी गुड सपना सौरभ प्रीति बहुत अच्छा उज्जवल अनीता बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया थर्ड आंसर कर रहे हैं थर्ड आंसर देखो कैसे पता चला आपको वो मैं बताता हूँ यहाँ कि गंधक का जम्ल जो अभी आपने पढ़ा था सल्फेरिक अम्ल का एक परसेंट छिड़काव नहीं करते हैं जीरो पॉइंट एक परसेंट करते हैं इसलिए क्या है ये आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा बाकी तीनों जो कथन थे वो आपके बिल्कुल सही थे वो आप लोगों को भविष्य के लिए याद रखना है अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो इस प्रकार से है। इस प्रकार से परिभाषा टाइप में समझना है इसको कि पौधों को निश्चित आकार संरचना अथवा मजबूती प्रदान करने हेतु विवेकपूर्ण तरीके से शाखाओं को काटना कहलाता है मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को कि पौधों को निश्चित आकार संरचना अथवा मजबूती प्रदान करने हेतु विवेकपूर्ण तरीके से शाखाओं को काटना क्या कहलाता है क्रंतन यानी कि प्रोनिंग संदाई यानि ट्रेनिंग पिंचिंग कि पिंचिंग और हेडिंग बैक। इसका सही उत्तर बताना है आपको कि क्या हो जाएगा ठीक है पंकज महेंद्र चौधरी लोकेश मीणा गेगपुरा वेरी गुड बच्चे का आंसर आने लगे हैं सर कि ए होगा बच्चे कुछ बी भी बता रहे हैं सी भी आंसर आ रहा है हाँ बढ़िया गुड यहां पर सहदेव दिलीप मृत्युंजय वेरी गुड हाँ बच्चे सेकंड आंसर देने लगे हैं तो बिल्कुल मैं बता देता हूं कि सेकंड जो आंसर है बिल्कुल आपका करेक्ट है मैंने कहा था पौधों को निश्चित आकार देंगे संरचना मजबूती प्रदान करना उसको हम लोग संदायिक बोलते हैं अर्थात ट्रेनिंग कहा जाता है पौधे को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि भविष्य में ज्यादा क्रॉप लोड जो होगा ज्यादा फलन होगा उसको पौधे क्या कर सकेंगे सहन कर सकेंगे अगला जो कॉमन क्वेश्चन है बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसको फटाफट मध्य अच्छा फरवरी, फरवरी मार्च मध्य मार्च से मध्य अप्रैल और मध्य अप्रैल से मध्य मई इसमें से सही उत्तर आप लोगों को बताना है सरल सा क्वेश्चन है परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ है बेर के अंदर कठोर या फिर प्रोनिंग की जाती है ये आप लोगों को पहले पढ़ा होगा या टाइम भी थोड़ा देख लो कि किस समय जो है बेर में प्रोनिंग का ऑप्टिमम जो है टाइम होता है ये देखेंगे आप लोग ठीक है बबली राजेश कृष्णा धर्मेंद्र बच्चे सेकंड फोर्थ आंसर दे रहे हैं थर्ड भी दे रहे हैं फोर्थ थर्ड सेकंड गेकपुरा सूर्या सुनीता पिंकी फोर्थ जो है बच्चे ज्यादा आंसर दे रहे हैं कुछ थर्ड भी आंसर दे रहे हैं तो फटाफट जो मैं आपको सच आंसर सही जो आंसर बता रहा हूं वो आपका क्या होगा फोर्थ होगा मध्य अप्रैल से मध्य मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अप्रैल से मध्य मई जो है बेर के अंदर करने का ऑप्टिमम या फिर इष्टतम जो समय है वो यह है अगला जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आप लोग देखो कि कौन सा है कि शाखाओं को झुकाना जिनको हम कहते हैं बेंडिंग क्रिया किस वृक्ष में फलन बढ़ाने हेतु की जाती है शाखाओं को झुकाना बेंडिंग कहते हैं क्रिया किस फल वृक्ष में फलन बढ़ाने हेतु की जाती है आम केला अमरूद और अनार इस प्रकार के चार ऑप्शन जो हैं वो विकल्प आप लोगों के सामने हैं ठीक है ईश्वर गुजर पवन उज्जवल आकाश ठीक है हेमंत अक्षय सहदेव लोकेश समझ में आ रही है बातें वेरी गुड बहुत अच्छा तो फटाफट से बच्चे एग्रीकल्चर विद जुबैर वेरी गुड वेरी गुड बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं थर्ड तो मैक्सिमम बच्चे थर्ड आंसर दे रहे हैं कुछ फोर्थ भी दे रहे हैं लेकिन फोर्थ वाले बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि कौन से सही है रविंद्र अभिषेक राम कुमार बच्चे सही बात ऐसी है कि इसका सही उत्तर होगा अमरूद अमरूद के अंदर शाखाओं को झुकाने की क्रिया प्रचलित है महाराष्ट्र वगैरह साइड में और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आजकल आने लग गया है परीक्षाओं में ठीक है तो आप लोग इसके लिए जो है सावधान रहना अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे ये प्रश्न अभी एक परीक्षा जो हुई थी उसके अंदर पूछा गया था यह प्रश्न इस प्रकार है कि संदाई यानी कि ट्रेनिंग की कौन सी विधि में पेड़ का ढांचा कमजोर शाखाओं के टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है क्वेश्चन को पहले रिपीट कर रहा हूं उसके बाद में आप लोग आंसर देंगे कि संदाई यानी कि ट्रेनिंग की कौन सी विधि में पेड़ का ढांचा कमजोर और शाखाओं के टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है पहला है रूपांतरित प्ररोह प्रणाली यानी मोडिफाइड लीडर सिस्टम अगला है खुला केंद्रीय प्रणाली ओपन सेंटर अगला है केंद्रीय प्ररोह प्रणाली सेंट्रल लीडर सिस्टम अगला है केंद्रीय प्ररोह व रूपांतरित प्ररोह प्रणाली दोनों यानी कि बोथ सेंट्रल एंड मॉडिफाइड लीडर सिस्टम सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा मैं तुम्हारा नाम भी लूंगा कृष्णा क्या नाम है समझ संजे मीना, संजे मीना में आ रहा संजय मीणा संजय मीणा में सभी के नाम जिसका नाम नहीं ले रहा हूं वो बिल्कुल बिल्कुल जो है नाराज नहीं होवे विद्यार्थियों नाम तो मैं अब ले लूंगा ठीक है लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड के ऊपर वो सबसे महत्वपूर्ण है ठीक है तो इसका सही उत्तर बच्चे जैसा ही आंसर दे रहे थर्ड थर्ड ज्यादा मेजोरिटी सेकंड भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सेकंड सेकंड थर्ड में सही उत्तर बताता हूं सही उत्तर क्या होगा इसका सेकेंड होगा खुला केंद्रीय प्रणाली खुला केंद्रीय प्रणाली में क्या होता है कि पौधा ऊपर से थोड़ा खुला रहता है इस तरह से से पौधा क्या है ऊपर एक बाउल शेप के अंदर खुला रहता है तो ऐसे में जो है हवाओं के चलने से शाखाएं टूटने के चांसेस क्या रहते हैं थोड़े ज्यादा रहते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा ओपन सेंटर सिस्टम अर्थात खुला केंद्रीय प्रणाली विधि ठीक है अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है आपको मिलान करना है और मैं पढ़ के बता देता हूं कि क्या यह प्रश्न है कि इधर हमने महत्वपूर्ण क्रियाओं का समावेश किया है और आगे फलवृक्ष है तो आपको क्या करना है मिलान करना है क्रियाओं का फलवृक्ष कि क्रिया किस में की जाती है पहला है आपका रिंगिंग या फिर गर्डलिंग जिसे हम वलयकरण कहते हैं अगला आपका स्मजिंग यानी कि धुआं करना लीफ प्रोनिंग नोचिंग और निकिंग आगे है खजूर आम अंगूर और अंजीर किसके अंदर की जाती है यह आपको <laughs> मोनिका चौधरी ने यह प्रश्न पूछा है कि सर क्या नाम लेने वालों का ही सिलेक्शन होगा यस बिल्कुल जो है इस बात में एक परसेंट भी सच्चाई नहीं है कि नाम लेने पर ही सिलेक्शन होगा बिल्कुल इस बात में कुछ भी कुछ नहीं है मतलब यू मानो कि ये इस बात को मैं पूर्णतया आपको नकारता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है नाम जिसका एक भी बार नहीं लिया है उसकी भी फर्स्ट रैंक आ सकती है तो ये नाम लेने का तो यूं है कि भाई एक 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 मौसम बना रहे हैं मतलब समझ रहे हो तो नाम लेने का मतलब एक मौसम एक माहौल अपना पॉजिटिव बना रहे हैं। बाकी इसका इसका कोई सिलेक्शन कार इसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है ठीक है सचिन कुशाल लोकेश तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बता दोगे तो उत्तर मैं बता रहा हूँ थर्ड आंसर मैक्सिमम का आने लग गया है तो रिंगिंग और गर्डलिंग की जाती है आपकी अंगूर के अंदर तो फर्स्ट के अंदर आपका हो जाएगा सी स्मजिंग धुआं करने का काम हम आम के अंदर करते हैं तो सेकंड के अंदर बी होगा और लीफ प्रोनिंग खजूर के अंदर की जाती है और नोचिंग और निकिंग जो है अंजीर के अंदर की जाने वाली क्रियाएं हैं अर्थात सही उत्तर क्या होगा थर्ड थर्ड आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों शाबाश उज्जवल राजेंद्र रविंद्र ठीक है यस अगला जो है प्रश्न आप लोगों को पढ़े मैं पढ़ देता हूं सुविधा के लिए वो इस प्रकार से है कि के फल सब्जियों को जमाव बिंदु से नीचे तापमान से होने वाली क्षति को क्या कहते हैं मैं प्रश्न पहले रिपीट कर देता हूं कि भंडारण के समय फल सब्जियों को जमाव बिंदु का मतलब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान से होने वाली क्षति को क्या कहते चल गया अब आवाज आई है मेरी मैं वापस वापस बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है हो सकता है आवाज में प्रॉब्लम हो गई है तो मैं विद्यार्थियों रिपीट कर दूंगा मैं रिपीट कर रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों घर की बात है ठीक है वापस मैं रिपीट कर रहा हूं देखो सही उत्तर तो इसका क्या है इसका सही उत्तर है आपका सेकेंड किस प्रकार से कम तापमान से होने वाली हैं दोनों क्या चिलिंग और फ्रीजिंग दोनों का मतलब है कम तापमान से होने वाला 0 से से जो होता है चिलिंग इंजरी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग इंजरी दोनों का ही मतलब है कम तापमान से होने वाला नुकसान ठीक है अब आप लोगों को समझ में आ गई अब आवाज भी आ गई है ठीक है अब भी सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कुछ और कारण है अब तो सबके आवाज आ रही है क्या अब भी आवाज नहीं आ रही है तो मुझे यस और नो बताओ ठीक है अब समझ में आ गई अब मैंने रिपीट कर दिया ना इतना सारा अब भी आवाज नहीं आ रही है अरे गदेणु मैं के, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं कि वास्तव में क्या आवाज नहीं आ रही है क्या तो बच्चे बोल रहे हैं नो इसका मतलब तुम सुनते रहे हो मेरी बात आवाज आ रही है ठीक है अब बोल रहे हैं यस आ रही है ठीक है ठीक है वेरी गुड अब अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर देंगे कि क्या होगा कि पिंचिंग आउट पिंचिंग आउट को हटाने की प्रक्रिया है कलिकाओं के बढ़ते बिंदु को यानी कि ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ बर्ड्स बीज को जड़ों के बढ़ते बिंदु को ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ रूट्स या फिर खिलती पुष्प कलिका को ओपनिंग फ्लावर बर्ड पिंचिंग आउट किसे कहते हैं पिंचिंग आउट आप लोगों को बताना है बच्चों का फर्स्ट आंसर आने लग गया है फोर्थ उत्तर तो आप लोगों का आ रहा है तो कलिकाओं के बढ़ते क्रम को कहते हैं क्या फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल आप लोगों का ठीक होगा पिंचिंग आउट का मतलब होता है कि जो कलिकाएं होती हैं उनका ग्रोइंग पॉइंट जो होता है बढ़ता हुआ बिंदु यानी कि कोई भी पौधा है जैसे आपका ये क्या है ये आपका गेंदा है अब इसका ऊपर ही ऊपर वाला भाग यानी कि जो यहाँ पे बढ़ता हुआ बिंदु है उसको हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं उसको हम लोग कहते हैं पिंचिंग आउट तो पिंचिंग आउट से क्या फायदा होता है फिर इसकी सहायक शाखाओं में फूटान बढ़ जाती है और जो है आपके फूल उत्पादन जो है बढ़ जाता है शाखाएं जितनी फूटान बढ़ेंगी उतने ही फूल लगने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं ठीक है बच्चों शाबाश अब अगला प्रश्न देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग इंपोर्टेंट लगा लेना अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आप लोगों को अच्छे से सुनना है फिर इसका आप लोगों को उत्तर देना है कि अंगूर में संदाई यानी कि ट्रेनिंग की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है जिसमें लागत लाभांश यानी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है सर्वाधिक रहता है मैं रिपीट कर रहा हूं इस प्रश्न को कि अंगूर में संदाई यानी ट्रेनिंग की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है जिसमें लागत लाभांश अनुपात यानी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सर्वाधिक रहता है ऑप्शन है आपकी टेलीफोन या टेलीफोन या फिर ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम दूसरी है निफिन या फिर चार भुजा विधि बावर या फिर पांडाल विधि शीर्ष या फिर हेड सिस्टम सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा ये आप लोग बताएंगे कि किस में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा रहता है ये बहुत प्रचलित विधि है सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है यह भी आपको मैं बता देता हूं तो यहाँ पर जैसा कि अजय अजय पूजा मनोज मीणा रूपम पूजा वेरी गुड तो इसका सही उत्तर क्या होगा थर्ड होगा इसके अंदर क्या रहता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का मतलब पैसे लगते भी ज्यादा हैं। ये महंगी विधि है लेकिन इससे कमाई भी क्या होती है बहुत अच्छी प्राप्त होती है इसलिए हम क्या करते हैं ये इसके अंदर अपनाए ये विधि जो है इसके अंदर अपनाते हैं बावर या फिर पांडाल बना देते हैं पूरे खेत को फिर जो है उसके ऊपर बेल चलती रहती है अंगूर के नीचे अंगूर के गुच्छे लटकते रहते हैं अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न कैसे है कि पौधों की सूखी मृत रोगग्रस्त एवं आपस में रगड़ती हुई शाखाओं को काटना ताकि पौधों में वायु संचार अच्छा हो तथा फलन भी अच्छा व गुणवत्तापूर्ण हो कहलाता है रिपीट कर देता हूं कि कि पौधों की सूखी मृत रोगग्रस्त और आपस में रगड़ती हुई शाखाओं को काटना ताकि पौधों में वायु संचार अच्छा हो फलन भी अच्छा और गुणवत्ता पूर्ण हो इसे हम क्या कहते हैं काट छाट यानी कि प्रोनिंग संधाई यानी कि ट्रेनिंग रिंगिंग यानी कि रिंगिंग और लीव प्रोनिंग यानी कि पत्तियों की पत्तिय। जो प्रोनिंग करते हैं वो ठीक है सोमेश जामुन समझ में आ रही है तेरे सोमेश संजय संतोष मनु सहदेव बढ़िया वेरी गुड अंकित शाबाश ठीक है पापा का शक्तिमान तेरे भी समझ में आ रही है पापा के शक्तिमान के शाबाश बढ़िया अब देखो आगे ठीक है नाम मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये जो बच्चों ने नाम लिखे हुए कौन कौन से मैंने अभी बताया था आपको पापा का शक्तिमान पापा का कबूतर पापा का मगरमच्छ मम्मी की चिड़िया मम्मी की लाडली ऐसे बताए ना लेकिन मम्मी की तितली ऐसे जो नाम रखते हो ना बड़े अच्छे नाम रखते हो यार सही में पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो जाते हैं एक बार तो ठीक है तो बहुत बढ़िया है इसमें सही उत्तर बताओ कि इसको हम लोग बोलते हैं कांट छांट ठीक है ये काट छाट जो है यानी कि प्रोनिंग इस चीज को बोल देते हैं और पौधे को अभी हमने देखा था कि पौधे को भी क्या देखा था जो सही अपन आकार दे रहे थे मजबूती प्रदान कर रहे थे संरचना दे रहे थे उसको हम ट्रेनिंग कह रहे थे और इस तरह से जो हम काट रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं काट छाट बढ़िया बहुत बढ़िया अगला जो आपके सामने प्रश्न है देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि केला व आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में इसको प्रतिबंधित किया हुआ है भारत सरकार के द्वारा केला व आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है या किया जाता था आज भी चुपके चुपके से इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए इसको लिखा है किया जाता है ठीक है जल्दी जल्दी चलें, चलो जल्दी जल्दी और चलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट कैल्शियम कार्बाइड पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइट या फिर एट सिट्रेट सही उत्तर क्या होगा पोटेशियम यानी परमेगनेटेनोफोर कैल्शियम कार्बाइड यानी कि और या टू एस टू ओ फाइव या फिर आपका एट एच क्यू सी सही आंसर आपको बताना है इसमें क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को पता होगा कि जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है इस ये, इसके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है ये कैंसर पैदा करता है ये फलों को क्या जल्दी पकाने के काम में आता है तो इसको सरकार ने बंद कर दिया लेकिन चोरी छुपे आज भी इसका उपयोग किया जाता है परीक्षाओं के अंदर भी पूछा जाता है इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा कैल्शियम कार्बाइड अच्छी बात है बहुत अच्छा अब इसको देखो सरल प्रश्न है इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्प में से सही का उत्तर करना है निम्न को पढ़िए और उक्त में से आंसर देना है तो पढ़ कैसे पढ़ने देखो ऑक्जिन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन इथाइलिन और एप्सिसिक एसिड पांचों को पांचों हार्मोन अपने यहाँ दिए हुए हैं उक्त में से कौन से वृद्धि रोधक हार्मोन है ऊपर जो दिए हुए हैं इनमें से वृद्धि रोधक जो हैं ग्रोथ रिटार्डेंट्स हैं उनका हमको चयन करना है ए और बी बी व सी ए बी डी और बी डी और ई e. सही आपको बताना है जो पांच ऊपर हमने हार्मोन दिए हैं ऑक्सिन साइटोकाइन जिब्रेलिन एसिड इनमें से वृद्धि रोधक कौन से हैं ए बी बी सी ए सी डी या फिर बी और ई e. समझ में आ रहा है बढ़िया प्रेम धाकड़ तिलक विद्या ठीक है गुरुदेव क्या लिखा हुआ है मिनी पटेल अंकित अनिल कुमार बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बच्चे जैसा कि आंसर आने लग गया है कि सेकंड आंसर होगा थर्ड होगा फोर्थ आंसर होगा शोभा बढ़िया बहुत बढ़िया तो यहाँ पे सही आतर आंसर देना है कि बिल्कुल बता देते हैं यस तो सही आंसर बच्चे जैसा कि थर्ड और फोर्थ दे रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि और इथसिसिक एसिड जो है ये आपके वृद्धि के रोधक रसायन में आते हैं बाकी आपके क्या वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं ऊपर वाले तो वृद्धि कौन से हैं डी और ई हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ फोर्थ तो बच्चे फोर्थ आंसर देने वाले सभी विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल ठीक है हो सकता है कुछ के गलत भी हुआ है तो गलतियां होंगी तो गलती को हम लोग आगे सुधारेंगे ठीक है बच्चों मनीष कड़कनाथ वेरी गुड कड़कनाथ कड़कनाथ तो जब तो मुर्गे की नस्ल होती है तुम लोग तुम तो इंसानों की नस्ल हो इंसानों में थोड़ा सा कड़कनाथ प्रश्न अपना पहले से पढ़ा हुआ है मैं फटाफट इसका सीधा आंसर बताऊंगा कि जो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड यानी आई बी ए जो हार्मोन है उसका व्यापारिक नाम क्या है व्यापारिक नाम हमने पढ़ा था रूटेक्स सेरोडेक्स और रैपिड रूट के नाम से भी मिलता है इसके अलावा इसको हम लोग क्विक रूट के नाम से भी मिलता है क्विक रूट तो इसमें क्या होगा उपयुक्त सभी जो आपका इंडोल ब्यूटायरिक एसिड यानी आई बी ए है ये आपका रूटेक्स सेरोडेक्स या फिर रेपिड रूट तीनों के नाम से चारों के नाम से मिलता है तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सेम टू तो सेम ऐसा प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है सही नहीं है ऐसा युग्म आपको पहचान करना है इधर हार्मोन दिए हुए हैं और इन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं वो आगे दिए हुए है. पहले दिया हुआ है एन ए और फलों को जड़ने से रोकना दूसरा आई बी कि कलम में जड़ फूटाने हेतु फिर आपका ए जी जिब्रेलिक एसिड खीरा वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्प बढ़ाने हेतु फिर आपका जिब्रेलिक एसिड यानी कि सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बबली चंदेल तीन उज्जवल सिंह समझ में आ रहा है तो ये इन चार में से आपको यानि गलत तरीके से मिलान किया हुआ जो है 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 उस विकल्प को आपको पकड़ना ठीक है। है? तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो फटाफट से पढ़ो हाँ थर्ड आंसर आने लग गया है और ऐसा क्यों है मैं आपको अभी बताता हूं कि कौन सा सही होगा इसमें धर्मेंद्र नीलम गिरिराज विक्की मनीष बिल्कुल बच्चे जो थर्ड आंसर कर रहे हैं बिल्कुल विद्यार्थियों इसका थर्ड सही है चार उत्तर देने वालों को मैं कह रहा हूं बच्चों ये गलत है तीसरा सही है तो तीसरे में क्यों सही है देखो एनो थ्री और जिब्रेलिका वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है ना कि मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है समझ रहे हो नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी ना कि मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी ध्यान रख लेना ठीक है तो इसलिए ये क्या क्या होगा इसके अंदर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा ठीक है यह प्रश्न आप लोग पढ़ना ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ने के लिए मैं यहां बोर्ड पे छोड़ता हूं है कै? तो ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग देंगे कि भंडारण के समय आलू में फूटान रोकने हेतु तो कौन सा रसायन व्यवसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ना और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगाना इसका सही उत्तर क्या होगा आपका थर्ड आंसर होगा सीआईपीसी इसका सही आंसर होगा सीआईपीसी ठीक है भंडारण के समय आलू में फूटान रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं सी आई पी सी का इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग लगा लेना ठीक है बिल्कुल आ गया हूं अब देखो अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखो कि अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने एवं बीज रहित फल उत्पादन हेतु कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने एवं बीज रहित फल उत्पादन हेतु हार्मोन कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है आई बी ए पांच सौ से 600 सौ पीपीएम जिब्रेलिक एसिड बीस से चालीस पीपीएम एनए दो सौ पीपीएम इथ एक हजार पीपीएम सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल शक्तिमान का उत्तर बिल्कुल थर्ड आ रहा है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन सा प्रश्न सही होगा फिर सेकंड बच्चे उत्तर दे रहे हैं मनु प्रियंका दिनेश गिरिराज आशा पूनम वर्मा बबली अंकित सहदेव बहुत अच्छा तो इसका सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा अपने जिब्रेलिक एसिड अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने हेतु एवं बीज रहित फल उत्पादन के लिए हम अंगूर के अंदर क्या काम में लेते हैं जेब्रेलिक एसिड 20 से 40 पीपीएम अर्थात जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है अगला देखो अगले प्रश्न को आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लेना ट्रिपल स्टार इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार लगवा रहा हूं कि ऑक्जीन एवं इथाइलिन संश्लेषण का क्रमश पूर्वगामी या प्रीकर्सर है ऑक्सीजन एवं इथालीन जो हार्मोन है उनके संश्लेषण का क्रमशः पूर्वगामी कौन से एमिनो एसिड्स हैं? यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं मिथियोन और ट्रिप्टोफेन और मिथियोन ग्लूटामिन इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि ऑक्सीन और इथाइलिन संश्लेषण के पूर्वगामी कौन से हैं विकल्प आपने पढ़ लिए होंगे ठीक है सरल प्रश्न है अच्छे प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों को मैं टाइम टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ ये आप लोगों के समझ में आ रही होगी बात कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर के ऊपर से जा रहे हैं तो सर के ऊपर से जाने वाले प्रश्न है ही नहीं है ये सरल प्रश्न है मेरे पास दो ऑप्शन है एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आपको ऐसे प्रश्न बताता जाऊं कि टमाटर का लाल रंग किससे होता है इस तरह के प्रश्न आपको बताता रहूं तो मेरे को फिर मजा नहीं आता मतलब वो धोखा है आप लोगों के साथ अगर मैं सच्चाई वास्तव में प्रश्न टफ आते हैं वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा तो फिर मैं टाइम पास मेरे पास इतना टाइम नहीं है भी टाइम को खराब करूं और आप सब हजार जो पंद्रह सो लड़के यहाँ पे देख रहे हैं उन सब का टाइम खराब हो तो सही नहीं है तरीका ठीक है 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 तो ये ये अच्छे प्रश्न प्रश्न बहुत काम काम के आपके हमेशा काम आएंगे और परीक्षा में मैं बता रहा हूँ आपको बीस के बीस यहीं से मिलेंगे ठीक है राजेंद्र समझ में आ रही है निधि वेरी गुड तो यहाँ पे सही उत्तर इसका क्या होगा सही उत्तर यहाँ पे बी होगा ऑक्सीन का प्रीकर्स ट्रिप्टोफेन है और का क्या है इथियोन है एक चीज इसमें और ऐड कर देता हूं ट्रिप्टोफेन के संश्लेषण के लिए जिंक जरूरी है और मिथियोन के लिए आपका सल्फर जरूरी है यह और ध्यान रख लेना पोषक तत्व है ठीक है अगला प्रश्न आपका मोटिवेशन है परंतु इस मोटिवेशन से पहले अपना जो काम है इस मोटिवेशन से पहले अपना क्या काम है मोटिवेशन से पहले अपना काम है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और उसके बाद में हम लोग इस मोटिवेशनल कोर्ट को देखेंगे बढ़िया है मजा आ जाएगा ठीक है ठीक है इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है और आप लोगों को लाइक करना है उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं उस मोटिवेशनल कोर्ट को पढ़ रहे हैं ठीक है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है शेयर करना है ठीक है तो शेयर करो और जयपुर राजस्थान से बच्चे बोल रहे हैं यस सभी बच्चे बहुत बढ़िया महेंद्र चौधरी सुनील वीडियो को एक बार लाइक कर लो और एक बार अच्छे से इसको शेयर कर दो और शेयर करोगे सुनील गोस्वामी बिल्कुल ठीक पापा का शक्तिमान डीजे नाइट बच्चे तेरे बोल रहा हूँ शेयर कर एक बार ठीक है शेयर करना है वीडियो को फिर हम आगे मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ एक बार सब लोग स्टेटस लगा लो और आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें फालतू की पंचायती तो करते ही रहते हो और अपना इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करो ताकि थोड़ा जिम्मेदारी वाला काम भी हो जाए समझ रहे हो हाँ ठीक है अच्छे बच्चे हो तो ये दिखाओ भी थोड़ा ठीक है थोड़ा दिखाओ कि हाँ सर हम लोग अच्छे बच्चे हैं अब अगला जो आपके सामने मैं यहाँ पे मोटिवेशन दिखा रहा हूं ये जो गीत है ये एक गीत का छोटा सा हिस्सा है ये आप लोगों ने सुना होगा ये गीत का जो हिस्सा है जो आपका अवा है ना अ का नाम सुना होगा आपने जो अठारह क्रांति में की क्रांति में जो ठाकुर कुशाल सिंह वहां पे जो क्रांति का बिगुल बजाता था तो वहां पे ये गीत उस इलाके में आज भी ये गीत गाया जाता है कौन सा है कि ढोल बाजे चंग बाजे बलो बाजे बांकी एजेंट को मार कर दरवाजे पे टांगियो ठीक है जूझे आजे आल्का में ठावो हिओ अव ये ये जो अउवा जो है जगह इस अवा जगह पे आज भी ये गीत गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे एजेंट को मारकर दरवाजे पे टाकियो आप लोगों ने देखा था कि जो वहां पे वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का वहां पे लड़ने आया था जिसका नाम मैक मेसन था तो ठीक है वहां के क्रांतिकारियों ने उसके सिर को काट करके वहां पे जो दरवाजे पे टाक दिया था तो ये गीत आज भी वहां पे फेमस है तो आप लोग भी याद कर लेना कि मुल्का में ठाओ हीओ आओ यानी कि जो इस जिस आवा को कोई नहीं जानता था वो जो है बहुत से लोग पूरे देश के अंदर इसको सब लोग जानने लगे तो ढोल बाजे चंग बाजे, और बाजे बाकियों एजेंट को मारकर दरवाजे पे टांगियो तो ये आपका यही मोटिवेशन है ठीक है मैं फालतू तो की बात करूंगा नहीं फिर हम प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है फलों को पकाने हेतु तो किस हारमोन का उपयोग किया जाता है ये सरल और आपका बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बार बार जो है आपका प्रश्न पूछा जाता रहता है तो इसका सीधा ही मैं आंसर दे रहा हूं इथाइलिन इथाइलिन हार्मोन से जो है आप लोगों के फलों को पकाने के काम में लिया जाता है ठीक है इथाइलिन जो हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन का फलों को पकाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है ये समझ में आ रहा है बढ़िया ठीक है ठेके? तो ये इथाइलिन ध्यान रखना फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन अगला प्रश्न है आपका अभी मैंने कराया था उससे संबंधित है कि फूलों और फलों को जड़ने से रोकने के लिए आ, कौन से वृद्धि नियंत्रक का छिड़काव किया जाता है अभी आपने एक प्रश्न अगर पुराना ढंग से देखा है तो उसका उत्तर आपको वही मिल जाएगा कि फूलों और फलों को जो प्रीमेच्योर शेडिंग जो होती है प्रीमेच्योर जो ड्रॉप हो जाते हैं कौन से फल और फूल उनको रोकने के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं एसिटिक एसिड एसेट, आ, इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और आपका या, फिर तो और को से रोकने के लिए बिल्कुल जो है हम काम में लेते हैं नेपथलीन एसिटिक एसिड यानी कि एन ए ए सरल प्रश्न था सरल था तो आप लोगों ने तुरंत कर लिया लेकिन ये सरल ऐसे ही नहीं हुआ आपने बहुत बार इसको पढ़ा है तब जाकर के ये सरल वाली श्रेणी में अगला नया प्रश्न आप लोगों को आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में देखो कौन सा रसायन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने यानी कि डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम हेतु उपयोग किया जाता है कौन सा रसायन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने इसको आप लोग लगाओगे इंपॉर्टेंट बहुत बार एओ डबल ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है ध्यान रखना कि कौन सा रसायन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने यानी डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स हेतु उपयोग किया जाता है मेलिक हाइड्रोजाइड एम एच ट्रिपल सी यानी कि साइकोसेल या क्लोरमेक्वाट एसिटिक एसिड एसेट या फिर आपका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका क्या होगा बिल्कुल बीकानेर से प्रणाम करते हैं बीकानेर वाले विद्यार्थियों को नमस्ते लाल सोट वालों को भी नमस्ते अली खान वेरी गुड विक्रम दीपक ये आपको बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या हम लोग बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों का आंसर आने लगे फर्स्ट और डी डी जो है ज्यादा चल रहा है बच्चों का आंसर कुछ सेकंड भी देने सेकंड वालों और डी वालों में कंपटीशन चल रहा है तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं बी नहीं होगा सही आपका होगा फोर यानी कि डी ऑप्शन सही होगा दो नहीं होगा बी नहीं होगा डी होगा कोलची सीन आपका यहां पे सही आंसर है इसको नहीं आता आपको तो इसको लिख लेना ठीक है बढ़िया अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न देखो कि कौन से पादप ऑगजिन के जैविक संश्लेषण यानी बायोसिंथेसिस के लिए जिंक उत्तरदायी है अभी आपने अगर पुरानी लाइनें मेरी सुनी है तो आप लोग कंप्लीट अभी बता दोगे कि कौन से पादप ऑग्जिन के जैव संश्लेषण यानी बायोसिंथेसिस के लिए जिंक पोषक तत्व उत्तरदायी है एन ए ए आई बी ए आई ए ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना बाडमेर से प्रणाम महेंद्र ठीक है तो ये इसका सही उत्तर बताएंगे बच्चे अशोक शोभा बबली मारवाड़ी बिल्कुल मनीष समझ में आ रही बात वेरी गुड इसका सही उत्तर बताएंगे कि कौन से जो पादप हार्मोन जो है इसके बायोसिंथेसिस के लिए जिंक रेस्पॉन्सिबल है बच्चे फर्स्ट आंसर सेकंड उत्तर दे रहे हैं थर्ड उत्तर दे रहे हैं तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं इसमें दो तीन चार बच्चे दे रहे हैं ज्यादातर जो है इसका सही आंसर होगा आई ए ए सारे योगजी कहने को तो लेकिन जो प्राकृतिक ऑक्सीजी कौन सा है प्राकृतिक ऑक्सीजी आपका इंडोल एसिटिक एसिड है तो इंडोल एसिड यानी कि जो है संश्लेषण या फिर बायोसिंथेसिस बाकी तो सबको हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं तो आई ए ए जो है इसके लिए क्या है आपका जिंक आवश्यक है और इसका प्रिकर्सर आपका क्या है आपका ट्रिप्टोफेन है जो मैंने अभी आपको बताया था ठीक है अगला प्रश्न है इस अगले प्रश्न को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाते हुए आप लोगों को बता रहे हैं कि निम्न में से कौन से हार्मोन या फिर रसायनों का प्रयोग खीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु किया जाता है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से हार्मोन या रसायनों का उपयोग खीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु किया जाता है ऑप्शन आपके मेलिक हाइड्रेजाइट जिब्रेलिक एसिड यानी कि टिब्बा और सिल्वर नाइट्रेट सही उत्तर का आपको चयन करना है चार ऑप्शन है आपको पांच हार्मोन या फिर रसायन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से का उपयोग नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु किया जाता है ठीक है तो नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन हम लोग उपयोग करते हैं यह आपको बताना है और ऑप्शन आपके हैं A व ए, B और ए B C और C व ई बी सी और सी डी व ई तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा ये आप लोग अभी बताएंगे ठीक है हाँ नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन से उपयोग में लिए जाते हैं बोलता राम दिल आर्य बेस्टी गुजर विशाल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लाल सोट वेरी गुड तो बच, बच्चे फोर आंसर कर रहे हैं ज्यादातर कुछ सेकंड आंसर कर रहे हैं ठीक है अभी अभी मैं आप लोगों के लिए एक गीत लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी जो भी थकान महसूस कर रहे हैं उनका इलाज उसमें हो जाएगा ठीक है आगे थोड़ा सा आगे एक गीत आएगा बहुत अच्छा सा उस गीत को हम लोग मिलकर के उसको गाएंगे यूं मान लो तो वो थकान मिटाने वाला है ठीक है तो इसमें मैं बता देता हूं तो यहां पे जो सही उत्तर इसका होगा वो क्या होगा एक तो जिबरेलिक एसिड यानी कि बी और एक आपका ई तो बी और ई जो है आपके बी और ई e मैंने अभी बताया था जिब्रेलिक एसिड और आपका सिल्वर नाइट्रेट यानी कि बी और ई e, नर पुष्पों की संख्या बढ़ाते हैं बचे हुए जितने भी है कौन कौन से मेलिक हाइड्रोजाइड और टीबा ये क्या करते हैं मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा बी हो जाएगा पूरी स्लाइड का सबसे टॉप जो टेन क्वेश्चन मान लो उनमें से ये एक क्वेश्चन है पूरा ध्यान रखना इतना बेस्ट क्वेश्चन है ये ध्यान रख लेना थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद एक बहुत अच्छा जो गीत आप लोगों के लिए आएगा वो जो बोल रहे हैं एक एक किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर थोड़ी थोड़ी थकान महसूस हो रही है वो थकान मिटाने का काम करेगा ठीक है वेरी गुड तो बी यहाँ पे सही है अगला देखो अगला प्रश्न है रिच मोन्ड लैंग इफेक्ट अथवा जीर्णता कम करना यानी सेनेसेंस किस हार्मोन का कार्य है रिच मोड लेंग इफेक्ट या फिर जीर्णता कम करना डिलेंग सेनेसेंस किस हार्मोन का कार्य है साइटोकाइनिन एथाइलिन एप्सिसिक एसिड या फिर जिब्रेलिन जो जीर्णता होती है जो पौधों का बुढ़ापा होता है आ, यदुराम धीरज कितने प्रश्न हो गए हैं बिल्कुल मैं बता रहा हूं आप 500 प्रश्न हम लोग करेंगे बीच में हम बताएंगे नहीं कि कितने क्वेश्चन हो गए समझ रहे हो जब 500 होंगे तब जाकर ही हम रुकेंगे यू मान लो प्रियंका प्रकाश मेघवाल गिरिराज बजरंग विशाल एग्रीकल्चर वेरी गुड तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूं आपको जैसा कि आप लोगों का ज्यादा का फर्स्ट आंसर आ रहा है तो साइटोकाइनिन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं और जो आपकी जीर्णता कम करना उसी का काम है अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न देखो परीक्षाओं में आता रहता है कि खीरा वर्गीय सब्जियों में लिंग रूपांतरण हेतु खीरा वर्गीय सब्जियों में सेक्स मोडिफिकेशन हेतु हार्मोन और रसायनों का छिड़काव किस अवस्था पर किया जाता है दो से चार नौ से तेरह पत्ती अवस्था तेरह से सत्रह सत्य पत्ती अवस्था विकल्प आप लोगों ने देख लिए होंगे कि खीरा वर्गीय सब्जियों में सेक्स मोडिफिकेशन के लिए लिंग रूपांतरण हेतु हार्मोन या फिर रसायनों का छिड़काव किस अवस्था पर किया जाता है दो से चार पत्ती अवस्था छह से नौ पत्ती अवस्था नौ से तेरा पत्ते पत्ती अवस्था या फिर तेरा से सत्रह अवस्था इसका इसका उत्तर बच्चे मैक्सिमम दे रहे हैं देखो अंजलि तिलक किरण वेरी गुड फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है इसलिए आप अभी से भी अवेयर रखना मैंने अभी कहा था नर पुष्पों की संख्या बढ़ाना मादा पुष्पों की संख्या घटाना बढ़ाना ये काम ये सारे रसायन हम लोग दो से चार सत्यपति अवस्था पर ही करते हैं अगला देखो कि प्याज व आलू में भंडारण के समय अंकुरण न हो इसलिए तुड़ाई से पूर्व बिफोर हार्वेस्टिंग किस पादप वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है प्याज व आलू में भंडारण के समय अंकुरण न हो इसलिए तुड़ाई से पूर्व बिफोर हार्वेस्टिंग किस पादप वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है मेलिक हाइड्रेजाइड या फिर टी आई ए अर्थात टिब्बा सही उत्तर आपको बताना है कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है फटाफट से कि मेलिक हाइड्रेजाइड साइकोसेल इथेफोन या फिर टिब्बा प्रश्न आपके समझ में आ गया है सरल प्रश्न है रिपीट होता रहता है तो सही उत्तर क्या होगा इसका मेलिक हाइड्रेजाइड को हम लोग जो है अंकुरण ना हो इसके लिए हम काम में लेते हैं अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपके फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है समझना इसको कि यहां पे दो सूची दे रखी है उनको आपको आपस में मिलान करना है इधर रसायन या हार्मोन दे रखे हैं इधर काम दिया हुआ है तो मैं इसको क्लियर करता हूं इधर सबसे पहले दिया हुआ है सी आई पी सी जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्रोफार्म दूसरा है टिब्बा

CIPC का मतलब यानी आलू में रोकने हेतु है करते हैं सही बात टिब्बा का उपयोग तरबूज में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही ए का उपयोग खीरा वर्ग में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु यस और साइकोसेलिया क्लोरमेक्वाट वृद्धि अवरोधक रसायन है अर्थात चारों के चारों क्या है सही है समझ में आ रही है बातें हाँ इसलिए मैंने आपको बता दिया है इसका जो आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा संतोष राजू कुशवा प्रेम समझ में आ रही है बातें बढ़िया वेरी गुड बहुत अच्छा आगे देखो अब अगला ये है कि फल वृक्षों में फल वृक्षों में आफलन की समस्या के निराकरण हेतु तो, पौधों के ऊपरी भाग में देश देश के संग्रह की युक्ति करनी चाहिए फल वृक्षों में अफलन की समस्या के निराकरण हेतु पौधों के ऊपरी भाग में किसके संग्रह की युक्ति करनी चाहिए नाइट्रोजन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फिर फास्फोरस सही उत्तर बताएंगे नाइट्रोजन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फिर फास्फोरस सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा आशा पवार मोनू महेंद्र महेश संजय ये प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए बोलता राम रांची क्या नाम है यस yes. अशोक अमित यादव वेरी गुड तो बच्चे आंसर जैसा कि थर्ड देने लगे हैं तो बिल्कुल इसका थर्ड आंसर सही होगा कि पौधे के ऊपरी भागों में कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा मात्रा में है तो ही फलन अच्छा होगा नाइट्रोजन हमेशा कम होना चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट या फिर सी एन अनुपात कितना होना चाहिए तीन अनुपात दो उपयुक्त रहता हमेशा तो कार्बोहाइड्रेट ही फलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रश्न है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों को बिल्कुल आज बेस आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा ये अपनी गारंटी है कि पौधों में मादा का अलग-अलग समय पर परिपक्व होना क्या हो रहा है इस शब्दावली को क्या कहते हैं भिन्न काल पक्वता विषम हेटेरोस्टाइली एंड्रोमोनोसी या फिर यानी इनिबिलिटी सही उत्तर बताना है कि डायको कहेंगे, विषम प्रतिकात्म कहेंगे है ना या फिर अपना एंड्रोमोनोसी या फिर असंगतता यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मान लो क्या इसका सही उत्तर होगा ठीक है सचिन अक्षय नरेंद्र दिलीप मोनू रोहित धीरज सही उत्तर इसका बताना है कि इसको क्या बोलेंगे हम विक्रम बोलताराम अनीता धीरज पूजा वेरी गुड फर्स्ट आंसर आने लग गया है तो बिल्कुल तो -फट तो नरबाग पहले परिपक्व हो जाता है उसे हम लोग प्रोटोहेंड्री कहते हैं मादा भूग पहले परिपक्व हो जाता है फूल उसे हम प्रोटोगा कहते हैं तो यहाँ पे इस शब्द को हम क्या कहते हैं नरबाघ का और मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना डाइकोगेमी कहलाता है अगला प्रश्न पूरा एनसीआर से उठाया हुआ है देखो कि कौन सा अफलन का आंतरिक कारक नहीं है कि निम्न में से कौन सा अफलन का इंटरनल फैक्टर आंतरिक कारक नहीं है असंगतता इनकम्पेटिबिलिटी स्वंध्यता सेल्फ स्टेरिलिटी संकरीकरण यानी हाइब्रिडिटी रोग और कीटों का प्रकोप अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बिल्कुल विशाखा मीणा वेरी गुड एग्रोनॉमी की क्लास कराई जाए बिल्कुल एग्रोनॉमी की क्लास मुकेश जाट बिल्कुल करवाई जाएगी अजय नींद आ रही है तो नींद का इलाज अभी मैं बता रहा हूं मैं कह रहा हूं अगला जो गीत आ रहा है ना वो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो एक कविता है उससे लिया गया है और एकदम माहौल बनाने वाला गीत है ठीक है तो अभी दो पांच क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं उसके तुरंत बाद में इसका सही उत्तर फोर दे रहे हैं बच्चे तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका फोर बाकी सभी के सभी आंतरिक कारक हैं ये रोग और कीटों का प्रकोप आपका क्या है बाह्य कारक है ठीक है अब देखो आगे नर और मादा का अलग-अलग पौधों पर पाया जाना क्या कहलाता है नर और मादा फूलों का या अंगों का अलग अलग पौधों पर पौधे ही यहां पे विद्यार्थियों अलग हो रहे हैं उस केस को हम क्या कहेंगे द्विलिंगाश्रयता यानी कि मोनोसी एक लिंगाश्रयता यानी कि डायोसी विषम वृत्तिकात्व यानी हेटेरोस्टाइली स्वबंध्यता यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी इसको हम लोग क्या कहेंगे ये बताना है ठीक है वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है शेयर करने का वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे तो ही जाकर के हम लोग माहौल बना पाएंगे ठीक है यस yes, तो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे अभी मैं टाइम दूंगा आपको अभी नहीं तो और पांच मिनट रुको अभी टाइम दे रहा हूं फिर आप लोग तीस सेकंड रुक के वीडियो को शेयर करोगे फिर हम वो कविता पढ़ेंगे ठीक है तो ये नर्मदा अंगों का अलग अलग पौधों पर पाए जाने वाली कंडीशन को विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट तो समझना उसको हम डायोसी कहते हैं एक लिंगाश्रहिता कहते हैं ठीक है द्विलिंगाश्रयिता या मोनोसी किसको कहते हैं एक ही पौधे पे अलग अलग जगह पे पाए जाने को और अलग अलग पौधे पे पाए जा रहे हैं उस केस को हम क्या कहते हैं डायोसी या फिर एक लिंगाश्रयिता ठीक है इसको क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आए तो अब देखो अगला प्रश्न है कि बैंगन में साधारणतः फलन जो होता है उन पुष्पों पर होता है जिनमें होती है बैंगन में साधारणतः जो फ्रूट सेटिंग होती है उन पुष्पों पर होती है जिनमें होती है क्या लंबी वृत्तिका होती है मध्यम वृत्तिका होती है छोटी वृत्तिका होती है लंबी और मध्यम वृत्तिका दोनों पे फलन होता है सच आपको बताना है बहुत बढ़िया विशाखा मीणा वेरी गुड ईश्वर गुजर संजय संजय डबरिया थैंक यू सो मच बोलता राम वेरी गुड प्रीति पवन कुमावत रेखा चौधरी वेरी गुड मंजू शाबाश इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे कि बैंगन के अंदर जो फ्रूट सेटिंग बैंगन में अलग अलग तरह के फूल आते हैं आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है मैंने पढ़ाया होगा जो मेरे से पढ़ा है उन सबको तो पता ही होगा तो यहाँ पे किस पे फ्रूट सेटिंग होती है जैसा कि बच्चे बता रहे हैं फोर्थ आंसर होगा तो लंबी और मध्यम दोनों तरह के जो व्रतिका वाले फूल होते हैं मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि बैंगन में चार तरह की वृतिका के फूल आते हैं लंबी मध्यम छोटे और आबासी तो ज्यादातर जो फलन होता है वो लंबी और मध्यम वाली में होता है सर्वाधिक बाकी फलन, फलन दोनों पे होता है और जो छोटी और आभासी वाली वृतिका होती है उन पे फलन नहीं होता है क्लियर गुड अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पोषक तत्व के बढ़ने से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है सरलतम प्रश्न आता होगा आपको कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन कैल्शियम और फास्फोरस तो मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं कि नाइट्रोजन अगर आपने आवश्यकता से ज्यादा दे दिया है तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि ही बढ़ेगी पौधे का आकार बढ़ता जाएगा परंतु फलन नहीं आएगा फलन बहुत कम आएगा तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बढ़ने से पौधों की वनस्पतिक वृद्धि आपकी बढ़ती है अभी मैंने एक चीज क्लियर की थी वापस देखो इसको कि फल वृक्षों में फलन हेतु उत्तरदायी होता है यस yes, फल वृक्षों में फलन हेतु उत्तरदायी होता है सीएन अनुपात सल्फर बोरोन प्रोटीन सीएन अनुपात सल्फर बोरोन और प्रोटीन तो फल वृक्षों में अच्छे फलन हेतु क्या उत्तरदायी होता है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा आप लोगों को बताना है यस कृष्णा दीपक फटाफट से उत्तर बताए कमलेश नरेश वेरी गुड बच्चे से सही आंसर आने लगे कि सेकंड होगा मेजोरिटी जो कह रही है कि फर्स्ट होगा तो बहुमत वाले बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट आंसर होगा और बहुमत जो है उसके साथ में मैं अपना भी उत्तर आपको बताते हुए सही बता देता हूं तो बहुमत के साथ में मैं भी रहता हूं तो सी एन अनुपात आपका इसका सही आंसर होगा ठीक है सही उत्तर क्या होगा फर्स्ट बिल्कुल ठीक ठीक है गुड आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के प्रश्न को पढ़ता हूं मैं और ये आया हुआ प्रश्न है अभी मैंने आपको बताया भी था कि बहुत से पौधों में पुष्प की वृतिका की लंबाई असमान होती है इसे विषम वृतिकात्व अथवा हेटेरो स्टाइली कहते हैं इसका अच्छा उदाहरण है तो यहाँ पे बहुत से पौधों में पुष्पों की वृत्तिका जो होती है स्टाइल की लंबाई असमान होती है इसे विषम वृतिकात्व कहते हैं इसका अच्छा उदाहरण है बैंगन केला पपीता और आंवला विषम वृत्व जो है आपका इसके अंदर जो है बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है ये बताना है आपके आंसर आ रहे हैं सत्येंद्र देवेंद्र देवेंद्राम रोहित पूजा गिरिराज मोनिका वेरी गुड जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं हैं वो फर्स्ट फर्स्ट तो मैं यहाँ पे बिल्कुल के साथ में मैं भी जाता हूँ और फर्स्ट को करेक्ट कर देता हूँ फर्स्ट के अंदर जो है बैंगन में विषम वृत्व पाया जाता है अभी मैंने बताया भी था कि लंबी और मध्यम वृत्तिका के ऊपर सबसे ज्यादा फलन आपका होता है अगला प्रश्न है कि वह अवस्था जब फूल खुलता नहीं है जिसके फलस्वरूप स्वपरागण होता है कहलाती है वह अवस्था जब फूल खुलता ही नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है स्वपरागण होता है यह कहलाती है डाइकोगेमी हरकोगेमी क्लिस्टोगेमी या फिर कैजमोगेमी रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी अवस्था जब फूल आपका खुलता नहीं है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपके स्वपरागण होता है डाइकोगेमी हरकोगेमी क्लिस्टोगेमी या फिर आपका केज़मोगेमी सही आंसर बताना है कि लवेंद्र चौधरी बोलताराम विशाखा सहदेव अनु रूपम धीरज फटाफट से आंसर बताएंगे बच्चों के सेकेंड आंसर आना चालू हो गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना आंसर आंसर आ रहा है ज्यादातर बच्चे थ्री बंद होगा? होगा। है, तो रहते हैं और फूल जब खुलते ही नहीं है तो वो परागकण बाहर भी नहीं जाते हैं, और वहां अंदर भी कोई दूसरे जो पोलन ग्रेन है वो नहीं आते हैं तो ऐसे केस में हमेशा पोलिनेशन होता है इसको हम क्लिस्टोगेमी या फिर आपका अनुमिलता कहते हैं ये अंगूर के अंदर पाई जाती है गेहूं के अंदर पाई जाती है ठीक है अगला प्रश्न देखो फिर से आया है ये तो आपके क्लियर हो जाएगा कि एक प्रश्न कितने अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है ठीक है हाँ मैं तुम्हारा भी नाम लूंगा सबका कि बैंगन में परागण होता है इसका क्या कारण है ये बैंगन वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार आ गया है द्विलिंगाश्रयता यानी मोनोसियस कंडीशन के कारण एक लिंगाश्रय यानी डायोसिस के कारण विषम वृत्ति कात्व यानी हेटेरोस्टाइली के कारण स्वयं असंगतता यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण तो सही आपको आंसर देना है कि बैंगन में पर परागण किस कारण से हो रहा है यह प्रश्न तीसरी बार अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है थरकी मारवाड़ी समझ में आ रही तुम्हारे जो थरकी मारवाड़ी बच्चे आंसर दो बेटा ठीक है हाँ अनु बोलता राम वेरी गुड तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल थर्ड हो जाएगा विषम वृत्तिकात्व यानी हेटेरोस्टाइली के कारण बैंगन के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है अगला देखो अगला क्वेश्चन है पोलिनाइजर्स क्या होते हैं पोलिनाइजर्स आपको बताने हैं कि पोलिनाइजर किसे कहते हैं कि पोलिनाइजर क्या है पराग देने वाले फल वृक्ष नुकसान पहुंचाने वाले कीट वायु अवरोधी पेड़ या फिर एंटीबर्डनेट सही क्या इसका उत्तर होगा वो आप लोगों को यहाँ पे पहचानना है कि पोलिनाइजर्स क्या होते हैं अभी उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम तो देने वाले वृक्षों को कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं वायु अवरोधी पेड़ होते हैं या फिर एंटी बर्ड नेट होती है तो पोलिनाइजर्स आपको बताना है कि क्या होता है मनीषा देवेंद्र रोहित माँ का लाडला वेरी गुड सभी लाडले बच्चों उत्तर दो सही ठीक है अंकित गीता शाबाश तो इसका सही उत्तर क्या जैसा कि दे रहे बच्चे पोलिनाइजर्स क्या होते हैं ये पोले, पोलन ग्रेन की सप्लाई करने वाले प्लांट्स होते हैं परागकण देने वाले फल वृक्ष होते हैं तो आपको ये फर्स्ट जो है ऑप्शन टिक करना है ये आ जाएगा प्रश्न तो आप लोग ध्यान रखना अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि फल वृक्षों में अच्छे फलन हेतु उपयुक्त कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होना चाहिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात तीन अनुपात दो के रेशियो में होना चाहिए ये इसको टाइम खराब नहीं करेंगे ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था तो अच्छी बात है तीन अनुपात दो होगा क्या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात उपयुक्त कितना होना चाहिए अच्छे फलन के लिए तीन अनुपात दो होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी मैंने बताया था इसमें भी मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा अभी था कि अननुल मिल्यता यानी कि क्लिस्टोगेमी स्थिति सुनिश्चित करती है अभी प्रश्न पढ़ा था आपने क्लिस्टोगेमी स्थिति क्या सुनिश्चित करती है स्वपरागण परपरागण बैक क्रॉस या फिर इनमें से कोई नहीं अभी मैंने कहा था क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है कि फल हमेशा कि ऐसे फूल जो हमेशा बंद रहते हैं उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं क्लिस्टोगेमी और जब फूल बंद ही रहेंगे तो कौन सा परागण होगा स्व परागण होगा नर और मादा को एक ही कमरे में मतलब कमरे में एक ही फूल के अंदर बंद जो हो जाएगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे स्व परागण हम लोग इसमें इसमें स्व परागण होना क्या है स्वाभाविक है अगला देखो अगला सरल प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई कहाँ स्थित है अर्थात नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है बेंगलोर में है कोयम्बूर में है लखनऊ में है या फिर कालीकट में है ठीक है बेंगलोर कोयम्बूर लखनऊ या फिर कालीकट इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा सही उत्तर फटाफट सही बैटरी चार्ज लगाओ बैटरी अभी चार्ज लगाते हैं तुम्हारी बैटरी अभी विद्यार्थियों चार्ज लगाते हैं प्रकाश शिशिर ठीक है तो इसका राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहां है स्थित बच्चे फर्स्ट आंसर कर रहे हैं थर्ड आंसर देने लगे हैं तो ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा बिल्कुल थर्ड तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड तो ये एन बी आर आई कहा स्थित है लखनऊ के अंदर स्थित है प्रश्न बहुत रिपीटेडली पूछा जाता रहता है बहुत रिपीटेडली पूछा जाता रहता है, ठीक है अगला प्रश्न देखो किस प्रकार से अब जो इंस्टीट्यूट है कुछ इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है ना यह वाला अब अपना लेक्चर चल रहा है तो पांच सात इंस्टीट्यूट क्या हैं? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अर्थात नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस कहां स्थित है कालीकट केरल के अंदर पुत्तूर कर्नाटक के अंदर बापतला आंध्र प्रदेश के अंदर तबीजी अजमेर में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट ये कहां पे स्थित ये आपको बताना है बच्चे फोर्थ आंसर दे रहे हैं बिल्कुल जेवंती रूपम टीना मनीषा सभी का सभी का नाम ले रहा हूं बच्चों सभी का नाम यस सागर सहदेव तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा है? जी अजमेर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला जो है ठीक है अगला जो अगली जो अपनी अब अब कविता आ चुकी है अब अगला जो अपने क्या मोटिवेशन वाला पार्ट आ चुका है जो बच्चे बोल रहे हैं नींद आ गई है उनका पार्ट है परंतु एक शर्त है उससे पहले वो है वो वीडियो को शेयर करने की करनी। अब अपनी मोटिवेशन वाला पार्ट आ चुका है हर अपन 20-25 प्रश्नों के बाद में कुछ और कुछ मोटिवेशन वाला और मोटिवेशन भी आपका क्रांतिकारी मोटिवेशन अपन ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ पड़ रहा से कॉपी पेस्ट कर लिया है सारा का सारा मैटर रिसर्च करके डाला हुआ है ठीक है तो अब जो थक चुके हैं उनके लिए एनर्जी की टेबलेट है मान लेना आप लेकिन शर्त यह है कि मैं पांच सात सेकंड दस सेकंड का टाइम दे रहा हूं उसके अंदर जो है उसके अंदर आपको वीडियो को शेयर करना है स्टेटस लगाओगे व्हाट्सएप वगैरह पे और व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह जितने भी आप लोग चलाते हो ये गीत है बिल्कुल ये गीत है ये वही गीत है जो हम अभी साथ में मिलकर गाने का प्रयास करेंगे कि उस गीत की पंक्तियां हैं आप जो है फटाफट इस वीडियो को शेयर कर लो तब तक मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं दस सेकंड का ठीक है गुड बिल्कुल नींद उड़ जाएगी आपकी गीत है बढ़िया सा है जोश बनने वाला गीत है लेकिन देखो कितनी परफॉर्मेंस रह पाती है वो बाद की बात है लेकिन गीत बड़ा तकड़ा ही है ठीक है वीडियो को शेयर कर दिया आप सभी ने शेयर कर दिया है वेरी गुड वीडियो को शेयर अगर कर लिया है विद्यार्थियों तो अब हम जो है अब हम गीत गाएंगे और गीत सुन के जाएंगे खानसर ठीक है तो बच्चों विद्यार्थियों ये जो है अपना ठीक है सभी ने शेयर कर दिया है तो अभी हम जो है अभी हम जो है ये गीत ये रामदारी सिंह दिनकर जो है रामदारी सिंह दिनकर की जो तर्पण नामक जो रचना है उससे उठाया हुआ गीत है तो ये मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूं आप सबको लो है जो है लय ताल बजानी है और तालियां बजानी है ठीक है तो ये गीत अपना इस प्रकार से है कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है तो विद्यार्थियों आपको थक कर बिल्कुल नहीं बैठना है क्योंकि मंजिल अपनी दूर नहीं है ठीक है जनरली क्या होता है कि लक्ष्य के पास में हम लोग जाते हैं और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देख करके हम क्या करते हैं आप लोग छोड़ देते हैं उस चीज को तो मंजिल दूर नहीं है थक करके हमको नहीं बैठना है फिर आप वापस उठ खड़े हो नए प्रश्नों के साथ में ठीक है अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है अगला प्रश्न इस प्रकार से ही है पहले आया हुआ क्वेश्चन है अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि आई जयपुर की, की स्थापना किस देश के तकनीकी सहयोग से की गई है ए के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपके जयपुर में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका इंटरनेशनल और जहां पर किसानों की बड़े बड़े कर्मचारियों वगैरह की ट्रेनिंग होती रहती है विद्यार्थियों उसमें आप लोगों को बताना है इजराइल और जापान नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया इजराइल और जापान आपको बताना है कि किस देश के टेक्निकल सपोर्ट से जो है इसकी स्थापना की गई है ठीक है बच्चे इजराइल के ऊपर ज्यादा बच्चों का ध्यान केंद्रित है बच्चों का ज्यादा इजराइल के ऊपर ध्यान केंद्रित हो रहा है सुरेश मनीष संतोष राहुल योगेश लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा फर्स्ट भी बच्चे उत्तर दे रहे हैं तो फर्स्ट इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड नीदरलैंड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है प्रश्न रिपीट हो सकता है पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले अगला प्रश्न है कि पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च कहाँ स्थित है नई दिल्ली बेंगलोर पुणे और मैसूर कर्नाटका आपको बताना है पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च कहाँ स्थित है ठीक है राजेंद्र रमेश सैनी विक्रम पशुपालन सहायक राजस्थान बच्चे बता रहे हैं कि ये कहां पर स्थित है बोलता रहा हूँ तो ये जो आपका वाह बेटे मैं डांस करूंगा यूं जूत पड़ेंगे मैं मैं तुम लोगों को नचाने का मेरा काम है मैं थोड़ी ना मैं आप लोगों को गीत सुना रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे मुजरा भी करने लग जाऊं ऐसा थोड़ी पॉसिबल है तुम ऑफलाइन में आके देखना फिर देखना कैसे नचाता हूं मैं ठीक है तो पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जो है आपके प्यारे बच्चों वो कहा स्थित है वो आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है पहले दिल्ली था अब उसका यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है पुणे महाराष्ट्र में ठीक है, है पुणे महाराष्ट्र में ध्यान रखना पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणा महाराष्ट्र में स्थित है पुणे में ठीक है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है देश की एकमात्र हॉर्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है ये, ये कहाँ है केसरगोड केरल में है नोनी हिमाचल प्रदेश के अंदर है करनाल हरियाणा में है या फिर मेरठ उत्तर प्रदेश में है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है कैलाश आशा यस नि, यस निहारिका लॉरेंस चौधरी यस yes, पूजा दिलकुश जाट हितेश पूनम वर्मा वेरी गुड बच्चे इसका उत्तर बताएंगे कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहां स्थित है ये कहां है दिलकुश यस yes, बताओ बच्चों ये दूसरा बच्चे सही बता रहे हैं तो ये इसका आंसर क्या होगा नोनी हिमाचल प्रदेश नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आता रहता है क्यों आता रहता है क्योंकि देश की एकमात्र हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है अगला प्रश्न है जो सरल है परंतु आएगा परीक्षा में केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है जोधपुर राजस्थान इसको हम लोग बोलते हैं सी आई ए एच सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहा स्थित है जोधपुर राजस्थान कच्छ गुजरात बीकानेर राजस्थान भावनगर गुजरात कहां स्थित है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान आंसर बताएंगे बच्चे कच्छ गुजरात में बीकानेर राजस्थान के अंदर भावनगर गुजरात या जोधपुर राजस्थान चुन्नी लाल स्थित है बताओ देखे गिरिराज थर की मारवाड़ी तुम भी बता दो एक आधा आंसर है वेरी गुड हाँ, सर जोधपुर में बिल्कुल बेटे तेरे सही नहीं हो रहा आंसर तेने मेरे तीन चार तेरे आंसर नोट कर लिए सही तो नहीं हो रहा कि जोधपुर में नहीं है ये कहाँ पे है ये बीकानेर में स्थित है इसको इंपोर्टेंट लगा लेना और बीकानेर में जोधपुर में क्या है जोधपुर में आपका काजरी है ठीक है जोधपुर में आपका काजरी है ये आपका बीकानेर के अंदर स्थित है आता रहता है प्रश्न ध्यान रखना इस बात अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है चार इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है आगे कहां स्थित है आगे स्थित जगह का नाम है तो आई आई एच आर हॉर्टिकल्चरल रिसर्च हसरगट्टा बेंगलोर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च आई आई एस आर केसरगोड़ केरला में है आई आई वी आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में आई ए आर आई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इसको आप आई ए आर आई मत करना इसमें जो यस yes, तो आई ए आर आई आपका जो है बिल्कुल ठीक है नई दिल्ली इसमें आपको सही बताना है कि स्थित अच्छा है है अच्छा क्वेश्चन अच्छे पकड़ में नहीं आएगा ये आई आई एच चार हसरगट्टा बेंगलोर आई आई एस आर केसरगोड केरल दूसरा जो है आई आई वी आर वाराणसी आई ए आर आई नई दिल्ली ठीक है वेरी गुड ठीक है शिवानी बुद्धि प्रकाश संतोष प्रकाश सुरेश अनीता, वेरी गुड सेकंड आंसर आ रहा है और ये ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केसरगोड़ में नहीं है तो केरल में परंतु केसरगोड़ नहीं कालीकट केरल के अंदर है कालीकट जो है वहां पे भारतीय जो है आ, मसाला अनुसंधान संस्थान आपका कालीकट में है केसरगोड़ में नहीं है इसलिए क्या इसका सही होगा इसलिए आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा अगला जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार से है अगला प्रश्न ऐसे है कि अमरूद की बीज रहित किस्मों पर किस प्रकार के फल आते हैं सरल और बेस्ट क्वेश्चन है अमरूद की जो सीडलेस वेराइटीज होती है जैसे आपकी लखनऊ सीडलेस है जैसे आपकी बेहत कोकोनट है इनमें किस तरह के आ, 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 आपके पूर्णतया बीज रहित यानी कंप्लीटली सीडलेस आंशिक बीज रहित यानी पार्टली सीडलेस और एक और दो दोनों से या फिर पूर्णतया बीज रहित आपको बताना है कि अमरूद की बीज रहित किस्मों पर किस प्रकार के फल आते हैं नरेंद्र संजय अक्षय प्रियंका राजेश प्रीति नरेंद्र कमलेश ठीक है राजस्थानी प्रेम वेरी गुड तो यहाँ पे सही बताना है बच्चों हाँ मैं टाइम दूंगा दो मिनट का टाइम दूंगा अभी दूंगा ठीक है दो मिनट का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा इसका सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों बच्चे मैक्सिमम इसका इसका थर्ड आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब समझो कि अमरूद की कुछ किस्में हैं जो क्या है बीज रहित तो उनको कहा जाता है ठीक है बीज रहित का मतलब ये हुआ कि उनमें जो फल आएंगे ना जैसे ये पौधा है किसका है बेहद कोकोनट किस्म का है अमरूद की बीज रहित किस्में उसपे फल दो तरह के आएंगे कौन से आएंगे कुछ फल तो ऐसे होंगे जिनके अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है यानी कंप्लीटली सीड रेलेस है कुछ भी नहीं है दूसरे फल ऐसे आएंगे कुछ कुछ फल जिनमें एक आधा आपको बीज मिल सकता है कुछ कुछ बीज मिल सकते हैं इसलिए ये प्रश्न जेर एफ वगैरह में बहुत पूछा जाता है कि बीज रहित किस्मों में किस प्रकार के आपके फल आएंगे तो आपके पूर्णतया बीज रहित या फिर आंशिक बीज रहित दोनों तरह के इसके अंदर क्या आते हैं इस तरह के आते रहते हैं दोनों तरह के फल आते हैं अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न है कि अमरूद से हम लोग जेली बनाने में अमरूद से या अवले या जेली बनाने हैं तो सबसे उपयुक्त फल है या इसको यूं याद रखेंगे कि अमरूद जेली बनाने हैं तो सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि ऐसा क्यों है कि अमरूद ही सबसे अच्छा फल है यह अम्ल का अच्छा स्रोत होता है यह पेक्टिन का अच्छा स्रोत होता है यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है यह रेसा यानी कि फाइबर का अच्छा स्रोत है अमरूद से हम लोग जेली सबसे बढ़िया बनाते हैं सबसे अच्छी जेली बनती है क्यों इसका कारण है दुर्गेश कुमार ठीक है सुरेश राजेश सहदेव गिरिराज बोलता राम रंजीत बुद्धि प्रकाश राजू समझ में आ रही है ऐसा क्यों है कि अमरूद की ही सबसे बढ़िया जेली बनती है तो आप लोग उत्तर दे रहे हो सेकंड बहुत अच्छा तो सेकंड उत्तर दे रहे हो वो सही दे रहे हो कि यह पैक्टीन का अच्छा स्रोत होता है अमरूद के अंदर पैक्टीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसीलिए हम लोग इसके इसको जेली बनाने के लिए उपयोगी लेते हैं उपयोग में लेते हैं सबसे बढ़िया जो है इसके अंदर पैक्टीन पाया जाता है अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अमरूद वाले प्रश्न ही अपने चल रहे हैं अमरूद वाले प्रश्नों में राजस्थान में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है या फिर कहाँ स्थित है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ फॉर गुआवा खेमरी धोलपुर छत्रपुरा बुंदी देवड़ावास टोंक या फिर बस्सी आपका जयपुर जो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में है चत्रपुरा बूंदी में है देवड़ावास टोंक में है या फिर आपका बस्सी जयपुर में है ठीक है सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं कि कहां होगा प... यस थर्ड आंसर दे रहे हैं बच्चे आंसर देने लगे हैं यस yes, नारायण सिंह सहदेव सौरभ उपेंद्र मोहित चुन्नीलाल रोहित शिवानी नरेश मोंटू वेरी गुड तो बच्चे बिल्कुल अच्छी बात है कि आप लोग सही उत्तर दे रहे हो देवड़ावास टोंक नामक जो जगह है वहां पे आपका अमरुद उत्कृष्टता केंद्र स्थित है देवड़ावास टोंक में ठीक है तो देवड़ावास टोंक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक अगला प्रश्न देखो अमरूद से ही है क्या है सरल है इसको मैं फटाफट से ही बता दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा कि अमरुद का व्यवसायिक प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है ये हमने प्रवर्धन वाले चैप्टर में देख लिया था ऑप्शन इतने सारे दे रखे हैं परंतु सही ऑप्शन क्या होगा आपका ढेरी दाब यानी कि माउंट या फिर स्टूलिंग माउंट या फिर स्टूलिंग या स्टूल लेरिंग से जो है अमरूद का व्यवसायिक प्रवर्धन किया जाता है ये हमने बहुत बार पढ़ लिया था इसलिए इसको हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं इसका ध्यान रख लेना अगला प्रश्न ये भी हमने देखा था कि लेकिन फिर भी लैंग्वेज वापस देखो ऐसा प्रश्न आ सकता है मिडो और चार्ट अमरूद के पौधों को अत्यधिक सघन रोपण अत्यधिक सघन रोपण करने की विधि है इसमें पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं ये हमने पढ़ा हुआ प्रश्न था मेडो ऑर्चार्ड में अमरूद के पौधों को अत्यधिक सघन रोपण यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की विधि है इसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी हम कितने रखते हैं दो इंटू एक मीटर रखते हैं इंपॉर्टेंट लगा लेना ये पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इस प्रश्न के किसी दूसरे रूप में इसको हल करके देखा था और ऐसे भी कहा था कि पांच जो है इसके अंदर पांच पौधे एक हेक्टर में लगते हैं ठीक है, है? बढ़िया गुड अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आता रहता है परीक्षा में अमरूद में फलन कौन सी शाखाओं पर होता है ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ देखो आईसीआर के अंदर एओ डब्ल्यू में आते रहता है कि कौन सी शाखाओं पर फलन होता है एक वर्ष पुरानी शाखा पर यानी कि वन ईयर ओल्ड ब्रांचेस दूसरा दो वर्ष पुरानी शाखा पर टू ईयर ओल्ड ब्रांचेस चालू मौसम वृद्धि शाखा पर यानी करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस तीन वर्ष पुरानी शाखाओं पर यानी थ्री इयर्स ओल्ड ब्रांचेस बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आप ही गए होंगे दिनेश कुमार संजय राजे राजस्थानी हेमंत समझ में आ रहा है बच्चे का बी आंसर आ रहा है पवन सुमन नारायण सौरभ ठीक है वेरी गुड कमलेश सहदेव कृष्णा बच्चों का थर्ड आंसर आने लग गया है तो थर्ड आंसर ए आंसर दे रहे बिल्कुल मैं आपकी हां में हां मिलाते हुए इसको जो है सही टिक लगा देता हूं जो नए सीजन की ग्रोथ होती है जो करंट सीजन ग्रोथ होती है यानी चालू मौसम की जो शाखा वाली जो वृद्धि होती है यानी अभी कांट-छांट की है और नई-नई फटान हुई है अभी-अभी इसी साल की जो नई शाखाओं पर हमेशा फूल और फल आते हैं अमरूद के अंदर गुड अब आपको असत्य कथन को पकड़ना है कि कौन सा असत्य कथन है निम्न में से कौन सा असत्य कथन है अमरूद के बारे में चार चीजें लिखी हुई है उनमें से एक गलत है तीन सही अमरूद दो सौ निन्यानवे मिलीग्राम पर 100 ग्राम का अच्छा स्रोत है यानी कि अमरूद विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अमरूद में बाहर नियमन या बाहर नियंत्रण या क्रॉप रेगुलेशन हेतु तो, आई का उपयोग किया जाता है अमरूद को उष्ण जलवायु का सेब कहते हैं ऑफ ट्रॉपिक्स अमरूद को सामान्यतः छह इंटू छ मीटर की दूरी पर लगाया जाता है इनमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन असत्य है पहला है अमरूद विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अमरूद में बाहर नियमन हेतु आई बी ए का उपयोग करते हैं अमरूद को उष्ण जलवायु का सेब कहते हैं अमरूद को सामान्यतया छह इंटू मीटर की दूरी पर लगाया जाता है बच्चा बोल रहा है पहली बार मेरा सही हुआ है तो वेरी गुड कौन सा सही हुआ है देखो बताओ बच्चे अभी तीन आंसर बता रहे हैं ठीक है अभी तीन सेकंड में मेजोरिटी है सेकंड में मेजोरिटी इसलिए है बिल्कुल ठीक वेरी गुड अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस है आज आप लोगों ने कठिन प्रश्न होने के बावजूद जो जो दिखाई है जो साहस आप लोगों ने दिखाया है ना ये बड़ी बात है ठीक है आप लोग अब भी बने हुए हो ये इस बात का घोतक है कि आप लोग वास्तव में नई चीजें जो सीखने के प्रति जो है आपके अंदर कितनी ललक है ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा मेरे को ठीक है गुड तो यहाँ पे ये देखो सेकंड जो है सेकंड इसका सही किस लिए है क्योंकि बाहर नियमन के लिए सामान्यतः हम लोग एन ए ए काम में लेते हैं एसिड ना कि हम लोग आई बी ए लेते हैं इसलिए जो है बी सही है बाकी जो है सारे के सारे क्या है इस केस के अंदर सही है अमरूद के संबंध में और ये कथन आपका गलत है आंसर इस प्रश्न का ये सही है आगे देखो इसको इम्पोर्टेंट लगाओ देखो तीनों बहारों को एक ही प्रश्न में सेट कर लिया गया है कि बहार का नाम अमरूद के अंदर और फूल आने का समय कि किस टाइम पे फूल आते हैं अंबे बहार के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर आते हैं क्या मृग बहार में जून जुलाई में हस्त बहार में फरवरी मार्च सही विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा यहाँ पे सही विकल्प आपका होगा ठीक है तो मैं आपको सीधा बताऊंगा कि इसमें सही कौन सा होगा कि अंबे बहार में फूल कब आते हैं तो अंबे बहार में आप सभी को पता है कि अंबे बहार में फूल कब आएंगे तो फटाफट मुझे आंसर देंगे फिर मेरे को तो पता नहीं है शिवानी महेंद्र वेरी गुड तिलक सोमेश फटाफट से आंसर बताओ कि इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा है ना तो यहां पे देखो कि आपका अंबे बहार जो है अंबे बहार में कब आते हैं ठीक है तो मैं बता देता हूं आपको कि अंबे बहार में आपको मैंने बताया अम्बे बहार का मतलब क्या है आम से संबंधित है आम में फूल कब आते हैं फरवरी मार्च में आते हैं इसीलिए इसका नाम क्या हो गया अम्बे बहार हो गया तो अम्बे बहार में फूल कब आते हैं फरवरी मार्च में तो फर्स्ट के अंदर कौन सा हो गया फर्स्ट के अंदर थर्ड हो गया फिर मृग बहार में कब आते हैं फूल तो मृग बहार में आपके कब आ रहे हैं जून जुलाई में आएंगे तो जून जुलाई ये मृग बहार हो गई आपकी इसके अलावा जो है आपका अगला है हस्त बहार सितंबर अक्टूबर तो ये तो सही उत्तर क्या हुआ आपका तीसरा वापस इसको सही से देखो कि अम्र फजूसी मैंने ट्रिक बता रखी है आपको अम्र ठीक है अम्र फजूसी यानी अम्र फजूसी ये ट्रिक अगर आप लोगों को याद हो गई है अम्र और फजूसी अगर आप लोगों को ट्रिक याद है अम्रह फजूसी यानी अम्बे में कब आएंगे फरवरी मार्च मृग में कब आएंगे जून जुलाई हस्त में कब आएंगे सितंबर अक्टूबर के अंदर आएंगे तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लेना ठीक है ठीक है वेरी गुड अगला प्रश्न देखो बढ़िया से है ये आपको सीधा आ जाना चाहिए कि अमरूद में बाहर नियंत्रण क्रॉप रेगुलेशन या बाहर रेगुलेशन के लिए किसका छिड़काव करते हैं टू फोर डी प्लस डीएपी एन ए प्लस यूरिया इथ्रेल प्लस यूरिया आई प्लस इमिडा तो आपको सही यहाँ आप पे आंसर देना है कि किसका हम लोग छिड़काव करते हैं ठीक है किसका छिड़काव किया जाता है आपको अमरूद के अंदर बाहर नियंत्रण का मतलब क्या है अभी तीन बाहर है मैंने बताई उनमें से उनमें से अपने क्या है उनमें से एक बाहर ही हम ले सकते हैं बाकी बाहर के अंदर फूलों को नीचे गिराना होता है उसी को हम लोग कहते हैं बाहर नियमन या बाहर नियंत्रण उसके लिए क्या काम में लेंगे ये आपके ऑप्शन बच्चे सेकंड आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा एनएए के साथ में हम लोग यूरिया का मिला करके छिड़काव करते हैं तो फूल क्या है नीचे गिर जाते हैं कब करते हैं पचास परसेंट फूल आने वाली स्थिति में करते हैं जब तो पौधे पे पचास फूल आ रहे हो उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे छिड़काव कर देंगे अगला जो देखो राजस्थान में अमरूद की सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है राजस्थान में अमरूद की सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है अंबे बहार मृग बहार हस्त बहार या इनमें से कोई नहीं अमरूद के प्रश्न ज्यादा एक साथ करने से क्या होगा फल आपके क्लियर हो जाएगा फिर अगले फ्रूट की तरफ भी हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा होगा कि राजस्थान में अमरूद की सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है बच्चों का सेकंड ठीक है अगला जो प्रश्न है अपना मृग बहार सही इसका क्या उत्तर हो जाएगा मृग बहार के अंदर कीटों का रोगों का प्रकोप कम होता है इसलिए राजस्थान में ज्यादा इसको प्रेफर किया जाता है ठीक है अगला देखो अगला है अपना स्टूलिंग ये मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करेंगे ये स्टूलिंग जो है आ, स्टूलिंग पादप प्रवर्धन तकनीक का प्रयोग किसमें करते हैं स्टूलिंग हम बहुत बार पढ़ लिए हैं स्टूलिंग हम लोग अमरूद में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है ये हमने खूब बार पढ़ ली है अगला देखो अब ये ये प्रश्न थोड़ा लेवल का है ठीक है इस प्रश्न को आप लोग पढ़ें कि अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म ललित का विकास कहां से किया गया है या फिर ललित किस्म कहां से विकसित की गई है प्रश्न पहला है बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली से कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हजरकट्टा बेंगलोर से केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है उत्तर प्रदेश से ये अच्छा क्वेश्चन है इसका मुझे आप लोग आंसर बताए अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म ललित जो है रेड फ्लैश वेराइटी ललित इसका विकास अपने कहां से किया गया है बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ से ठीक है बच्चे फर्स्ट फोर्थ भी आंसर दे रहे हैं थर्ड भी दे रहे हैं तो ललित किस्म कहाँ से विकसित की गई है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं जैसा कि उत्तर में काफी वेरिएशन है बहुत विविधता लग रही है आपके आंसर में तो सही उत्तर क्या है सही इसका जो है सी आई एस एच सी आई एस एच लखनऊ में स्थित है वहां से जो आपकी ललित है श्वेता है किसमें निकाली गई है उनमें ललित आपकी क्या है लाल गुदे वाली किस्म है ललित आपकी बिल्कुल पटेल चंद्रेश बहुत बढ़िया रक्षिता अगला प्रश्न पढ़ो और इसका सही उत्तर दो <coughs> अमरूद का उखटा यानी कि मलानी रोग का रोग कारक कवक है अमरूद के अंदर जो उखटा रोग होता है उस मलानी रोग का रोग कारक है फ्यूजेरियम ऑक्सिस फंगस स्पीसीज सीडी अगला है फ्यूजेरियम ऑक्सिसफोरम फंगस स्पीशीज क्यूबेंस अगला है फ्यूजेरियम ऑक्सिसफोरम फंगस स्पीशीज ग्लेडियोली अगला है फ्यूजेरियम मोनेलीफोरमी फंगस स्पीशीज सब ग्लूटेनिन इन चारों का इस बहुत मतलब है ये चारों जो दे रखे हैं उनका बहुत इंपोर्टेंस है चारों कवक दे रखे हैं ये चारों ही कवक आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका सही उत्तर देना किससे होता है तो बच्चे सेकंड, फर्स्ट फोर्थ आंसर दे रहे हैं सेकंड दे रहे हैं देखो uh, कैलाश अमर कपिल फर्स्ट कपिली है फर्स्ट जो है ज्यादा आंसर दे रहे हैं बच्चे ठीक है सही चल रहे हैं अपन क्या अपन सही चल रहे हैं वेरी गुड बढ़िया अब देखो अगला इसका सही उत्तर क्या होगा इसका देखो फ्यूजेरियम ऑक्सिस फॉरम आपका सी या फिर साइडाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि कौन निम्न में से अमरूद की कौन सी महत्वपूर्ण किस्म है अमरूद की कौन सी महत्वपूर्ण किस्म है आपको बतानी है एप्पल कलर बर्फ खान गोला अरका प्रभात ए और बी दोनों यहां पे आपको बताना है कि कौन सी जो है इसकी इंपोर्टेंट किस्म है एप्पल कलर बर्फ खान गोला या फिर अर्का प्रभात या फिर ए और बी दोनों अमरूद की महत्वपूर्ण किस्म का आपको चयन करना है ठीक है जयपाल माँ का लाडला सिमरन अमित कोमल चौधरी जयपाल लोकेश रिंकू मनीष सौरभ सुखदेव खुशी बच्चों का फर्स्ट आंसर आ रहा है इसमें इसका सही आंसर बताना है कि एप्पल कलर बर्फ कांगोला या फिर आपका अर्का प्रभात या फिर ए बी दोनों ठीक है इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों के फोर्थ आंसर आने लग गया है फर्स्ट भी उत्तर आ रहा है आपका फर्स्ट फोर्थ सब आ रहे हैं ठीक है बिल्कुल तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ इसका सही आंसर है फोर्थ एप्पल कलर आप लोग पहले से जानते हो कंफ्यूज करने वाली वैरायटी है प्रश्न आएगा एप्पल कलर किसके है पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेब परंतु आपको नहीं करना है दूसरे आजकल जो नई वैरायटी फेमस चल रही है बर्फ खान बोला जो राजस्थान में इसका काफी अच्छा प्रचलन चल रहा है ये दोनों वैरायटी किसकी है अमरूद की है ठीक है वेरी गुड बढ़िया अगला प्रश्न है इस प्रकार से कि अमरूद में ब्रॉन्जिंग नामक देहिक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे कि अमरूद में एक ब्रोंजिंग नामक देह विकार होता है जिसमें पत्तियां तांबे जैसे कलर की हो जाती है इसका कारण बताना है जिंक कैल्शियम कॉपर या फिर बोरोन ऑप्शन है जिंक कैल्शियम बोरोन और कॉपर ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा यह आप लोगों को बताना है विद्यार्थियों बढ़िया से ठीक है समझ में आ रहा है रविया चौधरी दिलखुश शिव कुमार कुमावत वेरी गुड सोमेश आ... विजय विष्णु विक्रम दिव्या ठीक है वेरी गुड बढ़िया से बच्चे फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड आंसर कर रहे हैं फोर्थ भी आंसर कर रहे हैं इसका मतलब क्या इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को ये अमरूद के अंदर ब्रॉन्जिंग होती है वो जिंक की कमी से होती है जो मोस्ट अप्रोप्राइट जो आंसर है वो आपका क्या होगा जिंक होगा इसमें ध्यान रख लेना ठीक है तो अमरूद में ब्रॉन्जिंग जिंक अगला प्रश्न है फिर से मोटिवेशन आ गया बहुत जल्दी आया मोटिवेशन बहुत बढ़िया तो अगला फिर से मोटिवेशन आ गया है उससे पहले हम क्या कर रहे हैं मोटिवेशन को छुपा देते हैं क्योंकि वीडियो को शेयर जो करवाना है मोटिवेशन का आप लोगों को थोड़ा लोप दे करके फिर वीडियो को शेयर भी करवाना होता है ठीक है तो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे पाँच सेकंड का टाइम है पाँच सात सेकंड में आप इस वीडियो को एक बार और शेयर करें जिन नए विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रॉयल इंस्टीट्यूट का तो सब्सक्राइब करें रॉयल इंस्टीट्यूट आप सबके प्यार से मैंने कहा था एग्रीकल्चर से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है आप लोगों को पता होगा ठीक है और ऑल इंडिया के अंदर जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रांड बन चुका है क्वालिटी के मामले में मैनेजमेंट के मामले में तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पे नहीं आए हैं वो एक बार यहाँ पधारे यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें और जो फिर अपने छोटे बड़ों को जो है तैयारी करने के लिए बोले ठीक है तो ये फटाफट से वीडियो को शेयर कर देवे ठीक है अमित निर्मला कुंवर साह हुम ठीक है रोहित वेरी गुड बढ़िया बढ़िया अब मैं मोटिवेशन आपको बताता हूँ मोटिवेशनल कोट या क्या है कोट आपका क्या है कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है नादान समझ ए बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खोफ यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है आप लोगों ने यस आप लोगों के लिए स्पेशली ये मोटिवेशनल कोट जो है आप लोगों के लिए लाया गया है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दरिया अब तेरी खेर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है नादान समझ ए बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है हम परवा नहीं है मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा करदन ने बगावत कर ली है तो विद्यार्थियों आपको बिल्कुल मोटिवेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है और मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहर के मोटिवेशन का ज्यादा देर तक फर्क नहीं पड़ता है ठीक है आपको अंदर से जो है ऐसा कुछ फीलिंग आपको लानी पड़ेगी जिसको हम लोग सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं वो जो है लंबी दूरी आपको तय करवाएगा ठीक है सेल्फ मोटिवेशन से ही जो है आदमी लंबी दूरी तय कर सकता है बाकी बाहर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फर्क पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा थोड़ी देर तक जो है एक बार आदमी को भाव जरूर आ जाएगा लेकिन पार नहीं लगेगी उससे आपकी जो है आपकी जो है उससे पार नहीं लगेगी तो आप लोगों को क्या करना है सेल्फ मोटिवेट रहना है ठीक है वेरी गुड बढ़िया से अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न है अमरुद की सबसे महत्वपूर्ण किस्म जो उखटा रोग प्रतिरोधी है इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता करके सीधा आगे बढ़ रहा हूं इसका आंसर होगा लखनऊ 49 ये बहुत एल 49 बहुत फेमस किस्म है अगले प्रश्न पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे जो अच्छे क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें हम लोग थोड़ा टाइम भी दे तो यूं कि देखिए हाँ ठीक है ठीक है बाकी रिपीट नहीं करेंगे ज्यादा मामले को यहां देखो अमरूद की लाल या फिर गुलाबी गुदे वाली रेड या फिर पिंक फ्लैश किस्में हैं ऑप्शन कितने हैं ऑप्शन आपके सामने चार है इनमें से फिर से आपको क्या सेलेक्ट करना है फिर से आपको चार ऑप्शन में से सही उत्तर देना है फिर देखो कि चार किस्में दे रखी उनमें से लाल गुदे वाली किस्में कौन सी है अर्का किरण अर्का मृदुल्ला लखनऊ फोर्टी नाइन या फिर आपकी जो है ललित ए और बी सही है बी और डी सही है बी और सी सही है ए और D सही है, तो कौन से किस्म जो आप यहाँ देख रहे हो जो लाल या फिर गुलाबी गुदे की है अर् किरण अर् मृदुल्ला लखनऊ फोर्टी नाइन यानी एल फोर्टी नाइन और ललित इसमें से सही आंसर देना है कि कौन सी आपकी लाल गुदे वाली किस्म है ठीक है कुंवर सा हु समझ में आ रही है बातें दिव्या दिलखुश ठीक है ठरकी कोमल राजू तारा वेरी गुड तो बच्चे बिल्कुल आंसर दे रहे हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा फोर्थ ए और डी सही है फोर्थ जो है इसका सही आंसर होगा यानी कि अरका किरण लाल गुदे वाली है और ललित ये दोनों आपके लाल गुदे वाली किस्में है ठीक है बढ़िया अगला प्रश्न है ये आ, अच्छा अमरूद का उखटा रोग प्रतिरोधी मूल व्रंथ कौन सा है अमरूद का उखटा रोग प्रतिरोधी मूल व्रंथ बताना है पहला है सीडियम केटलियनम जिसे स्ट्रॉबेरी गुआवा कहते हैं सीडियम फ्रीड्रिच स्थेलियनम जिसको चाइनीज गुआवा कहते हैं सीडियम प्यूमिलियम सीडियम कुजाबिलिस इन मूल में से आपको उगटा प्रतिरोधी यानी कि आपका जो है वेल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टोक कौन सा है वो आपको बताना है ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं है सीडियम है, है. कुलदीप क्यों ऐसी क्या बात होगी कुलदीप फिर है आपका सीडियम प्यूमिलियम और सीडियम कुछ सही आंसर देना है कौन सा होगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए आर ओ के एग्जाम में पहले पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है वेरी गुड सागर लकी राय सिंह सुरेंद्र समझ में आ रहा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर इसका बी होगा चाइनीज अमरूद जो है जिसे सीडियम फ्री ड्रिच स्टेलियन बोलते हैं ये उखटा रोग प्रतिरोधी मूल है इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है एनोप्लॉइड एटी किस फल का मूल है ये आपके इस बार परीक्षा में आएगा ही आएगा ध्यान रखना एनुप्लॉइड एटी टू नई चीज है सीख करके जाना एनुप्लॉइड एटी टू किस फलवृक्ष का मूल है जीआरएफ एसआरएफ एस आर एफ के अंदर हर बार आने वाला प्रश्न है एटी टू जो है किसका मूल अनार अंगूर अमरूद और आम अनार अंगूर अमरूद और आम तो आपको बताना है कि किसका होगा सत्यू मीना प्रेम दाकड़ रिंकू फटाफट से मुझे आंसर देंगे ठीक है और वीडियो को शेयर करने की जैसे ही आपको टाइम मिलता है गुंजाइश रहती है वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे यार नहीं तो अन्याय होगा एक तरह से बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए और आप लोग भी जो है पूरे दिन से जुड़े हुए हैं तो शेयर करना आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ठीक हाँ। है हाँ ठीक है दो चीजें हैं एक तो मैं कह रहा हूं जो आप लोगों को करना चाहिए और हाँ आप जो कहो कि मेरे को क्या करना है वो भी मैं करूंगा लेकिन आप लोगों को शेयर तो करना पड़ेगा ठीक है तो तो इसका सही उत्तर क्या होगा? होगा. तो क्या होगा होगा थर्ड आंसर एनोप्लॉइड है है जो आपका इस अमरूद का मूल है, ये इम्पोर्टेंट कर लेना ये आता रहता है परीक्षा में ठीक है अगला प्रश्न है कि अमरूद के अंदर देखो फल मक्खी अमरूद का मुख्य कीट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है फल मक्खी अमरूद का मुख्य कीट है, आप सब जानते हो आजकल जिसने भी अमरुद खाए हुए हैं ना आज के मौसम में जो बारिश के ऋतु में अमरूद अमरूद लगते हैं उनमें फल मक्खी का अटैक सबसे ज्यादा होता है और इतना ज्यादा होता है कि खाते टाइम पता ही नहीं लगता ठीक है जब हम आधा अमरूद खा लेते हैं गलती से नजर पड़ती है यार आधा अमरूद इसको एक बार देख लेते हैं ना तो उसमें बहुत सारी आपको छोटे छोटे लार्वा लट्टे आपको मिलेंगे

अमरूद की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बात जो कर रहे हो अच्छी बात है लेकिन आप देखो फर्स्ट आंसर दे रहे हो प्रश्न को पढ़ लो पूरा अमरूद की बात की हुई है इसमें सही उत्तर क्या होगा इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना क्योंकि अब तक एक का भी सही उत्तर नहीं आया है इसका मतलब इस प्रश्न को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत है इस फल मक्की को हम कहते हैं बेक्टोसेरा करेक्टा बेक्टोसेरा करेक्टा इसको कहा जाता है ध्यान रख लेना बेक्ट्रोसेरा करेक्टा इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश ठीक है बच्चे बोल रहे हैं सर आप थकते नहीं हो मैं, मैं जो थक तो जाता हूं लेकिन आप लोग इतने हजारों की संख्या में आप बच्चे जुड़े हुए हो मैं कैसे थक सकता हूं एक बात बताओ आप लोग जो हजार की संख्या में बच्चे एक साथ लाइव जुड़े हुए हो पूरे दिन से मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे थक के बैठ जाऊं बताओ समझ रहे हो तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं ये इसको इंपोर्टेंट लगा लेना बेक्टोसेरा करेक्टा इसको कहा जाता है अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्न में से कौन सी किस्म जो है आपकी लाल या फिर गुलाबी गूदे वाली नहीं है अमरूद की कौन सी किस्म जो है आपकी लाल या फिर गुलाबी गूदे वाली नहीं है अर्का रश्मि हिसार सुर्ख अर्का किरण और अर्का अमूल्य इंपोर्टेंट वैरायटी लगा लेना इसको कि अर्का रश्मि हिसार सुरख अरका किरण और अर्का अमूल्य कौन सी अमरूद की लाल या फिर गुलाबी गुदे वाली किस्म नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है ठीक है ठीक है राजकुमारी रमेश शिवानी समझ में आ रही है बात वेरी गुड अच्छा आम की फल मक्की की बात आगे करेंगे जब आम पढ़ेंगे हम लोग अभी देखो एक बार जो सामने दिखाए जा रहे हैं उस पर ध्यान रखो ठीक है बच्चे जैसा कि आंसर कर रहे हो फोर्थ सेकंड थर्ड तो इसमें ध्यान रख लेना एक तो आप लोगों को ललित के बारे में तो पता चली गया। ललित लाल गुदे वाली है इसके अलावा अर्का रश्मि वाली हैुदे वाली है और अर्ण लाल गुदे वाली है और अर्का, अर्का अमूल्य आपकी लाल गुदे वाली नहीं है अभी आपने क्या सीखा इस एक प्रश्न के माध्यम से अमरूद की चार किस्में जो आपको याद हो गई है लाल गुदे वाली कौन कौन सी अर्का रश्मि हिसार सुर्ख और अर्का किरण और ललित एक और याद रख लो पांच हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं हफसी एक वैरायटी और है हफसी जो भी आपके क्या है लाल गुदे वाली है आगे बढ़ जाएं बढ़िया निम्न में से कौन सी अमरूद की किस्म है इस बार थोड़ा उल्टा प्रश्न है अभी तो पूछा अमरूद की नहीं है इस बार आपको चार किस्मों में से अमरूद की पहचाननी है कौन सी है अरका प्रभात अरका सूर्या स्वीट बनाना और पंत प्रभात अरका प्रभात अरका सूर्या स्वीट बनाना और आपकी पंत प्रभात समझ रहे हो राहुल राहुल सुमन मनराज सवाई माधोपुर से निर्मला वीरेंद्र किरण कृष अनु शिवानी समझ में आ रही है बातें मेरी वेरी गुड मनराज वीरेंद्र गुरसिंह बढ़िया अच्छी बात है तो बच्चे इसमें आंसर कौन सा कर रहे हैं देखो आंसर में गोलमाल हो रहा है मामला अच्छा प्रश्न 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 है है इसका मतलब लेवल का है। ये ये बताओ अमरुद की किस्म बतानी है लगने को कितना सरल प्रश्न लग रहा है और किस्में चारों सरल है परंतु पता नहीं चल रहा है कि कौन सी है अमरूद की तो यहाँ पे गड़बड़ वाला मामला है तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा इसका एक ने भी सही उत्तर नहीं दिया बहुत कम ने दिया है ना के बराबर तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पंत प्रभात पंत प्रभात आपकी जी बी पी यू ए टी यूनिवर्सिटी देहरादून से विकसित की गई पंत नगर से विकसित की गई वैरायटी है और यह आप ध्यान रख लेना बाकी अर्का प्रभात आपकी और अर्का सूर्य ये दोनों किस्में आपकी पपीता की है और स्वीट बनाना आप लोगों को पता ही है ये तो सब्जियों के अंदर शिमला मिर्च की किस्म जाती है तो पंत प्रभात क्या है यहाँ पे राइट right आंसर है अगला प्रश्न देखो इसको समझो कथन दे रखे अमरूद का पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा आज कि निम्न में से कौन सा कथन अमरूद के संबंध में सत्य नहीं है निम्न में से कौन सा कथन अमरूद के संबंध में सत्य नहीं है पहला है चित्तीदार किस्म के फलों पर लाल रंग के धब्बे यानी रेड स्पॉट पाए जाते हैं लखनऊ 49 किस्म का विकास गणेश फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे द्वारा किया गया है अगली है श्वेता अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म है अगला है एप्पल कलर जो किस्म है उसकी स्किन पर सेब की तरह लाल होती है परंतु अंदर से गुदा सफेद होता है मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों कि कौन सा कथन सही नहीं है अमरूद के बारे में चित्तीदार किस्म के फलों पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं लखनऊ फोर्टी नाइन जो किस्म है वो आपकी जी आपका जी के एफ आर एस पुणे से विकसित की गई है श्वेता लाल गुदे वाली किस्म है और एप्पल कलर जो किस्म होती है उसका छिलका सेब की तरह लाल होता है और अंदर से गुदा जो है उसका सफेद होता है है नहीं दमदार क्वेश्चन राहुल रोहित कैलाश सागर बढ़िया वीडियो को शेयर करना मत भूलो यार शेयर करोगे तो हम जो है वास्तव में शेयर बनेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा ठीक है मनराज पुखराज रोक अशोक प्रेम सोहनलाल सुमन दुर्गेश थर्ड आंसर कर रहे हैं देखो एक ऑप्शन मैंने थर्ड कठिन सरल लाल दिया बाकी सारे के सारे कठिन टाइप के तो यहाँ से आप लोग इसको पकड़ पाओगे कि श्वेता जो है सफेद गुदे की है ना कि आपकी लाल गुदे की किस्में ठीक है तो यहाँ सही आंसर क्या होगा इसका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा अगला प्रश्न देखो मैं आपका आगे से लेता हूं जो इंपॉर्टेंट फ्रूट है उनको मैं पहले लेने की आपको यहां पे कोशिश करूंगा अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि अनार का फल प्रकार होता है सरल प्रश्न है अनार का फल प्रकार क्या होता है कैप्सूल होता है बालुस्ता होता है अस्टिल होता है या फिर आपका सरस होता है ये आपको ऑप्शन बताना है अनार का फल प्रकार क्या होता है तो अनार का फल प्रकार बताएंगे क्या होगा ठीक है तो अनार का फल प्रकार आप लोग बता रहे हैं कि क्या होगा तो अनार का फल प्रकार फटाफट से बच्चे आंसर करने लगे हैं कि सेकंड होगा फोर्थ होगा अनार का फ्रूट टाइप पूछ रहा हूं बेटा अनार का फ्रूट टाइप क्या होगा बच्चे बी आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम तो बी जो है यस बिल्कुल बी आंसर सही होगा यानी कि बालुस्टा अनार का फ्रूट टाइप क्या होता है बालुस्टा होता है ठीक है तो बालुस्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखिए अगला जो है आपका अनार का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है अब थोड़े क्वेश्चन हम अनार के देखेंगे फटाफट पट से अनार का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है कठोर कास्ट कलम के द्वारा टी बडिंग के द्वारा दाब के द्वारा माउंट लेयरिंग के द्वारा या फिर वेज ग्राफ्टिंग के द्वारा अनार का व्यवसायिक किससे होता है? ये आपको बताना है द्वारा और वेज ग्राफ्टिंग के द्वारा सही आंसर क्या होगा आपका बिल्कुल इसका उत्तर बताएंगे अनार के व्यवसायिक प्रवर्धन जो है हम लोग किससे करते हैं सरल सा है सुनील अक्षय खुशी रितेश अनीता समझ में आ रही है बातें बढ़िया गिरीश कमलेश वेरी गुड फर्स्ट आंसर आ गया फटाफट से इसका मतलब क्या है सरल प्रश्न है तो अनार का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है कठोर कास्ट कलम से होता है बढ़िया ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया अगला देखो अनार का पुष्प क्रम कहलाता है अनार का पुष्प क्रम क्या कहलाता है पेनिकल स्पाइक हाइपेंथोडियम या फिर स्पेडिक्स पेनिकल स्पाइक हाइपेंथोडियम या फिर स्पेडिक्स क्या कहलाता है अनार का व्यवसायिक प्रवर्धन क्या कहलाता है बच्चों पेनिकल स्पाइक हाइपेंथोडियम या फिर स्पेडिक्स सही आंसर बताएंगे कि क्या कहलाता है यस yes. दिलीप दुर्गेश हितेश लालाराम हितेश प्रियंका फटाफट पड़ से बताएं क्या क्या बच्चे बता रहे हैं कि फर्स्ट आंसर बता रहे हैं थर्ड आंसर बता रहे हैं कि अनार के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं स्पाइक हाँ या फिर स्पेडिक्स तो मैं इसका सही उत्तर देता हूं कि अनार के पुष्पक्रम को हम लोग कहते हैं हाई पेंथोडियम अनार का पुष्पक्रम कहलाता है हाई पेंथोडियम इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग यहां पे इसको लगा लेना ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना क्या कहलाता है अगला देखो अगला कथन है अनार के सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे देखो निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए सबसे पहला है कि अनार में कठोरता टेनिन के कारण होती है दूसरा अनार का खाने योग्य भाग जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होता है अगला है अनार सूखे व पाले के प्रति सहनशील वृक्ष है अगला है अनार में पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है असत्य कथन का चुनाव करना है कि अनार में कठोरता के कारण होता है अनार सूखे पाले के प्रति सहनशील वृक्ष है अनार में परपरागण पाया जाता है बिल्कुल सरल सी चीज है आप लोग इसमें पहचान के बताएंगे कि क्या होगा सही उत्तर दिलखुश शिवानी शिवराज जितेंद्र राजेश सही उत्तर क्या होगा बेटे वेरी गुड सेकेंड आंसर मैक्सिमम दे रहे हैं बच्चे तो बिल्कुल जो सही उत्तर फर्स्ट भी आ रहा है बच्चों का सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो उत्तर इसका क्या होगा सेकेंड होगा क्योंकि इसका खाने योग्य बाग जूसी प्लेसेंटल हेयर नहीं होता है जूसी सीड कोट होता है जूसी सीड कोट जिसे हम लोग क्या कहते हैं कई बार एरिल हैं वो होता है तो इसका सही उत्तर क्या हुआ सेकेंड हुआ बाकी सभी क्या होंगे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला देखो अगला है अनार राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ फॉर पोम ग्रेनेट कहां स्थित है सगरा भोज का जैसलमेर देवड़ावास टोंक चित्तौड़गढ़ ढिंडोल बस्सी जयपुर अनार उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोम ग्रेनेट आपका कहां स्थित है बताना है सगरा भोज का जैसलमेर देवड़ा देवड़ावास टोंक के अंदर चित्तौड़गढ़ में ढिंडोल बस्ती जयपुर में दिलखुश जाट समझ में आई बात ढाका नरेंद्र महावीर प्रीति विशाल संतोष संजय सुमन अंजलि ओम प्रकाश सही चल रहे हैं फोर्थ आंसर आ गया बच्चों का बहुत बढ़िया तो सही उत्तर भी इसका क्या हो जाएगा ढिंडोल बस्सी जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ढिंडोल बस्सी जयपुर में अनार उत्कृष्टता केंद्र या फिर ड्रैगन फ्रूट का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है अगला प्रश्न है इसको मैं बहुत बढ़िया से आपको बताऊंगा है ना नहीं तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा अनार की किस्में दे रखी है उनका आगे कौन कौन सा गुण है यह आपको बताना है भगवा सिंदूरी कांधारी रूबी अमली दाना और ढोल का आगे दे रखा गणेश इंटू नन्ना का क्रोस कौन सी है कठोर दाने वाले कौन सी है गुजरात में प्रचलित कौन सी है गणेश काबुल तीन का संकरण कौन सा है भारत में सबसे प्रचलित किस्म कौन सी है ये आपको बताना है इस प्रकार से ठीक है सही उत्तर कौन सा होगा ये आप लोग बताएंगे फटाफट से कि पांच किस्में उधर दे रखी है पांच लक्षण दे रखे हैं इधर सही आपको पहचानना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है पांच किस्में और उनका गुण याद हो जाएगा ठीक है स्वानी जो शर्मा स्टडी लवर है कहा रो रहे वो बच्चे रो रो मत चुप हो जाओ विद्यार्थियों जो कोई एक आधा रो रहा है वो रोए नहीं आज जन्म आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी है नहीं? आज तो सभी बच्चों लोगों के माखन खाने का दिन है आज का रो रहे हो मम्मी नहीं दे रही क्या मक्खन है <laughs> बच्चों आज रोना नहीं है किसी का आज हंसने का दिन है काफी नई चीजें सीखेंगे आज शाम जब तक क्लास अपनी चलेगी आप अल्टीमेटली आप लोगों को लगेगा कि आज कितनी नई चीजें हम लोगों ने सीख ली है महेंद्र पंकज इसका सही उत्तर बताओ ये टाइम हर्ष गोदारा समझ में आ गई बातें कृषि पिंटू सिंह इसमें देखो अब इस प्रश्न को पहले समझ लो कि इसमें कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही है एक साथ भगवा सिंदूरी जो अनार की है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उगाए जाने सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली या प्रचलित है तो फर्स्ट के अंदर ई आएगा लेकिन ई लगभग सभी ऑप्शन में ई दे रखा है कांदारी किस्म जो है वो कठोर दाने वाली किस्म है तो सेकंड में आपके बी आएगा तो सेकंड में बी इसमें दे रखा है अगला आपका है रूबी रूबी किस्म का क्या फीचर है ये ट्रिपल संकर संक्रमण से विकसित की गई है गणेश काबुल और यकोद तीन किस्मों के संकरण से रूबी किस्म विकसित की गई है तो इसमें क्या होगा बी होगा अमली दाना किस्म जो है उसका विकास गणेश इंटू नन्हा किस्म के संकरण से किया गया है तो इसमें क्या होगा एल का जो किस्म है वो गुजरात में प्रचलित किस्म है तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा थोड़ा इसको इसे कर लेना सी हो जाएगा ना तो तो इसका सही आंसर आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे e यहाँ पे ई और सी सेकंड हो जाएगा अब यहां पे एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो रूबी किस्म है ये आपकी आई आई एच आर आई आई एच आर हसरगट्टा बेंगलोर से विकसित की गई है अभी एक प्रश्न आपका प्री पीजी के अंदर पूछा गया था इसको अभी कंठस्थ करके जाना विद्यार्थियों कि रूबी जो किस्म है ये आई आई एच आर बेंगलोर हसरगट्टा से विकसित की गई है तो ये पांच किस्म है पांचों का आप लोग फीचर समझ लेना क्या है अच्छा कोई बात यस समझ में आई बात ये कितने सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ में कवर कर रहे हैं अगला देखो अगला है कि अनार की तितली अनार बटरफ्लाई अनार का खतरनाक कीट है इसका वैज्ञानिक नाम होता है इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनार की जो तितली होती है वो अनार का खतरनाक कीट होता है बहुत ज्यादा बगीचे के बगीचों में सभी को काना कर देता है ठीक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है कार्पोमिया वेसुवियाना पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा कोसा नहीं हो बोसा निग्रोनर अगली है स्केलोडोंटा या फिर वीरा कोला सही उत्तर आपको बताना है कार्पोमिया वेसुवियाना पेंटालोनिया निग्रोनरबोसा स्केलोडोंटा स्ट्राइगोकोलिस कोलिस वीराकोला आइसोक्रेट्स तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा वीराकोला आइसोक्रेट्स वीराकोला आइसोक्रेट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको आप लोग ट्रिपल स्टार और इंपोर्टेंट लगा लेना चौथा जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का क्या हो जाना चाहिए आंसर है इसको याद कर लेना अगला जो है अनार का सबसे इंपोर्टेंट रोग जीवाणु अंगमारी अनार का सबसे भयंकर रोग है इसके रोग कारक जीवाणु का क्या नाम है राजेंद्र चेतन नरेश राम सिंह मनीषा कुलदीप सुरेंद्र कोमल आर्य मुकेश जाट सही चल रहे हैं अपन बातें समझ में आ रही तुम्हारे बढ़िया से नई चीजें हैं माँ का लाडला बिल्कुल आज माँ का लाडला बिगड़ा नहीं है उसकी बात है वाह आज एक देखो माँ का लाडला आज बिगड़ा नहीं है वो बड़ी बात है आज पूरे दिन हमारे बीच में पढ़ रहा है वेरी गुड बच्चे शाबाश नहीं तो क्या वो गाना आता है कि माँ का लाडला बिगड़ गया लेकिन माँ का लाडला आज देखो बिगड़ा नहीं है पूरे दिन से पढ़ाई कर रहा है इधर तो वेरी गुड बच्चे बहुत अच्छी बात है

मोनास कंपे या फिर पीवी पियोनी की सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न पढ़ो और फिर देखो इस की, इस प्रश्न प्रश्न की का लेवल देखो देखो कैसे प्रश्न को आपको समझना है कि निम्न किस्मों को आपको पढ़ना है पांच किस्में दे रखी है इनको सबसे पहले तो पढ़ो देखो पढ़ लेते हैं इस प्रकार से कि जालोर सीडलेस जोधपुर रेड अरका मृदुल्ला अरक्ता और आपका ज्योति उक्त में से अनार की किस्में कौन सी है उक्त में से अनार की किस्में कौन सी है ए बी और सी सही है ए सी और ई e सही है ए सी डी ई या फिर आपकी ए बी डी ई आपकी पांच किस्में दे रखी है जोधपुर सीडलेस सॉरी जालोर सीडलेस जोधपुर रेड अरका मृदुल्ला अरक्ता और आपकी ज्योति दुर्गेश हिंडाला वेरी गुड कोमल आर्य बी आंसर आ रहा है ठीक है इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ ठीक है शिवानी शर्मा स्टडी लवर वेरी गुड रोहित राठौड़ कुशाल जहांगीर बुद्धि प्रकाश वेरी गुड तो सही आंसर इसमें बच्चे देखो फोर्थ आंसर दे रहे हैं थर्ड भी आंसर दे रहे हैं मैं इसका सही उत्तर बताता हूं कि यहाँ पे जो अर्काम्ला किस्म देख रहे हो ये आपके अमरूद की किस्म है बाकी बच्ची जो सब अनार की है अर्थात ए बी डी ई तो ए बी और डी, ई e फोर्थ है तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर भी देखो आया है फोर तो आप लोगों का उत्तर ठीक है तैयारी बढ़िया है इसका मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि तैयारी एकदम जोरदार है अब अगला जो प्रश्न देखोगे ना इसमें आप लोग चक्कर खा जाओगे गारंटी सरल प्रश्न आ गया लेकिन तो ठीक है कि अनार में फल फटने की समस्या का क्या कारण है बोरोन की कमी जिंक की कमी कॉपर की कमी कैल्शियम की कमी तो इसमें मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं लगभग फल फटने की कोई भी फल आ जाए चाहे आपका बिलपत्र आ जाए चाहे टमाटर आ जाए अनार आ जाए चाहे गाजर आ जाए सामान्यतया फल फटने की जो समस्या होती है वो बोरोन की कमी से ही होती है इसको इंपोर्टेंट लगा लेना ये अपने यहाँ राजस्थान में अभी किस्म आएगी उसमें ज्यादा पाई जाती है ये भी आपको बताऊंगा आप देखो इसमें 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 चक्कर खाओगे तुम लोग अनार की क्षार्य भूमि में लगाने हेतु कौन सी है अनार की भूमि में लगाने जालोर सीडलेस रूबी मृदुल्ला और गणेश इन चारों में से सही बताना है जालोर सीडलेस मृदुल्ला जालोर सीडलेस मृदुल्ला रूबी और गणेश में से कौन से किस्म अनार की क्षार्य भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म है सही आंसर इसका देखो क्या होगा बच्चों का देखो फोर्थ आंसर आ रहा है फर्स्ट भी आंसर आ रहा है थर्ड भी आंसर आ रहा है तो इसमें कौन सा आंसर होगा देखो मैं बता देता हूं सही आंसर होगा इसमें जालोर सीडलेस जालो और सीडलेस वैरायटी जो आपकी क्षार्य भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त वैरायटी है ठीक तो है ठीके? आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखो इस कहावत को आप पढ़ो मैं आपको तीस सेकंड में मिलता हूं वापस पंद्रह सेकंड में आपको वापस मिल रहा हूं इस प्रश्न को पढ़ो तो ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा विद्यार्थियों ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा सरल सा प्रश्न था तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा ये जो कहावत लिखी हुई है बोर्ड पे कि पैर पानी में और सिर आग में इट्स फीट इन रनिंग वाटर एंड इट्स हेड इन द फायर ऑफ द स्काई कहावत का संबंध किससे है खजूर से है तो बिल्कुल इस कहावत का संबंध यहाँ पे किससे है खजूर से है तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा खजूर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है अब मैं खजूर से पहले मैं आपको नई क्रोप पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं आम अब हम आगे की कहानी जो पढ़ रहे हैं एक सेकंड वो हम पढ़ेंगे आम के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि आम थोड़ा इंपॉर्टेंट फ्रूट है और आम को हम जो है पहले ले लेते हैं ठीक है तो हमने आम को पहले ले लिया है और आम का प्रश्न आपको यहां पे अब उत्तर देना है आम को सबसे पहले लिया है अब दो तीन फ्रूट हमने पढ़े अब आम पढ़ेंगे आम के अलावा फिर फ्रूट पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी देखना माहौल बनेगा कि आम के बीज में प्रोटीन होता है आम का जो सीड कर्नेल होता है उसमें कितने प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है छह पॉइंट पांच प्रतिशत पांच पॉइंट तीन पॉइंट पांच प्रतिशत नौ पॉइंट पांच प्रतिशत या फिर तेरह पॉइंट पांच प्रतिशत इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि समझ रहे हो मेरी बात आप मेरी बात को बताना ये मैंने आम को पहले लिया है अपने पास क्वेश्चन तो बहुत सारे और हैं क्वेश्चन की कोई भी कमी नहीं आज तो 500 700 क्वेश्चन जितने आप लोग पढ़ पाओगे ना उतने जब तक आप लोगों का साथ है तब तक जो है इसमें हम लोग पढ़ते रहेंगे लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को शेयर करोगे ना तो ही माहौल बनेगा हजार से कम जा रहे हो तो फिर फिर मजा नहीं आएगा हजार से ज्यादा ही अपने रहने चाहिए तभी जाके उस माहौल में हम ठीक है कल नहीं करवाएंगे आज ही करवाएंगे कल की कोई गुंजाइश नहीं है आज ही हम लोग करेंगे ठीक है ठीक है विद्यार्थियों तो इसका सही आंसर दे देता हूं मैं इसका सही आंसर होगा 9.5% 9.5% क्या होता है इसके अंदर जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है अगला प्रश्न है आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है यह आपको बताना है पैनिकल नहीं फेसिकल पैनिकल सोलिटरी या फिर आपका स्पेडिक्स आम का पुष्पक्रम इनफ्लोरोसेंस कहलाता है फेसिकल, पेनिकल सोलिट्री या फिर स्पेडिक्स। सही आंसर बताना है कि क्या होगा आम के पुष्पक्रम को हम लोग विद्यार्थियों क्या कहते हैं कोमल किरण कुलदीप प्रीति सौरभ मनीष विनोद माया प्रिया समझ में आ रही है बच्चों बहुत बढ़िया बच्चों का सेकंड आंसर आ रहा है सरल प्रश्न है ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे तो आम के पुष्प क्रम को कहते हैं पेनिकल इसी तरह से अंगूर के पुष्प क्रम को भी कह देते हैं अगला अगला प्रश्न प्रश्न है थोड़ा प्रेम रस का गीत आ गया यार अब प्रेम रस का गीत आ गया है तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा प्रेम रस आ गया है थोड़ा तो प्रेम रस की यहाँ पे चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गई है क्योंकि आप लोग थक रहे हो थोड़े तो थकन के थकान मिटाने के लिए जो है आप लोगों को मोटिवेशन का डोज देना बहुत आवश्यक है ये कहानी सुनना आप कि प्रेम का वास्तविक रस क्या होता है यह आप समझें कि वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या होती है दो सहेलियां जो होती हैं दो सहेलियां एक सूखे जंगल से होकर के गुजर रही होती है बारिश नहीं हुई कई दिनों से बारिश नहीं हुई कई दिनों से एक हल्का सा उनको एक गड्ढा दिखता है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ और वहां पे उसको जो है दो हिरन मरे हुए दिख रहे हैं समझना वापस कि समझना मेरी बात को दो सखिया दो सहेलियां जो कि जा रही है जंगल में वहां पे दो हिरन एक हिरन और एक हिरनी मरे पड़े हुए हैं और हल्का सा पानी भरा हुआ है इतना सा यूं मान लो कि उस पानी को पीने से किसी एक की प्यास बुझ जाए इतना बड़ा तो एक सहेली दूसरी सहेली से प्रश्न पूछती है कहती है कि उबो न दिखे पारदी लगियों दिखे बाण मैं तने पूछूं है सखी ये किस विद तजा प्राण एक सहेली दूसरी सहेली को पूछती है विद्यार्थियों उबो न दिखे पारदी यानी कोई शिकारी यहाँ पे नहीं दिख रहा है उबो दिखे न दिखे पार थी लगियों ने दिखे बाण कोई बाण भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कि मैं तेने पूछूं ऐ सखी ये किस विद तजा प्राण मुझे ये बताओ कि इनकी मौत कैसे हुई है इनकी मौत कैसे हुई है मुझे ये बता दो कि यहाँ पर कोई शिकारी भी नहीं है कोई बाण भी नहीं लगा हुआ है तो ये दोनों कैसे मरे दूसरी सखी का जो उत्तर होता है वो हम लोग उसका उत्तर सुनेंगे फिर अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दूसरी सखी जो उत्तर देती है उसको कि जल थोड़ा नेहा गणा लगा प्रेम का बाण तू पी तू पी करत ही दोनों तजा प्राण समझना उसने कहा कि जल थोड़ा नेहा गणा पानी बहुत कम था लेकिन दोनों में प्रेम बहुत ज्यादा था जो हिरण और हिरणी के अंदर तो वो कहते रहे कि पहले तू पी पहले तू पी कि पानी तो इतना ही था कि एक की ही प्यास बुझ सकती है तो पहले तू तू पी पहले पी के चक्कर में दोनों मर गए और किसी ने पानी नहीं पिया तो इतना प्रेम था कि दोनों में से जीवित तो एक को ही रहना है तो इसलिए उसने कहा कि जल थोड़ा नेहा गणा लगा प्रेम का बाण तू पी तू पी कर थी दोनों तेजा प्राण तो विद्यार्थियों ये प्रेम की वास्तविक परिभाषा होती है अगला प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे फटाफट ये आपको प्रश्न पढ़ना है इसका उत्तर देना है देखो निम्न में से कथनों को पढ़िए आम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है चालीस होती है आम को मूल रूप से शीतोष्ण जलवायु का पौधा है आम मूल रूप से शीतोष्ण जलवायु का पौधा है अगला है आम की सामान्य वृद्धि हेतु 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है आम में आम के फूल से फल ठहराव जो होता है वो परसेंट होता है यह चार कथन है कि संख्या कितनी होती है चालीस आम का मूल रूप से शीतोष्ण जलवायु का पौधा है आम की सामान्य वृद्धि तो चौबीस से सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और आम के फूल से फल ठहराव जो होता है एक परसेंट होता है आपको इस प्रकार से आंसर है ए और बी और सही ए और डी और आपका जो है एक बचा हुआ है इनमें से सही आंसर आपको बताना है इसका जो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट आपने दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है तो ऐसे प्रश्न पढ़ने से क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो आम आपको शीतोष्ण जलवायु का नहीं है तो किसका है उष्ण जलवायु का है तो बी आपका क्या है गलत है और आम में फल जो परसेंट होता है फ्रूट सेटिंग वो होता है जीरो पॉइंट वन परसेंट अर्थात ये भी गलत हो गया तो सही कौन से बचे ए और सी तो सही उत्तर यहाँ पे कौन सा होगा ए और सी जो है वो सही उत्तर होगा ए और सी है, वो आपका सही उत्तर होगा तो यहाँ पे क्या सही है ए और सी यानी कि फोर्थ जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सही कथन अपने को चुनने थे तो पहला सही है और आपका जो है सी यहाँ पे सही है बाकी दोनों जो है गलत है ठीक है विद्यार्थियों बात ऐसी आम शीतोष्ण का नहीं है आम का है और डी का मतलब क्या एक परसेंट नहीं होता फ्रूट सेटिंग परसेंट होता है अगला अगला प्रश्न देखो क्या है के अंदर एक हजार से छह हजार फूल आते हैं इनमें से कितने प्रतिशत फूल जो है कितने प्रतिशत फल बनते हैं अर्थात जो है फल ठहराव प्रतिशत क्या होता है फूल से फल जो बनते हैं वो कितने बनते हैं ध्यान रखना एक परसेंट होगा जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट जीरो पॉइंट वन परसेंट मैंने अभी कहा था इसका सही उत्तर क्या होगा जीरो पॉइंट वन परसेंट ठीक है रॉयल में बिल्कुल एडमिशन चल रहे हैं कोचिंग एक, एक दो तारीख से राजस्थान के राजस्थान सरकार के आदेश के साथ ही जो है अपने खुल जाएंगे इंस्टीट्यूट तो अभी एडमिशन चालू है और बाकी ऑफलाइन क्लासेस एक तारीख से चालू होगी अगला प्रश्न है इस प्रश्न को आप लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूं फिर अपन देखते हैं कि कौन सा सही होगा आम की पांच किस्में दी हुई है और उन पांचों किस्मों के आगे लक्षण दे रखे गुण दे रखे चौसा अम्रपाली अल्फांजो सिंधु और भादुरान पांच किस्में हैं सही आपको आंसर देना आगे दे रखा है मैंगो मॉल फॉर्मेशन प्रतिरोधी सबसे मीठे किस्म बीज रहित किस्म निर्यात हेतु तो उपयुक्त और बोने किस्म ना ना? प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने अब इस प्रश्न में मैं आपको समझाता हूं कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में पांच चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है दिनेश यादव बुद्धि प्रकाश गिल गिलिया सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो लव यू बिल्कुल लव यू टू बिल्कुल दिनेश बहुत बढ़िया अब इसका फीचर क्या है चौसा चौसा वेराइटी क्या है चौसा सबसे मीठी किस्म है तो इधर देखो सबसे मीठी किस्म किसमें है बी ऑप्शन में परंतु देखो सबके सब, सब इसमें बी है इधर ज्यादातर तो चौसा सबसे मीठे किस्म आम्रपाली बोनी किस्म है तो आम्रपाली में क्या होगा ई हो जाएगा तो यहाँ पे ई है दोनों में इसके अलावा अल्फांजो क्या है अल्फांजो निर्यात की जाती है निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म है लेकिन दोनों के अंदर देखो डी ऑप्शन है सिंधु क्या है सिंधु बीज रहित किस्म है तो सिंधु क्या है आपकी यहाँ पे बीज रहित किस्म है भादुरान जो वेराइटी है वो मॉल फॉर्मेशन आम के गुच्छा मुच्छा रोग प्रतिरोधी किस्म है अर्थात बात ऐसी है कि सही उत्तर आपका क्या है थर्ड इसके अंदर सही हो जाएगा पांच किस्में हमने सीखी है आम की कौन किस्म सबसे मीठी होती है बच्चों आम्रपाली बोनी किस्म है अल्फांजोज वेराइटी सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वेरायटी सिंधु किस्म बीज रहित किस्म है भादुरान जो है मैंगो मॉल फॉर्मेशन प्रतिरोधी है तो आप लोग अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में वीडियो को एक बार आपको शेयर करना है हाँ ऑप्शन नहीं दिखे ठीक है है तो ऑप्शन नहीं दिखे होंगे कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूं मेरा काम है कि आपको अच्छा बताऊं तो कोई बात नहीं नहीं दिखा है लेकिन आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए विजय सिंह समझ में आ रही बात कांता अनीता वेरी गुड आगे देखो अगला प्रश्न है कि कि आम की आम्रपाली एक बोनी किस्म है जिसे किचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है इसके लिए संस्तुत पंक्ति वे पौधे की दूरी कितनी है आम की बोनी किस्म जो किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं परंतु अगर इसको खेत में लगाना हो तो उसके लिए संस्तुत दूरी कितनी है दस इंटू दस मीटर एक पॉइंट पच्चीस इंटू एक पॉइंट पच्चीस मीटर ढाई इंटू ढाई मीटर और आपकी पांच इंटू पांच मीटर ये प्रश्न शुरुआत में हमने किया सुबह इसका क्या होगा ढाई इंटू ढाई मीटर दो पॉइंट पांच इंटू दो पॉइंट पांच मीटर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है शिवानी मनीष जगदीश अक्षय आकाश सागर घनश्याम समझ में आ रही है तो अमरपाली को हम लोग ढाई इंटू ढाई मीटर की दूरी पर लगाते हैं अगला देखो प्रश्न आज तो प्रश्नों में बिल्कुल मौज हो जाएगी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपने जिंदगी में नहीं देखे होंगे मेरी गारंटी ठीक है चैलेंज है है ये ठीक आप लोगों को नहीं है चैलेंज और मैं बता रहा हूं, और प्रश्न बनाने वालों को भी ऐसे प्रश्न बनाओ तुम लोग और जो ज्यादा कठिन भी नहीं हो परीक्षा में जैसे छपता है ना पेपर वैसे की वैसे लैंग्वेज अपनी निम्न में से कौन से आम के दैहिक विकार यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं आम के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आपको पहचान करनी है पहला है आपका ब्रोंजिंग और फ्रूट नेक्रोसिस दूसरा है सॉफ्ट नोज और जेली सीड तीसरा है नीर वेजाई और चौथा है एक और तीन दोनों ऑप्शन सही हैं, प्यारे बच्चों बात ऐसी है कि कि निम्न में से आम के दैहिक विकार कौन से हैं वो समूह बताना है कि ब्रॉन्जिंग और फ्रूट नेक्रोसिस सॉफ्ट नोज और जेली सीड नीर वेजाही और कोटा वेजाही और आपके एक और तीन दोनों सही हैं तो इसमें सही आपको क्या बताना है तो सही जैसा कि सहदेव वगैरह सही आंसर मेजोरिटी आ रही है तो सही उत्तर इसका क्या होगा आपका सही उत्तर होगा बी सॉफ्ट सॉफ्टोज और जेली सीड नीर ही कोटा बेजाई किसके देहिक विकार है केला के रोग हैं रोग के साथ में देहिक विकार भी है ब्रॉन्जिंग आपने देखा अमरूद में होती है फ्रूट नेक्रोसिस आपके आंवला के अंदर होती है सॉफ्ट नोज और जेली सीड आपके आम के होने वाले दैहिक विकार हैं आम की अल्फांजो किस्म कहाँ उगाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में सतपुड़ा की पहाड़ियों में इलायची की पहाड़ियों में रत्नागिरी की पहाड़ियों में एक नंबर प्रश्न है ट्रिपल स्टार क्वालिटी वाला प्रश्न है कि आम की अल्फांजो किस्म जो है जो कि निर्यात की जाती है बहुत महंगी आती है बहुत खुशबू इसकी होती है दो तीन हजार रुपए के दस बारह आम आते हैं एक दर्जन के दो हजार से लेकर के तीन चार हजार रुपए तक लगते हैं ठीक है तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि कौन सा होगा तो आम की अल्फांजो किस्म जब बाजार में आती है विद्यार्थियों तो यूं कहते हैं लोगों में जो धूम मचती है कैसे मंडी के अंदर जब तो अल्फानजो रत्नागिरी गी, रत्ना है ना मंडी के रत्नागिरी का आम चाहिए ऐसे बोलते रहते हैं वो तो इसका मतलब क्या हुआ ये रत्नागिरी जो है ये एक तरह से इतना फेमस हो गया इस रत्नागिरी वाले जिले को रत्नागिरी के पास में एक जिला और पड़ता है महाराष्ट्र में जिसका नाम है सिंधुदुर्ग ये सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिलों को भारत सरकार ने जी आई टेग दे रखा है जी आई टेग का मतलब भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो पहचान दे रखी है कि अल्फांजो आम के लिए फेमस कौन से जिले हैं रत्नागिरी के जिले सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आम की केसर किस्म के लिए आम की केसर किस्म के लिए गुजरात को भारत सरकार ने जी आई टेग प्रदान कर रखा है उसी प्रकार महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग वगैरह दो जिले और हैं उनको क्या कर रखा है जीआई टैग अगला प्रश्न देखो कि आम मैंगो मोल फॉर्मेशन यानी आम का गुच्छा मुच्छा रोग, रोग का रोग कारक कवक कौन सा है मैंगो मोल फॉर्मेशन यानी आम का जो गुच्छा मुच्छा रोग है उसका रोग कारक कवक कौन सा है फ्यूजेरियम मोनेलीफेرمی फंगस स्पीशीज सब ग्लूटीनेम फ्यूजेरियम ऑक्सिसफोरम फंगस स्पीशीज ग्लेडियोली फ्यूजेरियम ऑक्सिस फंगस स्पीसीज क्यूबेंस फ्यूजेरियम ऑक्सिस फंगस स्पीसीज सी डी ठीक है समझ लेना इस बात को कि इसमें कौन सा जेकारा किसको लगाऊं मैं जेकारा तो मैं लगा दूंगा देखो अभी अभी जेकारा लगा दिया जाएगा एक बार इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ फिर मैं लगाऊंगा जेकारा ठीक है जेकारा लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे आज तो ही जेकारा लगाने का है आज तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है जन्माष्टमी है आज हम लोग जयकारा नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे तो बिल्कुल पॉजिटिवली हम अभी लगाएंगे सही उत्तर बच्चे बता रहे हैं फर्स्ट होगा तो फ्यूजेरियम मोनिली फोर्मी सब ग्लूटिने जो है ये इसका इंपॉर्टेंट कवक है ध्यान रखना तो आम का गुच्छा मुच्छा रोग फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी सब ग्लूटिने अगला प्रश्न निम्न में से आम की संकर किस्म नहीं है चार किस्में लिखी हुई है चारों को विकसित किया गया है आई ए आर आई नई दिल्ली से आई ए आर आई नई दिल्ली से विकसित किया गया है पूसा अरुणिमा पूिमा पूा सूर्या पुसा में से कौन सी आम की संकर किस्म नहीं है इसका उत्तर बताएंगे आप लोग कौन सी आम की जो है संकर किस्म नहीं है ये आप लोग बता देंगे तो सही उत्तर इसका क्या होगा मुकेश जाट एग्रोनॉमी की क्लास भी लगा देंगे निर्मला बबलू बिश्नोई वेरी गुड हिंदुस्तान की भी जय लगाएंगे बिल्कुल हिंदुस्तान की जयकार करेंगे यस 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 भी करेंगे प्रदीप वेरी गुड तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा इसका पूसा सूर्य पूसा सूर्य आम की संकर किस्म नहीं है क्योंकि ये एक चयनित किस्म है एक चयनित विदेशी किस्म है जिसका नाम है एल्डन तो इस एल्डन जो किस्म है उससे चयनित है ना कि संकरित किस्म है तो संकर वाली किस्म कौन सी एक दो ये नीचे इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन में आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये किसके संकरण से विकसित की गई है तो इसमें पूसा सूर्य जो है आपकी आम की संकर किस्म नहीं है अगला प्रश्न है आपका आम की पूसा पीताम्बर किस्म इस प्रश्न को पहले तो आप लोग ट्रिपल स्टार लगाओ फिर पढ़ो इसको बहुत इंपोर्टेंट है आम की पूसा पीतांबर किस्म किसके संकरण से विकसित की गई है अमरपाली इनटू लाल सिंदूरी अमरपाली इनटू सेंसेशन अमरपाली इनटू जनार्दन पसंद अमरपाली इनटू नीलम इसका आंसर बताना है कि आम की पूसा पीतांबर जो किस्म है जो कि आई ए आर आई आई ए आर आई नई दिल्ली पूसा से विकसित की गई है तो इसका संकरण बताना है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है किरण चौधरी पूराज रचना धर्मेंद्र गौरव संजय सुरेश चंद अनिता मीणा वेरी गुड बढ़िया तो इसका सही उत्तर फटाफट से बताएंगे बच्चों के आंसर देखो आने लगे हैं डी आंसर आ रहा है थर्ड भी आ रहा है फर्स्ट भी आ रहा है ठीक है सी, सी, सी फर्स्ट फर्स्ट यहाँ सही उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दू फर्स्ट आम्रपाली इनटू लाल सुंदरी किस्म के विकसित से कौन सी किस्म बनाई गई है पूसा पिताम्बर इसका मैंने ट्रिपल स्टार आपको पहले ही लगवा दिया है मैंगो मॉल फॉर्मेशन के प्रबंधन हेतु तो किस हार्मोन से डी ब्लॉजमिंग करनी चाहिए या करते हैं मैंगो मॉल फॉर्मेशन से बचाव के लिए हम किस हार्मोन का उपयोग कर रहे पीपीएम जिब्रेलिक एसिड दो पीपीएम आई दो सौ पीपीएम एन ए ए दो सौ पीपीएम टू फोर डी इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा दो सौ पीपीएम जिब्रेलिक एसिड दो ppm पीपीएम आई बी ए दो सौ पीपीएम एन ए ए या फिर दो सौ पीपीएम आपका टू फोर डी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों संजय संजय डबरिया वेरी गुड मुकेश सिमरन भाद्रा पुकराज इसका सही उत्तर देखो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर विद्यार्थियों जैसा कि आप लोग दे रहे हो बहुत कम के प्रश्न सही आ रहे हैं लेकिन सही ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 ppm NAA 200 ppm नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है हम लोग मैंगो मॉल फॉर्मेशन का प्रबंधन करते हैं सही बात है बढ़िया अगला देखो प्रश्न कि आम की पछेती किस्मों यानी कि लेट मैच्योरिंग वेराइटीज का सही युग्म है आम की पछेती किस्मों लेट मैच्योरिंग वेरायटीज का सही युग्म है बॉम्बे ग्रीन और केसर दूसरा है लंगड़ा और दशहरी चौसा और फजली मल्लिका और आम्रपाली आपको प्रश्न क्या पूछा गया है कि आम की पछेती किस्मों का सही युग्म है मैं सभी के कमेंट आप लोगों के पढ़ पा रहा हूँ सब लोग कमेंट करें नरेंद्र नरेश सोमेश नरपत सिंह राठौड़ ठीक है नरेश वेरी गुड सत्तू दिनेश बुद्धि प्रकाश विकास कोमल ललिता कमेंट क्या बहुत फास्ट होता है तो सबके नाम लेना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है परंतु फिर भी देखो इसका सही उत्तर फटाफट से बताएंगे तो इसका जो सही उत्तर मैं विद्यार्थियों बता देता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है आम की पछेती किस्म यहां पर कौन सी है चोसा और फजली यहाँ पे जो है आपकी पछेती किस्में जैसा कि विद्यार्थी मोहित सही आंसर दे रहे हैं सी जो है काफी बच्चों ने उत्तर दिया है सबसे पछेती तो फजली है और उससे थोड़े दिन पहले पकती है चोसा यानी कि ये दोनों क्या हुई पछेती वेरायटी जिनकी हो गई है अगला प्रश्न है कि मिलीबग आम का मुख्य कीट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है मिलीबग आम की मुख्य कीट है इसका वैज्ञानिक नाम बताना है ड्रोसिका मेंजिफेरी स्टेरनोचेटस मेंजिफेरी एमरिटोडस एटकिंसोनी या फिर बेक्टोसेरा डोरसेलिस सही उत्तर बताना है कि क्या होगा आम की मिलीबग जो होती है वो मुख्य कीट है उसका नाम है कि ड्रोसिका मेनजीफेरी स्टेरनोचेटस मेन्जीफेरी एमरिटोडस एटकिंसोनी और बेक्टोसेरा डोरसेलिस सही आंसर बताना है कि क्या होगा तो सही आंसर जो है आप लोग बताएंगे कि क्या होगा मीना किरण चौधरी दाऊद खान बहुत बढ़िया बालाजी के लाडले का भी स्वागत भेरूलाल गुजर महेंद्र फटाफट से बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर दे रहे हैं थर्ड तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों बात ऐसी है कि इसका सही उत्तर ड्रोशिका मेंजी फेरी जो है हम लोग आम की मिलीबग को कह देते हैं ठीक है तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट दे भी रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे हैं अगला प्रश्न देखो कि होपर यानी कि आम का फुद का आम का सबसे खतरनाक कीट है इसका वैज्ञानिक नाम होता है होपर यानी कि आम का फुद का आम का सबसे खतरनाक कीट है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ड्रोसिका मेन्जीफेरी स्टेरोचेटस मेन्जीफेरी

अब इसका सही आंसर आप लोग बता रहे हैं थर्ड आंसर में मेजोरिटी में आ रहा है यानी कि थर्ड आंसर फर्स्ट भी आ रहा है देखो फर्स्ट तो पुराना हो गया लेकिन अब ये या फिर आइडियोस्कोपस इस तरह का जो नाम है ये किसका है मैंगो होपर का नाम है अगला प्रश्न भी इसी तरह का है सेम टू सेम मैं जल्दी बता देता हूं तो क्योंकि दो तो आपको पता चल गए हैं तो अब है आम की फल मक्खी यु फ्रूट फ्लाई जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है आम की फल मक्खी तो ड्रोसिका तो मैंने आपको मिली का बता दिया, दिया ड्रोसिकाजी सेलिस।, सेलिस भी बोलते हैं कई बार ऑप्शन में डोकस डोरसेलिस डौ। भी मिल सकता है डोकस डोरसेलिस या फिर बेक्टोसेरा डोरसेलिस मिलेगा तो इसका फल मक्खी का क्या नाम होता है फोर्थ यहाँ पे जो है विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा मैं सीधा ही बता देता हूं अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला देखो क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, हैं कि, मिलान करना है, कौन से है और आम की किस्में कौन से क्षेत्र में सी किस्में महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को यहाँ पे पता करना है उत्तरी भारत में कौन से किस्में हैं दक्षिण भारत में कौन से किस्में प्रचलित हैं पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में आगे ऑप्शन दे रखा है केसर अल्फांजो मूल गोवा फजली गुलाब खस भोग, और चोसा, और ग्रीन। नहीं कोटपुतली जयपुर से राम राम विकास कुमार बिल्कुल राम राम सुरेश किंग नौ दिनेश चुप्रल रेणु सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया माया जांगीर निर्मला आशीष सबीर मुकेश कुमावत वेरी गुड दिलीप प्रजापत दिनेश खारोल बहुत अच्छी बात है तो इसका सही उत्तर आप लोग दे नहीं रहे हो क्या दे रहे हो पढ़ लो इसको एक बार फिर इसके सही आंसर दो नहीं तो मैं सीधा आपको बताने के लिए चल रहा हूँ देखो इसको देखो पढ़ना पड़ेगा तो उत्तरी भारत में जो किस्में हैं उत्तरी भारत में फेमस किस्में कौन सी है आपकी फोर्थ लंगड़ा दशहरी लंगड़ा चौसा दशहरी और बॉम्बे ग्रीन जो है तो फर्स्ट के अंदर डी आएगा परंतु ऑप्शन भी बैठे सब ने जो है क्या दे रखा है डी दे रखा है अच्छा अगला पढ़ो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में में क्या है नीलम रत्ना तोतापुरी तो दूसरे में क्या आएगा सी आएगा तो दो ऑप्शन में में हमें सी मिला हुआ है पूर्वी में है पूर्वी भारत क्या फजली गुलाब खस कृष्ण भोग तो तीसरे के अंदर क्या आ जाएगा आपने बी आ जाएगा फिर पश्चिम भारत में क्या है तो पश्चिम भारत में आपकी केसर अल्फांसो मूल गोवा अर्थात ऑप्शन फर्स्ट जो है विद्यार्थियों ये आपका बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन है तो ये उत्तरी भारत की कौन सी हुई लंगड़ा दशहरी चौसा बॉम्बे ग्रीन दक्षिण भारत की किसमें कौन सी हुई नीलम रतना तोतापुरी आपकी बैंगनपल्ली पूर्वी भारत में आपकी फजली गुलाबखस कृष्णभोग पश्चिम भारत में केसर अल्फांजो मूल गोवा इस तरह से ठीक है बहुत अच्छी बात है वेरी गुड अगला जो प्रश्न है ये आपका सिंपल जो चारों किस्में हैं जिनका संकरण जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जनरली संकरण पूछा जाता है मैं आपको सीधा यहाँ पे संकरण बता दूंगा आप थोड़ा दिमाग लगा लेना आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना मैं इसमें बता दूंगा कि ये चार किस्में दी हुई है आम्रपाली मल्लिका रत्ना और सिंधु तो आम्रपाली वेराइटी का संकरण होता है दशहरी इंटू नीलम तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा मल्लिका का इसका जस्ट उठा उल्टा होता है नीलम इंटू दशहरी रत्ना का क्या होता है रत्ना का होता है नीलम इंटू अल्फानजो और सिंधु का होता है आपका रत्ना इंटू अल्फानजो इसकी ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्रिक पहली आपने क्या पढ़ी हुई है जैसे आपकी एक पढ़ी हुई है डी एन ए डी एन ए का मतलब क्या हुआ आपकी दशहरी और दशहरी और नीलम से क्या बनती है आम्रपाली बनती है यहाँ पर देखो ये ट्रिक लिखते हैं ना अपन ऐसे लिखते हैं डी एन ए डी एन ए का मतलब क्या है दशहरी नीलम से क्या बनी आपके आम्रपाली बन गई फिर आपकी क्या बनती है NDM, नीलम दशेरी से क्या और अल्फांजो के संकरण से क्या बन रही है रत्ना और आपकी फिर क्या है RAS, और अल्फाजो से कौन सी बन रही है सिंधु इस प्रकार से ये चारों किस्म है तो फर्स्ट सेकंड में ए और बी है ए तो और बी यहां पे है देखो यहां पे भी A और बी है फिर आपका क्या है डी है फिर सी है तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा थर्ड होगा मैं तो पीता रहूंगा एनर्जी ड्रिंक मैं एनर्जी ड्रिंक पी लूंगा विद्यार्थियों आप लोगों को तो सुनना है ठीक है तो आपको कहीं लग रहा है क्या एनर्जी कम है ऐसी बात थोड़ी लग रही है आप लोगों को कहीं महसूस हो रहा है क्या एनर्जी एनर्जी जो है कहीं कहीं एनर्जी में कमी आ गई तो है और चाय आएगी अभी ठीक अभी। है अभी चाय आ जाएगी तो फिर मैं काउ सुना दूंगा तुम्हें चाय को याद जब कभी किसी को याद करते हैं और वो चीज हो जाती है तो उसको यूं बोलते हैं कि जी जाऊ जाऊ कर रहे हैं और जी लेने आ गए ऐसी स्थिति होती है ना कई बार कि भूभाजी जहां जो कर रहे हैं भोपाजी लेने आगे चाय पीने का मन हो रहा है और चाय लेके आगे तुरंत तो ऐसे केस में क्या ऐसा होता रहता है अब देखो अगला आम का काला सिरा यानी कि ब्लैक टिप रोग दैहिक विकार जो है किसके है किसके कारण होता क्लोरीन की विषाक्तता के कारण बोरोन की कमी के कारण की कमी के कारण या फिर कैल्शियम की कमी के कारण आम का काला सिरा यानी ब्लैक टिप जो दैहिक विकार है वो किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है कि क्लोरीन की विषाक्तता या फिर बोरोन की कमी कॉपर की कमी या फिर कैल्शियम की कमी ठीक है समझ में आ रही है मुकेश जगदीश अनिता सहदेव पूनम दिलीप ठीक है हाँ तो इसमें क्या है देखो आम का काला सिरा रूख के दो कारण है पहला कारण तो यह है कि ईंट के भट्टे के आसपास में जो जहरीली गैसें निकलती है उसकी वजह से वो ऑप्शन में नहीं हो तो बोरोन की कमी से जो होता है ब्लैक टिप नामक रोग यहां पे हो जाता है ठीक है तो ये आप लोग ध्यान रख लेना अगला अगला देखो फिर प्रश्न है आपका इस प्रकार से कि आम की उत्तरी भारत की किस्मों में एकांतर फलन यानी अल्टरनेट बियरिंग की ज्वलंत समस्या पाई जाती है इसके प्रबंधन हेतु निम्न में से कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है ये आपको सही उत्तर बताना है कि आम की उत्तरी भारत की किस्मों में एकांतर फलन यानी अल्टरनेट बियरिंग की ज्वलंत समस्या पाई जाती है इसके चार ग्राम प्रति पौधा था बीस से पैंतीस ग्राम प्रति पौधा या फिर पेक्लोब्यूट्राजोल पांच से दस ग्राम प्रति पौधा सही उत्तर इसका क्या होगा ये आप लोग बता रहे हैं अभी ठीक है निर्मला आकाश राजेश ललिता कविता प्रिया सपना ठीक है गुलशन दिलीप मोहित फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आंसर कर रहे हैं कि फोर होगा कुछ बच्चे और भी कर रहे हैं कुछ जो है बोल रहे हैं फोर होगा थर्ड होगा तो यहां पे इसका सही जो आंसर होगा वो वास्तव में क्या होगा फोर ही होगा जो पेक्लोब्यूट्राजोल दवाई होती है प्रश्न क्या आता है कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं तो पेक्लाब्यूट्राजोल और मात्रा भी पूछी जाती है तो पांच से दस ग्राम प्रति पौधा जड़ क्षेत्र में देते हैं जड़ क्षेत्र यानी रूट जोन में अगला प्रश्न है असत्य कथन को अलग कीजिए असत्य कथन आपको यहाँ पे पकड़ना है और अलग करना है पहला है आम आम्रपाली आम आम्र की सबसे बोनी किस्म है दूसरा है आम्रपाली किस्म सबसे मीठी और बीज रहित है सबसे मीठी और बीज रही थे अगला है आम्रपाली ग्रह वाटिका यानी किचन गार्डन है तो उपयुक्त किस्म है अगला है आम्रपाली किस्म को दो पॉइंट पांच इंटू दो पॉइंट पांच मीटर की दूरी पर लगाते हैं आम्रपाली से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ क्लियर हो जाएंगे असत्य कथन का चयन करना है कि आम की जो आम्रपाली किस्म है यह सबसे बोनी किस्म है ठीक है आम्रपाली किस्म सबसे मीठी और बीज रहित है आम्रपाली ग्रहवाटी का किचन गार्डन है तो उपयुक्त है और आम्रपाली किस्म को दो पॉइंट पांच इंटू दो पॉइंट पांच मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो सही आंसर इसका आपको बताना है कि क्या होगा चुन्नीलाल राजेश सुरेश मंजीत बेरूलाल फटाफट से मुझे आप लोग सही और बिल्कुल सटीक आंसर बताएं दूसरा बिल्कुल सही है क्योंकि आम्रपाली जो है सबसे मीठी और बीज रहित किस्म नहीं है बाकी तीनों जो है फीचर वो इसी क्या हैं तो सही उत्तर क्या होगा सेकंड अगला प्रश्न है कि फिर से आपको गलत का चयन करना है कि कौन सा बेमेल है इधर आगे के साथ में आपको देखना है कि कौन सा गलत है रोमानी जो है सेब के आकार के फल रत्ना स्पोन्जी उत्तर प्रतिरोधी किस्म है बॉम्बे ग्रीन उत्तरी भारत में सबसे पहले पकने वाली किस्म है और अल्फानजो जो है आपकी बेमौसमी किस्म है इन चार में से सही ऑप्शन आपको टिक करना है रुमानी आपकी क्या है सेब के आकार के फल होते हैं रत्ना स्पी उत्तक प्रतिरोधी किस्म है बॉम्बे ग्रीन जो है उत्तरी भारत में सबसे पहले पकने वाली किस्म है और अल्फानजो आपकी बेमौसमी यानी ऑफ सीजन बियरिंग वेराइटी है इसका सही उत्तर क्या होगा मेरी क्लास बहुत अच्छी चलेगी मेरी क्लास जो है अच्छी खासी चलेगी जब तक आप लोगों की संख्या इतनी रहेगी हजार रहेगी तब तक मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग यहाँ हैं तब तक मैं भी यहाँ हूँ समझ रहे हो तो अपन कोशिश करेंगे यस तो अभी तो क्लास की शुरुआत है यूं मान लेना कोमल सागर नवल प्रिया दिलीप फोर्थ आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ऊपर वाली तीनों किस्मों के गुण याद कर लो इसका जो है चौथी जो किस्म है ये आपकी बेमेल है बाकी तीनों ऊपर वाले सही है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न मैंने आपको सुबह करवाया था उसी को मैं खुद पढ़ देता हूं वापस ये आप लोग इस पर लोड नहीं लेंगे नया क्वेश्चन देख लेंगे अपन पहली है इन ये प्रवर्धन की विधियां दे रखी है ये किस क्षेत्र में भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है आगे ऑप्शन आपके इस प्रकार है इनार्चिंग या फिर भेंट कलम जो है वो दक्षिण भारत के अंदर आम के प्रवर्धन की प्रचलित विधि है ग्राफ्टिंग उत्तरी भारत में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है इपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग आपकी जो है महाराष्ट्र के कोंगण क्षेत्र में प्रचलित किस्म है सॉफ्टवुड या फिर इन सीटू ग्राफ्टिंग आपकी पश्चिमी या फिर शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है तो आम से संबंधित ये चारों जो है ये चारों जो है आप लोगों को पूछते रहते हैं क्वेश्चन रखना ये चारों आम की किस्में पूछी जाती रहती है ठीक है हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है बिल्कुल प्रदीप यू मान लो अभी तो पार्टी शुरू हुई है हाँ। सुरेंद्र नरपत सिंह शिवानी ज्योति कैलाश अफजल दिलीप बढ़िया अगला देखो आम की स्पॉन्जी उत्तक के प्रति संवेदनशील किस्म कौन सी है मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना फिर इसको पढ़ो आम की स्पोजी टिश्यू आम की स्पोजी टिश्यू के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील का मतलब सबसे ज्यादा यह बीमारी किसमें होती है अल्फांजो रत्ना नीलम और सिंधु अल्फांजो रत्ना नीलम और सिंधु जो है इन चार में से आपको बताना है कि आम की स्पोजी टिश्यू के प्रति सर्वाधिक संवेदन किस्म जो है कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता रहता है तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि कौन सा जो है फटाफट फिर अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चे फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। तो मुझे आपका फर्स्ट दिखते ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आम की बेमौसम में पकने वाली किस्मों का सही युगम कौन सा है आम की ऑफ सीजन या फिर इनको कहते हैं परकोशियस वेरायटी कौन सी है या फिर प्री कोशियस कौन सी है अल्फानजो और केसर फजली और चौसा निरंजन और मधुलिका रोजिका और इलायची आम की कौन सी दो किस्में जो है, है यानी मौसमी पकने वाली वेराइटी कौन सी है जो बताना है आपको अल्फांजो या फिर केसर फजली और चोसा निरंजन और मधुलिका या फिर रोजिका वे इलायची तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर ये आप लोग अभी बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा ठीक है तो इसका सही उत्तर जैसा कि बच्चे कमेंट देखो कमेंट आने लगे हैं वेरी गुड वेरी गुड दिलीप थर्ड आंसर कर रहे हैं एग्रीकल्चर यस यसरी दिलीप बहुत बढ़िया तो इसका सही उत्तर बिल्कुल जैसा कि मेजोरिटी में बच्चे बता रहे हैं निरंजन और मधुलिका जो वेरायटी है ये दोनों क्या है बेमौसमी पकने वाली किस्म है प्रिकोशियस या फिर ऑफ सीजन वेराइटी बियरिंग वेराइटी मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं विद्यार्थियों अगर आपको कोई चीज नहीं लगती है का मतलब न्यू चीज लगती है आपके सामने तो आप क्या करेंगे उसको लिखने का प्रयास करें लिखोगे तो क्या रहेगा ठीक रहेगा मतलब समझ रहे हो हाँ अगला प्रश्न है आम के फलों का परिपक्वता सूचकांक यानी मेच्योरिटी इंडाइसिस क्या है यानी ऐसी कौन सी अवस्था है या फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि आम के फल जो है पक चुके हैं पहला है टपका अवस्था दूसरा है ठोसपन तीसरा है अपेक्षिक घनत्व या फिर कई बार विशिष्ट घनत्व भी ऑप्शन में आता है या फिर आपका विशिष्ट घनत्व विशिष्ट घनत्व या फिर आपका टपका स्टेज या फिर ठोसपन या फिर ए और तीन दोनों इनमें से बताना है कि आम का क्या होता है ठीक है ऑफिशियल हेमंत ठीक है बच्चे बच्चे ऐसे मत लिखो विनीत संजय कविता शिवानी देश राज विकास बच्चे जैसा कि डी आंसर कर करनी कुछ फर्स्ट भी कर रहे हैं तो मैं यहाँ बिल्कुल सही बता देता हूँ कि इसका साइन सही आंसर क्या होगा आपका फोर होगा फोर का मतलब क्या हुआ फोर का मतलब यह हुआ कि टपका स्टेज भी इसका मेच्योरिटी हंडाइसिस है और अपेक्षित या फिर विशिष्ट गणत्व से भी हम क्या करते हैं इसकी मेच्योरिटी को हम लोग चेक करते हैं अगला देखो अगली आम की कुछ किस्में और लिखी है उनको पहचान कर आपको बताना है कि क्या है मामला तो किसमें दर रखी आगे गुण दे रखा है रोजिका आपकी इसमें बेमेल को है ना बेमेल कौन सी गलत तरीके से मैच की हुई वेराइटी रोजिका उत्परिवर्तित किस्म है भादुरान और इलायची आपकी मैंगो मॉल फॉर्मेशन के प्रति संवेदनशील किस्म है लंगड़ा आपकी टर्पेन्टाइन फ्लेवर के लिए फेमस है लाल सिंदूरी आपकी जो है छाछा रोग प्रतिरोधी है इस प्रश्न का सही उत्तर दो ना तो मैं मानूंगा वास्तव में तैयारी अच्छी है इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो ही मैं मानूंगा कि भाई हाँ मान गए आज ऐसा हाल है ठीक है समझ रहे हो आदर्श मिश्रा प्रकाश कुमार फोर्थ ऑप्शन जो था बिल्कुल ठीक था अब इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि ललिता अजीत शर्मा संजय डबरिया वेरी गुड नहीं बहुत अच्छा आज की परफॉर्मेंस आप सभी की प्रशंसा के लायक है मतलब पूरे दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं आज आज सुबह ग्यारह बजे क्लास स्टार्ट हुई थी हुई थी और लगभग जो है घंटे कंटिन्यू हो गए हैं और छह घंटे से आप लोग जो है कंटिन्यू जो है बने हुए हैं मतलब मैं आपकी छाती को धन्यवाद देता हूँ मतलब आपकी छाती को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में यू है पेट भी थप तो पता हूँ साथ में कि वास्तव में एक नंबर जो है आपकी परफॉर्मेंस है इसका सही आंसर देखो उन्नीस बीस हो रहा है चारों तरफ बच्चों के गड़बड़ आंसर आ रहे हैं सेकेंड आंसर आ रहा है फोर्थ आ रहा है तो मैं सही उत्तर देखो बता रहा हूँ विद्यार्थियों सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका सेकेंड क्यों होगा क्योंकि भादुरोन और इलायची मैंगो फॉल फॉर्मेशन संवेदनशील नहीं है प्रतिरोधी किस्म है ये आपकी क्या है प्रतिरोधी किस्म है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको पढ़ लो ढंग से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद में इसको करो ठीक है लाल छाछा रोग प्रतिरोधी है लंगड़ा टर्पेन्टाइन फ्लेवर के लिए फेमस है रोजी का उत्परिवर्तित वाली उत्परिवर्तन से विकसित की हुई है और बहादुरान और इलायची विद्यार्थियों आपकी क्या है आपकी जो है मैंगो मॉल फॉर्मेशन रेजिस्टेंट वेराइटी है संवेदनशील नहीं है ठीक है अगला प्रश्न देखो कि जुम का जो है जुम का डबल आया हुआ क्वेश्चन है कि जुम्म का किसका दैहिक विकार है ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जुमका आम का प्रमुख देहिक विकार है यह किस कारण होता है तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है ऑप्शन है उच्च तापमान संवहन पुष्पन के समय कम तापमान लो टेम्परेचर बोरोन पोषक तत्व की कमी या फिर क्लोरीन की विषाक्तता ज्यादातर का गलत हुआ है क्वेश्चन तो ध्यान रखना यही तो है मेरा ये उद्देश्य मैंने ये, ये सब प्रश्न मेरे हाथ से बनाए हुए आप लोगों को किसी को लग रहा है कि क्वेश्चन कहां से उठा के लाए तो उठा के लाए हुए प्रश्न का यहाँ पे काम नहीं है बच्चों कोई एग्जाम में पूछा गया हो वो एक अलग मैटर है बाकी ये प्रश्न मेरे हाथ से बने हैं और यहाँ पे आदमी जो है हर कोई आदमी यहाँ पे कहते हैं ना कि हाँ जिसको देसी भाषा में कहते हैं कि डापा चूक हो जाता है तो अपने क्वेश्चन में जो है अच्छे अच्छे डापा चूक हो जाते हैं फोन पड़ा है इस प्रकार से समझ रहे हो तो ये इस तरह से हो तो तो प्रॉब्लम होती है वो लो टेम्परेचर की वजह से होती है फूल आते समय जो है आपके क्या होते हैं पुष्पन के समय कम तापमान या लो टेम्परेचर की वजह से झुमका नामक दैहिक विकार आम में हो जाता है अगला जो प्रश्न है आपका वो इस प्रकार से है चार देिक विकार इधर दिए हुए हैं और इन देहिक विकारों को हमें क्या करना है इनके कारण के साथ मिलान करना है विद्यार्थियों कारण के साथ कैसे मिलान करना है इधर तो हमने देहिक विकार दिया हुआ है इधर आगे कारण दिया हुआ है कि किस कारण से यह समस्या होती है पहला है आपका काला सीरा यानी कि ब्लैक टिप अगला है आपका स्पॉन्जी टिश्यू फिर है जुमका फिर है सॉफ्ट नोज आगे हमारा देरका है ठीक है अगला है कैल्शियम की कमी बोरोन की कमी पुष्पन के समय कम तापमान या फिर उच्च तापमान संवहन इसमें आपको मिलान करना है तो मिलान क्योंकि आपको सीधा सा पता चल रहा है काला सिरा हमने क्या देखा ब्लैक टिप बोरोन की कमी से होता है तो फर्स्ट के अंदर हम क्या कर देंगे बी कर देंगे स्पोजी टिश्यू उच्च तापमान संवहन की वजह से होता है तो दो के अंदर आपका क्या होगा डी होगा झुमका अभी जस्ट देखा पुष्पन के समय कम तापमान और सॉफ्ट नोज जो है आपका कैल्शियम की कमी से अर्थात आपका सही उत्तर क्या होगा थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है प्रेम अफजल दिलीप राजेश संतोष राहुल राजेंद्र सही चल रहे हैं। वेरी गुड अगला देखो इस प्रश्न को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना कि पूसा अरुणिमा पूा लालिमा पूा प्रतिभा आम की किस्में किनके संकरण से विकसित की गई है आम की चारों किस्मों का लगभग संकरण एक ही है पूा अरुणिमा प्रतिभा पूिमा श्रेष्ठा इन चारों का संकरण सेम है क्या है देखो आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद आम्रपाली इंटू नीलम और आम्रपाली इंटू सेंसेशन तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या इसका सही उत्तर यहां पे हो जाएगा तो सही आंसर क्या होगा फटाफट -पट से देखो मैं आप लोगों के कमेंट चेक कर रहा हूं प्रमीला बिश्नोई सही उत्तर बताना है कि ये जो चारों दे रखी है इसके साथ मैंने दो किस्में और आपको बता दी थी वो भी अभी मैं चर्चा कर लूंगा एक बार आप लोग फटाफट से आंसर दो ठीक है संतोष थर्ड आंसर आ रहा है शिवानी धनराज रोहन अशोक अफजल ठीक है तो मैं इसका सही उत्तर ले लेता हूं सही उत्तर होता है विद्यार्थियों फोर्थ आम्रपाली इंटू सेंसेशन जो है आपका इन चारों किस्मों का संकरण है नई दिल्ली से निकालेगी छह किस्में आपको याद रखनी पता है कौन कौन सी पहली है पूषा अरुणिमा पूा लालिमा पूा प्रतिभा पूसा श्रेष्ठा चार किस्मों का संकरण सेम है क्या हुआ आम्रपाली इंटू सेंसेशन एक वेराइटी है आम्रपाली इंटू सिंदूरी वाली कौन सी बताई थी मैंने अभी पूसा पीताम्बर

काफी चीजें नई सीखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है बताओ काफी चीजें आप लोगों को नई सीखने में मिल रही है आम की किस्म जिसमें सर्वाधिक कुल गुलशील ठोस यानी कि टी एस एस पाया जाता है जेवियर अल्फांजो एडवर्ड और आपकी जो है तोतापुरी सेवियर अल्फांजो एडवर्ड और तोतापुरी आपको बताना क्या है कि सबसे ज्यादा टी एस एस जो है आपका किसके अंदर पाया जाता है ठीक है बढ़िया गुड राज मेघवाल मुकेश महेंद्र शिवानी वेरी गुड अगले प्रश्न में आपको बता देता हूं कि अगला प्रश्न क्या है इसका फटाफट से बच्चे जैसे ही आंसर दे रहे कि फर्स्ट होगा तो फर्स्ट होगा क्या वेरी गुड तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ कि जी हाँ फर्स्ट ही होगा आप लोगों ने आंसर दिया है फर्स्ट होगा तो मैं आपके आंसर के ऊपर ठप्पा लगा देता हूं कि यस बिल्कुल जेवियर ही होगा जेवियर के अंदर सर्वाधिक आम की किस्मों में से पाया जाता है अगला देखो इस बेमेल को आपको छाटना है कि बेमेल में क्या है मामला तो बेमेल को छाटिए विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन भारत में होता है सही बात है या गलत बात है यह आपको तय करना है ठीक है लगभग पचास परसेंट के आसपास और आम मुख्यतः उष्ण जलवायु का पौधा है केसर किस्म जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध किस्म है अल्फानजो यानी कि जिसे हाफूस कहते हैं के लिए रत्नागिरी एवं सिंधु जो महाराष्ट्र के जिलों को भारत सरकार से भौगोलिक संकेत यानी जी टैग मिला हुआ है चार ऑप्शन है आपको बताना है कि कौन सा गलत है विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन भारत में होता है आम मुख्यतः उष्ण जलवायु का पौधा है केसर किस्म जो है उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध किस्म है अल्फानजो हापुस जो किस्म है के लिए रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जो महाराष्ट्र जिलों को भारत सरकार से जो है भौगोलिक संकेत मिला हुआ है इसका सही आंसर बत्ते जैसा कि दे रहे हैं थर्ड आंसर दे रहे हैं सीधा पकड़ में आ गया बाकी चीजें भी सीख जाएंगे हम लोग वेरी गुड तो आमी की केसर किस्म है? इसमें उत्तर प्रदेश की फेमस नहीं है ये किसकी है गुजरात राज्य की प्रसिद्ध किस्म है समझ में आ रहा है बातें केसर गुजरात की फेमस है इसी तरह से सुनीता विकास राजेश प्रियंका सही है वेरी गुड अगला देखो प्रश्न अब यहां पर कुछ किस्में दी हुई है इनमें से आपको क्या करना है बेमेल को छाटना है इसमें भी आप लोगों ने अगर ढंग से दो पुराने दो क्वेश्चन देखे हुए हैं तो इसका सही उत्तर दे दोगे अरका अनमोल अरका पुनीत अरका अरुणा और पुषा पिताम्बर चार किस्में हैं इनका संकरण भी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है अरका अनमोल का क्या है अल्फानजो इंटू जनार्दन पसंद अरका पुनीत का क्या है अल्फानजो इंटू अरका अरुणा का क्या है बैंगन पल्ली इंटू अल्फानजो और पुषा पिताम्बर का क्या है आम्रपाली इंटू सेंसेशन इन चारों संकरण में से अगर आपने अभी के दो वीडियो विद्यार्थियों देखे हुए हैं तो आपको यह चीज आ जानी चाहिए ठीक है बच्चे चार आंसर दे रहे हैं वेरी गुड इसका मतलब चीज समझ में आ गई आपके तो ये तीनों संकरण आपके सही है और यहाँ पे पूसा पीताम्बर का मैंने कहा था आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी होता है आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी होता है ना कि सेंसेशन होता है इसलिए जो है आप पहचान गया आपने और ये प्रश्न सही कर लिया ये इससे मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने जो बताई वो चीज आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से पल्ले पड़ गई है इसलिए आपके भविष्य में भी काम आएगी कि आम की अगेती किस्मों का सही युग्म है आम की कौन सी अगेती किस्में फजली चौसा दशहरी लंगड़ा ग्रीन केसर मल्लिका और आम्रपाली आम की अगेती किस्में कौन सी है आपको इसका चयन करना है ऑप्शन आपने देख लिए हैं ऑप्शन इस प्रकार से है कि फजली व चौसा दशहरी व लंगड़ा बॉम्बे ग्रीन और केसर मल्लिका और आम्रपाली सही बताना है आपको क्या होगा आंसर बच्चों का आंसर आ गया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इतना बढ़िया फटाफट से आंसर दे रहे हो तो बॉम्बे ग्रीन और आपका जो केसर है वो अगेती किसमें है बॉम्बे ग्रीन तो सबसे अगेती है उत्तरी भारत में मार्केट में सबसे पहले पता है फ्रूट इसे क्या कहते हैं किसके बॉम्बे ग्रीन की अगला जो प्रश्न है आम की साई सुगंधा किस्म किसके संकरण से विकसित की गई है आज तो आम के बारे में आपके चीजें छूटेगी नहीं आम की साई सुगंधा किस्म किसके संकरण से विकसित किए गए हैं तोतापुरी इंटू केसर तोतापुरी इंटू नीलम आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी और नीलम इंटू दशहरी नीलम इंटू सुगंधा वैरायटी है तो इस साई सुगंधा वैरायटी के बारे में आपको बताना है कि तोतापुरी तोता इंटू केसर तोतापुरी इंटू नीलम आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी और नीलम इंटू दशहरी क्या हो जाएगा इसका सही संकरण ये आप लोगों को अभी से बताना है मा का लाडला सुरेश दिलखुश दिव्या बबली वेरी गुड तो संजय बच्चों ने फर्स्ट आंसर देना शुरू कर दिया है तो इसका सही आंसर क्या होगा तोतापुरी इंटू कैसर ये के एस इसका सूत्र क्या है याद करेंगे के एस तोतापुरी इंटी कैसर बराबर साई सुगंधा के एस जो है इसका फॉर्मूला है अगला प्रश्न है अब अपना प्रश्न जो केले के संबंध में आ चुके हैं अब अपने जो प्रश्न आ रहे हैं वो केले के संबंध में है और केले के संबंध में अपने अगले प्रश्न आ रहे हैं और केले के प्रश्न हम लोग आगे कर रहे हैं इस प्रश्न को पढ़ो कि केले में केले के बीज रहित होने का कारण है केला जो बीज रहित होता है उसका क्या कारण है यह आपको बताना है केले में सीडलेसनेस का क्या कारण है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी स्टेनोस्पर्मोकार्पी और एपोमिक्सिस सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी स्टेनोस्पर्मोकार्पी या फिर एपोमिक्सिस तो केले में सीडलेसनेस का कारण विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं कौन सा होगा तो फर्स्ट आंसर होगा बिल्कुल जो है वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी जो होती है वो वेजिटेटिव पार्थनोकार जो है इसमें सीडलेसनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है जो केला बेज रही तो होता है ठीक है वेरी गुड केले के पौधों का ऊपरी तना यानी कि वायव्य तना एरियल स्टेम क्या कहलाता है सरल से लेके कठिनतम प्रश्न हम लोग देख रहे हैं किसके केले के ठीक है शायरी चुनना चाहते हैं तो सायरी चुनना चाहते हैं तो शायरी सुना दूंगा अभी मैं बढ़िया वाली शायरी सुना देता हूं एक बच्चे बोल रहे हैं कुछ सुना दो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छी थी शायरी जो मैंने कल सुनाई थी कल आधी सुनाई थी आज मैं उसका पूरा वर्जन आपको सुना दूंगा ठीक है मैं आपको पूरा वर्जन इसको सुना देता हूँ शायरी का क्या होगा इसका उत्तर देने के बाद में ठीक है तो इसका उत्तर जो होगा ऊपरी जो तना होता है वायव्य तना होता है केले का उसको हम लोग स्टेम कह देते हैं केले का जो वायव्य ऊपर वाला तना होता है उसको हम लोग शुडो स्टेम कह देते हैं ठीक है तो कृष्णा ललिता बच्चे सेकंड आंसर सही है वेरी गुड बच्चे हाथ उठा रहे हैं मेरा सही है बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है अच्छा आंसर है कुछ बच्चे फर्स्ट अभी भी बता रहे हैं लेकिन फर्स्ट वालों का तो सही नहीं है परंतु जो शुड जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना जो जमीन के अंदर जो होता है वो जो वास्तविक जो तना होता है उसको राइजोम कहते हैं यहाँ पे क्या है ये आभासी तना एक तरह का ये आपका शुडो का मतलब क्या होता है आभासी तना ये वास्तव में है नहीं केवल ये आवाज करा रहा है कि भाई हाँ है ये वास्तविकता नहीं अब आप लोगों के खिदमत में एक जो है अच्छी वाली शायरी में पेश कर देता हूं उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तैयार हैं सभी गुड कल मैंने बताई थी लेकिन वो आदि थी आज मैं पूरी आपको बताऊंगा शायरी वो आप लोगों को अच्छे से सुनना है ठीक है गुड कि खुद को इतना भी मत बचाया कर खुद को इतना भी मत बचाया कर बारिशें हो तो भीग जाया कर खुद को इतना भी मत बचाया कर बारिशें हो तो भीग जाया कर काम ले कुछ हसीन होठों से काम ले कुछ हसीन होठों से बातों बातों में मुस्कुराया कर बातों बातों में मुस्कुराया कर चांद लाकर कोई नहीं देगा चांद लाकर कोई नहीं देगा अपने चेहरे से जगमगाया कर अपने चेहरे से जगमगाया कर तो ये शकील आजमी साहब की जो शायरी थी बहुत बेहतरीन है समझने वाले तो समझ गए और जो अन समझ गए उनको धोखा है बेकरारी नंदिया और आले, आगे गेला भोका है ऐसे हमारे उधर कहावत है जिसके समझ में आ गई वो तो सन में चला गया और अन समझा को धोखा बेकरारी नंदिया और आगे गेला भोका समझ रहे हो इसलिए समझने वालों को समझ में आ गई नहीं समझने वालों के कुछ समझ में नहीं आया केला जो है म्यूसा पेराडीसिका पौधा है, द्विगुणित है त्रिगुणित है चतुर्गुणित है या फिर षटगुणित है आपने लिखा है देखो केला क्या है जो म्यूसा पेराडीसी का प्रजाति है, प्रजातिहा डिप्लॉइड या फिर जो है आपकी हेक्साप्लॉइड। समझ गए यस yes. तो इसका सही उत्तर अब लोग बता देंगे कि कितने क्वेश्चन और हैं क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे और हैं ठीक है थीके? कोई बात नहीं मारवाड़ी ये इंटरनेट भी तो खत्म होता है ना पूरे दिन हम लोग इंटरनेट अब पूरे दिन आ, अगर बच्चे देखते रहते हो तो, तो इंटरनेट कहीं नही तो नेट तो पैक जो होता है वो खत्म हो जाता है इसलिए बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो गई कोई बात नहीं लेकिन थोड़ी देर तो हम लोग और करेंगे ही करेंगे ठीक है तो यहाँ पे बच्चे सेकंड आंसर कर रहे हैं मैं सभी को बिल्कुल ठीक कहते हैं तो त्रिगुणित होता है म्यूसा पेराडिसी का जो है त्रिगुणित होता है अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका पुष्पक्रम स्पेडिक्स होता है किस किस का पुष्पक्रम यहाँ पे स्पेडिक्स होता है सुपारी का नारियल का खजूर का उपयुक्त सभी का सुपारी का नारियल का खजूर का उपयुक्त सभी का आपको बताना है किस किस का जो है पुष्पक्रम जो होता है वो आपका स्पेडिक्स होता है सुपारी नारियल खजूर या फिर उपयुक्त सभी सही आंसर देखिए क्या होगा शुभम शिवानी बच्चे आंसर कर रहे हैं जैसे कि विशाल मृत्युंजय परमार बच्चे बोल रहे हैं मारो नेट खत्म हो गयो बहुत बढ़िया है खत्म तो नेट देखो होना ही है सुबह से जो बच्चे जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से दिक्कत आ रही होगी तो इसका सही उत्तर क्या होगा उपयुक्त सभी ठीक है मैं बताता हूँ एक ट्रिक हमेशा बताता हूँ एबीसीडी एबीसीडी अरेका नट यानी सुपारी बी यानी बनाना सी यानी कोकोनट डी यानी खजूर डेट पाम तो इन चारों का क्या होता है स्पेडिक्स होता है अगले प्रश्न को पढ़ करके आपको सही उत्तर का चयन करना है इस प्रकार से है चौथा ऑप्शन इसमें है ही नहीं तीन ऑप्शन ही है आपके देखो निम्न कथनों को पढ़िए केला मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का, का स्रोत होता है खारीय मृदाओं में पनामा विल्ट नामक रोग अधिक होता है केले की खेती के लिए इष्टतम तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केला मूलतः उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है केला मूलत जो है आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है चारों कथनों को पढ़ना है और उसका जो है आपको उत्तर देना है समझ में आ गई आपके इस कथन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे जो मैं यहाँ सही उत्तर आपको देता हूं कि क्या होगा समझ में नहीं हुआ नहीं आया तो इसको देखो फिर से कि यहाँ केला मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जी हाँ लेकिन ये पनामा विल्ट बीमारी कौन सी मृदाओं में होती है अम्लीय में होती है ये क्षारी में नहीं होती है तो ये बी गलत हो गया ए सही है तापमान भी क्या है सही है तापमान इसका बीस से तीस डिग्री सेंटीग्रेड ये सही है मूलत है सब ट्रॉपिकल का नहीं है मूलत है उष्ण जलवायु का जो है केला पौधा है तो अर्थात ये भी गलत हो गया सही कौन से हो है? ए और सी तो ए और सी किसमें है दो के अंदर है विद्यार्थियों तो दो सही हो गए ठीक है बहुत बढ़िया अब फटाफट से अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा होगा यहां पे ये ये मैंने रात को करवाया था मैं यहीं पे खुद आपको पहले से बता देता हूं केले में नर कोपल यानी मेल बर्ड को हटाने की तकनीकी को हम लोग डीनेवलिंग कहते हैं ये मैंने कल रात को करवाया था इसलिए टाइम खराब नहीं कर रहे हैं आप लोग इसको एक बार देखो फटाफट से कि जो केले में परागण होने के बाद नर भाग को हटा दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डीनेवलिंग कहते हैं बच्चों डीनेवलिंग ठीक है अगला है भारत में फल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादित किए जाने वाले फलों का क्रम कौन सा है भारत में सर्वाधिक उत्पादित किए जाने वाले फलों का घटता क्रम बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और ऐसे टॉप तीन फल कौन से हैं आम सिट्रस केला सिट्रस केला आम केला सिट्रस आम और केला आम और सिट्रस तीन आपको फल बताने हैं यस yes. बिल्कुल राइट बच्चों का आंसर आ चुका है फोर बच्चा बोल रहा है सर मैंने एक जीबी का एक्स्ट्रा नेट पे करा है लेकिन आपने मेरा नाम ही नहीं लिया मैं नाम ले लेता हूं तेरा तेरा नाम है डेली न्यूज इसने नाम लिखा हुआ है डेली न्यूज तेरा ओरिजिनल नाम हो तब तो मैं ले लू डेली मूवी ऐसा कुछ नाम है तेरा तेरा सही नाम हो तब तो समझ जाए तेरा नाम ही डेली न्यूज है तो किसको क्या समझ में आएगा कि क्या नाम ले रहे हैं डेली मूवी ऐसा नाम है तेरा और नाम ले लिया डेली मूवी अब तो खुश हो जा सही उत्तर क्या होगा केला आम और सिट्रस सबसे ज्यादा उत्पादन केले का उसके बाद आम का उसके बाद नींबू वर्गीय फलों का तो ऑप्शन चार सही है अगला है राजस्थान में किस जिले में केला उत्पादन की संभावनाएं हैं राजस्थान के किस जिले में केला उत्पादन की संभावनाएं हैं बांसवाड़ा में ये प्रश्न पहले करवा दिया तीन चार बार मैंने इसको इंपोर्टेंट लगा लेना बांसवाड़ा जो है उष्ण जलवायु राजस्थान के दक्षिणी भाग में उष्ण जलवायु टाइप की होता है माहौल तो यहाँ पे जो है हम लोग केले की है, ये है यह एसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये मैंने पहले भी आप लोगों को यहां करवाया था ठीक है इसलिए इसको फटाफट अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न आप लोग अच्छे से इसको अभी क्लियर कर लेना आ जाएगा एग्जाम के अंदर क्रियाएं दे रखी है और वो केले के अंदर इनका मतलब क्या होता है क्या इसका अर्थ है प्रोपिंग डी सकरिंग मेटोकिंग और रैपिंग। केले के तने को 0.6 मीटर की ऊंचाई से काटना फलों को ढकना अवांछित सकर्स को हटाना बंच आते समय शुडो स्टेम को सहारा देना इसका आपको अर्थात बताना है कि क्या अर्थात इसका जो है आपका हो जाएगा ठीक है तो मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं इस प्रकार से दिनेश रवि खर की मारवाड़ी बिल्कुल सही आंसर है मारवाड़ी भी बोलेंगे जरूर एक दो कावते और बता दूंगा मैं ठीक है पवित्र डांगी मंजू जाट वीरेंद्र नागोरी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जाट वेरी गुड सुनील शर्मा महेंद्र तो इसका सही है शैलेंद्र कुमार प्रकाश कुमार इसका सही उत्तर देखो बताता हूं मैं आंसर सी आ रहा है बच्चों का प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना यानी कि बंच आते समय शुडो स्टेम को सहारा देना फर्स्ट के अंदर हो जाएगा डी डी सक्रिंग का मतलब अवांछित सकर्स को हटाने को हम कहते हैं डी सक्रिंग तो दूसरे में क्या हो जाएगा सी मेटोकिंग का मतलब होता है आपके केले के तने को 0.6 मीटर की ऊंचाई से काटना अर्थात तीसरे में ए हो जाएगा रैपिंग का मतलब फलों को ढकना अर्थात इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा ठीक है वेरी गुड दिव्या दिव्यांश रोशनलाल अगला प्रश्न है केले की प्रजाति जो रेसा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर फाइबर इंडस्ट्री हेतु तो उपयुक्त है केले की कौन सी प्रजाति है तो म्यूसा बेसजू म्यूसा पेराडिका म्यूसा एनाटा म्यूसा बलबेसियाना तो आपको यहाँ पे बताना है कि केले की कौन सी प्रजाति है जो आपके रेशा उद्योग या फिर आपके फाइबर इंडस्ट्री हेतु तो सबसे उपयुक्त है उसमें मैंने चार स्पीसीज आपको बताई है म्यूसा बैसजू म्यूसा 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 क्यूमिनाटा म्यूसा ठीक है बच्चों के आंसर आने लगे हैं देखो ललित ललित सेन केला सिलेबस में नहीं है लेकिन लगभग हर बार सुपरवाइजर में केले से प्रश्न आया है इसलिए हम लोग केले को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ठीक है इसलिए केले को पढ़ना जरूरी है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन केले का ही होता है फलों में तो वहां से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है हो सकता है सिलेबस में नहीं दिया हो क्योंकि राजस्थान में नहीं होता है इसलिए बाकी जो है पढ़ना तो आपको है ही है सही उत्तर क्या है आपका म्यूसा बैसजू म्यूसा बैसजू जो है इसकी सही आंसर हो जाएगा तो ये ध्यान रख लेना अगला प्रश्न देखो कि ग्रोस मिचेल ग्रोस मिचेल किस्म का जीनोम ग्रुप कौन सा है कहले कि सभी किस्मों को देखो मैंने आपको पढ़ाया हो बिल्कुल आपको पढ़ाया तब बता रखा है कि सभी किसमें अलग अलग जीनोमिक ग्रुप से बिलोंग करती है तो ग्रोस मिचेल ग्रुप से है? ट्रिपल ए, ए, ए बी, आ, बी, बी, या फिर आ, बी। इसमें आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा होगा ठीक है ग्रोस मिचेल वेराइटी या फिर भी इसी ग्रुप कैंडिस बिलोंग करती है ठीक है केला इंपोर्टेंट है यस केला इंपोर्टेंट है सुरेश कुमार ट्रेडिंग चुना अध्ययन ग्यारह बजे से लगातार अध्ययन यस सुपरवाइजर में शेखावत निशा संदीप ठीक है तो इसका सही उत्तर बच्चे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बता रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा ट्रिपल ए इसके अलावा डॉवेंडिस वैरायटी होती है वो भी आपकी इसी ट्रिपल ए वाले ग्रुप से बिलोंग करती है ठीक है अगला प्रश्न है पनामा विल्ट केले का प्रमुख रोग है इसका रोगजनक नामक यानी इस नामक कवक है फ्यूजेरियम ऑक्सिसपोरम फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली या फिर आपका जो है फ्यूजेरियम ऑक्सिसंगस सीडी फ्यूजेरियम ऑक्सिस फंगस स्पीसीज क्यूबेंस फ्यूजेरियम मोनिलीफोरमी फंगस स्पीसीज सब ग्लूटीन तो पनामा विल्ट जो है केले का मुख्य रोग है इसका रोगजनक क्या होता है ये आपको यहां पे आंसर बताना है कि क्या होगा फ्यूजेरियम ऑक्सिसम फंगस स्पीशीज ग्लेडियोली फ्यूजेरियम ऑक्सिस फोरम फंगस स्पीसी फ्यूजेरियम ये इस प्रकार के ऑप्शन है तो पनामा बेल्ट जो है आप <coughs> आपको बताया था कि अम्लीय मृदाओं में ये ज्यादा होता है अम्लीय मृदाओं में और उसके अंदर ये जो कवक देख रहे हो फ्यूजेरियम ऑक्सिसम वेराइटी क्यूबेंस तो अभी तक इनमें से आपने तीन फंगस देख लिए हैं मैं वापस यहाँ रिपीट करना चाहूंगा ये आपने केले का पनामा बिल्ट में देख लिया फ्यूजेरियम ऑक्सिसम क्यूबेंस और ये नीचे वाला जो देख रहे हो फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मे सब ग्लोटीन ये आम का मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो था वो गुच्छा मुच्छा रोग के लिए जिम्मेदार है और ये सीडी वाला जो है आपका अमरूद का उखटा रोग जो था उसके लिए रेस्पॅसिबल है समझ में आ गया ठीक है अब देखो आगे अगला प्रश्न है केले में फल निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है तो केले के फल निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व है पोटेशियम केले के फल निर्माण में आवश्यक पोषक तत्व है विद्यार्थियों पोटेशियम ठीक है तो पोटेशियम यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल पोटेशियम यहाँ सही आंसर इसका हो जाएगा ये फटाफट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष गुच्छा यानी कि बंची टॉप केले का सबसे भयंकर विषाणु जनित रोग है इस रोग को देश देश देश, देश नामक एफिड फैलाता है बंची टॉप जो है केले का शीर्ष गुच्छा रोग है यह वायरस से होता है इसको कौन फैलाता है टॉक्सोपेरा सिट्रिसिडा माइस पार्सिस पेंटालोनिया निग्रोन या फिर आपका राल सोलेनो सीरम तो सही आंसर इसका क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है बहुत बढ़िया तो ललिता वेरी गुड बंटी सेनी दिव्या शेखावत विकास शिवानी सहदेव संजय शालू चौधरी बहुत अच्छा आंसर बच्चों ने जैसा कि दिया है कुछ गलत भी दे रहे हैं ज्यादातर गलत देखो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब गलती ज्यादा करते हैं बच्चे तो इसका सही उत्तर होगा पेंटालोनिया निग्रोनरभोसा पेंटालोनिया निग्रो, पेंटा निग्रो आम का शीर्ष जो है मुच्छा मुच्छा रोग को फैलाता है ये क्या है आपका बनाना एफिड है बनाना एफिड है जो क्या करता है इस कुच्छा-मुच्छा रोग जो वायरस जनित बंची टॉप है इसको फैलाने का काम करता है ठीक है बढ़िया का होना यानी कि डिस अपीयरेंस ऑफ एंगुलरिटी किस फल का परिपक्वता सूचकांक है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जे आर एफ एस आर एफ सबके अंदर पूछा गया क्वेश्चन कोणीयता का अदृश्य होना अर्थात डिसीरियंस ऑफ एंगुलरिटी किस फल का परिपक्वता सूचकांक है केला आम पपीता अमरूद सही उत्तर देखो इसका क्या होगा केला आम पपीता अमरूद ठीक है बंटी अनामिका मीणा सिंह न्यू रो मत बच्चे कायर रोते हो तुम हैं रोने का नहीं है बच्चे रो रहे हैं देखो ऐसे थोड़ी रोते हैं नेट पैक खत्म हो गया इसलिए रो रहे हो यार वेरी गुड बढ़िया अब इसका सही उत्तर देखो मैं आपको बताता हूं क्या होगा सही उत्तर इसका का अदृश्य होना क्योंकि केला पढ़ रहे हैं तो केला ही होगा आप लोगों में से सौ में से पचासी का उत्तर तो इसलिए केला है क्योंकि हम लोग केला पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसलिए जो है मैं आपको फिर भी बताता हूँ केला ही इसका सही है यह प्रश्न बार बार आता रहता है रिपीट होता रहता है तो आप लोगों को क्या रखना है इसका ध्यान रखना है अगला है सीगा टोका पत्ती रोग सीगा इसका रोग जो है जो कि कवक है अगला राल स्टोनिया सोलेनोसिम जो कि जीवाणु है पेंटालोनिया निग्रोन जो कि एफिड है फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम जो कि कवक है क्या बताना है आपको सीगा टोका, पत्ती दब्बा रोग का रोग जनक है शुडो कवक का नाम आप लोगों को बताना है कि कौन सा कवक जो है यहाँ पे होता है पूजा प्रेम शंकर, दिव्या बब्बू महेंद्र ममता मलराम वेरी गुड एग्री ऑन स्टडी एग्रीकल्चर विद मोहित शर्मा बढ़िया से बहुत बढ़िया बच्चे फर्स्ट आंसर कर रहे हैं यस बिल्कुल बच्चों सही आंसर क्या होगा इसका श्यूडो सरको सरकोस्पोरा म्यूसिकोला जो है यह आपका का स्पॉट रोग का रोगजनक है आगे है, निम्न में से केले की किस्मों का युग्म कौन सा है केले की किस्में बतानी है पंत प्रभात और अर्का प्रभात रेनबो और सनअप अमृत सागर और हरी छाल इनमें से आपको वैरायटी बतानी है कि केले की कौन सी किस्में हैं केले की किस्में बतानी है पंत प्रभात और अर्का प्रभात रेनबो और सनअप अमृत सागर और हरिचाल या फिर आपका दो और तीन आपका दोनों हो जाएगा सही उत्तर क्या होगा कोमल बुद्धि प्रकाश टेक्निकल क्लास बाय बी बच्चे लिख रहे हैं देखो कमेंट कृष्णा गुजर दिव्या राज देवकिशन माली सही उत्तर देखो बेटा क्या होगा इसका फटाफट से मुझे बताओ अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है रोहित कृष्णा वेरी गुड तो बच्चे जैसा कि आंसर दे रहे हैं फोर्थ होगा थर्ड होगा फोर्थ होगा थर्ड होगा तो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर फोर्थ नहीं होगा थर्ड ही होगा अमृत सागर और हरिचाल केले की किस्में है रेनबो और सनब जो है ये आपके पपीता की ट्रांसजेनिक किस्में है अर् प्रभात पपीता की है और आपकी पंत प्रभात जो है ये आपके अमरूद की वेराइटी है अब यहाँ पे अगला प्रश्न में बोल देता हूँ कि वो क्या है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना जो है कहाँ स्थित है पुत्तूर के अंदर यानी पुत्तूर कर्नाटक में तिरुवनंतपुरम केरल में नासिक महाराष्ट्र में तिरुचिरापल्ली में ठीक है तो इसका देखो क्या है क्या सही होगा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए मैं जो है इसमें टाइम खराब नहीं करते हुए जो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं ठीक है तो सही उत्तर बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं फोर्थ होगा तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वेरी गुड अगला प्रश्न है भारत में किस भारत में किस स्थान को केले की राजधानी यानी कि बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है तो बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग किस जगह को कहते हैं आजकल फेमस चल रहा है क्वेश्चन ध्यान रख लेना बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु पुत्तूर आपका कर्नाटक जलगांव महाराष्ट्र मालपुर गुजरात यानी स्थान को केले की राजधानी कहते हैं भारत में यानी कि बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र तमिलनाडु पुत्तूर कर्नाटक जलगांव महाराष्ट्र या फिर आपका मालपुर गुजरात सही आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है अब बंटी दिव्यांश दिव्या माँ का शुभम गौरव बुद्धि प्रकाश कैलाश प्रोफेसर बच्चे रवि वेरी गुड ठीक है सही सही एक दो प्रश्न और पढ़ेंगे फिर एक शायरी सुनाऊंगा आप लोगों को अच्छी वाली एक शायरी सुनाऊंगा अच्छी से फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ठीक है बढ़िया तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है देखो बच्चों एक भी सही बहुत कम सही आ रहा है जलगांव जो महाराष्ट्र की जगह है महाराष्ट्र के जलगांव को हम लोग बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं यहाँ केले का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है केला यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कहती की जाती है तो जलगांव महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा केले में लगने वाले बेरोइंग नेमेटोड यानी बेरोइंग नेमेटोड का नाम क्या है टीलेनकुलमीपेनेट्रेंस ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनसिस मेलेडोगा इनकोग्निटा या फिर आपका सिमिलिस केले के अंदर जो है कृष नीरज सेन केले में लगने वाले बेरोइंग सूत्रक्रमी का नाम बताना है टिलेनकुल सेमीपेनेट्रेंस ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनसिस इनकोग्निटा या फिर रेडोफेलस सिमिलिस ठीक है कोई बात नहीं गलत हो गया गलती होती रहती है अंगूठे में दर्द हो रहा है अंगूठे में दर्द हो रहा है अंगूठे का दर्द बहुत काम आएगा विद्यार्थियों इस उम्र में जो आप लोग तकलीफ जो देख रहे हो ना वो जीवन भर आप लोगों को यूं रहेगा कि भाई उस समय मेहनत कर ली तो सब ठीक है आज अगर अंगूठे के दर्द को देख करके कमजोर पड़ गई ना पार्टियां तो जिंदगी में फिर हमेशा अंगूठे में दर्द ही होगा इसलिए आज दर्द को सहन करो और अपने भविष्य का निर्माण करो क्योंकि कांटों पर चलने वाला आदमी ही आगे बढ़ सकता है ठीक है लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती इसे आप लोगों ने सुना हुआ या फिर पूरा सुना हो ठीक है तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर होगा रेडोफेलस सिमिलिस रेडोफेलस सिमिलिस जो है आपका बनाना बेरोइंग निमेटोड है अगला देखो राइजोम विविल केले का मुख्य कीट है इसका क्या नाम है राइजोम विविल जो है केले का मुख्य कीट है फर्स्ट है कॉस्मोपोलिटस सोर्डीरस ओडियोफोरस लोंगिकोलिस रेडोफोलस सिमिलिस पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा यहाँ पे दो ऑप्शन तो आप सीधे ही हटा पा रहे हो दो ऑप्शन आप हटा पा रहे हो देखो कौन कौन से कि राइजोम विवेल का नाम आपको बताना है है जो कि कि केले में लगने वाला मुख्य कीट है ओडियोफोरस हैोंगिकोलस आपका जो है रेडोफोलस रेडोफोलसिमिलस पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा ठीक है मैं नाम ले, ले लेता हूं किसका शांतिलाल पूरा दिखा नहीं मुझे शांतिलाल खराड़ी मेरा नाम भी लो बिल्कुल नाम ले लेंगे वीरेंद्र सैनी विजय पाल डामोर वेरी गुड तो इसमें से दो ऑप्शन तो आप लोग वैसे हटा पा रहे हो जैसा कि बच्चे फर्स्ट आंसर दे रहे हैं पेंटालोनिया निग्रोन अपन बनाना एफिड को बोल रहे थे रेडोफोलस सिमिलेस आपका क्या है अभी मैंने बताया था क्या है आपका निमेटोड है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कॉस्मोपोलिटस सोरडिडस कॉस्मोपोलिटस सोरडिडस अगला है केले के भंडारण हेतु तो उपयुक्त तापमान कौन सा है इंपोर्टेंट लगाना है यह प्रश्न आता रहता है इसका सही उत्तर है तेरा डिग्री सेंटीग्रेड तेरा डिग्री सेंटीग्रेड क्या है केले के भंडारण के हेतु उपयुक्त तापमान आपका क्या है तेरा डिग्री सेंटीग्रेड है ठीक है ये आप लोग अभी ध्यान रख लेना अगला प्रश्न केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी है एनसीआरटी के अनुसार जो देखो ये प्रश्न लिया गया है केले की सबसे मीठी किस्म है नरेंद्र कारपुरावल्ली ग्रैंड नेने या फिर आपका है बसराइड सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर फटाफट से कमेंट करना ठीक है तो मैं आपको इसका राइट आंसर जैसा कि बच्चे देखो बता रहे हैं कि सेकंड आंसर होगा वीरेंद्र दिव्या शेखावत सुनील अक्षय मोहित दिलीप तो वल्ली जो है केले की सबसे मीठी किस्म है केले की स्वीटेस्ट वेराइटी कौन सी है वल्ली ठीक है आगे गोल्ड फिंगर यानी कि जो गोल्ड फिंगर का जो जीनोमिक ग्रुप वो क्या है ट्रिपल ए बी है किस्म का अन्य नाम क्या है गोल्ड फिंगर किस्म को हम बोलते हैं एफ एच आई ए फर्स्ट एफ एच आई ए सेकेंड एफ एच आई ए थर्ड और एफ एच आई ए फोर्थ इसमें से आपको बताना है कि केले की जो गोल्ड फिंगर किस्म है उसका अन्य नाम क्या है ये बहुत बार अच्छे एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है राजू लकी पूजा सुमन जगदीश लकी ये आपकी जो गोल्ड फिंगर वेराइटी है इसको ट्रिपल एफ बी ग्रुप के अंदर ये जो जिनोमिक ग्रुप है इसका ठीक है बंटी दिनेश कुमार शर्मा संगीता समझ में आ रही है बातें अतुल प्रमिला विकास संतोष तो इसमें बच्चे जैसा ही आंसर दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड भी दे रहे हैं तो यहाँ पे सही आंसर मैं बता देता हूं कि जो एफ एच आई ए फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा ये इसका करेक्ट आंसर विद्यार्थियों होगा ठीक है केले का पुष्पक्रम ये तो वही क्वेश्चन है फल प्रकार क्या है यस ये क्वेश्चन नया है केले का फल प्रकार पूछा गया है इसमें पुष्पक्रम नहीं पूछा है तो केले का फल प्रकार क्या होता है केले का फल प्रकार होता है सरस या फिर बेरी केले का फल प्रकार मैं ही बता देता हूं आपको सरस या फिर बेरी होता है ये आप लोग ध्यान रखना अगला है केले के पुष्प क्रम में किस प्रकार के पुष्प आते हैं ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है केले का जो पुष्प क्रम होता है उसमें किस प्रकार के पुष्प आते हैं गाइनोडायोसियस एंड्रोडायोसियस, गाइनोमोनोसियस या फिर एंड्रोमोनोसियस किस प्रकार के पुष्प आते हैं यह आपको बताना है कि आपके एंड्रोडायोसियस, या फिर एंड्रोमोनोसियस सही आंसर इसका क्या होगा कैलाश शुभम राजवीर कृष्णकांत लकी, बुद्धि प्रकाश सौरभ अफजल दुर्गेश दीपक सहदेव मनोज लकी, वेरी गुड तो बच्चे जैसा कि सेकंड आंसर दे रहे हैं लेकिन मैं आपको सही उत्तर तो मैं ही बताऊंगा सेकंड फोर्थ तो यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल भी नहीं है सही आंसर क्या है सही आंसर आपका है गाइनोमोनोसियस गाइनोमोनोसियस का मतलब क्या होता है एक ही पौधा है इसका जो पुष्पुरम होता है ना पुष्पुरम को हम लोग स्पेडिक्स बोलते स्पेडिक्स बोलते हैं उस में क्या होगा एक तो मादा फूल होंगे और एक क्या होंगे द्विलिंगी फूल होंगे तो इस द्विलिंगी और मादा फूलों का एक ही पौधे के ऊपर पाया जाना क्या केस कहलाता है आपका गाइनोमोनोसियस तो केले में इस तरह के फूल आते हैं ठीक है बढ़िया ये मैंने रात को बताया था कि सूक्ष्म प्रवर्धन में विषाणु मुक्त पौधे किस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो मेरिस्टेम कल्चर इसका आंसर होता है जो आपका का जो कल्चर करते हैं हम लोग वो इसीलिए करते हैं तो इसका मेरिस्टेम कल्चर आप लोग ध्यान रख लेना सूक्ष्म प्रवर्धन वाला ठीक है अगला प्रश्न है कि पपीता यानी कैरी का पपाया का उत्पत्ति स्थल कहाँ है अगला प्रश्न पपीता से चालू हो गया है पपीता यानी कि जो कैरी का पपाया है का उत्पत्ति स्थल सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है मेक्सिको यानी कि उष्ण अमेरिका भूमध्य सागरीय क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर इराक इराक यानी दक्षिण पश्चिम एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेक्सिको या उष्ण अमेरिका आपको बताना है पपिता का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है फटाफट से प्रीति मुकेश वेरी गुड पिंकी कृष्णा फर्स्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल फर्स्ट ठीक है मेक्सिको या फिर उष्ण अमेरिका जो है वो क्या है पपीता का उत्पत्ति स्थल है तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट होगा अगला है पपीता की पाला प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसको पपीता पाले के प्रति बहुत संवेदनशील है परंतु इसकी कुछ प्रजातियां हैं जिनमें पाले के प्रति नुकसान कम होता है केरिका सेंसिस का केरिका कैरी का पेंटागोना और एक और तीन दोनों सही होगा सही कौन सा होगा इसमें आपको बताना है कि का कैंडा मार्सेंसिस का पपा का केरिका कैरी का पेंटागोना एक और तीन दोनों होंगे इसका सही आंसर देखो क्या होगा सही आंसर बच्चे बताएंगे देखो क्या सही उत्तर इसका हो जाएगा जैसे कि बच्चों के जो है कमेंट आना चालू हो गए हैं मैं बता देता हूं विष्णु बुद्धि प्रकाश सहदेव लॉरेंस चौधरी किरण रोहित दुर्गा पायल संगीता वेरी गुड तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और तीन दोनों जो ये प्रजाति तो आप लोग पहले से जानते होंगे एक और याद कर लेना का पेंटागोना का पेंटागोना जो है का पेंटागोना ये दोनों प्रजातियां क्या है प्रोस्ट रेजिस्टेंट है या फिर कोल्ड रेजिस्टेंट स्पीसीज है ठीक है वेरी गुड पपीते के गुदे का पीला रंग किसके कारण होता है आपने खूब बार पढ़ा है पीला रंग पूछा है तो वो का जेंथिन के कारण होता है पपीता के गुदे का पीला रंग आपका का जेंथिन के कारण होता है आप सभी को ये प्रश्न पहले से आता है अगला प्रश्न देखो कि पपीता का पौधा होता है पपीता का पौधा क्या है एक बीज, बीज पत्री और एक लिंगाश्रय होता है एक बीज पत्री और द्विलिंगाश्रयी होता है पपीता का पौधे के बारे में कौन सा आपको सही ऑप्शन इसमें लग रहा है वो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है सही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है कि पपीता का पौधा द्विबीज पत्री क्या होता है यह आंसर आपको बताना है जैसा कि मैं कमेंट में आप लोगों के देख पा रहा हूं राज पूजा चौधरी बुद्धि प्रकाश वेरी गुड आकाश लोकेश सपना कुमावत अक्षय अफजल संदीप वेरी गुड बच्चे थर्ड सेकंड गोलमाल आंसर आ रहे हैं लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से प्रश्नों को अगर पढ़ा जाता है तो प्रश्न सही हो जाता है पपीता द्वि पत्री है ये तो आप लोगों को पता है इसके अलावा डायोसियस है इसके अलावा डायोसियस प्लांट है तो डायोसियस कहाँ पे दिख रहा है डायोसियस हिंदी अगर आपको नहीं पता देखो एक लिंगाशय तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होता है द्वि पत्री और डायोसियस द्वि पत्री और एक लिंगाशय होता है तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होता है पपीता आपका द्वि पत्री होता है एक बीज पत्री नहीं होता है चार आंसर आ रहे हैं, तीन आंसर आ आ रहे रहे हैं हैं तीन दो तो आंसर ही नहीं आ रहा बच्चों का दो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? है सबको पता ही है और एक लिंगाश्री तो सेक अब भी देखो एक इसका मतलब सही तो आंसर आया ही नहीं है सही आंसर बहुत कम आया है सबका नाम ले लूंगा अमनदीप ये ले, ले लो नाम ले लिया अमनदीप कुमार का नाम ले लिया अमनदीप इंद्रजीत चौधरी का भी ले लिया संतोष मनीषा मीणा क्या नाम चल रहा है वेरी गुड महिषा मीणा मुकेश खारोल तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका सेकंड जो है राइट right आंसर होगा अगला प्रश्न देखो पपीता अच्छा स्रोत है विटामिन ए का ट्वेंटी ट्वेंटी आई यू पर सौ ग्राम विटामिन सी का दो सौ निन्यानवे मिलीग्राम पर सौ ग्राम विटामिन बी टू का ग्यारह सौ इक्यानवे मिलीग्राम पर सो ग्राम विटामिन सी का एक सौ पचास मिलीग्राम पर सो ग्राम यहां पर बताना है कि सही उत्तर आपका क्या होगा ठीक है तो विटामिन जो है पपीता कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है प्रदीप दुर्गेश हाँ, बच्चों ने देखो पिछले प्रश्न में मैंने जैसे आंसर दिया फिर आप आंसर करने लगे जबकि यस बुद्धि प्रकाश इस प्रश्न का क्या है पपीता किसका स्रोत है तो पपीता आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है पता है आप लोगों को विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत है आम के बाद में फलों में सर्वाधिक विटामिन ए पके हुए पपीता में पाया जाता है वेरी गुड पपीता की पूसा नन्हा एक बोनी किस्म है जो गमले में लगाने हेतु उपयुक्त है इस किस्म इसे खेत में लगाने हेतु संस्तुत पंक्ति और पौधे की दूरी मैंने आपको बताई थी पपीता की पूस्म को एक पॉइंट पच्चीस इंटू मीटर की दूरी पर लगाया जाता है इसको इंपोर्टेंट लगा लेना प्रश्न आया हुआ है और आम की पाले किस्म को 2.5 पॉइंट पांच इंटू दो मीटर की दूरी पे लगाया जाता है ठीक है हाँ बस करें बच्चे बोल रहे बस करो अब ठीक है <laughs> ठीक है यस आगे बढ़ो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पपीता का खाने योग्य भाग मिजोकार्प कहलाता है पपीता का फल प्रकार कैप्सूल होता है पपीता मुख्य रूप से उष्ण जलवायु का पौधा है पपीता में गुणसूत्र संख्या अठारह होती है चार ऑप्शन है इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है कि कौन सा होगा राइट आंसर आपका डॉक्टर डी जे राजेंद्र भवानी मोहित सुमन बादल सिंह शिवानी राम सुपर किरोडी नेवर उदय जयपुर किरोड़ी लवर वेरी गुड तालिबान का सरपंच <laughs> तो तालिबान का सरपंच कौन है तू तालिबान का सरपंच यहाँ तू हिंदुस्तान में तू कृषि पर्यवेक्षक बनेगा यू तेरे को तालिबान वाले तेरे तालिबान के सरपंच अगर हिंदुस्तान में कृषि पर्यवेक्षक बनेगा तो तेरे को तो गोली मार देंगे वो उधर वाले समझ रहे हैं हाँ तो महेंद्र विकास सेकंड आंसर बच्चों का आया हुआ है बिल्कुल क्योंकि हम लोग पपीता के फल प्रकार को कैप्सूल नहीं कैक करके क्या कहते हैं सरस या फिर बेरी कहते हैं समझ में आ गया सरस या फिर हम लोग इसे बेरी कह देते हैं तो इसलिए ये क्या हुआ आपका असत्य हो गया बाकी तीनों कथन आपके क्या हो गए बच्चों सही हो गए ठीक है अगला है पपीता का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है सुबह अपना देखा हुआ क्वेश्चन है तो पपीता का नींबू का फालसा का प्रवर्धन किससे होता है व्यवसायिक बीज के द्वारा होता है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बीज के द्वारा हो जाएगा ठीक है बढ़िया है गुड ये पपीता की एक एंड डायोसिस हेतु बगीचे में नर मादा अनुपात कितना रखना चाहिए बहुत बार पढ़ा हुआ है नर मादा अनुपात कितना रखना चाहिए एक अनुपात दस इसमें भी हम लोग टाइम बिल्कुल नहीं खराब करेंगे एक अनुपात दस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अगला देखो गाइनोडायोसिस का क्या तात्पर्य है आजकल पपीता की गायनोडायोसिस किस्मों का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो गाइनोडायोसिस का वास्तव में अर्थ क्या होता है वो ऑप्शन आप लोग देखो मादा व विंगी फूल एक ही पौधे पर मादा व द्वलिंगी फूल एक ही पौधे पर होते हैं मादा और द्विलिंगी फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं नर और द्विलिंगी फूल एक ही पौधे पे होते हैं नर व द्विलिंगी फूल अलग अलग पौधे पे होते हैं ऑप्शन आपके सामने चार है धर्मेंद्र सिंह अक्षय इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट से बताएं कि गायनोडाइसिस का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी है तो अभी तुरंत आप लोग पहचान जाएंगे है ना ठीक है तो इसका सही उत्तर आप लोग जैसा कि बताएंगे अभी क्या इसका सही उत्तर होगा तो डायोसियस जिसने भी नाम सुना हुआ है बच्चों का आंसर सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड महेंद्र उमेश प्रीति अनुराग सोहिल गायनो डायोसियस का अर्थ यह होता है डायोसियस का मतलब दो पौधे होंगे सबसे पहले तो अलग अलग पौधे पर अलग अलग पौधे पर यानी कि ये भी हट गया ये भी हट गया अलग अलग पौधे तो होंगे ही होंगे गायनो का मतलब क्या होता है मादा होता है तो मादा ये इधर रहा तो मादा और द्विलिंगी अलग अलग पौधे पर पाए जाने वाली स्थिति बताया है बहुत अच्छा आप बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने बताया है तो बहुत अच्छा है सही ये टफ क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था।, अच्छा था हर किसी को नहीं आता परीक्षा में भी आ जाए तो भी बच्चे इधर उधर गोलमाल होते रहेंगे तो ये अच्छा है अगला देखो पपीता के बीजू पर डे नामक जिलेटिनस जिलेटिनस परत पाई जाती है कौन सी पेप्सिन फिर सार्कोटेस्टा पपीता के जो बीजों पर चिकनी एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग पेप्सिन कहते हैं कैलिप्ट्रा कहते हैं टेस्ट ट्यूब कहते हैं या फिर सार्कोटेस्टा कहते हैं क्या कह देते हैं यह आप लोगों को बताना है ऑप्शन में फटाफट से मैं नाम ले लेता हूँ विष्णु कुमार विष्णु नाम ले लिया लो मैंने विष्णु का नाम ले लिया विद्यार्थी बोल रहे सर मेरा नाम लो बिल्कुल विष्णु का नाम ले लिया जाएगा विष्णु यार विष्णु आखिरकार देवता है ना कृष्ण भी तो उन्हीं का अवतार है तो आज तो तेरे ही दिन है समझ लेना तो वेरी गुड चलिए सब तो इसका सही आंसर बच्चे जैसा कि दे रहे हैं फोर्थ आंसर के ऊपर मेजोरिटी है तो बिल्कुल चौथा आपका सही है सार्कोटेस्टा तो चिकनी परत जो पपीता के बीजों पे पाई जाती है उसको हम लोग सार्कोटेस्टा कहते हैं अगला देखो पपीता की विषाणु प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है पपीता की विषाणु प्रतिरोधी यानी कि आपकी जो है विषाणु वायरस रेजिस्टेंट केरिका कोलीफ्लोरा केरिका केंडामार्सेंसिस केरिका पेंटागोना केरिका मोनोइका चार स्पीसीज आपके दे रखी इनमें से दो स्पीसीज तो आपको आती है अगर आपने पिछले क्वेश्चन एक दो जो है देखे हैं ढंग से पिछले चार पांच क्वेश्चन ढंग से देखे मेरा नाम भी लोग करण सिंह राठौड़ नाम ले लूंगा सबके नाम लूंगा सबके नाम शेखावत <laughs> तो केरी का जो पपीता की विषाणु प्रतिरोधी किस्म आपको प्रजाति बतानी है इनमें से दो आपको पहले से आती है केरी का कोलीफ्लोरा कैरी का केंडा मार्सेंसिस का पेंटागोना केरी का मोनोइका ठीक है बच्चों का सेकंड आंसर फिर से आ रहा है फर्स्ट आ रहा है फोर्थ आ रहा है ठीक है मारो भी बच्चे बोले मारो भी नाम लो तो थारो भी नाम ले लूं थारो नाम दिखे तो सही मेरे को है थारो नाम कमेंट इतने फास्ट चल रहे हैं कि कमेंट देखूं तेरा नाम तरफ जाऊं तब तक तो तुम ऊँचो तु, चले जाओ ठीक है तो फटाफट से इसका सही उत्तर देखो ये दोनों आपको आती है पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था केरी का सेंसिस और केरी का पेंट पेंटागोना क्या है फ्रोस्ट रेजिस्टेंट है यानी कोल्ड रेजिस्टेंट है पाला प्रतिरोधी है और ये आपकी क्या है वायरस रेजिस्टेंट है केरिका कोलीफ्लोरा वायरस रेजिस्टेंट है, ठीक है तो ये एक नई चीज और और आप लोगों की जो है अगला प्रश्न है कि पेपेन पपीता के कच्चे फलों से कच्चे फलों पर चीरा लगाकर प्राप्त दूध यानी लेटेक्स को सोखा कर बनता है इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है सिंपल क्वेश्चन है पेपेन जो है मनोज वर्मा यस yes, मनोज वर्मा अच्छी बात है देखो पेपेन में पेपेन क्या होता है पपीता के कच्चे फलों पर चीरा लगाकर प्राप्त दूध को लेटेक्स को सुखाकर बनता है इसमें प्रोटीन होती है सत्रह पॉइंट सात परसेंट सेवेंटी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट पैंतीस पॉइंट पांच परसेंट बहत्तर पॉइंट दो परसेंट सही परसेंट आपको बताना है कि तेरा अमरदीप का नाम ले लूंगा मैंने अमरदीप का नाम लिया है पहले भी ठीक है अमरदीप कुमार वेरी गुड आंसर दो श्याम सिंह का भी नाम ले लेंगे बिल्कुल नाम लेने से ही अगर किसी को अमृत्व की प्राप्ति होती है तो मैं क्यों किसी के मोक्ष दाम में भाई रोड़ा बनू मैं तो नाम ले लूंगा सबका ही ठीक है तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा बहत्तर पॉइंट दो परसेंट बहत्तर पॉइंट दो परसेंट यहाँ पे राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ठीक है बच्चों ने आंसर दिया भी है फोर्थ अगला देखो निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडायोसिस प्रकार की नहीं है गायनोडायोसिस प्रकार की नहीं है अर्थात डायोसिस प्रकार की है झालावाट से, तो से भी बच्चों को प्रणाम ठीक है कृष्णकांत संतोष तिलक अफजल मेरा नाम लो तेरा नाम भी लू मैं तेरा कमेंट रुके तो सही एक बार यस हरिओम इसका आंसर देना है कि पूसा मेजेस्टी पूे पूसा डॉर्फ और कुर्ग हनीड्यू सीपी प्रजापत सीपी प्रजापत यस विकास कुमार ठीक है सीपी प्रजापत विकास कुमार इसका सही आंसर मैं बता दूं आप लोगों को आप बताओगे उससे पहले तो पूसा मेजेस्टी पूलिशियस पूसा पूसा पूिड्यू में से जो आपकी पूसा डॉर्फ है मैंने कल भी बताया था डीजे नाइट ट्रिक है जिसमें से तीन किस्में आप लोगों को याद हो जाएगी डीजेनाइट का मतलब पूसा डॉर्फ यानी कि ये पूसा और पूसा और नन्हा आपकी डायोसिस किसमें है ना कि गायनोडायोसिस तो यहाँ पे पूसा पूर्फ क्या हुई आपकी डायोसिस हुई तो ये आपके गायनोडायोसिस नहीं है बाकी बच्ची पूसा मेजेस्टी पूसा मेजस्थी पूलिसियो आपकी क्या है डायोसिस किस्में है निम्न में से कौन सी पपीता की ट्रांसजेनिक किस्में हैं अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल आ जाएगा निम्न में से कौन सी पपीता की ट्रांसजेनिक है ट्रांसजेनिक वेराइटी कौन सी है तो ट्रांसजेनिक वेराइटी में आपको बता दू शनप, जेवियर, नेने और फिंगर और फ्लेवर सेवर और आपकी जो है टिप टॉप रेनबो और सनअप अक्षय और जेवियर ग्रैंड नेने और गोल्ड फिंगर फ्लेवर सेवर और टिप टॉप आपको बताना है पपीता की ट्रांसजेनिक वेरायटी कौन सी है विष्णु कुमार कुमर शुभम मीणा सेलू चौधरी मुकेश दिव्या रोशन शुभम मोहित मीनू राधेश्याम बढ़िया से फर्स्ट आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का तो इसका मतलब क्या है मतलब यह है जब सब बच्चों का फर्स्ट आ रहा है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं यह सही उत्तर है ठीक है तो रेनबो और सनअप जो है अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था ध्यान रखना ठीक है मैं बच्चे रोमत में पहले तेरा नाम लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है तो, लेकिन रोमत ठीक है हाँ नाम ही चला गया तेरा ठीक है फटाफट देखो अगला पपिता में ओजस संतति प्राप्त करने हेतु ये विधि अपनाई जाती है वंशावली विधि यानी पेडिग्री मेथड सहोदर संगम बेग क्रॉस विधि या फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग पपिता में ओजस संतति प्राप्त करने हेतु ठीक है कौन सी विधि अपनाई जाती है वंशावली चयन दीपक कुमार विशाल मीना ठीक है विशाल मीणा किसान मोटिवेशन कोमल ठीक है दिलीप वंशावली विधि सहोदर संगम इसमें सही उत्तर बताना है बैक क्रॉस विधि म्यूटेशन विधि आता है ये प्रश्न आपको कॉमन प्रश्न है बार बार आता रहता है तो सहोदर संगम जिसे हम लोग सिब मैटिंग कहते हैं ये पपीता में जो है स्वपरागण कराते रहते हैं स्वपरागण कराते रहते हैं और ये बीज उत्पादन की पपीता में विधि है कौन सी सहोदर संगम पपीता की डायोसिस किस्म जो टूटी फ्रूटी कैंडी बनाने डिब्बाबंदी है हेतु तो उपयुक्त है साथ ही तेज हवाओं को, को स्ट्रॉन्ग कर सकती है प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है कि वो पपीता की डायोसियस किस्म जो टूटी फ्रूटी कैंडी बनाने डिब्बा बंदी है तो उपयुक्त है साथ ही तेज हवाओं को सहन कर सकती है अर्का सूर्य सनराइज सोलो पूसा जायंट या फिर रांची वेराइटीज आपके सामने लिखी हुई है कि सूर्य सनराइज सोलो पूसा जायंट या फिर रांची ठीक है सुनील शर्मा पवन मुकेश खोरवाल मनीषा यादव श्याम सिंह प्रदीप मनराम बच्चों के आंसर आने लगे हैं कि ऐसी किस्म है पपीता की डायसियस वेराइटी के कितने सारे एक ही प्रश्न में बहुत सारे करेक्टर आपके क्लियर हो रहे हैं बच्चों का थर्ड आंसर आ रहा है तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूं कि बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग पूसा जो जायंट है ये डायोसिस वैरायटी है और इसके जो है विशेषताएं मैंने आपको ऊपर बताई हुई है अगला जो है पपीता की नर्सरी में होने वाला प्रमुख और भयंकर रोग है ये आप सभी को पहले से आता हुआ प्रश्न है कि तना और पदगलन पर्ण कुंचन और लीफ कर रिंग स्पॉट वायरस या फिर आद्र गलन ठीक है तना और पदगलन पर्ण कुंचन रिंग स्पोर्ट और आद्र गलन तो मैं इसका उत्तर खुद बता रहा हूं आपको कि आद्र और डंपिंग ऑफ पपीता के अंदर मुख्य रूप से होता है साथ ही साथ जनरली नर्सरी में होने वाला ये मुख्य रोग है बढ़िया निम्न में से पपीता की महत्वपूर्ण गायनोडायोसियस किस्म है यानी कि यहाँ दो चीजें क्लियर होगी जो आपको नहीं आता इसका उत्तर पंत प्रभात अर्का प्रभात अर्का मेजेस्टी पंत रागिनी इन चारों में से आपको बताना है कि पपीता की कौन सी नई और महत्वपूर्ण आपकी गायनोडायोसियस किस्म है ठीक है पपीता की बतानी वैरायटी पंत प्रभात अरका प्रभात अरका मेजेस्टी और आपकी पंत रागिनी फटाफट से इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे मैं वेट कर रहा हूँ आंसर्स जो है आपके इस प्रकार से हैं मैं देख रहा हूं तो फटाफट इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा यस जैसा कि ज्यादातर बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है मुझे पता है ये अच्छा क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है तो पपीता की कौन सी किस्म है अर्का प्रभात वैरायटी है अर्का प्रभात वैरायटी ध्यान रखना पंत प्रभात मैंने आपको अमरूद की वैरायटी बताई थी अर्का मैजेस्टी को छोड़ दो अंगूर की वैरायटी है पंत रागनी मैंने मैथी वगैरह ही वैरायटी बताई थी सही उत्तर कौन सा हुआ सही उत्तर सेकंड हुआ पपीता से इंपॉर्टेंट प्रश्न पपीता से नामक तत्व प्राप्त किया जाता है जिसे डाययूरेटिक व हृदय उत्तेजक यानी हर्ट स्टिमुलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है पपीता से नामक तत्व प्राप्त किया जाता है जिसे डायूरेटिक के रूप में और हृदय उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है पायरेथ्रम कारपिन पेपेन या फिर मार्मेलोसिन पायरेथ्रम कारपिन पेपेन और मार्मेलोसिन सही उत्तर इसका क्या होगा वो आप लोग बताएंगे फटाफट से मैं पढ़ रहा हूं सी आंसर आ रहा है बच्चे पेपेन आंसर दे रहे हैं ठीक है मुकेश खोरवाल पवन अक्षय दिलकुश मोहित सीपी बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम तो थर्ड विद्यार्थियों इसमें नहीं होगा इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका सेकंड कार्पिन नामक तत्व प्राप्त किया जाता है तो ऊपर वाले जो मैंने बीमारियां बताई हैं उनके लिए या फिर जो मैंने हृदय उत्तेजक के रूप में कौन सा नमक नामक तो होता है पेपेन इसमें नहीं होगा तो आप लोग ध्यान रख लेना ठीक है है ध्यान रखोगे गुड अगला निम्न में से कौन सी गाइनोडायोसिस किस्म है सरल प्रश्न है गाइनोडायोसियस किस्म नहीं है निम्न में से कौन सी गाइनोडायोसियस किस्म नहीं है रेड लेडी कोतरी ताइवान और कोटू पपिता की किस्में निम्न में से कौन सी किस्म नहीं है रेड लेडी ताइवान और कोटू विशाल मीना रावत पेपेन नहीं होगा बच्चे कारपिन होगा मैंने बता दिया इसका आंसर है बुद्धि प्रकाश हुकमचंद मीणा शशि प्रताप दीपक सतवीर बच्चों का आंसर आने लग गया है कि फोर्थ तो इसमें सही होगा तो बिल्कुल जो है इसका आंसर मैं बताऊंगा अभी इसका सही आंसर क्या होगा बिल्कुल आपका को टू ठीक है रेड लेडी गायनोडायोसियस है को थ्री ताइवान सभी गायनोडायोसियस है को टू आपकी क्या है डायोसियस वेराइटी है अगला प्रश्न देखो कि पपीता का पर्ण कुंचन यानी लीफ कर्ल और रिंग स्पॉट रोग के क्रमशः वाहक कीट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पपीता का लीफ करल्याणी पर्णकुंचन और रिंग स्पॉट वायरस के क्रमशः रोग वाहक कीट हैं सफेद मक्खी और लीफ होपर, लीफ होपर और थ्रिप्स सफेद मक्खी और एफिड मकड़ी और मिली बग सही आंसर बताना है क्या होगा ठीक है बंसी सिंह दिलखुश कैलाश नि सभी का स्वागत है सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे आज कृष्ण जन्माष्टमी की जो शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं इसका आंसर थर्ड बता रहे हैं चेक कर लेते हैं कौन सा इसका सही उत्तर होगा ठीक है तो यहां पे देखो लीफ कर्ल को कौन फैलाता है सफेद मक्खी और रिंग स्पोर्ट को कौन फैलाता है एफिड फैलाता है तो सही क्या हुआ सही यहाँ पे थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो गया ठीक है तो थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा अगला देखो अमरूद यानी कि जो सीडियम गुआ जावा किस कुल का पौधा है अमरूद के जो बच्चे हुए क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आ गए हैं तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन से हैं अमरूद सीडीएम गोवा जावा किस कुल का पौधा है विकल्प आपने देख लिए हैं दिलकुश अरुण विशाल नेमाराम ठीक है दिव्या वेरी गुड इसका सही आंसर बच्चे जैसा कि करने लगे हैं सेकंड सेकंड सेकेंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं किसका आंसर आप लोगों को सरल प्रश्न है। अमरूद का कुल कौन सा होता है मिर्टे अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा है अमरूद का एडिबल पार्ट है प्लस प्लेसेंटा मेजोकार प्लस एंडोकार प्लस थैलेमस और प्लस आपका ईपी इसका जो है आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा मैं आपके कमेंट देखूंगा कि मुझे बताएं कि कौन से हैं यस ठीक है तो इसका सही आंसर जैसा कि बच्चे दे रहे हैं हाँ मोजेक भी होता है वो मोजेक जो बीमारी वो भी आपका एफिड फैलाता है तो अमरूद का खाने योग्य भाग क्या हुआ पेरिकार्प पेरिकार्प प्लस प्लस करेक्ट आंसर कौन सा होगा पेरिकार्प प्लस जो है आपका का खाने योग्य भाग हुआ ठीक है अब अगला प्रश्न हम यहां से देखेंगे फिर से हमने लगभग काफी सारी चीजें देखी अब खजूर के क्वेश्चन स्टार्ट है ये मैंने कल रात को करवाया था फिर से मैं फटाफट इसका पढ़ के आपको करा देता हूँ कि कि राजस्थान में खजूर का पकना वर्षा ऋतु के साथ मेल खाता है अतः इसके फलों को किस अवस्था में तोड़ने चाहिए डोका या फिर खलल स्टेज पे तोड़ने चाहिए तो ये हमने डोका और खलल को क्या लगा दिया इंपोर्टेंट लगा दिया और आप लोग ध्यान रख लेना अगला प्रश्न है खजूर में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु किस प्रकार का परागण अपनाया जाता है ये सभी को पता है हस्त परागण या फिर कृत्रिम परागण जो है खजूर के अंदर हम लोग उत्पादन बढ़ाने के हिसाब से करते हैं ये ये सरल है इसलिए मैं टाइम खराब नहीं हो नाम ले लूंगा नितेश का मैंने नाम ले लिया देखो नितेश कैलाश बुद्धि प्रकाश वेरी गुड अगला प्रश्न है राजस्थान में खजूर उत्कृष्टता केंद्र या आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम की स्थापना कहा की गई है सगरा बोझ का जैसलमेर में टिंडोल बस्सी जयपुर में देवड़ावास्टोक में बिछवाल बीकानेर में सही उत्तर बताना है कि जो है राजस्थान में आपके खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है शशि कृष्णकांत ईशिका वेरी गुड सही उत्तर बच्चे बताएंगे सी आंसर आ रहा है फर्स्ट सरल प्रश्न है फर्स्ट है आता रहता है परीक्षा में बार बार तो सगरा का नामक जो गांव है जैसलमेर के अंदर वहां पे हमने किसकी -किस स्थापना की है राजस्थान ने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जो है उसके थ्रू बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी है उसमें खजूर का आपका जो है सगरा भोजका में स्थित है अगला है ये ये अगली अपने ये तो मोटिवेशनल कोट हमने पहले कर लिया था अब देखो हाँ ये मैं पढ़ के इसका सीधा ही बताऊंगा कि खजूर में फलों की विकास की वह अवस्था जिसमें फल जो है पूर्णतया विकसित होते हैं ठोस होते हैं लाल और पीले रंग के हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं इसको हम लोग डोका और खलल अवस्था कहते हैं जिसमें हम लोग राजस्थान में इसकी तुड़ाई करते हैं कि खजूर के फलों की विकास की वह अवस्था जिसमें फल पूर्ण विकसित ठोस लाल और पीले रंग के हो जाते हैं ठीक है डोका स्टेज अगला प्रश्न है कि खजूर का व्यवसायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है एक ऑफ शूट का आदर्श वजन कितना होना चाहिए दो से चार किलो छ से आठ किलो बारह से चौदह किलो पांच सौ से सात सौ ग्राम ऑफ शूट से आपको बताएं खजूर का प्रवर्धन होता है और एक ऑफ शूट का औसत वजन कितना होना चाहिए ये आप लोगों को बताना है कि संगीता पटेल सत्यवीर भूपेंद्र सिंह दिलखुश आंसर में आप सभी के देख पा रहा हूं कि सही आंसर जो है कौन सा होगा बच्चों का आंसर आने लग गया थर्ड आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है मेजोरिटी चौथा नहीं होगा बच्चों आंसर क्या होगा सही आपका 12 से 14 ग्राम क्या है आइडियल वेट है 500 से 700 ग्राम केला जो होता है उसका जो सकर्स होता है उस स्वोर्ड का वेर वेट आदर्श होता है 500 से साढ़े सात ग्राम अगला प्रश्न है यह आपको पढ़ना है पढ़ करके इन कथनों में से सही कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा निम्न कथनों को पढ़िए चलो पढ़ देते हैं पहला खजूर की खेती लवणीय व क्षारीय मृदाओं में भी की जा सकती है खजूर एक शुष्क एवं गर्म जलवायु का पौधा है। खजूर का पुष्प क्रम स्पाइक कहलाता है खजूर में जून माह में लीप प्रूनिंग की जाती है खजूर एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है उक्त कथनों में से सही कथन का आपको चुनाव करना है ए सी और बी e, और सी ए बी और डी बी डी और ई e. इस तरह का प्रश्न अगर मैं बनाऊं सुपरवाइजर का पेपर तब तो मैं ऐसे ही दूंगा प्रश्न ठीक है ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग विद्यार्थियों तैयार रहे तभी जाकर के जो है माहौल बनेगा समझ रहे हो ऐसे चीजों के लिए आप लोग तैयार रहो तो ही जो है माहौल आप लोगों का बन पाएगा ठीक है बच्चे आंसर जो दे रहे हैं देखो आंसर कौन से है ए ए आंसर आ रहा है वेरी गुड ईशिका जैन थर्ड विष्णु कुमार इसमें आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही उत्तर रहेगा संतोष प्रजापत शिवानी शर्मा रामदेव जी का भक्त जो है, मारवाड़ी, कुमार, बी आंसर दे रहा है कुछ चार दे रहे हैं तीन भी दे रहे हैं बच्चे गोलमाल आंसर आते हुए संगीता पटेल संतोष दिव्या श्रवण कुमार बच्चों का आंसर देना है इसमें पांच में से तीन कथन तो आपके सही है ठीक है वेरी गुड अब देखें हम लोग अब क्या देख रहे हैं अब इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूं कौन सा होगा सही उत्तर में पहला कि खजूर की खेती लवणीय और क्षारीय मृदाओं में की जा सकती है जी हाँ खजूर एक शुष्क और गर्म जलवायु का पौधा है जी हाँ खजूर के पुष्प क्रम को स्पाइक कहती हैं कहते हैं जी नहीं क्या कहते हैं स्पेडिक्स कहते हैं यहाँ पे एक बार घोड़े खा गए कई सारे लड़के तो यहाँ पे क्या होगा स्पेडिक्स होगा ना कि स्पाइक होगा जून माह में लीप प्रोनिंग की जाती है जी हाँ की जाती है खजूर एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है जी नहीं खजूर एक क्लाइमेट्रिक फल है अर्थात ए बी और डी मोनिका बुद्धि प्रकाश सी विद्यार्थियों प्यारे बच्चों सी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है तो इस तरह से गोली नहीं खानी आपको एग्जामिनर आपको गोली देने की कोशिश करेगा इसी तरह से लेकिन आप लोग क्यों अभी खा खा करके पक जाओ अभी गोली खा करके पक्के हो जाओ ताकि बाद में कोई आपको जो है गोली नहीं दे सके गुड ये अभी मैंने बता दिया इसको हम ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे हैं कि खजूर का पुष्प क्रम क्या कहलाता है स्पेडिक्स कहलाता है तो खजूर का पुष्प क्रम आपका स्पेडिक्स हो गया अगला विदेशों में खजूर की तुड़ाई हम लोग किस अवस्था में करते हैं भारत में डोका स्टेज पे करते हैं विदेशों में हम लोग जो है डेंग स्टेज पे करते हैं विदेशों में हम लोग डेंग स्टेज के ऊपर तुड़ाई करते हैं तो ध्यान रखना भारत में डोका पे विदेशों में डेंग स्टेज के ऊपर अगला प्रश्न इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है ठीक है दिमाग लगाने की बहुत जरूरत पड़ेगी और इसको ठंडे दिमाग से पढ़ना प्यारे बच्चों तभी जाके ये प्रश्न होगा और यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कैसे किसमें दे रखी है खजूर की आगे उनकी विशेषताएं दे रखी है कि मेडजूल हलावी सामरान घनाबी अल इन सिटी नरमंजरी यानी परागकण उत्पादन हेतु छुआरा बनाने हेतु पछेती किस्म है और अगेती किस्म है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है ठीक है तो इसका सही आंसर जो है मैं वेट करता हूं कितना बढ़िया क्वेश्चन है लेवल का क्वेश्चन है ये आप लोग जो है इसको समझ लेना अच्छे से ठीक है तो हुक्मी चंद विशाल बारा ललिता शिवानी शर्मा कविता देवी ओ वेरी गुड बच्चे आंसर क्या रहे सेकंड सेकंड दिलीप दिव्या हाई रेटेड गबरू वेरी गुड माया जांगिड पवन फर्स्ट आंसर आ रहा है कुछ का सेकंड उत्तर आ रहा है ठीक है सुखदेव दिलीप प्रजापत ठीक है, वेरी गुड अब इसमें मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये इसी प्रकार का है मेडजूल पचेती किसमें है इंपोर्टेंट है तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा टी होगा तो फर्स्ट में सी देखो सब में है हलावी क्या है हलावी अगेती किसमें? तो सेकंड में आपका क्या होगा सेकंड में डी हो जाएगा सामरान छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त किस्म है घनाबी तो किस और अल इन सिटी आपकी नर मंजरी हेतु उपयुक्त है तो तो इसका क्या हो जाएगा ये अर्थात सही उत्तर कौन सा हुआ बच्चों सही उत्तर हुआ आपका फास्ट वेरी गुड तो मे, मेडजूल हलावी आपकी अगे थी आपकी आपकी बनाने हेतु और उत्पादन है अब अगला प्रश्न निम्न में से पश्चिम राजस्थान के लिए खजूर की संस्तुत किस्म कौन सी है खदरावी हलावी मेडजूल सामरान कृष्णकांत लकी शशि अजय पाल कोई बात नहीं क्लास लंबी हो गई तभी तो भी तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी तो बनना चाहिए कुछ और कुछ लंबी होने तो क्या फर्क पड़ रहा है आपने रक्षिता कुमावत सुमन छागल ओम प्रकाश रावल प्रदीप ये क्या है कि पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की संस्कृत किस्म कौन सी खदरावी हलावी चामरा ठीक है कृष्णकांत तो बताएगा जसवंत सही आंसर देखो मैं बता देता हूं कौन सा होगा सही आंसर इसका होगा बिल्कुल आपका हलावी हलावी किस्म जो है पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की संस्तुत वेराइटी है फुलेरा से बिल्कुल स्वागत है फुलेरा वालों का अगला जो है प्रश्न सरल है मैं आपको सीधा ही इसको पढ़ करके फिर आंसर बताऊंगा कि खजूर में नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं इस स्थिति को क्या कहते हैं आपको सबको आता है द्वि लिंगाश्रयिता कहती है मोनोसी एक लिंगाश्रयता डायोसी विषम रतिका तो हेटेरोस्टाइली, विषम काल परिपक्वता डायकोगेमी आपको पता है नर और मादा जब अलग अलग पौधे पे पाए जाते हैं इसको हम एक लिंगाश्रयिता अर्थात डायोसी कह देते हैं गेस yes. गुड अब जो है अगला अगला प्रश्न है कि बेर एक चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड पौधा है परंतु इसके निम्न में से कौन सी किस्में में अष्टगुणित अर्थात ऑक्टोप्लॉइड प्रकार की है सही उत्तर आपको बताना है कि बेर वैसे तो क्या है चत, चतुर्गुणित है यानी टेट्राप्लॉइड है दो किस्में ऐसी है जो ऑक्टोप्लॉइड है अष्टगुणित है कौन-कौन सी है आप लोगों को मैंने सुबह बता दिया था अगर आप लोगों ने पढ़ा हो फटाफट से मुझे आंसर भी दे दो रिपीट भी हो जाएगा रिविजन भी हो जाएगा है ना इस प्रकार से वीरेंद्र ढाका ब्रदर्स, विशाल मीना अफजल ईश्वर लाल मीना अब्बा खान सतवीर शिवानी शीश राम वेरी गुड तो बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ टू एन बराबर तो इसका सही आंसर कौन सा होगा गोला और इलायची सेकंड जैसा कि बच्चे उत्तर दे भी रहे हैं बच्चों तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा गोला और इलायची जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा अगला जो है बेर में काट छाट इसको रिपीट नहीं करेंगे बेर में काट छाट हम लोग जो है मध्य अप्रैल से मध्य मई के महीने में करते हैं यह प्रश्न पहले अपने द्वारा पढ़ा जा चुका है अगला देखो चार कथन है कथन वाले क्वेश्चन में तो मजा है मजा आपको यही मिलेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बेर के पुष्प कर्म को पेनिकल कहा जाता है बेर एक पाया जाता है। बेर में कठोर या फिर हेवी प्रूनिंग की जाती है। बेर एक नॉन क्लाइमेट्रिक पौधा है बूझो तो जानू यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दो तब जाके जानेंगे ठीक है मीना बुद्धि प्रकाश मनीष बेस्टी शशिपाल आई मस्त राम मीणा ठीक है वेरी गुड तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा तो इसका सही उत्तर मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का कि इसमें से जो कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है सिंपल सा प्रश्न है कुछ भी इसमें कठिन नहीं है कविता सैनी तो सही उत्तर मैं आपको बताऊं इसका कि राइट आंसर देखो क्या हो रहा है राइट आंसर बिल्कुल फर्स्ट होगा क्योंकि बेर का पुष्पक्रम पेनिकल नहीं होकर के बेर का पुष्पक्रम आपका क्या होता है फेसिकल होता है ठीक है क्या होता है फेसिकल होता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट सही नहीं है बाकी तीनों आंकड़े आपके क्या है करेक्ट है ठीक है तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा वेरी गुड अगला प्रश्न है बेर में फूल आने का समय है बेर में पुष्पन कब होता है बेर में फूल आने का समय क्या है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है ठीक है बेर में फूल कब आते हैं अप्रैल मई में आते हैं जून जुलाई में आते हैं अगस्त सितंबर में आते हैं नवंबर दिसंबर में आते हैं सही आंसर आप लोग बताएंगे कि कब जो है इसके अंदर फूल आते हैं ठीक है प्रदीप धाकड़ काबरा म्यूजिक राय सिंह मनोज सतवीर प्रदीप धाकड़ कृष्णकांत बच्चे फर्स्ट आंसर दे रहे हैं थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ आंसर आ रहा है तीसरा उत्तर बढ़िया से वेरी गुड तो सही उत्तर पे क्या होगा अगस्त सितंबर महीने में क्या होते है? बेर के अंदर फूल आते हैं तो सही आपका आपको बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं तो वलय या फिर टी बडिंग जो होती है ये बेर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है जब रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं हो तो आपका सही उत्तर क्या होगा आपका टी बडिंग यहां पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखो आगे अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि निम्न में से बेर की देर से पकने वाली पचेती एवं बड़े और लंबे फलों वाली किस्म कौन सी है निम्न में से बेर की देर से पकने वाली अर्थात पचेती जिसके बड़े फल होते हैं लंबे फल होते हैं वैरायटी कौन सी है मुंडिया गोला सेब उमरान मुंडिया गोला सेब उमरान सही उत्तर देना इसको पचेती भी है फल भी बड़े होते हैं लंबे होते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका वेरी गुड बी आंसर होगा ए होगा बच्चों का यस yes. तो मैं सही उत्तर बता रहा हूं इसका बच्चे जैसा ही आंसर दे रहे डी उमरान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उमरान विल बी करेक्ट आंसर निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है ऐसे प्रश्न भी आजकल बड़े छोटे छोट छोटे आते रहते हैं कि निम्न में से कौन सी वेरायटी बेर की नहीं है बेर की वेरायटी नहीं है आपको पहचानना है कि कौन सी जो है आपके बेर की वेरायटी नहीं है विकल्प आपके इस प्रकार है गोमा कीर्ति गणेश कीर्ति कैथली चकेया और इलायची आपको बताना है कि सही जो है आंसर इसका क्या होगा राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग बताएंगे कि बेर की सही आपको किस्म बतानी कौन सी बेर की वैरायटी नहीं है ठीक है वेरी गुड बच्चों को मैं आंसर की वेट कर रहा हूं आपका क्या होगा इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं बेर की आंवला की इस तरह की किस्मों में कंफ्यूजन बड़ा आता रहता है और लोग जो है मतलब गोली खा जाते हैं एक बार में ठीक है जगदीश ओम प्रकाश बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं तो थर्ड सही कर रहे हैं क्योंकि चक्के ये आपके बेर की नहीं है किसकी है आंवला की वैरायटी है वेरी गुड अगला प्रश्न देखो कि बेर में बेर के फल जो काने हो जाते हैं ना उसका प्रश्न है देखो फल मक्खी बेर का मुख्य कीट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है वीराकोला आइसोक्रेट्स बेक्टोसेरा करेक्टा बेक्टोसेरा डोरसेलिस कार्पोमिया वेसुवियाना इसका उत्तर आप लोग दोगे बहुत बढ़िया से इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है कि जो की जो बेर की आपकी फल मक्खी होती है बेर में लगने वाली जिसकी वजह से फ्रूट काने हो जाते हैं आप लोग सभी जानते होंगे फल काने हो जाते हैं सर्दी के मौसम में हम लोग बेर खाते हैं फल आते हैं और हम जोश जोश में बेर खा जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि बेर तो काना है काणे के साथ में कई बार वो छोटे जो लट आती है उसको भी कई लोग खा जाते हैं ठीक है गलती से खाते हैं सब लोग खाते हैं ठीक है तो फिर हालात बड़े दुर्लभ हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो वो फल मक्खी है उस उस बदमाश मक्खी का नाम क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है आप लोग कमेंट कर रहे हैं बढ़िया से बता भी रहे हैं वेरी गुड तो यहाँ पे जो है सही सही जो आंसर होगा वो बिल्कुल बच्चे बताने फोर्थ होगा कार्पोमिया वेसुवियाना बिल्कुल करेक्ट आंसर कार्पोमिया वेसुवियाना चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखो आपको अच्छे से इसको समझना है तभी जा करके मजा आएगा इसको समझना है कि इस प्रश्न का क्या है मामला देखो मैं बताता हूं इधर आपको क्या दे रखा है किस्म दे रखी है बेर की और या फिर मूल व्रंथ दे रखा है आगे विशेषता दे रखी है तो बेर की पूरी कहानी क्लियर करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि गोमा कीर्ति या फिर गणेश कीर्ति किसकी बेर की वेराइटी है उसका फीचर क्या है थार सेविका का वेरायटी क्या है जीजीफस नुमलेरिया या फिर फल मुक् के प्रकोप का समय क्या है इधर क्या दे रखा अक्टूबर बोना सेब और से और और कथा से चयनित किस्म है ऐसा प्रश्न कभी भी मौके में पड़ जाए तो कैसे अपने को करना है सबसे पहले देखो समय पूछा हुआ है प्रकोप का समय पूछा है समय पूछा है तो कोई ना कोई महीना दिया हुआ होगा तो महीना यहाँ पे क्या दे रखा है अक्टूबर तो चौथे के अंदर उल्टे से चलो इस बार तो चौथे के अंदर क्या होगा आपका फर्स्ट होगा और ये पेपर में मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है तो मैंने मेरे को पता है ये बच्चे इधर से उल्टा मामला करेंगे तो मैंने इस प्रश्न को चौथे के अंदर मैंने ए ए ए सब के अंदर दे दिया ठीक है दूसरा आपको पता चले मूल व्रंथ दे रखा है तो मूल क्या है तो यह सीधा लिखा हुआ है देखो बोना मूल व्रंथ तो चौथे के अंदर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इधर भी उल्टा कर रहे हैं फिर भी फंस रहा है मामला फिर हम देखेंगे तो थार सेवी का जो है थार सेवी का वेराइटी नई वेराइटी है इसका क्या फीचर है इसका फीचर ये है कि ये आपकी सेब और कत्था वैरायटी से विकसित की गई हैं तो सेब और कत्था से तो सेकंड के अंदर क्या होगा सेकंड के अंदर थर्ड हो जाएगा तो फिर बचा कौन सा है फर्स्ट तो फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा तो फर्स्ट के अंदर डी तो सही उत्तर क्या हुआ आपका जो बी आंसर है ये आपका करेक्ट हो गया ठीक है बढ़िया आगे बढ़ो अब इसको इस इस प्रश्न को पकड़ो इस प्रश्न को कैसे पकड़ोगे इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सी बेर की किस्में हैं निम्न में से कौन सी आपकी जो है बेर की किस्में हैं यह आपको यहाँ पे पहचानना है पहला है दूसरा है गोमा कीर्ति गोमा ऐश्वर्या गोमा यशी जोगिया सही उत्तर का चयन करना है व बी अवसी बी डी और ई और ई जो पांच किस्में दे रखी हैं इनमें से आपको चयन करना है कौन सा चयन करना है कि कौन सी किस्में जो है आपके बेर की किस्में हैं प्यारे खान ए इज राइट जगदीश मीना सुरेंद्र एग्रीकल्चर बाय द खान सेकंड आंसर दे रहे हैं बच्चे दिव्या फर्स्ट पार्वती डांगी एन आर मीणा एग्रीकल्चर बाय याशिद वेरी गुड वेरी गुड बच्चों वेरी गुड राहुल कुमावत सीमा कुमावत सुमन बेस्टी संजय डबरिया गुड बच्चे फोर्थ दे रहे हैं फोर्थ आंसर जो मैक्सिमम मेजोरिटी फोर्थ की आ रही है कुछ सेकंड कुछ फर्स्ट इसी प्रकार से चलते हुए मैं सही उत्तर पे ठप्पा लगा देता हूँ केतली बेर की है हाँ गोमा कीर्ति बेर की है यस गोमा ऐश्वर्या है नहीं क्योंकि ये आंवला की है और गोमा यसी जो है किसकी है ये बिलपत्र की है जोगिया किसकी है बेर की है अर्थात ए बी और ई तो ए बी और ई किसमें है चौथे के अंदर है तो चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चौथा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखो बेर के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं मैंने आपको फर्स्ट में बताया था बेर के पुष्प क्रम को हम लोग फेसिकल कह देते हैं फेसिकल तो बेर का कुल कौन सा होगा आपका फेसिकल हो जाएगा अब आया है आंवला आंवला हम और पढ़ेंगे देखो आंवला तो आंवला एम्लिका ऑफिसिनैलिस का फल प्रकार क्या होता है तो आंवले का फल प्रकार क्या होता है कैप्सूल होता है जिससे हम लोग सम... कहते हैं ये टॉपिक पढ़ लिया इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे सीधा आंसर अब ये इस पर हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से चर्चा करेंगे लेकिन चौथा ऑप्शन थोड़ा छुपा हुआ है तो मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा असत्य कथन का चयन करना है आंवले में कसेलापन मार में के कारण होता है आंवले से कैंडी और मुरब्बा बनाए जाते हैं आंवला पाले के प्रति संवेदनशील होता है आंवले का पौधा लवणियता और क्षारियता सहन कर लेता है सहनशील होता है इसमें सीधा सा आपको उत्तर पता चल रहा है कि फर्स्ट होगा क्योंकि आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है टेनिन या फिर फिनोल के कारण होता है ना कि मार के कारण होता है बाकी ये तीन सही है ये आपका क्या हुआ फर्स्ट आपका असत्य कथन था ठीक है हम खत्म कर देंगे अभी क्लास जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि क्या किया जाए तो बहुमत के आधार पर हम खत्म करेंगे बच्चों से मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आप लोग थक गए हैं तो क्लास को क्या एंड कर देवे पे आपको आपकी राय देनी है राय में कुछ भी पंचायती नहीं लिखनी है राय पे लिखने की यस और नो ठीक है यस अगला जो है त्रिफला चूर्ण हम लोग बनाते हैं त्रिफला चूर्ण में किन किन त्रिफला चूर्ण जो होता है किन किन फलों से मिलकर बना होता है आंवला बेर और हरड़ आंवला हरड़ और बिलपत्र आंवला हरड़ और बहेड़ा आंवला बहेड़ा और फालसा आंवला बहेड़ा और फालसा जो है आपको बताना है सही उत्तर इसका क्या होगा ठीक है तो आंवला हरड़ और क्या होगा सही उत्तर आंवला बेर हरड़ आंवला हरड बिलपत्र आंवला हरड़ हरड बहेड़ा आंवला बहेड़ा और फालसा किन तीन फलों से मिलकर त्रिफला चूर्ण बनता है तो मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा तो बच्चे कमेंट भी करें आंसर भी कर दें। थर्ड आंसर हो रहा है तो त्रिपला चूर्ण किससे बनता है आंवला हरड़ और बहेड़ा से जो है तीसरा इसके अंदर आंसर बनता है तो आंवला हरड और बहेड़ा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थर्ड वेरी गुड अगला देखो आंवले में आंतरिक गलन यानी कि फ्रूट नेक्रोसिस देहिक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है फॉस्फोरस बोरोन कैल्शियम और जिंक फॉस्फोरस बोरोन कैल्शियम और जिंक आंवले के अंदर जो देहिक विकार होता है जिसको इंटरनल ब्रेकडाउन इंटरनल नेक्रोसिस नेक्रोसिस कहते हैं वो किसके कारण होता है ठीक है तो आंसर मुझे बताएंगे ठीक है इसका आंसर बताया आंवला हरड फालसा नहीं है आमला हरड बहेड़ा था जो कि सही हो गया उत्तर अब ये प्रश्न चल रहा है इसके अंदर जो है आंसर क्या होगा देखो बच्चे बोल रहे हैं कि जन्माष्टमी है बढ़िया जन्माष्टमी का प्रोग्राम बनाना है आपको जल्दी ही फ्री कर दिया जाएगा ताकि जो है जन्माष्टमी भी बनाओगे ठीक है पता चलेगा जन्माष्टमी के नाम से छुट्टी तो ले ली और फिर दोस्तों के साथ में घूमते फिर रहे हो इधर उधर से ठीक है ऐसा भी नहीं होना चाहिए है जन्माष्टमी के नाम पर बच्चे छुट्टी लेके चले जाते हैं फिर क्या करते हैं फिर करते हैं कि फोन चलाते रहते हैं पूरे दिन व्हाट्सअप वगैरह पे चैट करते रहते हैं व्हाट्सअप पे शुभ काम नहीं आजकल इतनी सारी हो गई है कि व्हाट्सअप के ऊपर तो हम लोग जन्माष्टमी मनाते रहते हैं खूब घर वालों को पता चले तो कुछ पता ही नहीं कि लड़के को तो देखा ही नहीं मैंने आज पूरे दिन में पता नहीं किधर घूमता फिर रहा है क्या यही होता है ना कि व्हाट्सअप पे तो पता चला कि सुबह उसने पूरी दुनिया को मैसेज कर दिया हैप्पी जो है कृष्ण जन्माष्टमी और फिर घर पे पता चला है घर वालों को कहाँ गया लड़का तो क्या आज तो देखा ही नहीं पता नहीं क्या है कहाँ गया सुबह से गया है जो अभी तक नहीं है ऐसा होता है जनरली तो ऐसा नहीं होना चाहिए सही उत्तर क्या होगा इसका बोरोन यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कथनों को पढ़ना है और जो है आपको असत्य कथन का चुनाव करना है कथन कौन से हैं? कथन इस प्रकार से हैं कि आंवले में स्व अनिश्चितता यानी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है दूसरा आंवला एक द्विलिंगाश्रय मोनोसियस पौधा है आंवला एक क्लाइमेट्रिक फल है आंवले में गुणसूत्रों की संख्या अट्ठाईस होती है तो आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा सही उत्तर इसका क्या होगा ये आपको कथनों में से आपको बताना है ठीक है स्व अनिश्चितता पाई जाती है इन कथनों को पढ़ करके <laughs> बच्चे बोल रहे कि अगली बार मनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी आप तो पढ़ा हो यस बहुत अच्छी बात है आप लोगों का इतना जो जोश में देख रहा हूं ना मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है आपके जोश को मैं सलाम करता हूं बिल्कुल इतनी मोहब्बत आप लोगों का पूरे दिन से जो है मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो बहुत ही इनक्रेडिबल है एब्सोल्युटली फेंटेस्टिक जो है आप लोगों का सभी का सपोर्ट है आप सब डिटरमिन होकर के लगातार पढ़ रहे हो ये अपने आप में उपलब्धि है समझ रहे हो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सात आठ घंटे अपने को हो गए कंटिन्यूसली हम लोग क्लास ले रहे हैं और आप लोग जो है टस से मस नहीं हो रहे हो मतलब है मेरे को भी सोचना पड़ रहा है एक बार तो तो बहुत अच्छी बात है बहुत बड़ी बात है तो फटाफट से इसका उत्तर जैसा कि आप लोग दे रहे हो थर्ड दे रहे हो ज्यादा उत्तर सी इसका सही उत्तर हो रहा है तो सी इसका सही उत्तर हो रहा है तो सी इसके उत्तर में क्या हो जाएगा सी इसके सही उत्तर हम लोग करेंगे सी बिल्कुल क्योंकि आंवला क्लाइमेट्रिक फल नहीं है आंवला जो है आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फल है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है आंवला तो आप लोग ध्यान रखेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट ठीक है गुड अगला प्रश्न देखो फिर से आप लोगों को पढ़ना है और कथन बताने हैं ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ही आपको जो है मजा आएगा ऐसे प्रश्नों में ही आपको माहौल बनेगा निम्न कथनों को पढ़िए चार कथन दे रखे हैं इनको पढ़ना है कि आंवले में फल अथवा युग्मक सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है आंवले में कसेलापन टैनिन के कारण होता है आंवले में फूल 8 महीने में आते हैं आंवले में अननिर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर जो है फलन होता है ऑप्शन आपके ए और सी सही है ए और बी सही है बी और सी सही है सी और डी सही है. अच्छे से पढ़ो और इनका आंसर दो तो यहाँ पे बच्चे जो है आप लोग सही आंसर दे रहे हैं क्या आंसर होगा फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि सही उत्तर जो है इसमें क्या होने वाला है फटाफट से देखेंगे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है और मैंने एक गुलाब जामुन खा लिया है मैंने एक गुलाब जामुन खा दो गुलाब जामुन खा लिए हैं बच्चे बोल रहे हैं सर आप कुछ खा नहीं रहे हो तो खा रहे हैं ना बिना खाए देखो कैसे गाड़ी गुड़ेगी तो सही उत्तर जो है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा बी यानी कि ए और बी दोनों सही है ठीक है फल सुसुप्तावस्था पाई जाती है जी हा पाई जाती है क्या इसमें टेनिंग होता है यस अगस्त माह में फूल आते हैं नहीं किस माह में आते हैं मार्च महीने में आते हैं फलन किस पे होता है निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर होता है ना कि अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर आंवले के पौधों पर फलन कौन सी शाखाओं पर होता है अभी इस प्रश्न हमने क्लियर कर लिया था आंवले पे फलन होता है निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर आंवले में फलन होता है निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर फलन होता है इस प्रकार से आंवले में दो तरह की शाखाएं पाई जाती है ये अनिर्धारित वृद्धि वाली है इनके ऊपर जो पत्तियां लटकती रहती हैं, उनके बीच में फलन होता है इस तरह से ये जो फलन होता है इस तरह से इनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट शूट्स जो अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं हैं उन पे फलन होता है आरपीएससी के ओ एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है आंवले में फूल कब आते हैं देखो मैंने उसी कृष्ण का तोड़ है मार्च महीने में फूल आते हैं तो ये आपका सही हो गया है ठीक है मौज मौज कर दी। मौज तो कर दी दी तो गुलाब जामुन खाली इसलिए मौज होगी वो तो मेरे ही हुई है आप लोगों के तो होने मजाक कर रहा हूं बच्चों लेकिन गुलाब जामुन तो खाए हैं उस बात में कोई मजाक नहीं अगला जो देखो प्रश्न कि आंवले का जो रोली रोग होता है रोली रोग आंवले का प्रमुख रोग है इसका रोग कारक कवक है फाइटोफ्थोरा सिट्रोप्थोरा प्लेनोकोकस पेसिफिकस रेवेनेलिया एम्बलिका राइजोक्टोनिया स्पीसीज आंवले के अंदर जो रोली रोग होता है बच्चों वो रोली रोग जो है प्रमुख रोग है उसका रोग कारक आप लोगों को बताना है कवक से होता है उस कवक का नाम बताना है बोल ग्यारह रुपए का रिचार्ज मेरा फास्ट नहीं है ना गुलाब जामुन से फास्ट खुलता है क्या गुलाब जामुन देख के मैंने तो खा लिया मैंने कहा फास्ट का क्या करना गुलाब जामुन से थोड़ी खुलता है फास्ट उपवास रहता गुलाब जामुन से खुल जाता यूं तो ये जो है यहाँ का सही उत्तर बच्चे जैसा कि आंसर दे रहे थर्ड तो रेवेनेलिया एम्बलिका जो है फंगस का नाम है जिसकी वजह से रस्ट नामक बीमारी होती है ठीक है हाँ अब देखो ये मोटिवेशन आया है इतनी देर इंतजार करने के बाद मोटिवेशन का मतलब क्या है ये राजस्थान के पुराने इतिहास से उठाई गई पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं कि केसरी ना निपजे अठे न हीरा निपजंत सिर कटिया खग सावना इन धरती उपजंत अर्थात मेरे को बताना पड़ेगा कि केसरी ना निपजे अठे न हीरा न हीरा निपजंत सिर कटिया खग सावना इन धरती उपजंत राजस्थान की इस मृदा के लिए इस मिट्टी का गुणगान करते हुए लिखा हुआ है कवियों ने कि यहाँ केसर नहीं निपजती है यहाँ पे आपके हीरा भी नहीं निकलते हीरा मोती जो निकलते हैं ना जमीन से तो यहाँ केसर भी नहीं निपजती है यहाँ हीरे भी नहीं निपजती है यहाँ ऐसे वीर पैदा होते हैं जो सर कटने के बाद भी लड़ते रहते हैं ये वो धरती है इस धरती पे ऐसे वीर पैदा होते हैं ऐसी वीरांगनाएं पैदा होती हैं जो सिर कटने के बाद भी जिनका दड़ लड़ता रहता है वो इस मिट्टी में जो है यहां से क्या है इस मिट्टी में ऐसे वीर जो है ऐसे जो अपने जीवन को जो है जिन्होंने बलिदान कर दिया है मातृभूमि के लिए ऐसे जो है लोग यहाँ इस मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं हमारे यहाँ केसर और हीरा नहीं पैदा होते हैं हमारे लिए क्या हमारे यहाँ पर वीर जवान यहाँ पैदा होते हैं तो ये आपके लिए मोटिवेशन अगला है नींबू वर्गीय फल कि नींबूवर्गीय फल यानी कि सिट्रस किस कुल से संबंधित है रूबीएसी रेनन रूटेसी और रहमनेसी नींबूवर्गीय फल नींबू वर्गीय फल का कुल कौन सा होता है ठीक है रूबीएसी रेनकुल रूटेसी या फिर आप लोगों को यह प्रश्न निश्चित रूप से आता होगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा रूटेसी अगला प्रश्न राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित किए जाने वाला फल है सरल प्रश्न है आता रहता है राजस्थान में इतने सारे फल होते हैं सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है अमरूद का होता है नींबू का होता है माल्टा का होता है या फिर संतरा का होता है तो आपको बताना है किसका होता है लोकेश राजू प्रदीप राजस्थान में मैं तेरा नाम भी लूंगा कालू गुजर बिल्कुल कालू गुजर का नाम लो क्या सही नाम पढ़ा मैंने कालू बिल्कुल सभी का नाम लिया जाएगा लेकिन नाम देखो कालू जाखड़ यस कालू जाखड़ का नाम ले लिया अब तेरे भी मौज हो गई नाम लेने का मतलब समझ रहे हो नाम लेकर ही बच्चे खुश हो जाते हैं छोटे बच्चे होते हैं ना क्या चाहिए तेरे को को मेरे मिठी गोली चाहिए मीठी गोल देकर ही खुश हो जाएंगे बड़े लोग होते हैं वो फिर बड़े चीजों से खुश होते हैं ठीक है तो बिल्कुल कालू जाखड़ वेरी गुड इसका सही उत्तर क्या होगा संतरा राजस्थान में सबसे ज्यादा किस फल का उत्पादन होता है संतरे का अगला जो है राजस्थान में नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ सिट्रस जो है आपका कहां स्थित है राजस्थान में नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थित है जालरापाटन झालावाड़ में नानता फार्म कोटा में देवड़ावास टोंक में बस्सी जयपुर में आएगा प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को कि वेरी <clears> गुड <throat> घनश्याम जहांगीर आदर्श संतोष नेपाल सिंह प्रकाश यादव वेरी गुड इसका आंसर बताएंगे फटाफट से तो ये नींबू वर्गीय फलों का कहां पे है नानता फार्म कोटा के अंदर नींबू वर्गीय फल अर्थात संतरा माल्टा और नींबू का अन, ये उत्कृष्टता केंद्र स्थित है आइए अपना फेवरेट क्वेश्चन कथन कारण वाला तो कथन कारण पढ़ेंगे और फिर देखो उत्तर देंगे निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा गड़बड़ है पहला है नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है दूसरा है नींबू वर्गीय फलों की खेती को वीटिकल्चर कहते हैं अगला है नींबू वर्ग नींबू में कड़वाहट लिमोनिन के कारण होती है संतरा या फिर मेंडरेन में सुगंध वेलेंसीन के कारण होती है और आपके सामने चार विकल्प थे चारों में से आपको सही विकल्प यहां पर बताना है कि कौन सा सही विकल्प है तो यहां पर सही उत्तर जो होगा सही उत्तर बच्चे जैसा कि आंसर करें सेकंड। सेकंड क्यों होगा वो मैं बता देता हूं बिल्कुल ठीक सेकंड जो है विटिकल्चर नहीं बोलते हैं सिट्री कल्चर बोलते हैं विद्यार्थियों सिट्री कल्चर बोला जाता है बाकी तीनों जो विकल्प आप लोगों ने देखे वो बिल्कुल करेक्ट है सेकंड जो है इनकरेक्ट है अगला प्रश्न देखो इंपोर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जट्टी यानी कि रफ लेमन राजस्थान में शुष्क क्षेत्र में संतरा और माल्टा के प्रवर्धन हेतु सबसे अच्छा मूल व्रंथ है इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है जट्टी खट्टी रफ लेमन का वनस्पतिक नाम पूछा गया है सिट्रस जम्बीरी सिट्रस पेराडिसी सिट्रस ग्रैंडिस सिट्रस लिमोनिया सही आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है हाँ विटी अंगूर की खेती को कहते हैं विद्यार्थियों बहुत बढ़िया रेस का घोड़ा ट्रिपल टू रेस का घोड़ा दिव्या आदर्श शशि राम सिंह चौधरी मनीषा उमा कुमावत वेरी गुड सही उत्तर बता रहे हैं फर्स्ट आपका यहाँ पे सही है सिट्रस जम्बीरी इसको हम लोग कहते हैं चट्टी खट्टी लेमन राजस्थान में इसको हम क्या कहते हैं सिट्रस जम्बीरी हम लोग कहते हैं इस मूल व्रंथ को फिर आपको अच्छा प्रश्न देता हूं देखो कि किन्नो संतरा किन्नो जो है संतरा यानी मैंडरिन की संकर किस्म है इसका विकास किन प्रजातियों के संकरण से करवाया गया है सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस पैराडइसी सिट्रस डेलिसियोसा इनटू सिट्रस साइनेन्सिस सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस डेलिसियोसा सिट्रस रेटिकुलेटा इनटू सिट्रस साइनेन्सिस इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा बच्चों जो आपका किनो मैंडरिन है यानी संतरिज्ञ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है उसका संकरण किन दो प्रजातियों के संकरण से करवाया गया है घनश्याम आदर्श दिलीप प्रजापत समझ में आई ये बात तो फटाफट मुझे आंसर करेंगे ठीक है कैलाश वेरी गुड तो बच्चे जो है इसका आंसर जैसा कि आ रहा है मैं आपको उत्तर बता देता हूं इसका बच्चे थर्ड आंसर करने लगे हैं थर्ड सेकंड थर्ड तो मैं आपको बताता हूँ इसका संकरण होता है किंग इंटू विलोलिफ किंग इंटू विलोलिफ जो है उनके संकरण से किंग इंटू विलोलिफ नामक दो प्रजातियों के संकरण से किन्नों का विकास किया गया है किंग को हम लोग बोलते हैं सिट्रस नोबिलिस और विलोलिफ को बोला जाता है सिट्रस डेलीसियोसा अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा थर्ड होगा तो ये थर्ड आप लोगों को याद रखना है अच्छे अच्छे जो एग्जाम होते हैं सबसे पहला प्रश्न तो सीधा पूछते हैं किसका संकरण है तो हम लोग क्या कर देते हैं किंग इनटू विलोलिप और पूछते हैं अंदर से इनका वैज्ञानिक नाम पूछ लें तो सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस डेलीसिओसा के संकरण के बाद ये संतरा विकसित किया गया है मैंडरिन अगला प्रश्न देखो सरल है राजस्थान का वह जिला राजस्थान का वह जिला जहां संतरे यानी मैंडरिन का सर्वाधिक उत्पादन होता है इसलिए इसे हम राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं राजस्थान का वह जिला जहां पे संतरे का का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है इसलिए इसे हम राजस्थान का नागपुर कह देते हैं मंगल राठौड़ गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग है लेकिन कई बच्चे जो हैं मुझे लग रहा है पांच सौ सौ लड़के तो सुबह से गुड मॉर्निंग से ही जुड़े हुए हैं और गुड इवनिंग हो गई है इधर ठीक है तो संजय प्रेम शंकर शर्मा मनोज मीणा वेरी गुड पिंकी किरोड़ी नेवर कालू बढ़िया तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि इसका उत्तर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है मैक्सिमम मेजोरिटी थर्ड की है तो सही उत्तर क्या है इसका झालावाड़ राजस्थान के झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर कह देते हैं वेरी गुड अगला प्रश्न है कि संतरा और ये प्रश्न सुबह भी करवाया था मैंने संतरा और माल्टा के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि क्या है तो व्यवसायिक विधि है टी बडिंग नींबू की क्या है नींबू की आपके बीज के द्वारा व्यवसायिक प्रवर्धन है संतरा माल्टा को हम टी बडिंग से उगाते हैं तो समय व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करते हुए आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं ये अभी हम अच्छा ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है फिर थोड़ा नया है कि नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस कहाँ पर स्थित है थोड़ी देर हमने पहले देखा था वो क्या था वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था राज बच्चे बोल रहे जिंदगी झालावाड़ है बढ़िया बिल्कुल जिंदगी झालावाड़ होनी चाहिए जिंदगी जिन्द नहीं होनी चाहिए जिंदगी झालावाड़ कोई बात नहीं है जिंदगी झालावाड़ आपकी हो सकती है हाँ परंतु आपकी जिंदगी जो है देश 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 नहीं होनी चाहिए बाकी जिंदगी आपकी जालावाड़ हो सकती है तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद करने की मेरी जिम्मेदारी है ऐसे नहीं कि फटाफट दोल में लट चला जाइए विश्व में संतरा की सबसे अच्छी किस्म जिसे फाइनेस्ट द वर्ल्ड कहते हैं जिसे हम पोंकन के नाम से भी जानते हैं कौन सी है विश्व की सबसे बढ़िया जो संतरे की वैरायटी जिसे के नाम से जानते हैं कुर्ग लड्डू नागपुर सत्सुमा. कुर्ग लड्डू नागपुर मेंडरिन और सतसुमा सही आंसर इसका क्या होगा संगीता पटेल दिलखुश काबरा म्यूजिक बीजांटा ठीक है नानता कोटा हम समझ गए सर हाँ वही समझ गए ना तुम देश देश का मतलब तुम समझ गए हाँ, तभी तो कह रहा करो वो चीजें बच्चे जल्दी समझते हैं जो मैंने कहा ना जिंदगी जलावाड़ नहीं है जिंदगी डेस देश, देश देश है तो बच्चे सब अपने आप समझ गए बच्चे बोल रहे हैं सर हम सब समझ गए हैं ठीक है वो तो वही चीज सबसे जल्दी हम समझते हैं जो बिना कहे समझने वाली चीजों में ही तो हम हिंदुस्तानी हो रहे हैं बढ़िया से थर्ड आंसर आ रहा है तो यहाँ पे इसका उत्तर जो मैं आपको बता देता हूं नागपुर मेंडेरीन जिसे पोमकन भी कहा जाता है यह सबसे बढ़िया वेराइटी है आप लोगों को हमेशा रखना है बच्चा बोल रहा बच्चे ने आईडी बनाई पापा का परा पापे की परी जो होती है बोलते हैं पापा की परी बच्चे ने लिखा है पापा का परा तो पापा का जो परा है उसका भी मैं स्वागत तो करना ही पड़ेगा ठीक है हाँ अगला प्रश्न मैं दिखाता हूं अब देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बातों बातों में आपको इंपोर्टेंट चीज के ऊपर भी ध्यान देना है मजाक अपनी जगह है प्रश्न अपनी जगह है ऐसा नहीं है कि वास्तव में जिंदगी आपकी डेस 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 हो जाए तो संतरा जो है संतरा की किस्में इधर दे रखी है इधर इसकी विशेषता जो है यहाँ पे दे रखी है कुर्ग खासी सतसुमा और किन्नो दक्षिण भारत में प्रचलित पूर्वी भारत आसाम में प्रचलित बीज रहित किस्म किंग इन... सिट्रस नोबिलिस इंटू है सिट्रस तो डेली पे जो है आपको सही आंसर क्या देना है ये देना है कि किस्मों को उधर मिलान करना है तो आपको कौन सा आता है आपको मान लगे कि किन्नो का आता है कि सर किन्नू का तो किंग इंटू विलोलीप होता है तो फोर्थ के अंदर फोर्थ हो जाएगा तो फोर्थ के अंदर बिल्कुल फोर्थ हो जाएगा सर हमें यह भी बताया कि सतसुमा का बीज रहित किस्म है तो तीसरे में तीसरा होगा तो देखो तीसरे में तीसरा इधर हो रहा है खासी क्या है सर तो खासी पूर्वी भारत में होती है दक्षिण भारत के अंदर होती है तो सही कौन सा हुआ ए बी सी डी वैरायटी दक्षिण भारत में प्रचलित है खासी वैरायटी पूर्वी भारत में प्रचलित है सतसुमा बीज रईत है और किन्नो किंग इंटू विलोलिफ इसका संकरण है निम्नलिखित में से कौन सी माल्टा की किस्म नहीं है स्वीट ऑरेंज की किस्म नहीं है ये आपको बताना है ब्लड रेड पाइनेपल सतगुड़ी और सतसुमा तो अभी आपने क्या देखा अभी आपने ये देखा कि आपकी जो सतसुमा किस्म है ये आपकी संतरा की बीज रहित किस्म है संतरा की बीज रहित किस्म है तो ब्लड रेड पाइनेपल और सतगुड़ी तीनों जो देख रहे हो ये आपकी क्या है माल्टा की है चौतीस सत सुमा आपकी सीडलेस वेराइटी है किसकी मेंडरिन की चक्रधर किसकी बीज रहित किस्म है चक्रधर जो है किसकी बीज रहित किस्म है लेमन की है नींबू जिसे एसिड लाइम कहते हैं स्वीट ऑरेंज जिसे मौसमी माल्टा कहते हैं या फिर स्वीट लाइम की वेराइटी है आपकी चक्रधर किसकी वेराइटी है ये आप लोगों को बताना है कि चक्रधर किसकी वेराइटी है तो चक्रधर आपकी वैरायटी किसकी है ये आप लोगों को बताना है तो चक्रधर इसमें लोकेश मोहित पिंकी मनीष दिव्या बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर है तो बी देखो क्या है नींबू यानी कि जो एसिड लाइन होता है अपना जिसको कागजी नींबू कहते हैं चक्रधर उसकी बीज रहित किस्म है ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़कर के हम लोग क्या देख रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा सिट्रस कैंकर रोग का रोगजनक नामक जीवाणु है, जो है रोग का रोग या रोग कारक कौन सा जीवाणु है जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस पीबी प्योनिकी फ्यूजेरियम फंगस फंगसिज सिट्राई जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीबी सिट्राई फ्यूजेरियम ऑक्सिसम आपका फंगस साइडा या फिर सीडी मुकेश लोकेश दिलीप सोनिया कुमावत प्रकाश आईसीएर इन कैलाश मीणा सर बस करो बिल्कुल बस कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद में बस कर देंगे ठीक है लेकिन फिर में फिर आपका क्या करेंगे हम लोग हम जनमत संग्रह करवाएंगे और बहुमत होगा ना वो निर्णय लिया जाएगा ठीक है तो फटाफट से आप लोग बताएं इधर कि क्या आंसर थर्ड आंसर होगा तो बिल्कुल जेंटोमोनास एकजोनोपोडिस पीवी सिट्राई जो है आपका यहां पे क्या होगा हम लोग हम लोग क्या कराएंगे हम लोग रेफरेंडम करवाएंगे जब भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बने विद्यार्थियों जब भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग-अलग देश बने तो कई जगह ऐसी स्थिति जहां पे जनमत संग्रह करवाया गया जनमत संग्रह अर्थात जो लोगों की इच्छा होगी कि हाँ हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं भारत में नहीं रहना चाहते हैं तो जनमत संग्रह के आधार पर जिसको बोलते हैं रेफरेंडम रेफरेंडम तो रेफेरेंडम के आधार क्या हुआ प्रश्न आ सकता है हिंदी में कि रेफरेंडम का मतलब क्या होता है तो, तो ये ध्यान रखना अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि ट्रिस्टेजा जो वायरस होता है ट्रिस्टेजा वायरस यानी क्विक डिक्लाइन रोग का सूचक पौधा इंडिकेटर प्लांट कौन सा है ट्रिस्टेजा वायरस यानी कि क्विक डिक्लाइन रोग भी कहते हैं इसका इंडिकेटर प्लांट एसिड लाइम यानी कि नींबू रंगपुर लाइम स्वीट लाइम और डिक्लाइन किस किस तो जो किस्म है इसका इंडिकेटर या सूचक पौधा कौन सा है कैलाश डाबी आज है जो राज है कल किसने देखा बताओ कल कल और ले लेना ले मैराथन तो कल तो देखा ही नहीं है तो आज है जो वही राज है ऐसा बताते हैं लोग तो हाँ ठीक है तो बच्चों का आंसर आने लग गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही उत्तर इसका क्या है जो टिस्ट्रेजा वायरस होता है वो एसिड लाइम यानी कि नींबू जो होता है वो क्या होता है इसका इंपोर्टेंट लगा के टिस्टेजा वायरस का क्या होता है क्विक डिक्लाइन नामक रोज होता है

इन चारों में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा दुर्गा शंकर शीशपाल देवेंद्र नागर माया कैलाश मौर्या रामस्वरूप दीपक तो यहां पे जो है विद्यार्थियों बात ऐसी है इसका सही उत्तर क्या होगा ये पहले माइकोप्लाज्मा इसका सही उत्तर माना जाता था और माइकोप्लाज्मा नहीं ऑप्शन में था आजकल इसका उत्तर क्या माना जाता है जीवाणु माना जाता है और जीवाणु का नाम क्या है कैंडिडेटस लिबरेबेक्टर तो कैंडिडेडेटस लिबरेबेक्टर क्या है सिट्रस ग्रीनिंग इसकी वजह से होता है ये एक प्रकार का जीवाणु है बच्चों जीवाणु ठीक है अच्छी बात है अगला फिर से देखो अब यहां अगले प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि बेमेल को छांटना है इधर तो रोग दे रखे हैं इधर आपको रोग वाहक कीट दे रखे हैं कि कौन से बीमारी को कौन फैलाता है अच्छी बात है गुड पहला है सिट्रस कैंकर जिसको कौन फैलाता है लीफ माइनर इसको फैलाता है लीफ माइनर जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनो फाइलोक्निस्ट सिट्रेला जिसको बोला जाता है फाइलोक्निस्ट सिट्रेला दूसरा है सिट्रस ग्रेनिंग जिसे जीवाणु कहते हैं और जीवाणु से होता है इसे कौन फैलाता है सिट्रस साइला यानी कि डाइफोरिना सिट्राइ, अगला है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस इसे कौन फैलाता है सिट्रस एफिड यानी टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा और लास्ट ऑप्शन है आपका गमोसिस या गोदाती कवक रोग इसे कौन फैलाता है फल चूसक कीट यानी यूरोसिमा स्पीसीज चार कीट दे रखे हैं इन चार कीट के सामने चार वेक्टर इंसेक्ट दे रखे हैं आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा जो है इनको फैलाने वाला कीट नहीं है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से कमेंट बताएंगे उमा पिंकी दिलखुश राम सिंह चौधरी सिंह ठीक है आप नो राजस्थान पूरज पवन प्रजापत बेस्टी प्रियंका वेरी गुड तो सही उत्तर में बता देता हूं आपको सही उत्तर होगा इसका बिल्कुल फोर फोर सही होगा इसको ये फल चूसक कीट बिल्कुल नहीं फैलाता है बाकी ऊपर वाले तीनों के तीनों क्या है करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है

इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ आपको इसका सही उत्तर होता है अधिक तापमान के कारण होता है साथ ही अधिक आर्द्रता और याद रखेंगे तो अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता क्या है इसका विद्यार्थियों कारण है अगला है इंपॉर्टेंट है इस चीज को पढ़ दो पहले तो कि क्या है कि किन्नु जो है किन्नु के सघन रोपण हेतु ट्रोयर स्ट्रेंज मूलव्रंथ काम में लेते हैं इसे लगाने हेतु पंक्ति और पौधे की दूरी कितने रखते हैं छह इंटू छ मीटर तीन इंटू तीन मीटर वन पॉइंट एट इंटू वन पॉइंट एट मीटर आठ इंटू आठ मीटर इसका सही उत्तर बताएं कि गौरव राणा अभिषेक सिंह अरुण आईएमसी, राम सिंह पिंटू यादव मोहित सरस्वत महेंद्र प्रजापत मायाराम वेरी गुड तो इसका सही उत्तर विद्यार्थियों क्या होगा इसका राइट right आंसर मैं बता देता हूं एक पॉइंट को एज ए रूट स्टोक काम में लेते हैं अगला देखो सरल सा नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस जो रोग होता है उसको नामक कवक से होता है किस कवक की वजह से गमोसिस होता है पीथियम अफेडर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम माइकोस्फेरिला, म्यूसिकोला और फाइटोफ्लोरा ऑफ इसका सही आंसर क्या होगा गमोसिस नामक जो गमोसिस नामक जो डिजीज है वो किस कवक की वजह से होती है समझ रहे हो तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है फाइट ऑफ अब जो है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है

दौड़ना तो पड़ ही नहीं रहा है खेतों के अंदर दौड़ना पड़ रहा है थक गए होंगे ऐसा तो है नहीं कोई जैसे सैनिक वगैरह होते हैं वो देश की सेवा करते हैं वो पीठ के ऊपर कितना वजन लेकर के चढ़ते हैं पहाड़ियों के ऊपर खेत जो किसान खेतों के अंदर काम करते हैं पूरे दिन जो है कितना काम करना पड़ है अपने को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा केवल केवल थोड़ा सा खड़े रहना पड़ रहा है टाइम मिले तो बैठ भी जाते हैं केवल पेन में से लिखना है जो भी डिजिटल है इसमें भी मजदूरी नहीं करनी आजकल जो डिजिटल बोर्ड है इसमें भी कोई बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है ये थोड़ा सा यूं करते हैं ये है, रंग अपने आप चल जाता है इसमें तो कोई मजदूरी तो अपने को कर ही नहीं पड़ रही तो थकने का तो इश्यू है नहीं ठीक है परंतु आप सभी लोग इतनी देर तक फोन को देखते हो लगभग अपने को आठ घंटे प्लस हो गए तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं तो क्लास को एंड करें उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से हम भगवान कृष्ण को याद करते हुए आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने पूरे पेशेंस के साथ में जो है आज पूरे दिन तक आज आठ घंटे प्लस हो गए अपने को आठ घंटे से ज्यादा एक जगह बैठ करके देखना वास्तव में कितना मायने रखता है मैं समझ सकता हूँ तो आप लोगों ने इतनी इतने धैर्य के साथ में बिल्कुल काम लिया है तो धैर्य वास्तव में जीवन में बड़ा होता है विद्यार्थियों यह धैर्य आपको वास्तव में आगे चल करके बहुत काम आएगा जो धीरज है ये धीरज जीवन में भी रखनी चाहिए तो आप सभी को मैं बहुत लाख लाख शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आज जो है इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे झेला है तो आप सभी को मैं जन्माष्टमी की शुभकामना देते हुए आप सबसे विदाई लेता हूँ थैंक यू सो मच गुड नाइट